हेलो स्टूडेंट्स दिस इज साक्ष वैश्वी एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स ब्रीनस पर आपको मिलेंगे फोर्थ टू ट्वेल्थ क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सो स्टूडेंट्स हमने हमारे इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स के चार चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए राइट अब हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि नेम्ड है नॉन कॉम्पिटेटिव मार्केट्स ओके सो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं हम इस लेक्चर में सिर्फ वो देखेंगे ओके कि ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है उसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले सो मार्केट नाउ स्टूडेंट्स अभी तक हमने क्या पढ़ा हमने पढ़ा डिमांड सप्लाई प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स राइट ये चार चीजें हमने पढ़ ली है राइट की डिमांड क्या है सप्लाई क्या है कॉस्ट एंड रेवेन्यू भी पढ़ लिए प्रोड्यूसर कंज्यूमर सब पढ़ लिए उनके इक्विलिब्रियम पढ़े राइट अब ये सब कुछ कहीं पे तो काम कर रहे होंगे ना ये जो प्रोड्यूसर हैं कंज्यूमर हैं डिमांड है, है, है सप्लाई वो सब कहीं ना कहीं मिलेंगी तभी तो हमारी इकोनॉमी कंप्लीट होगी राइट अगर एक प्रोड्यूसर सिर्फ प्रोड्यूस करता रहेगा उससे कंज्यूमर का पता ही नहीं कुछ तो क्या मतलब उस चीज का अगर एक कंज्यूमर कंज्यूमर कंज्यूम कैसे करेगा अगर उसके पास प्रोड्यूसर ने जो गुड्स प्रोड्यूस करे हैं वो नहीं आए अभी तक तो तो ये सारी जो चीजें जो अभी तक हमने डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स पढ़े हैं राइट वो सारी चीजें एक जगह पर आके मिलेगी वो क्या है वो होगा हमारा मार्केट राइट एक मार्केट ऐसी प्लेस होगी जहां पर ये जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे वेरिएबल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट हमारे जो अप्रोचेस हमने पढ़ी हैं, वो सब आके एक जगह पर मिलने वाली है वो क्या हमारे मार्केट हो गया ओके okay? तो हम मार्केट क्या होता है अब वो पढ़ेंगे अब इन सारी चीजों को हम एक एक चीज में इंक्लूड करके मार्केट क्या होता है वो पढ़ेंगे ओके देन ऑफ मार्केट क्या असेंशियल चीजें होती है हमारे मार्केट में ओके okay, वो हम देखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर अब मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है स्टूडेंट्स मार्केट स्ट्रक्चर का क्या मतलब होगा मार्केट स्ट्रक्चर का अगर हम एक ब्रीफ में मतलब देखें तो एक ऐसी जगह एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें हमारे सारे मार्केट के होंगे राइट डिफरेंट डिफरेंट क्या क्या टाइप्स के मार्केट होते होंगे वो हम देखेंगे हमारे मार्केट स्ट्रक्चर में ओके मार्केट स्ट्रक्चर में डिमांड सप्लाई कैसे हमारी चलेगी डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू प्राइजेस कैसे डिटरमाइन किए जाएंगे वो हम किसमें देखेंगे हमारे मार्केट स्ट्रक्चर में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मार्केट स्ट्रक्चर को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं ओके okay? क्या उसके बेसिस हो सकते हैं किन पॉइंट से किन क्या फैक्टर्स होते हैं जो हमारे मार्केट स्ट्रक्चर को डिवाइड करते हैं वो हम देखेंगे देन परफेक्ट कॉम्पिटिशन मोनोपोलियन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये चैप्टर का ओवरव्यू देख के बहुत अच्छा लग रहा होगा बिकॉज आई नो आप लोग बहुत एक्साइटेड हैं फॉर्म ऑफ मार्केट पढ़ने के लिए राइट right? तो ये क्या है ये फॉर्म्स ऑफ मार्केट है हमारे परफेक्ट कॉम्पिटिशन मोनोपोलियन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन ये सारे क्या है हमारे फॉर्म्स ऑफ मार्केट्स ही हैं तो ये सारे क्या होते हैं ये इनके क्या डिटर्मिनें होते हैं इनके क्या फीचर्स होते हैं इनके हर एक पर्टिकुलर के अंडर कैसे डिमांड सप्लाई कर्व होते हैं इनमें प्राइजेस कैसे डिटरमाइन किया जाता है राइट right? गुड्स के प्राइजेस को कैसे डिटरमाइन करते हैं हम हर एक कंपटीशन, हर एक मार्केट के अंडर डिफरेंट डिफरेंटली वो क्या होता है वो हम देखेंगे एक ओलिगोपोली भी होता है तो ओलिगोपोली कैसा मार्केट होता है वो हम देखेंगे एंड फाइनली हम क्या करेंगे हम सारे मार्केट्स के बीच में कंपैरिजन करेंगे राइट जो डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स हैं उनके बीच में हम कंपैरिजन करेंगे कि कौन से एक पर्टिकुलर मार्केट में क्या फीचर होता है कौन से पर्टिकुलर मार्केट में क्या फीचर होता है ओके okay? तो ये सारी चीजें स्टूडेंट्स हम अपने पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में नॉन कॉम्पिटेटिव मार्केट्स में

प्राइस डिटरमिनेशन देखेंगे कि कैसे हमारा प्राइस डिटरमाइन होगा अभी तक हमने जो डिमांड सप्लाई प्रोड्यूसर कंज्यूमर सब डिफरेंट डिफरेंट पड़े हैं ना यहाँ पे आके क्या कर देंगे हम उसको मिक्स कर देंगे डिमांड एंड सप्लाई से प्राइस डिटरमाइन होता है मैं ये आपको अभी इस लेक्चर में बता रही हूं कैसे डिटरमाइन होता है कब डिटरमाइन होगा वो हम आगे पढ़ेंगे ओके कि प्राइजेस कैसे डिटरमाइन होंगे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के जो हमने इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम पढ़े थे तो वो का क्या काम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर कब पहुंचेगा एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर कब पहुंचेगा ये हमने पढ़ लिया लेकिन अब उस इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग कैसे एक कंज्यूमर और एक प्रोड्यूसर जो है वो बिहेव करेंगे वो डिमांड एंड सप्लाई को कैसे इंटरसेक्ट करवाते हैं कैसे प्राइजेस को डिटरमाइन करवाएंगे वो सारी चीजें हम देखेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में ओके बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत ही इजी चैप्टर ही हमारा हम अपने नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे विथ आर फर्स्ट टॉपिक दैट इज मार्केट ओके नॉन कॉम्पिटेटिव मार्केट जो हमने अभी न्यू चैप्टर स्टार्ट किया उसका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं ओके okay? वो क्या है मार्केट मीनिंग ऑफ मार्केट अब मार्केट क्या होता है देखते हैं क्या होता है मार्केट रिफोर्स टू दी होल रीजन वे बायर्स एंड सेलर कमोडिटी आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर टू इफेक्ट परचेज एंड सेल ऑफ अ कमोडिटी ओके तो स्टूडेंट्स मार्केट में क्या होता है मार्केट में होता है परचेज एंड सेल ओके मार्केट में क्या होगा परचेज एंड सेल होगा अब परचेज और सेल को करेगा कौन परचेज कौन करेगा स्टूडेंट्स परचेज करेंगे बायर्स राइट right? परचेज करेंगे बायर्स एंड सेल कौन करेंगे सेल करेंगे हमारे ओके okay. तो एक मार्केट में क्या क्या चीज होगी एक बायर हो गया एक सेलर हो गया बायर परचेज कर रहा है सेलर सेल sell कर रहा है अब ये दोनों सेल परचेज करेंगे कैसे जब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे राइट right? एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में होंगे तभी तो परचेज या सेल होगा राइट तो कितनी चीजें हो गई हमारे मार्केट में स्टूडेंट्स बायर सेलर परचेज सेल एंड कॉन्टैक्ट, ओके इन सबको मिला के क्या हो गया इन सबको मिला के हो गया हमारा मार्केट राइट right? अब इस सब में एक और चीज को हम इंक्लूड करते हैं इतनी सारी चीजों में वो क्या होगी हमारी इतनी सारी चीजें इतनी सारी चीजों में एक और चीज क्या होगी कमोडिटी राइट क्या परचेज करेंगे क्या सेल करेंगे किसके लिए एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में होंगे एक कमोडिटी भी तो होगी एक बायर एक कमोडिटी को खरीदना चाहता है एक सेलर एक कमोडिटी को सेल करना चाहता है इसलिए वो दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में है ताकि ये जो सेलर है वो सेल कर सके ये जो बायर है वो बाय कर सके राइट तो एक मार्केट क्या हो गया स्टूडेंट्स एक मार्केट एक ऐसी प्लेस हो गई उस होल रीजन को बोलेंगे जहां पे बायर और सेलर होते हैं एक कमोडिटी के जो कि एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में होंगे टू इफेक्ट परचेज एंड सेल ऑफ दी कमोडिटी ओके तो यहां पे क्या पता चल गया हमें एक बायर है एक सेलर है एक कमोडिटी है जो कि परचेज एंड सेल कर रहे हैं बायर एंड सेलर एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में होके ओके नाउ स्टूडेंट्स हम इसको थोड़ा और ब्रॉड वे में अगर लेकर जाए तो बायर्स क्या करते हैं कमोडिटी की डिमांड करते हैं राइट बायर्स क्या करेंगे बायर्स करेंगे डिमांड सप्लायर्स सेलर्स क्या करेंगे स्टूडेंट सेलर्स करेंगे सप्लाई राइट right? तो यहाँ पे हमारा डिमांड एंड सप्लाई भी आ गया राइट right? हमें पता था कि ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है मार्केट में हमें सब कुछ इंक्लूड कर लेंगे डिमांड सप्लाई सब कुछ कर लेंगे ओके नाउ बायर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स बायर्स क्या होते हैं कंज्यूमर्स होते हैं कंज्यूमर्स क्यों होते हैं बिकॉज वो गुड्स को कंज्यूम करते हैं राइट right? वो इस कमोडिटी को कंज्यूम करने वाले इसे यूज करने वाले तो क्या क्या हुए हमारे? Buyers हमारे consumers हुए And sellers क्या हुए हमारे हमारे को हम भी भी बोल सकते हैं बहुत सारे sellers produce भी कर रहे होंगे ना ये जो सेलर्स हैं ये प्रोडक्शन करेंगे फिर उसकी सप्लाई करेंगे राइट right? तो प्रोड्यूसर्स भी बोल सकते हैं हम सेलर्स को तो इस पर्टिकुलर मार्केट में हमने सारी चीजें देख ली हमने देख लिया परचेज सेल डिमांड सप्लाई प्रोड्यूसर कंज्यूमर कमोडिटी सेलर सब कुछ देख लिया राइट right? तो मार्केट क्या है मार्केट इन सबको डिफाइन करने वाला एक रीजन है इस सबको एक इफेक्ट देने वाला एक होल रीजन बोल सकते हैं यहाँ पे क्या होता है हमारे जो बायर्स एंड सेलर्स होते हैं वो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में होते हैं इसलिए हमने मार्केट को क्या बोला स्टूडेंट्स हमने मार्केट को बोला होल रीजन ओके मार्केट क्या है होल रीजन वो पूरा रीजन जहां पर जो बायर्स और सेलर्स हैं एक कमोडिटी को सेल करते हैं एंड उसे परचेज या सेल करने वाला जो इफेक्ट है वो देते हैं ओके एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रहकर ओके सो आई होप स्टूडेंट्स मार्केट की डेफिनेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगी मार्केट की डेफिनेशन में क्या हो गया बायर और सेलर है एक कमोडिटी है उसको सेल करना है और या फिर उसको परचेज करना है तो बायर और सेलर को एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रहना पड़ेगा राइट तो इसलिए एक पूरा रीजन जिसे जहां पे ये सारी चीजें होती हैं उसे हम क्या बोलेंगे उसे हम बोलेंगे मार्केट प्लेस। ओके नाउ नाशियल ऑफ मार्केट असेंशियल ऑफ मार्केट क्या होते हैं? ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके बिना हमारा मार्केट चल नहीं सकता फर्स्ट हो गया हमारा एरिया एरिया से स्टूडेंट सिर्फ हमारा फिजिकल एरिया का मतलब नहीं है ओके यहाँ पे हम सिर्फ फिजिकल एरिया को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं ये तो हो रहा है इंक्लूड लेकिन इसके अलावा जरूरी नहीं है कि कोई एक लैंड होगा तो ही वो एरिया हम माने जाएंगे ओके okay? आपने ऑनलाइन कुछ परचेज या सेल किया है ओके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कुछ हुआ है आपने ऑनलाइन परचेज या सेल किया है तो इसे भी हम क्या बोलेंगे इसे भी हम बोलेंगे एरिया ये भी हमारा एरिया ही होगा एरिया हम उस पूरे रीजन को बोलेंगे स्टूडेंट्स जहां पर हमारे बायर और सेलर मिल सके ओके जहां पर हमारे बायर और सेलर मिल सके उसे हम क्या बोलेंगे उसे हम कहेंगे एरिया ओके इसे क्या बोल सकते हैं हम वे बायर्स एंड सेलर्स कम टूगेदर ओके यहां पे क्या होता है बायर्स एंड सेलर्स कम टूगेदर ठीक तो एरिया क्या होगा स्टूडेंट्स वो सारी जगह जहां पे बायर और सेलर एक साथ में आ रहे वो फिजिकल प्लेस भी हो सकती है वो कोई ऑनलाइन प्लेस भी हो सकती है ओके okay? अभी आप लोग भी बहुत ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे तो क्या आप आपके सेलर से डायरेक्टली मिलते हैं नहीं ऐसे फेस टू फेस मिलते हैं क्या नहीं मिलते हैं आप क्या करते हैं आप बस बताते हैं कि आपको क्या चाहिए आप आपकी कमोडिटी बता देते हैं वो वो आपको पर्टिकुलर वो कमोडिटी दे देते हैं वो सप्लाई कर देते हैं राइट वो आप तक पहुंचा देते हैं तो वो क्या हुआ वो एरिया ही हुआ ना आप जिससे फिजिकली मिल रहे हैं और बाइंग सेलिंग चल रही है तो वो तो चलो ठीक है वो एरिया हो गया आप गए सब्जी लेने सब्जी मंडी में गए वहां पे सेलर था जो कि सब्जी सेल कर रहा था आप गए एज अ बायर आपने सब्जी खरीदी वो क्या हो गया एक फिजिकल एरिया हो गया एक फिजिकल कॉन्टैक्ट हो गया राइट सो बायर्स एंड सेलर्स होने चाहिए वो आपके किसी भी एरिया पे हो सकते हैं वो ऑनलाइन भी हो सकते हैं वो वर्चुअल भी हो सकते हैं या वो रियलिटी में भी हो सकते हैं तो एरिया में क्या होगा एरिया में हम दोनों को इंक्लूड करेंगे वर्चुअल को भी हम इंक्लूड करेंगे एंड रियलिटी में भी अगर आप कोई एरिया पे हो तो उसे भी इंक्लूड करेंगे ओके okay? तो ये हो गया हमारा एरिया देन बायर्स एंड सेलर्स, बायर्स एंड सेलर्स, कोई खरीदने वाला होना कोई बेचने वाला होना अगर कोई खरीदने वाला ही नहीं होगा स्टूडेंट्स, तो एक सेलर क्या काम का राइट एक सेलर लाया उसके गुड्स लाया उसने मान लीजिए एक पर्टिकुलर सेलर है जो कि आइसक्रीम लेकर आया है ओके टेन यूनिट्स की आइसक्रीम लेकर आया एक सेलर लेकिन इसके लिए जो बायर्स हैं वो है ही नहीं कोई खरीदना ही नहीं चाहता है ये आइसक्रीम को तो ये ये आइसक्रीम आइसक्रीम किस काम की ये का वेस्ट ही होना है क्योंकि इसे कोई खरीदना नहीं चाहता है तो ये क्या पे एक मार्केट को अगर हमें चलाना है एक मार्केट का असेंशियल क्या होगा स्टूडेंट्स एक मार्केट का असेंशियल होगा कि बायर्स भी हो उसमें एंड सेलर्स भी हो होके कोई खरीदने वाला भी होना और कोई बेचने वाला भी होना अगर ये सेम चीज हम देखें कि बाय जो आइसक्रीम है उसकी टेन यूनिट्स की क्या है डिमांड ओके दस लोगों को आइसक्रीम चाहिए या एक पर्सन को दस यूनिट चाहिए जो भी चाहिए ठीक है हमने मान लिया कि दस लोगों को आइसक्रीम चाहिए लेकिन यहाँ पे कोई सेलर ही नहीं है ओके कोई सेलर है ही नहीं जो आइसक्रीम बेच रहा तो क्या वो डिमांड किसी काम की क्या वो डिमांड कभी फुलफिल हो पाएगी नहीं हो पाएगी तो इस मार्केट में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स इस मार्केट में हमें चाहिए कि बायर भी होना और सेलर भी होना जब दोनों होंगे तभी जो हमारी एक पर्टिकुलर कमोडिटी है उसको हम ट्रांजैक्ट कर सकते हैं उसकी हम उसको हम मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं ओके okay? तो मार्केट में क्या होना कि बायर भी होना एंड सेलर भी होना देन क्या है स्टूडेंट्स देन हमारे पास है कमोडिटी कमोडिटी अगर कमोडिटी नहीं होगी तो मार्केट किस काम का राइट right? अगर आप मान लीजिए बायर है सेलर है एरिया भी है आपके पास लेकिन कुछ कमोडिटी नहीं है तो फिर उस वो क्या काम का बायर को क्या बाय करना है पता नहीं सेलर को क्या सेल करना है पता नहीं क्योंकि हमारे पास कमोडिटी तो है ही नहीं ओके चलो ठीक है हमें पता है बायर ने बोला कि हमें ना आइसक्रीम सेल हमें आइसक्रीम बाय करना है ओके बायर ने बोला है कि आइसक्रीम बाय करना है उसका है उसकी डिमांड है कि वो आइसक्रीम चाहिए उसे सेलर ने बोला हमें आइसक्रीम सेल करना है ठीक सेलर ने क्या बोला कि आइसक्रीम सेल करना है ये सेलर ने बोला है कि आइसक्रीम सेल करना है लेकिन सेलर के पास ये जो आइसक्रीम्स है ना वो अवेलेबल नहीं है ओके okay? ये जो आइसक्रीम्स है वो अवेलेबल नहीं है तो मतलब क्या आपकी कमोडिटी एट प्रेजेंट क्या है आपकी कमोडिटी आइसक्रीम लेकिन जब आइसक्रीम अवेलेबल ही नहीं है तो मार्केट किस काम का ये बायर एंड सेलर्स किस काम के ठीक इनको आइसक्रीम खरीदना है इनको आइसक्रीम बेचना है लेकिन आइसक्रीम कहाँ है आइसक्रीम तो है ही नहीं आइसक्रीम इनविजिबल हो गई क्या उड़ गई क्या आइसक्रीम है ही नहीं जब कमोडिटी नहीं है तो ये दोनों क्या कर लेंगे ना तो ये कुछ खरीद पाएंगे ना ही ये कुछ सेल कर पाएंगे ओके तो हमें पता है ना डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है है स्टूडेंट्स डिमांड क्या होता विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू परचेज ओके एंड सप्लाई क्या होता है विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू सप्लाई राइट सेल तो आइसक्रीम की विलिंगनेस है लोगों के पास की विलिंगनेस है कि उन्हें बाय करनी है हो सकता है उनके पास ability भी है एक supplier की willingness है है एक की कि उसे बेचनी लेकिन एबिलिटी नहीं है उसके पास प्रोड्यूसड आइसक्रीम नहीं है एबिलिटी नहीं है तो वो सप्लाई नहीं कर रहा है तो जो हमारी कमोडिटी है दैट इज जो हमारी आइसक्रीम है उसकी कोई सप्लाई नहीं कर रहा है तो उसको परचेस कैसे करेंगे एंड जब कोई कमोडिटी नहीं है तो ये मार्केट किस काम का मार्केट का क्या करेंगे अगर कोई कमोडिटी नहीं है तो तो इसलिए मार्केट का एक असेंशियल क्या होगा एक असेंशियल होगा हमारी कमोडिटी कमोडिटी होनी चाहिए तभी तो आपका मार्केट चलेगा ओके okay? तो कमोडिटी को हम क्या बोल सकते हैं कमोडिटी भी हमारी एक असेंशियल है मार्केट का देन कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन किसके बीच में होगा क्यों होगा कॉम्पिटिशन होगा स्टूडेंट्स अलग अलग फर्म्स के बीच में ओके जब तक कॉम्पिटिशन नहीं होगा तब तक क्या कोई फर्म ये सोचेगी कि मैं ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन करूँ नहीं सोचेगी कंपटीशन होगा तो एक फर्म के जो डिफरेंट डिफरेंट फर्म्स है वो लोग सोचेंगे कि हम ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे हम ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे इसका मतलब क्या ज्यादा प्रोडक्शन एंड ज्यादा अच्छे फीचर्स इसका मतलब क्या हम ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं क्योंकि हम जो एक दूसरी फॉर्म है उसके कंपेरिजन में ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं ठीक कंपटीशन होगा तभी तो ये जो हमारे बायर्स हैं उनके पास डिफरेंट चॉइसेस होंगी कि वो कोई भी एक कमोडिटी को खरीद सके ओके okay? कंपटीशन होगा तभी हमारे पास डिफरेंट कमोडिटीज बनेगी ओके okay? जब कंपटीशन होगा तभी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वेरियस काइंड ऑफ कमोडिटीज का प्रोडक्शन होगा ओके वेरियस काइंड ऑफ कमोडिटीज का प्रोडक्शन होगा एंड देन उनकी सेलिंग होगी तो स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास एरिया बायर्स एंड एंड सेलर्स राइट ये चार होते हैं जो कि हमारे मार्केट को कंप्लीट करते हैं ठीक बायर्स एंड सेलर्स होंगे तभी हमारे कोई कमोडिटी वो ट्रेड हो सकेगी कमोडिटी होगी तभी तो कोई बायर्स एंड सेलर्स काम के होंगे कोई एरिया होना चाहिए ना कि एरिया है वो वर्चुअल भी हो सकता है वो इन रियल भी हो सकता है लेकिन एरिया हो ना आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं आप फिजिकल कॉन्टेक्ट में भी आके ट्रांजेक्शन कर सकते हैं ठीक तो कोई एरिया हो होना कॉम्पिटिशन क्यों स्टूडेंट्स कॉम्पिटिशन होना ताकि आपको और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मिल सके राइट right? तो ये जो चार हमारे डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स एंड टर्म्स है ये क्या है बनते हैं ये बनते हैं हमारे एसेंशियल्स ऑफ मार्केट ओके ये बताते हैं कि हमारे मार्केट में इतनी चीजें होनी चाहिए तब हमारा मार्केट क्या होगा कंप्लीट होगा सो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को मार्केट का जो सो मार्केट स्ट्रक्चर क्या होगा मार्केट स्ट्रक्चर रिफर्स टू नंबर एंड टाइप्स ऑफ फर्म ऑपरेटिंग इन द इंडस्ट्री ओके मार्केट स्ट्रक्चर क्या होगा स्टूडेंट्स की कितनी नंबर और टाइप्स ऑफ फर्म ऑपरेट कर रही है एक इंडस्ट्री में ओके okay? ये कौन बताता है हमें ये बताता है हमें मार्केट स्ट्रक्चर ना हमारे पास दो वर्ड्स आए स्टूडेंट्स एक आया फर्म्स एक आया इंडस्ट्री राइट right? ये जो दो वर्ड्स हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है अभी तक तो हमें शायद ये पता है कि यार फर्म और इंडस्ट्री एक ही चीज होती है बहुत एक दूसरे से रिलेटेड ही हम फर्म को इंडस्ट्री भी तो बोल देते हैं राइट right? ऐसा होता है ना लेकिन स्टूडेंट्स फर्म जो है फर्म्स हमारी इंडस्ट्री का पार्ट होती है ओके okay? इंडस्ट्री बड़ी एक वाइडर कॉन्सेप्ट होता है एंड फॉर्म जो होती है उसकी पार्ट होती है ओके okay? ये जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होती है स्टूडेंट्स डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स को मिलाकर क्या बनती है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स को मिलाकर इंडस्ट्री बनती है ओके okay? ना ये जो फॉर्म होती है स्टूडेंट्स ये किस में डील करती है ये सिमिलर प्रोडक्ट्स में डील करती है ओके okay? ये किस में डील करती है सिमिलर प्रोडक्ट्स में डील करती है ये जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म सिमिलर प्रोडक्ट्स में डील कर रही है ये सब मिला के क्या बनती है इंडस्ट्री हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं एक एक सोप मेकिंग फॉर्म का ओके okay? एक सोप मैन्युफैक्चरर का एग्जाम्पल लेते हैं ये जो पर्टिकुलर फॉर्म है ये क्या मैन्युफैक्चर करती है ये मैन्युफैक्चर करती है सोप ओके तो ऐसी और भी जितनी भी फॉर्म्स होंगी जो कि हमारी सोप को मैन्युफैक्चर करती है वो क्या बनेगी वो सब मिलके एक इंडस्ट्री बन जाएगी ओके ये इंडस्ट्री किस चीज की होगी स्टूडेंट्स ये इंडस्ट्री होगी सोप मैन्युफैक्चरर्स की ओके ये किस चीज की इंडस्ट्री होगी हमारी सोप मैन्युफैक्चरर्स की तो मतलब ये हमें क्या बता रहा है कि इंडस्ट्री क्या है इंडस्ट्री आपकी सारी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स का समअप ओके फॉर्म आपकी एक इंडिविजुअल हो गई एंड इंडस्ट्री सारी फॉर्म्स को एक मिलाकर कितनी हो रही है वो उस, वो बताता है हमारे इंडस्ट्री ओके okay? अब स्टूडेंट्स अगर कोई भी सोप मैनू सोप मेकिंग में अगर कुछ भी चेंजेस लाने या कुछ भी रूल्स या लॉज या कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं टैक्सेस वगैरह तो वो चीज इंडस्ट्री बताएगी हमें ओके okay? जो चेंजेस हो रहे हैं वो क्या हो रहा है वो पूरी इंडस्ट्री पर हो रहे हैं तो ये इंडस्ट्री अपनी जो डिफरेंट डिफरेंट फर्म्स हैं उन सब के लिए सेम चेंज ही बताएगी राइट right? बिकॉज ये सारी फर्म्स एक जैसी हैं ओके okay? ये सारी फर्म्स सोप ही मैन्युफैक्चर कर रही है वो अलग चीज है कि सबके पास अलग अलग डिफरेंट टाइप के सोप्स हैं लेकिन सोप्स तो सोप्स होते हैं राइट right? सारे सोप एक जैसे ही मान रहे हैं अगर हम तो सारे जो सोप मेकिंग फर्म्स हैं जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल फॉर्म है जो कि सोप बनाते हैं वो सारे फॉर्म्स को ऐड कर कर एक सोप मेकिंग इंडस्ट्री बन गई ओके तो हमें क्या पता चला है? कि जो इंडस्ट्री होती है वो एक वाइडर कंसेप्ट होता है एंड जो फॉर्म्स होती है वो एक नेरुअर कंसेप्ट होता है एक स्मॉल कंसेप्ट होता है जो कि इसी का पार्ट होता है ओके हम बोल सकते हैं कि फॉर्म्स क्या है फॉर्म्स पार्ट है हमारी इंडस्ट्री का ओके फर्म्स हमारी इंडस्ट्री का पार्ट होते हैं ये चीज हम बोल सकते हैं ठीक स्टूडेंट्स मार्केट स्ट्रक्चर क्या है मार्केट स्ट्रक्चर हमें क्या बताता है नंबर in इसमें ऑपरेट कर रही है ओके एक इंडस्ट्री है सोप मैन्युफैक्चरर वो एक जो सोप मेकिंग इंडस्ट्री है वो ये बताएगी कि उसके अंडर कितनी डिफरेंट डिफरेंट या कितनी नंबर्स की सोप मेकिंग फर्म्स हैं और वो कितनी डिफरेंट है एक दूसरे से क्या उनका टाइप है ओके okay? कोई हो सकता है हैंड वॉश वाला सोप कोई बेथिंग वाला सोप या कोई फेस वॉश के लिए सोप यूज कर रहा है सबके अलग अलग फीचर्स हैं कोई हेल्दी रखने के लिए कोई सॉफ्ट रखने के लिए राइट right? कोई ऑयली स्किन के लिए कोई सा ड्राई स्किन के लिए तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सोप्स बन सकते हैं तो कितनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्म्स है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में एंड कितनी नंबर्स की है ओके ये कौन बताएगा ये बताएगा हमें मार्केट स्ट्रक्चर ठीक मार्केट स्ट्रक्चर क्या बता रहे फर्म और कितनी नंबर की फर्म्स ऑपरेट कर रही है ठीक सो आई होप ये आपको क्लियर होगा ये पर्टिकुलर स्लाइड में जितना भी लिखा हुआ है ओके नाउ मार्केट स्ट्रक्चर को अगर स्टूडेंट्स हम डिवाइड करें तो हम उसे फोर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, okay? मतलब की हम बता सकते हैं कि कौन कौन सी टाइप की होती है वो हो गई हमारी परफेक्ट कॉम्पिटिशन मोनोपोल मोनोपोलिस्ट कॉम्पिटिशन ओलिकोपोली एंड मोनोपोली ओके तो स्टूडेंट्स ये सारी जो है हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर हो गए मतलब कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्म्स है कुछ फर्म्स होंगी जो परफेक्ट कंपटीशन होगी वो परफेक्टली कॉम्पिटेटिव फर्म्स होंगी ओके okay? उनके जो फीचर्स होंगे वो इससे रिलेटेड होंगे देन कुछ फर्म्स होंगी स्टूडेंट्स जो कि मोनोपोली में वर्क करेंगी कुछ होंगी जो मोनोपोलिस्टिक में वर्क करेंगे एंड कुछ होंगी जो कि ओलिगोपोली का पार्ट होंगी ओके okay? तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट हमारी टाइप्स है उसमें डिफरेंट डिफरेंट फर्म्स हम देख सकते हैं नाउ स्टूडेंट्स ये जो चारों हैं ये क्या होते हैं ओके okay? इनको मैं अभी आपको ब्रीफ में भी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ बिकॉज मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगी आपके माइंड में कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन रह जाएंगे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रह जाएंगे इसलिए मैं अभी इनमें से कुछ भी डिस्कस नहीं कर रही हूँ अभी हमें क्या पता है अभी हमें पता है कि जो मार्केट स्ट्रक्चर है उसमें फोर टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिशन हम बता सकते हैं फोर टाइप्स ऑफ फॉर्म्स हम बता सकते हैं ओके अब ये चारों क्या होती है स्टूडेंट्स ये हम अपने जो वीडियोस आने वाले हैं आगे उनमें पढ़ते जाएंगे ओके okay? कि ये चारों क्या होती है हर एक चीज को हम डिफरेंट डिफरेंट पढ़ेंगे एंड बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं ओके अभी हमें बस इतना पता है कि ये चारों चीज होते हैं कुछ ठीक ना डिटर्मिनेंस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर ऐसी क्या फैक्टर्स हैं ऐसे क्या पॉइंट्स हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं हमारे मार्केट स्ट्रक्चर को ठीक वो हम देखते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर को क्या डिटरमाइन करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा स्टूडेंट्स मार्केट स्ट्रक्चर में देखा कि हमारे पास फोर टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर थे टाइप्स 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 थे थे okay? ओके ये जो फोर ऑफ हमारे पास परफेक्ट ओलिकोपोलियन मोनोपोली तो ये चारों में हम कैसे डिफाइन करेंगे कौन सी फॉर्म किसका पार्ट है राइट right? कौन सी फॉर्म किसका पार्ट है वो हम कैसे डिसाइड करेंगे वो चीज हमें बताएंगे हमारे डिटर्मिनेट्स ओके okay? कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट डिटर्मिनेट है इससे हम बता सकते हैं कि कौन सी फॉर्म किस टाइप की है ठीक तो क्या डिटर्मिनेंस है स्टूडेंट्स इसके हम देखते हैं नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ओके कितने नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आपका जो मार्केट है वो किस स्ट्रक्चर का है वो किस टाइप का है ओके इकोनॉमीज ऑफ स्केल इकोनॉमीज ऑफ स्केल लार्ज इकोनॉमीज पे वर्क कर रहा है स्मॉल इकोनॉमीज पे वर्क कर रहा है ये डिफाइन करेगा हमारा हमारा मार्केट स्ट्रक्चर हो कि लार्ज इकोनॉमीज पे है तो कौन सी फॉर्म होगी स्मॉल इकोनॉमीज पे हो तो कौन सी फॉर्म होगी वो मैं स्टूडेंट्स अभी आपको एक एक फीचर ऐसे नहीं बता रही हूँ कि अगर लार्ज पे हुई तो ये पर्टिकुलर फॉर्म होगी या स्मॉल पे तो ये पर्टिकुलर फॉर्म होगी बिकॉज अभी जब आपको इन चारों का मीनिंग नहीं पता है तो उस चीज़ में हमें घुसने से कोई मतलब नहीं है अभी हमें क्या देखना है अभी हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि ये कुछ डिटर्मिनेंस होते हैं एंड ये बताते हैं ये डिफाइन करते हैं कि हमारी जो फॉर्म होगी वो किस टाइप की होगी ओके okay? सो देन नेचर होमोजीनियस ने डिफ्रेंशिएटेड नेचर का है वो बताएगा कि कैसी हमारी फर्म होगी ओके एंट्री बैरियर्स अगर इजीली एंट्री कर लेंगे तो वो कौन सी फर्म का फीचर होता है एंड अगर इजीली एग्जिट कर सकते तो वो कौन सी फर्म का फीचर होता है ओके देन मोबिलिटी ऑफ गुड्स गुड्स किस में मोबाइल होते हैं वो चीज डिफाइन करेगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट इंटरवेंशन अब इनमें से कुछ हम थोड़े से में पढ़ लेते हैं प्राइस ऑफ अ कमोडिटी ओके जब स्टूडेंट्स लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं किसी भी कमोडिटी के लिए तो एक इंडिविजुअल बायर या सेलर जो है वो उसकी जो वो है अपनी प्राइस उसको डिफाइन नहीं कर सकता उसको डिटरमाइन नहीं कर सकता मतलब वो उसे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता अगर आपके पास दस बायर्स हैं एक कमोडिटी के दस बायर्स बोल रहे हैं कि हम टेन रुपीज पर इसे सेल करेंगे तो सब टेन रुपीज पर ही सेल करेंगे उस ओके okay? उसमें से दस में से एक ने बोल दे कि वो ट्वेल्व रुपीज पर सेल करेगा तो कोई भी उसकी नहीं सुनेगा ना ही वो कोई इन्फ्लुएंस कर पाएगा उस मार्केट सप्लाई को क्योंकि सब लोग क्या करेंगे सब लोग टेन रुपीज वाले के पास जाकर परचेज कर लेंगे ओके okay? तो ये ट्वेल्व रुपीज जो उसने इंक्रीज किया है अपनी प्राइस वो इनसिग्निफिकेंट है वो अकेला इसे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता ओके okay? And जो वो अकेले एक कोई भी बोल सकता है वो डिटेमाइन करवा सकता है, okay? तो जब होते है ना स्टूडेंट तो क्या होता है जो प्राइस डिटमाइन हो गई है वही प्राइस रहेगी वो प्राइस चेंज नहीं होगी ठीक there is a single seller of a commodity, then such a seller exercises great control over the प्राइस अगर एक सिंगल सेलर है किसी भी कमोडिटी का तो क्या वो जो है उसके पास बहुत ज्यादा कंट्रोल रहता है प्राइस के लिए क्यों रहता है स्टूडेंट्स बिकॉज वो सिंगल सेलर है वो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी प्राइस कर सकता है वो सिंगल है मतलब कि उसके जो कमोडिटी है वो हर किसी के पास तो मिलेगी नहीं तो अगर एक कंज्यूमर को परचेज करना है तो उसे उसके पास जाना पड़ेगा वो एक सिंगल सेलर के पास जाना पड़ेगा परचेज करने के लिए राइट तो जो सिंगल सेलर है अगर किसी भी कमोडिटी का एक सिंगल सेलर होता है तो वो प्राइस के ऊपर उसका बहुत कंट्रोल होता है ओके देन नेचर ऑफ अ कमोडिटी कमोडिटी किस नेचर की है वो डिफाइन करेगा हमारा प्राइस, ओके okay? हम नेचर ऑफ कमोडिटी को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं होमोजीनियस नेचर एंड डिफ्रेंशिएटेड नेचर राइट होमोजीनियस नेचर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स एकदम सेम नेचर की जो होती है उन्हें हम क्या बोलेंगे वो होगी होमोजीनियस की ओके एंड डिफरेंशिएटेड नेचर में मतलब जो डिफरेंशिएटेड नेचर के होते हैं डिफरेंशिएटेड गुड्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं उन्हें हम डिफरेंशिएटेड नेचर के बोलेंगे तो सेम नेचर के मतलब कि एकदम सेम है अगर कोई पर्टिकुलर गुड तो उसके प्राइजेस चेंज नहीं हो सकते ओके आप मान लीजिए होमोजीनियस नेचर में टेन सेलर्स हैं अगर ठीक जो कि होमोजीनियस बिल्कुल एकदम सेम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो एक सिंगल सेलर जो है वो उसके प्राइजेस को चेंज नहीं कर सकता बिकॉज आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिल्कुल सेम है राइट आपके प्रोडक्ट्स बिल्कुल सेम है अगर एक भी सेलर ने उसकी प्राइस इंक्रीज की तो एक जो बायर होगा वो उसके पास से परचेज ही नहीं करेगा वो दूसरे के पास से जाके परचेज कर लेगा तो होमोजीनियस नेचर के जब गुड्स होते हैं तो जो प्राइजेज होते हैं उनमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते अपन ओके ज रहते हैं फाइन प्राइजेस क्या होंगे हमारे अनचेंज रहेंगे और अगर डिफरेंशिएटेड नेचर के मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट नेचर्स की, की है अगर हमारे कमोडिटीज मतलब कि एक कमोडिटी आप मान लीजिए फ्रिज हो गई एक कमोडिटी हमारी हो गई आ, एसी तो दोनों अलग अलग कमोडिटीज हैं अलग अलग टाइप का, का काम करती है तो दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड नहीं है राइट फ्रिज वाले अपने अकॉर्डिंग अपनी प्राइजेस रखेंगे एंड जो हमारे ए uh, सी वाले वो अपने अकॉर्डिंग अपनी प्राइजेस रखेंगे देन स्टूडेंट्स हम अगर फ्रिज में देखें तो जितनी भी अलग अलग ब्रांड्स होंगी जितनी भी अलग अलग कंपनीज होंगी सब ने अलग अलग फीचर्स डाल के रखे अपने फ्रिज में राइट तो मतलब कुछ डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम राइट उनके जो रेफ्रिजरेटर्स हैं उनमें हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो मतलब कि कुछ वो जो फीचर्स हैं जो ऊपर नीचे हैं सब में तो उनके कारण क्या होगा जो प्राइजेस हैं वो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं राइट खुद प्राइस बना सकते हैं खुद उसके प्राइस मेकर हो सकते हैं तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स हमारे डिफ्रेंशियड नेचर में जो प्राइजेस हैं वो खुद बना सकते हैं मतलब वो खुद प्राइज मेकर हो सकते हैं ठीक तो डिफरेंशिएटेड नेचर में हम क्या देखेंगे स्टूडेंट्स की जो प्राइजेस हैं वो एक फर्म अपने अकॉर्डिंग खुद के प्राइजेस खुद रख लेती है ओके तो इस टाइप से जो हमारा नेचर ऑफ प्रोडक्ट है वो कैसे वो डिटरमाइन करेगा हमारे मार्केट स्ट्रक्चर को देन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ फर्म्स ओके इफ देयर इज अ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स प्राइस विल बी स्टेबल इन मार्केट अगर कोई भी फर्म आ सकती है या जा सकती है तो प्राइजेस कैसे होंगे स्टेबल होंगे ओके मतलब कि टेन रुपीज किसी भी एक कमोडिटी का प्राइस ओके हम क्या मान रहे हैं कि टेन जो है किसी भी कमोडिटी का प्राइस है अब इस टेन रुपीज पर अगर आपको एंट्री करनी है तो आप एंटर कर सकते हैं ओके okay, इफ आपको एग्जिट करना है तो आप एग्जिट कर सकते हैं आपके एंट्री या एग्जिट से ये जो 10 रुपीज है इस पे कोई चेंजेस नहीं होने वाले ओके okay? आप एंटर करो आप एग्जिट करो वी डोंट केयर हमारी जो कमोडिटी है उसका प्राइस तो टेन रुपीज ही रहेगा तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है स्टूडेंट्स ऐसी सिचुएशन में जहां पे एंट्री एंड एग्जिट कोई भी इजीली कर सकता है तो इसी सिचुएशन में हमारे जो प्राइजेस होते हैं वो कैसे होते हैं वो okay? स्टेबल होते, होते हैं ठीक लेकिन इफ देर आर एंट्री ऑफ द न्यू फॉर्म एन एग्जिट ऑफ दुएंस एज इट है फ्यर ऑफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर्स ऑन न्यू फॉर्म अगर कोई रेस्ट्रिक्शन है एंट्री या एग्जिट पे तो क्या होगा स्टूडेंट्स तो ये होगा कि एक जो प्राइस है उसको हर एक फर्म हर एक प्रोड्यूसर इन्फ्लुएंस कर सकता है मतलब कुछ ना कुछ अपने अकॉर्डिंग वो रख सकता है क्यों बिकॉज वहां पे एक फियर है कंपटीशन का एक कंपटीशन का फियर है मतलब क्या अब ज्यादा जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट्स में क्या करेंगे एक्स्ट्रा फीचर्स डालेंगे क्यों बिकॉज ऑफ फियर ऑफ कॉम्पिटिशन एक्स्ट्रा फीचर्स डालेंगे ताकि उस पर्टिकुलर फर्म का जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा सेल हो सके राइट right? तो कुछ ये जो फियर ऑफ कॉम्पिटिशन है कि अदर जो दूसरे फर्म्स हैं उनसे हम पीछे रह जाएंगे या दूसरे फर्म्स हमें ओवरटेक कर लेंगे या फिर जो न्यू फर्म्स आएंगे वो हमारी जगह ले लेंगे तो इसके कारण क्या होता है कि एक जो इंडिविजुअल फर्म होती है वो भी इन्फ्लुएंस कर सकती है उसके प्राइस को राइट right? इन्फ्लुएंस करके उसके प्राइस को इन्फ्लुएंस करके उसका मोटिव क्या होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके एंड उसका जो प्रोडक्ट है वो सेल कर सके ओके okay? सो so, जब क्या देखा हमने कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ फॉर्म में क्या देखा कि अगर फ्री एंट्री एग्जिट है तो जो फॉर्म होंगी जो प्राइजेस होंगे वो कैसे होंगे वो स्टेबल होंगे अगर रेस्ट्रिक्शन है एंट्री एग्जिट पे तो जो प्राइजेस हैं वो एक इंडिविजुअल फॉर्म खुद इंफ्लुएंस कर सकती है ओके देन नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन इफ बायर्स इन सेलर है मार्केट कंडीशन यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल्स इन द मार्केट अगर बायर और सेलर को परफेक्ट नॉलेज है कि क्या प्राइजेस चल रहे हैं किसी भी कमोडिटी के राइट right? तो जो प्राइजेस हैं वो यूनिफॉर्म रहते हैं मतलब वो चेंज नहीं होते इन केस ऑफ इम्परफेक्ट नॉलेज सेलर्स आर इन पोजीशन टू चार्ज डिफरेंट प्राइजेस अगर इम्परफेक्ट नॉलेज है तो जो सेलर्स हैं वो क्या कर सकते हैं डिफरेंट प्राइजेस चार्ज कर सकते हैं एग्जाम्पल लेते हैं हम एक फॉरेनर आया है ओके okay? एक फॉरेनर मार्केट में गया तो जो फॉरेनर है स्टूडेंट्स उसे परफेक्ट नॉलेज नहीं है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितने प्राइस का होता होगा ओके एक प्रोडक्ट हम मान लेते हैं गुड है गुड ए उसकी एक्चुअल प्राइस कितनी है उसकी एक्चुअल प्राइस ट्वेंटी रुपीज की ओके उसकी एक्चुअल प्राइस है ट्वेंटी रुपीज की अब एक सेलर है ओके एक सेलर है ए उसके पास कौन गया उसके पास गया एक फॉरेनर ओके क्या खरीदने ये गुड ए को खरीदने गया ओके एक फॉरेनर गया एक, एक गुड ए को खरीदने ओके गुड ए को आप कोई भी नाम दे सकते हैं जीन्स टॉप टी शर्ट कुछ भी दे दीजिए गुड ए को नाम ओके अपने अकॉर्डिंग जो जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप नाम दे दीजिए सेलर के लिए आपको जो नाम अच्छा लग रहा है वो आप नाम दे दीजिए शांतिलाल एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो नाम चाहिए वो दीजिए फॉरेनर के लिए भी आप कुछ भी दे सकते हैं ओके तो एक गुड ए है ट्वेंटी रुपीज का एक सेलर ए है उसके पास गया एक फॉरेनर गुड ए को परचेज करना ठीक अब ये जो फॉरेनर था स्टूडेंट्स इसको परफेक्ट नॉलेज नहीं थी ओके इसको क्या थी इसको इम परफेक्ट नॉलेज थी अबाउट मार्केट ओके इसके पास क्या था इम परफेक्ट नॉलेज थी इसको नहीं पता कि ये जो गुड ए है ये किस प्राइस पर सेल होता है ओके इसे नहीं पता है कि गुड ए किस प्राइस पर सेल होता है तो ये गया इसने बोला इस सेलर को कि मुझे ये गुड चाहिए इस सेलर ने बोला ओके okay, ले लीजिए फॉरेनर ने पूछा क्या प्राइस है तो सेलर ने बोला फिफ्टी रुपीज सेलर ने क्या बोला फिफ्टी रुपीज सेलर ने फिफ्टी रुपीज, रुपीज क्यों बोला बिकॉज उसे पता है कि ये जो फॉरेनर है इसको नॉलेज नहीं है कि ये कितने रुपीज का है राइट उसने बोला फिफ्टी रुपीज फॉरेनर ने बोला ओके okay, फाइन इसने क्या बोला ओके okay, ये फिफ्टी रुपीज में परचेज करके ले गया राइट right? तो अब क्या हुआ जो बीस रुपए का सामान था वो कितने में गया फिफ्टी रुपीज में क्यों बिकॉज ऑफ इम नॉलेज राइट इम नॉलेज था इस फॉरेनर को कि ये जो पर्टिकुलर गुड ए गुड ए है ये किस प्राइस पर सेल होता है तो इस सेलर ने क्या किया इस सेलर ने प्राइजेस अपने अकॉर्डिंग चेंज किए राइट right? इस सेलर ने क्या किया प्राइस चेंज किए क्यों चेंज किए स्टूडेंट्स इसलिए कि क्योंकि उसे पता था कि इस फॉरेनर को इंपरफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट राइट इस कमोडिटी के बारे में तो ये अगर इस 50 के जगह 100 में बोलता तो भी वो फॉरेनर खरीद के ले जाता राइट right? ये क्यों हुआ बिकॉज़ ऑफ इंपरफेक्ट नॉलेज अगर इसी की जगह पे इसी की जगह पे ये फॉरेनर की जगह पे आता कोई कोई एक इंडियन बंदा गया ओके okay? एक इंडियन गया उसको क्या था उसको थी परफेक्ट नॉलेज उसको थी नॉलेज कि कितने का है ठीक इस जो ये जो ये नहीं पता था में सेल करके देखता हूँ उसने क्या किया उसने बोला ये सेलर ने बोला कि ये पचास रुपए का है तो इसने क्या बोला ये इंडियन ने आप पागल बना रहे हो मुझे ये फिफ्टी का नहीं है अभी साइड वाली शॉप पे जाऊंगा वो ट्वेंटी रुपीज में देगा मुझे नहीं चाहिए आपके पास से तो ये सेलर ए का क्या हुआ सेलर ए को पता चला उससे इससे तो 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 पता है इससे तो है इसे परफेक्ट नॉलेज इस इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में राइट तो सेलर ने बोला अरे नहीं नहीं सर वो तो बीस का ही है मुझे लगा आप इस वाले गुड के बारे में पूछ रहे हो उसने अपनी बात को घुमाया और उसने क्या बोला कि ये पर्टिकुलर गुड आपको ट्वेंटी रुपीज में मिलेगा राइट उसने ऐसा क्यों बोला क्योंकि उसे पता है कि ये जो इंडियन है ये फिफ्टी रुपीज में परचेज नहीं करेगा ये दूसरे के पास चले जाएगा वहां से ट्वेंटी रुपीज में परचेज करेगा लेकिन ये चाहता नहीं ना सेलर की ये दूसरे के पास जाए सेलर तो ये सोचेगा मेरे पास से खरीदो तो उसने बात बनाई और उसने क्या बोला नहीं सर आप इसे ट्वेंटी में लेके जाइए ये ट्वेंटी रुपीज का ही है वो गलती से मैंने आपको फिफ्टी रुपीज बता दिया था राइट तो क्या हुआ ये जो पर्टिकुलर था ये पर्सन इसे परफेक्ट नॉलेज थी मार्केट के बारे में इसलिए ये जो सेलर था ये उसके जो चा प्राइजेज है उसे वो चेंज नहीं कर पाया उसे किस प्राइस पे सेंड करना पड़ा जो कि पूरे मार्केट में चल रहा है ओके तो जब परफेक्ट कॉम्पिटी परफेक्ट नॉलेज होती है स्टूडेंट्स बायर्स और सेलर को तो जो प्राइजेज होते हैं वो कैसे होते हैं यूनिफॉर्म होते हैं मतलब वो जो प्राइजेज हैं वो चेंज नहीं कर सकते ओके एंड इम परफेक्ट नॉलेज में इसका उल्टा हो जाता है जो कि एग्जाम्पल अभी हमने देखा ही फॉरेनर केस में ओके देन मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अब अगर जो गुड्स या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी मोबिलिटी पे डिपेंड करता है कि हमारे प्राइसेस कैसे होंगे मोबिलिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स कि आप कितनी इजीली एक पर्टिकुलर गुड को या पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इनपुट को ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हो एक जगह से दूसरी जगह पे ओके okay, उसे हम क्या बोलते हैं मोबिलिटी बोलेंगे वेन दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन मूव मार्केट अगर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है स्टूडेंट्स वो अगर फ्रीली मूव कर सकते हैं पूरे मार्केट में तो कैसे प्राइजेस होंगे तो यूनिफॉर्म प्राइजेस होंगे क्यों यूनिफॉर्म प्राइजेस होंगे स्टूडेंट बिकॉज जब वो फ्रीली मूव कर सकते हैं तो यहाँ पे कोई भी ट्रांसपोर्टेशन right? कॉस्ट नहीं लग रहा है हमें एक 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 प्रोडक्ट को को या फैक्टर जगह जगह से दूसरी पर ले जाने में तो इसके कारण क्या हो रहा है जो हमारे प्राइजेस है वो कैसे हैं हमारे प्राइजेस कॉन्स्टेंट है वो यूनिफॉर्म है कि उनमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे ओके इन केस ऑफ इमोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड फैक्टर्स डिफरेंट प्राइजेस में

पूरा जो आपका कॉस्ट लगा है वो पूरा रेवेन्यू उसका जनरेट करेंगे राइट तो वो क्या होगा आपकी जो प्राइजेस है वो बढ़ा देगा राइट बिकॉज आपके जो गुड्स हैं वो इमोबाइल है तो जब हमारे गुड्स इम होते हैं तो जो प्राइजेस होते हैं वो चेंज हो सकते हैं एंड जब हमारे गुड्स मोबाइल होते हैं तो जो प्राइजेस है वो कैसे रहते हैं यूनिफॉर्म रहते हैं कॉन्स्टेंट रहते हैं ओके okay? अब हम देखते हैं हमारे फॉर्म्स ऑफ मार्केट क्या है ओके okay? Forms of market को students हम दो में कर सकते हैं ठीक अब imperfect competition के तीन और हो सकते हैं दैट इज मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिकोपोली ओके मतलब कि इन शॉर्ट हमें क्या पता है कि हमारे पास दो टाइप्स के मार्केट होते हैं परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट एंड इम कंपटीशन में हम तीन और पॉइंट्स हमारे तीन और टाइप्स देख सकते हैं दैट इज़ मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिकोपोली ओके नाउ ये सब कुछ क्या होते हैं स्टूडेंट्स इन्हें हम डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग देखेंगे कि ये क्या होते हैं एंड इनके क्या फीचर्स वगैरह जो भी इनकी थ्योरी है वो पूरी हम देखेंगे इस लेक्चर में हम देखेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है ओके एंड देन हम फिर जैसे जैसे हमारे नेक्स्ट वीडियो आते जाएगा हम लोग मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली भी देखेंगे कि क्या होते हैं ओके सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे परफेक्ट कंपटीशन से कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है सो स्टूडेंट्स परफेक्ट कॉम्पिटिशन रिफर्स टू मार्केट सिचुएशन वेयर देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ओके क्या है वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ठीक डीलिंग इन अ होमोजीनियस प्रोडक्ट होमोजीनियस प्रोडक्ट में डील करते हैं एट अ फिक्स प्राइस बाय मार्केट, ओके, इन रियालिटी परफेक्ट कॉम्पिटिशन है क्या है स्टूडेंट्स परफेक्ट कंपटीशन का मतलब परफेक्ट कंपटीशन का मतलब है एक ऐसी मार्केट सिचुएशन जहां पे बहुत लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं जो कि होमोजीनियस प्रोडक्ट में डील करते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट में प्रोडक्ट मतलब स्टूडेंट्स बिल्कुल सिमिलर प्रोडक्ट्स, कोई भी चेंजेस नहीं बिल्कुल एक एक फीचर सबका सेम होता है उसमें ओके okay? उसे हम क्या बोलते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। ओके तो ऐसी प्लेस ऐसा मार्केट जहां पे होमोजीनियस प्रोडक्ट ट्रेड होते हैं और उसके बहुत लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं और जो प्राइजेस होते हैं वो कैसे होते हैं प्राइजेस फिक्सड होते हैं मार्केट के थ्रू ऐसे मार्केट को हम कहते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन ओके और स्टूडेंट्स अगर हम रियलिटी में देखें तो परफेक्ट कंपटीशन जैसा कुछ भी नहीं होता है ओके परफेक्ट कंपटीशन नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है क्योंकि ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो बिल्कुल ही सेम हो एक दूसरे से हाँ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक दूसरे के बहुत सिमिलर है लेकिन एकदम टू कॉपी हो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है ओके okay? अगर हम खुद को देखें हम एज ए ह्यूमन मैं एक ह्यूमन हूँ मेरे साथ में एक और ह्यूमन है हम दोनों सेम है हम लोगों के फीचर सेम है हमारे पास दो हैंड्स हैं दो लेग्स हैं दो आइज हैं दो ईयर्स है राइट right? सब कुछ सेम है फिर भी हम लोग डिफरेंट है राइट फिर भी हम डिफरेंट है ना तो क्या बता रहा है वो कि आप में सिमिलैरिटीज हो सकती है लेकिन आप बिल्कुल होमोजीनियस नहीं हो सकते कुछ ना कुछ डिफरेंसेज होंगे कुछ ना कुछ फीचर्स अलग अलग होंगे तो इसलिए ऐसा जो मार्केट होता है वो कभी एग्जिस्ट नहीं करता है ओके okay? सेलर सेल अ होमोजीनियस प्रोडक्ट एट अगल यूनिफॉर्म प्राइस ओके जो सेलर्स होते हैं स्टूडेंट्स ऐसी हमारी कॉम्पिटिशन में ऐसे मार्केट में वो क्या होते हैं वो सेल करते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट एक सिंगल यूनिफॉर्म प्राइस पर ओके यूनिफॉर्म प्राइस पर मतलब जो प्राइजेस है स्टूडेंट्स वो कैसे हमारे वो कॉन्स्टेंट है वो चेंज नहीं होते हैं ओके दाइजेस इज नॉट डिट बाई पर्टिकुलर फॉर्म बट बाय द इंडस्ट्री ये जो प्राइजेस है वो कौन डिटरमाइन नहीं करता फॉर्म डिटरमाइन नहीं करती कौन डिटरमाइन करता है तो प्राइजेस को स्टूडेंट्स इंडस्ट्री डिटरमाइन करती है ओके। नाउ एंड इंडस्ट्री में क्या डिफरेंसेस है ये हमने हमारे लास्ट सेशन में देखा था लास्ट वाले लेक्चर में है हमारा कि फॉर्म और इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस होता है राइट right? अगर आप लोगों को नहीं पता स्टूडेंट्स तो आप लोग जाइए पहले वो वाला वीडियो देख आइए उसमें हमने मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था okay? पार्ट होता है राइट इंडस्ट्री right? एक बड़ी चीज होगी ओके okay? एक ब्रॉडर चीज होगी एंड जो फर्म है वो इंडस्ट्री का पार्ट होगा ठीक ये जो इंडस्ट्री है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फर्म्स होती हैं तो जो प्राइजेस होते हैं स्टूडेंट्स वो कौन डिटरमाइन करता है प्राइजेस डिटरमाइन करती है हमारी इंडस्ट्री और जो इंडस्ट्री ने डिटरमाइन किए हैं प्राइस वो प्राइजेस हर एक फॉर्म को मानने पड़ते हैं वही प्राइजेस पे हर एक फॉर्म डील करती है ओके तो जो परफेक्ट कंपटीशन होता है वहां पे जो हमारे सेलर्स होते हैं या जो एक इंडिविजुअल फर्म होती है वो कभी भी प्राइस डिटरमाइन नहीं करती है. कौन प्राइस डिटरमाइन करता है इंडस्ट्री डिटरमाइन करती है अगर इसका एग्जांपल लें स्टूडेंट्स हम एक परफेक्ट कंपटीशन का तो जो सबसे क्लोजेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं वो क्या होगा एग्रीकल्चर गुड्स ओके okay? मार्केट फॉर एग्रीकल्चर गुड्स जो एग्रीकल्चर गुड्स स्टूडेंट्स हम उनको मान सकते हैं कि वो एक हमारे परफेक्ट कंपटीशन का एग्जाम्पल है ओके okay? और ये सबसे क्लोजेस्ट एग्जाम्पल है इसके अलावा हमें इससे ज़्यादा क्लोज तो कोई भी एग्जाम्पल नहीं मिलेगा इस पर्टिकुलर मार्केट के लिए ओके okay? तो ये कैसे एक एग्जाम्पल बना कैसे एग्रीकल्चर गुड्स में क्या इसके फीचर्स हैं, तो देखते हैं लाइक व्हीड एंड राइस ओके इनकेस ऑफ वीट देर आर न्यूमरस नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर वीट में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स है राइट सेलर्स कौन हुए सेलर्स हुए फार्मर्स जिसने वीट को प्रोड्यूस किया है वो अब आके सेल कर रहे हैं बहुत सारे सेलर्स हैं राइट तो बहुत सारे सेलर्स हो गए हमारे एंड बायर्स बाय भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं राइट right? आप हम भी तो बाय करते हैं हम जो आटा लेते हैं फ्लोर जो होता है हमारा वो क्या होता है जो हमारा फ्लावर होता है वो क्या होता है आटा किससे बनेगा वीट से बनेगा वीट कहाँ से आया सेलर से आया सेलर कौन है फार्मर है मतलब कि एक जो सेलर है बहुत सारे नंबर में उसने बहुत सारे नंबर के बायर्स के लिए ये पर्टिकुलर चीज को सेल किया राइट हम सब लोग को फ्लार की नीड होती है रोटी कैसे बनेगी जब तक फ्लार नहीं होगा हम रोटी नहीं बना सकते तो इसलिए हम सब क्या हुए बायर्स हुए राइट तो बहुत सारे नंबर ऑफ बायर्स भी हैं एंड बहुत सारे नंबर ऑफ सेलर्स भी हैं As a result, no single buyer and seller can significantly affect the market price of the wheat. बहुत सारे number of buyers और sellers हैं इसलिए एक particular buyer या एक particular seller जो prices है हमारे wheat के उसे change नहीं कर सकता right? उसे change नहीं कर सकता because ये जो number है वो बहुत ज्यादा है ठीक तो हम क्या देख रहे हैं कि perfect competition का जो closest example है वो हम ले सकते हैं As mark, agriculture goods, okay. Now features of perfect competition. Features kya क्या होते हैं हमारे perfect competition ke के क्या hote होते हैं वो हम देखते हैं very large number of buyers and sellers सेलर्स बहुत ईजी सा फीचर है ये तो वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स क्यों ये हमने डेफिनेशन में ही देख लिया ना यहाँ पे यह हमने डेफिनेशन में देखा ना वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स रही तो इसी को हमने एक फीचर बना दिया ईजी था एंड ये जो एक और है होमोजीनियस प्रोडक्ट इसे भी हम एक फीचर बना देंगे राइट right? तो ये भी भी हमारा एक एक फीचर फीचर बन जाएगा एंड जो है है उसे भी हम बना सकते हैं अगर नहीं याद आ रहा है, तो ठीक है हमने एक फीचर ये भी बना दिया और बाकी के एक दो और हम देख लेंगे कुछ ना कुछ तो बन ही जाएंगे राइट right? तो वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ठीक क्या बोल रहा है देर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ये हमें पता है हमने उसकी डेफिनेशन में ही पढ़ लिया कि जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है उसमें जो हमारे बायर्स एंड सेलर्स होते हैं वो कैसे होते हैं बहुत लार्ज नंबर में होते हैं ठीक तो अब इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा स्टूडेंट्स मतलब कि ये जो वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं वो हमारे मार्केट को कैसे अफेक्ट करते हैं या मार्केट के प्राइस को कैसे अफेक्ट करते हैं ओके okay, सो so वो देखते हैं हम द नंबर ऑफ सेलर इज सो लार्ज दैट द शेयर ऑफ ईच सेलर इज इनसिग्निफिकेंट इन टोटल सप्लाई राइट जो नंबर ऑफ सेलर्स हैं वो इतने लार्ज हैं कि जो हमारी ईच सेलर का जो पार्ट है वो बहुत इनसिग्निफिकेंट है मतलब कि एक ईच सेलर का जो पार्ट है वो एक हम बोल सकते हैं निग्लिजिबल है वो अगर उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे तो भी चलेगा राइट हेंस एन इंडिविजुअल सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस इसलिए जो एक इंडिविजुअल सेलर है वो मार्केट प्राइस को नहीं इन्फ्लुएंस कर सकता राइट right? मतलब वो मार्केट प्राइस को चेंज नहीं कर सकता ओके ये okay? एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हमने माना है कि हमारे जो सेलर्स हैं, ओके okay? हमारे जो सेलर्स हैं वो कितने है? हैं फाइव लाख हैं, ओके फाइव लाख सेलर्स हैं तो इन फाइव लाख में से एक सेलर एक जो सेलर है वो इनसिग्निफिकेंट हुआ लाइक like पांच लाख में पांच लाख में आप एक को कहाँ पे इंक्लूड कर रहे हो अगर एक नहीं भी आएगा तो भी चलेगा वो जो फाइव लाख है वो कर देंगे उतना काम वो एक के बराबर तो ये जो एक सेलर का शेयर है वो इनसिग्निफिकेंट हुआ राइट तो ये एक जो सेलर है वो हमारे प्राइजेस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता मतलब अगर ये एक सेलर बोले कि प्राइजेस को इंक्रीज करो और ये बाकी के जो हैं हमारे

उसमें एक सेलर का जो शेयर है वो तो इनसिग्निफिकेंट है इनके बोलने से इन पर्टिकुलर जो भी सेलर है इनके बोलने से कोई बाकी के प्राइस नहीं इंक्रीज कर रहे हैं तो ये भी नहीं कर पाएंगे ठीक तो क्या होता है कि जब हमारी जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन है उसमें इतने लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं कि एक सेलर का शेयर बहुत इनसिग्निफिकेंट होता है एंड उसकी वजह से जो मार्केट प्राइस है उसे वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता ओके

हर एक बायर और हर एक सेलर को ओके okay? अब डिमांड एंड सप्लाई से कैसे डिटरमाइन होता है स्टूडेंट प्राइस ओके ये एक हमारे पास ग्राफ है इसे हम और अच्छे से समझेंगे कि क्या होता है एक मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ क्या होता है अभी इसी स्लाइड में हम समझ लेंगे कि कैसे प्राइजेस डिटरमाइन होंगे ओके एक ग्राफ है हमारे पास हमारे पास क्या गिवन है हमारे पास डिमांड एंड सप्लाई है एक्स सिक्स पर एंड प्राइजेस कहाँ गिवन है स्टूडेंट प्राइजेस पे ओके डिमांड कर्व कैसा होता है स्टूडेंट्स हमारा डिमांड स्लोपिंग होता है राइट ये कौन सा कर्व हुआ हमारा ये करीडी डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व सप्लाई कर्व कैसा होगा स्टूडेंट सप्लाई करोपिंग राइट ये कौन सा कर हुआ एस 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 क्या बता रहा है हमें हमारा सप्लाई कर स्टूडेंट जहां पर हमारे डिमांड एंड सप्लाई आके मिल रहे हैं राइट right? ये एक जो पॉइंट है यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को वो मिल रहे हैं राइट right? इस पर्टिकुलर प्लेस पर तो इसे हम क्या बोलेंगे इसे हम बोलेंगे कि इस प्राइस पर इस पर्टिकुलर प्राइस पर आपकी जो डिमांड और सप्लाई वो इक्वल हो रही है राइट right? इस पर्टिकुलर प्राइस पे तो ये प्राइस क्या हुई हमारी ये प्राइस होगी हमारी ये जो भी कमोडिटी है उसकी

तो हम with the help of of and supply, क्या करते हैं हमारी, हमारी करते हैं एंड यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल इन मार्केट जो स्टूडेंट्स वो यूनिफॉर्म रहती है वो यूनिफॉर्म क्यों रहती है वो इसलिए रहती है बिकॉज यहाँ पे बहुत लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है एंड एक पर्टिकुलर बायर या एक पर्टिकुलर सेलर जो है वो उसका जो शेयर है वो कैसा होता है इनसिग्निफिकेंट होता है तो वो एक पर्टिकुलर बायर या सेलर हमारे प्राइजेस को चेंज नहीं कर सकता इसलिए जो प्राइजेस होते हैं वो कैसे होते हैं यूनिफॉर्म होते हैं ओके देन होमोजीनियस प्रोडक्ट होमोजीनियस प्रोडक्ट याद है स्टूडेंट्स आप लोगों को हम लोगों ने कहा से लिया हमारी डेफिनेशन से राइट हमारी डेफिनेशन से हमने उठाया कि होमोजीनियस प्रोडक्ट भी होता है ना होमोजिनियस का मतलब आप सभी को पता है ना होमोजिनियस का क्या मतलब होता है होमोजिनियस का मतलब होता है सेम प्रोडक्ट एकदम सेम एक एक फीचर सेम इतना सा भी डिफरेंस नहीं होगा हमारे प्रोडक्ट्स में उसे हम क्या बोलेंगे उसे हम बोलेंगे होमोजिनियस प्रोडक्ट्स ओके सो अब ये कैसे इसका क्या इंप्लिकेशन होता है वो हम देखते हैं द प्रोडक्ट सोल्ड इज आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स लाइक साइज शेप क्वांटिटी कलर एटसेट्रा हर एक चीज में एक जैसा राइट right? वही हम बोल रहे हैं कि होमोजीनियस प्रोडक्ट कैसा होता है स्टूडेंट्स एकदम सिमिलर राइट तो हर एक चीज में एक जैसा साइज शेप क्वांटिटी कलर सब कुछ एक जैसा किसी भी चीज में पॉइंट वन परसेंट का भी चेंज नहीं होगा उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट ओके ईच फर्म प्रोड्यूस हंड्रेड परसेंट आइडेंटिकल प्रोडक्ट दे कैन बी रेडिली सब्सिट्यूटेड फॉर ईच अदर जो भी जितनी भी फर्म्स हैं जितनी भी फर्म्स हैं वो सब क्या कर रही हैं वो सब होमोजीनियस प्रोडक्ट एकदम आइडेंटिकल हंड्रेड परसेंट आइडेंटिकल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रही है इसलिए क्या होगा कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो इजीली सब्सटीट्यूट हो सकते हैं ओके ना एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास तीन फर्म्स हैं फर्म ए फर्म बी एंड फर्म सी ओके ये किसके अंदर वर्क कर रही है परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर वर्क कर रही है मतलब कि ये जो तीनों प्रोडक्ट्स बना रही है वो कैसे ये जो तीनों प्रोडक्ट्स बना रही है वो है हमारे होमोजीनियस नेचर के ठीक होमोजीनियस नेचर के मतलब कि जो ए का प्रोडक्शन है जो ए गुड बना रही है वही सेम गुड बी भी और वही सेम गुड सी भी, ठीक हम गए मार्केट में हमें ए कंपनी का गुड नहीं मिला ठीक ए कंपनी का गुड फॉर एनी रीजन अवेलेबल नहीं था तो हमने क्या किया हमने जाके बी कंपनी का गुड खरीद लिया क्यों एकदम तो होमोजीनियस इतना सा भी डिफरेंस नहीं आप ए से परचेज करो या बी से परचेज करो कोई डिफरेंस तो होगा नहीं तो आपने क्या किया ए का नहीं मिला आपने बी का ले लिया क्या हुआ आपने इजीली सब्सिट्यूट कर लिया इजीली सब्सिट्यूट कर लिया राइट right? बिकॉज कोई भी डिफरेंसेस नहीं थे तो आपको कोई डिफरेंस लगा भी नहीं है ना आपको कोई फर्क पड़ा उससे कि ए का अवेलेबल नहीं है तो अब मैं क्या करूं ए का अवेलेबल नहीं है कोई बात नहीं हमें क्या दिक्कत हम बी का खरीद लेंगे ठीक तो क्या होगा ये इजिली सब्सटीट्यूटेड है ठीक अब ये इजीली सब्सटीट्यूटेड है तो इसका क्या इंप्लीकेशन होगा वो देखते हैं हम द बायर्स आर विलिंग टू पे ओनली द सेम प्राइस फॉर प्रोडक्ट ऑफ ऑल फर्म्स इन द इंडस्ट्री नो इंडिविजुअल फर्म इज इन अ पोजीशन टू चार्ज हायर प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट दिस इंश्योर्स यूनिफॉर्म प्राइस इन द मार्केट क्या हो रहा है ये जो हमारे होमोजीनियस प्रोडक्ट है स्टूडेंट वो भी अल्टीमेटली बताया क्या रहा है यूनिफॉर्म प्राइस इन द मार्केट यूनिफॉर्म प्राइस कैसे हुआ ए बी सी तीनों का प्रोडक्ट सेम था राइट प्रोडक्ट सेम था एकदम आइडेंटिकल था बिल्कुल भी चेंजेस नहीं थे आपने उसे easily substitute कर क्यों easily substitute कर लिया। लिया? क्यों उनके prices भी same है। उनके prices में भी में पॉइंट फाइव का डिफरेंस नहीं है कोई भी एक जो सेलर है वो प्राइजेस हाई नहीं रख सकता बिकॉज अगर आपने हाई रखे तो आपके पास कोई पर, परचेजन नहीं आएगा राइट ए बी एंड सी है स्टूडेंट्स जो हमारी फर्म्स ए टेन रुपीज पर सेल कर रही है बी टेन रुपीज पर सेल कर रही है एंड सी ट्वेल्व रुपीज पर सेल कर रही है वही सेम प्रोडक्ट ए एंड बी भी सेल कर रहे हैं लेकिन टेन रुपीज पर मतलब की ये टू रुपीज एक्स्ट्रा ले रहा है तो कोई भी टू रुपीज एक्स्ट्रा नहीं देगा राइट उन्होंने क्या किया उन्होंने ए एंड बी के पास गए इनसे परचेज कर लिया एंड जो उनकी डिमांड थी उनकी जो उनको कंजम्पशन करना था वो उनका कंप्लीट हुआ राइट right? तो एक कोई भी इंडिविजुअल सेलर उसके प्राइजेस चेंज नहीं कर सकता है बिकॉज अगर आपने प्राइजेस हाई करे तो आपके पास कोई प्रोड्यू कोई बायर आएगा ही नहीं तो आपका क्या मतलब आपको जो दस रुपये मिल रहे थे वो भी नहीं मिलेंगे आप इसलिए होमोजीनियस प्रोडक्ट है इसलिए जो प्राइजेस होते हैं वो कैसे होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं वो चेंज नहीं होते ओके देन फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हमारी फॉर्म्स होती हैं उनको फ्रीडम होती है कि आप एंट्री आप इंटर कर सकते हैं या फिर आप एग्जिट कर सकते हैं मतलब कि अगर आपको एंटर करना है तो आपको कोई लीगल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप इंटर नहीं कर सकते या कोई लाइसेंसिंग वाला सिस्टम नहीं है आप इजीली एंटर कर सकते हैं या फिर अगर आपको एग्जिट करना है तो आप एग्ज़िट भी कर सकते हैं उसके लिए भी आपको पहले एक एक फॉर्मेलिटी पूरी करने की नीड नहीं है आपको आपका जब मानो तब आप आ जाओ इंडस्ट्री में आपका जब मन हो तब आप यहाँ से चले जाओ ओके ये ये फीचर होता है हमारे परफेक्ट कॉम्पिटिशन का एवरी सेलर द फ्रीडम टू एंटर और एग्जिट द इंडस्ट्री ओके देन इसके इंप्लीकेशन क्या होंगे स्टूडेंट्स फ्रीडम ऑफ एंट्री सिग्निफाइज दैट देयर आर नो बैरियर्स टू द एंट्री ऑफ द न्यू फॉर्म इन इंडस्ट्री ओके फ्रीडम ऑफ एंट्री क्या बता रहा है कि वहां पे कोई बैरियर नहीं है कि आप नहीं एंटर कर सकते ओके क्या होता है ये अगर फर्म्स आई हमारे फर्म्स आई अगर हमारी इंडस्ट्री में हमारे मार्केट में तो मतलब की क्या होगा हमारी सप्लाई इंक्रीज होगी ये चीज हमने देखी है स्टूडेंट्स की जब नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज होती है तो क्या होता है हमारी जो मार्केट सप्लाई होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है राइट तो ज्यादा फॉर्म आई सप्लाई इंक्रीज हुई सप्लाई इंक्रीज हुई इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स अब प्राइस कम होने लगा है बिकॉज़ आपके पास जो एक्सेस सप्लाई है आपकी सप्लाई ज्यादा हो गई है किसी चीज की डिमांड कम है तो अब प्राइजेस कम हो जाएगा राइट अगर सप्लाई इंक्रीज हुई स्टूडेंट्स किसी भी चीज की सप्लाई एक्सेस में इंक्रीज हो गई ओके सप्लाई नीडेड कितनी थी टेन यूनिट्स की सप्लाई नीडेड थी लेकिन अब सप्लाई कितनी हो गई है अब सप्लाई हो गई है फिफ्टी यूनिट्स की ओके फिफ्टी यूनिट्स की सप्लाई हो चुकी है तो अब अगर फिफ्टी यूनिट्स के गुड सेल करना है स्टूडेंट तो एक सेलर को क्या करना पड़ेगा उसके प्राइजेस कम करने पड़ेंगे राइट right? उसके जो प्राइजेस है वो कम करने पड़ेंगे क्योंकि अभी तक डिमांड कितनी थी डिमांड थी हमारी टेन यूनिट्स की ओके okay, डिमांड थी टेन यूनिट्स की वो पूरी हो चुकी है अब जो सप्लाई वो हमारी फिफ्टी यूनिट्स की हो गई है तो अब जो एक्स्ट्रा फिफ्टी यूनिट्स आ गए हैं हमारे मार्केट में तो डिमांड तो है ही नहीं अब जो डिमांड वाले सोच रहे हैं मतलब जो कंज्यूमर जब वो सोच रहे हैं हम तो सेटिस्फाइड है हमें जितना कंजुम्शन करना था हमने कर लिया तो अब हम क्यों खरीदें इस गुड को सेम प्राइस पर अब तो हम एक ही कंडीशन में खरीदें या अगर प्राइजेस कम हो जाए तो तो इसके जो प्राइजेस है वो कम करने पड़े ताकि जो सप्लाई एक्स्ट्रा हुई है वो गुड्स हमारे सेल हो सके right? तो रेवेन्यू तो okay, मतलब भी कम हो जाएगा राइट right? रेवेन्यू भी कम हो जाएगा एंड अल्टीमेटली आपका क्या होगा प्रॉफिट भी कम हो जाएगा ठीक नाउ स्टूडेंट्स आप लोग हो रहे होंगे कंफ्यूज कि मैम अब आप क्या बोल रहे हो आपने तो बोला था कि जब प्राइस इंक्रीज होती है तब सप्लाई इंक्रीज होती है राइट right? ये बोला था ना हमने जब हमने लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा था कि जब प्राइस इंक्रीज इंक्रीज होती होती है तो होती है तो सप्लाई राइट स्टूडेंट हमने पढ़ा था कि हमारा जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो वन साइडेड है वो सिर्फ आपको प्राइस के बेसिस पे बता रहा है कि अगर प्राइस में चेंज हो रहा है तो सप्लाई में क्या चेंज होगा राइट right? उसने कभी ये नहीं बताया कि अगर सप्लाई में चेंज होगा तो प्राइस में क्या चेंज होगा है ना तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि अगर सप्लाई में चेंज हो रहा है स्टूडेंट्स तो, तो क्या होगा गुड्स सेल करना है तो उसको प्राइस कम करने पड़ेंगे बिकॉज ऑफ स्टॉक इतना ज्यादा हो गया है जो कंज्यूमर्स है वो तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है लेकिन वो और खरीद सकते हैं एक ही कंडीशन पे अगर आप उसकी प्राइजेस को कम कर दो तो तो आपको प्राइजेस कम करने पड़ेंगे तब आपकी जो सप्लाई आपने जो फिफ्टी यूनिट की है वो पूरी आप सेल कर पाओगे ओके तो सप्लाई के बढ़ने से प्राइस पर क्या इफेक्ट होता होता है होता है प्राइस कम ओके एंड जब डिमांड बढ़ती है स्टूडेंट्स जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस क्या होता है तो प्राइस इंक्रीज होता है प्राइस क्यों इंक्रीज होता है क्योंकि डिमांड आपने, कर right? आपने इंक्रीज कर दी है राइट आपने डिमांड इंक्रीज कर दी है अब उतनी सप्लाई है नहीं जो लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल है मार्केट में उसको सबको तो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा तो सेलर ने क्या सोचा ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपन अपना प्राइस बढ़ा दो जिसको बहुत अर्जेंसी होगी वो तो खरीद के लेकर जाएगा ही हम ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर लेंगे तो जब डिमांड इंक्रीज होती है स्टूडेंट्स तो हमारी प्राइस भी इंक्रीज होती है ओके तो ये रिलेशनशिप मैंने आपको किस चीज में बताया कि डिमांड में चेंज होने से या फिर सप्लाई में चेंज होने के कारण प्राइजेज में क्या चेंजेस होते हैं ओके okay? आप लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ सप्लाई को इससे रिलेट मत कीजिएगा दोनों को इंटर रिलेट बिल्कुल मत कीजिएगा दोनों एक अलग अलग चीज है लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई हमें क्या बताते हैं कि प्राइस की चेंज होने से सप्लाई में क्या रिलेशनशिप होता है ओके okay? एंड अभी मैंने आपको क्या बताया कि सप्लाई या डिमांड में चेंज होने से प्राइस में क्या चेंजेस होते हैं ठीक तो क्या हुआ जब न्यू फॉर्म्स ने एंट्री ली लाइक like, जब न्यू फॉर्म ने एंट्री ली तो क्या हुआ मार्केट प्राइस फॉल हुआ एंड मार्केट प्राइस फॉल हुआ इसका मतलब कि प्रॉफिट भी फॉल हो गए ओके देन द एंट्री कंटिन्यू स्टिल ईच इज अर्निंग जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट ये एंट्री कब तक कंटिन्यू होगी स्टूडेंट्स तब तक जब तक होगी तब तक जो हमारी हर एक फर्म है वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है तब तक जो है हमारी क्या होगी एंट्री कंटिन्यू रहेगी नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होगा स्टूडेंट्स नॉर्मल प्रॉफिट्स वो होंगे कि आपके जितने कॉस्ट है उतना ही आपका रेवेन्यू हो रहा है मतलब कि आप ना तो ज्यादा लॉस में जा रहे हैं ना ही आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे नॉर्मल प्रॉफिट तो ये एंट्री कब तक आएगी जब तक आपकी जो फर्म्स हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है ओके अब अगर इसके बाद में भी अगर एंट्री होती रही तो क्या होगा ये नॉर्मल प्रॉफिट्स आपके लॉस में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड फिर जो आपकी फर्म्स है वो एग्जिट करना स्टार्ट हो जाएगी ओके okay? तो अब हम देखते हैं फ्रीडम टू एग्जिट क्या बता रहा है हमें फ्रीडम टू एग्जिट सिग्निफाइज दैट देर आर नो बैरियर्स विच रिस्ट्रिक्ट द एग्जिस्टिंग फॉर्म फ्रॉम लीविंग द इंडस्ट्री ओके द फॉर्म ट्राई टू लीव वेन दे आर फेसिंग लॉसेस फॉर्म कब ट्राई करती है लीव करने का जब वो लोग लॉसेस फेस कर रहे हो होके okay? जब उनके पास लॉसेस होते हो तो वो हमारी जो फर्म है वो क्या सोचती है वो सोचती है कि अब इस पर्टिकुलर मार्केट को छोड़ दो क्यों छोड़ दो क्योंकि अब लॉसेस बहुत ज्यादा हो रहा है अब हम ये लॉसेस को बेयर नहीं कर पाएंगे ओके सो द फर्म कंटिन्यूज टू लीव टिल द लॉसेस आर वाइप आउट एंड ईच एग्जिस्टिंग फर्म इज अर्निंग जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट अब क्या होगा कब तक फर्म लीव करेगी उस पॉइंट तक जब तक जो हमारे लॉसेज है वो क्या हो जाएंगे वाइपड आउट हो जाएंगे मतलब की उतनी फर्म्स ने एग्जिट कर लिया कि अब जो हमारी बची हुई फर्म्स हैं वो अब लॉस में नहीं जा रही है एटलीस्ट ओके वो अब एटलीस्ट हमारे लॉस में नहीं जा रही है एंड वो अब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है ठीक तो फ्रीडम ऑफ एंट्री और एग्जिट क्या बताता है स्टूडेंट्स की एक फर्म आपकी जो न्यू न्यू फर्म्स है वो एंटर करेगी टिल द पॉइंट जब तक आप नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं ओके देन उसके बाद में अगर आप लॉसेस इनकर करना लगें करने लगेंगे तो जो फर्म्स है वो एग्जिट होना स्टार्ट हो जाएगी एंड वो उस पॉइंट तक एग्जिट होंगे जब तक नॉर्मल प्रॉफिट वापस उस लेवल तक ना आ जाए ओके okay? हमारा प्रॉफिट वापस नॉर्मल लेवल तक ना आ जाए तो ये बताता है हमें फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट एंड ये चीज हमारे परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंडर ही हम देख सकते हैं कि जो फर्म्स होती है वो फ्रीली एंटर या एग्जिट कर सकती है ठीक ना परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर्स एंड सेलर्स हम क्या मानते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन के अंडर परफेक्ट नॉलेज होता है हमारे बायर्स और सेलर्स को मतलब कि कौन क्या बाय कर रहा है किस प्राइस पे वो उसे पता है कि सारे मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है सेलर को पता है कि सारे मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है ओके okay? तो ये क्या है परफेक्ट नॉलेज है ठीक सो द परफेक्ट नॉलेज मीन्स दैट बोथ बायर्स एंड सेलर्स आर फुली इन्फॉर्म्ड अबाउट द मार्केट प्राइस ओके

कि वो डिफरेंट प्राइजेस चार्ज कर सके मतलब कि हर एक डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर है वो डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस चार्ज कर रही है वो इस पोजीशन में नहीं होती है एंड ना ही कोई बायर इस पोजीशन में होता है कि वो ज्यादा पे कर सके बिकॉज एक बायर को पता है कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस कितनी होगी ओके okay? तो कोई बायर भी ज्यादा पे परचेज नहीं करता है और इसका क्या रिजल्ट होता है इसका ये रिजल्ट होता है कि यूनिफॉर्म प्राइजेज होते हैं हमारे मार्केट में ठीक नाउ परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं स्टूडेंट्स वो परफेक्टली मोबाइल होते हैं ओके परफेक्टली मोबाइल मतलब क्या हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो इजीली एक प्लेस टू दूसरी प्लेस पर जा सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट ओके बिना किसी कॉस्ट के वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव कर सकते हैं सो द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रिनशिप आप परफेक्टली मोबाइल जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ये हमें पता है ये परफेक्टली मोबाइल होते हैं मतलब वो इजीली एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जा सकते हैं देयर इज नो जोग्राफिकल और ऑक्यूपेशनल रिस्ट्रिक्शन ऑन देयर मूवमेंट कोई भी मूवमेंट पे वो हमारा नहीं होता रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है ओके okay? The factors are free to move to the industry in which they get the best price. जो फैक्टर्स हैं वो किसी भी इंडस्ट्री में जा सकते हैं जहां पे उन्हें बेस्ट price मिल रहा हो वो कहीं पे भी मूव कर सकते हैं ठीक तो स्टूडेंट्स इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा इसका भी इम्प्लीकेशन यह होगा कि जब हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन परफेक्टली मोबाइल हैं वो कहीं भी जा सकते हैं एक प्लेस प्लेस टू अनादर इसका मतलब आपके जो प्राइजेस है वो कॉन्स्टेंट रहेंगे राइट right? बिकॉज कोई कॉस्ट नहीं लग रहा ना कि आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कोई कॉस्ट लगता अगर तो उसके कारण आपकी प्राइजेस इंक्रीज होती लेकिन ये तो परफेक्टली मोबाइल है तो इसका मतलब क्या हुआ आपको कोई कॉस्ट जनरेट नहीं हो रहा है एंड जो प्राइजेस होगा कैसे रहेंगे वो सेम ही रहेंगे ओके एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन ऑर्डर टू इंश्योर यूनिफॉर्म प्राइस इन द मार्केट इट इज अज्यूम दैट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आर जीरो हम क्या अज्यूम कर रहे हैं स्टूडेंट्स की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो क्या है जीरो है जीरो क्यों है क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि प्राइजेस कैसे रहे हमारे यूनिफॉर्म रहे मतलब कि प्राइजेस कॉन्स्टेंट रहे प्राइजेस में कोई चेंजेस ना हो अ प्रोड्यूसर कैन सेल इज प्रोडक्ट एट एनी प्राइज एंड अ बायर कैन बाय इट फ्रॉम द प्लेस ही लाइक्स ओके जो प्रोड्यूसर है वो कहीं पे भी अपना प्रोडक्ट सेल कर सकता है जो प्राइजेस डिटमाइन करें वो किसी भी प्लेस पर एंड जो बायर है वो कहीं से भी बाय कर सकता है ओके okay? तो हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं कि हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो क्या रहेंगे वो जीरो रहेंगे अगर स्टूडेंट्स ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जीरो नहीं रहेंगे तो क्या होगा तो जो हमारे प्रोडक्ट है उसका प्राइस बढ़ जाएगा राइट इसलिए जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसे हम जीरो मानेंगे अगर किसी भी एक प्रोडक्ट को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ले जाने के लिए अगर कोई कॉस्ट लगी तो मतलब कि वो सेलिंग कॉस्ट में इंक्रीज हो जाएगा इसका मतलब प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज करनी पड़ेगी राइट right? तो हम क्या मान रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो क्या रहेगा वो जीरो रहेगा, बिकॉज़ हमें क्या करना है हमारे को यूनिफॉर्म रखना है हमारे प्राइजेस को चेंज नहीं करना है ओके देन एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट अब सेलिंग कॉस्ट क्या होती है स्टूडेंट सेलिंग कॉस्ट वो सारी कॉस्ट होती है जो कि हम इनकर करते हैं हमारे गुड को प्रमोट करने के लिए ओके okay? उसको प्रमोट करने के लिए जो भी एडवर्टीजमेंट वगैरह जिसका भी यूज होता है उसे हम क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं सेलिंग कॉस्ट सो सेलिंग कॉस्ट रिफर्स टू कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन देयर इज नो सेलिंग कॉस्ट बिकॉज प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस इन नेचर एंड देयर इज परफेक्ट नॉलेज अमंग्स बायर्स एंड सेलर्स सेलिंग कॉस्ट हमारे जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन है उसमें कैसी होगी उसमें ज़ीरो होगी जीरो क्यों होंगी स्टूडेंट्स Because जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे हैं होमोजीनियस है. हमारे प्रोडक्ट्स होमोजीनियस हैं नेचर में तो इसलिए हमें कुछ उसे प्रमोट करने की नीड ही नहीं है जितने प्रोडक्ट्स हैं वो उतने सेल कर दो सबको तो पता है सबको परफेक्ट नॉलेज है ना परफेक्ट नॉलेज भी हमने पढ़ा था तो सबको परफेक्ट नॉलेज है प्रोडक्ट्स के बारे में तो हमें किसी को बताने की जरूरत तो है ही नहीं कि कौन सा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं किस प्राइस पे कर रहे हैं उसके क्या फीचर्स हैं सबको परफेक्ट नॉलेज है एंड सब नेचर है, के हैं तो हमें अपना जो गुड है उसे प्रमोट करने की कोई नीड नहीं है इसके कारण क्या होगा स्टूडेंट्स इसके कारण भी हमारा जो प्राइस है वो कैसा रहेगा वो यूनिफॉर्म रहेगा ओके तो स्टूडेंट्स हमने जो हमारे फीचर्स देखे बिटवीन जो हमारे परफेक्ट कॉम्पिटिशन के जो फीचर्स देखे हमने उन सबसे एक ही कंक्लूजन निकलता है कि वो सब किस चीज पर लाके हमें रोक रहे हैं कि जो आपके प्राइजेस है वो कांस्टेंट है प्राइजेस में कोई चेंजेस नहीं होगा तो हमें क्या देखना है कि हमारे प्राइजेस में कोई चेंजेस नहीं होगा हमें हमारे आंसर को वैसे फ्रेम करके लिखना है ओके okay? अगर आप भूल रहे हैं ना कि हम क्या लिखे इस पर्टिकुलर फीचर के अंदर तो आपको क्या करना है आपको बस एक चीज याद रखनी कि प्राइजेस को कॉन्स्टेंट रखना है जब आप प्राइजेस को कॉन्स्टेंट रखेंगे तो कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए आपके प्राइजेस में एंड जो आपकी डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट होगी वो क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी ओके सो नाउ परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड प्योर कॉम्पिटिशन नाउ स्टूडेंट्स एक प्योर कंपटीशन भी होता है जो कि बहुत सिमिलर आपको मिलेगा परफेक्ट कंपटीशन के तो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो हम देखते हैं कि ये दोनों कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है ओके okay? परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज यूज इन वाइडर सेंस एज कम्पेयर टू प्योर कॉम्पिटिशन जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन है वो एक वाइडर सेंस में हम उसे यूज कर सकते हैं इन uh, हमारे प्योर कॉम्पिटिशन इज सेट टू बी प्योर कॉम्पिटिशन वेन फॉलोइंग थ्री फंडामेंटल कंडीशन एग्जिस्ट ओके प्योर कॉम्पिटिशन के लिए ये तीन चीजें होनी चाहिए वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होमोजीनियस प्रोडक्ट एंड फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट अगर ये तीन चीज किसी भी एक प्रोडक्ट में अवेलेबल है या किसी भी एक मार्केट में अवेलेबल है तो हम उसे क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स हम उसे बोलेंगे कि वो प्योर कंपटीशन का पार्ट है ओके okay, अगर ये तीन चीज हो रही है वहां पे सेटिस्फाई हो कर रहे हैं हम तो ये किसका पार्ट है हमारे प्योर कंपटीशन का पार्ट है ओके okay, तो अब परफेक्ट कंपटीशन क्या होगा स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं परफेक्ट कंपटीशन क्या होगा परफेक्ट कंपटीशन इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट फॉर दी मार्केट टू बी परफेक्टली कॉम्पिटेटिव इन एडिशन टू थ्री फंडामेंटल बनाना है तो वो जो तीन फंडामेंटल अभी जो हमने लास्ट में देखे ये तीन फंडामेंटल वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होमोजीनियस प्रोडक्ट एंड फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट इसके अलावा चार और फंडामेंटल कंप्लीट होने चाहिए तब हमारा जो एक मार्केट वो कैसा होगा परफेक्टली कॉम्पिटेटिव होगा तो वो चार क्या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ओके क्या है वो चारों चीजें कि एक जो बायर एंड सेलर है उनके बीच में परफेक्ट नॉलेज है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो परफेक्टली मोबाइल है एबसेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ओके okay? तो मतलब ये चार और वो तीन मिला के क्या हुए हमारे फीचर्स हुए ऑफ परफेक्ट कंपटीशन ओके सो परफेक्ट कंपटीशन में क्या हो गए हमारे जो फीचर्स हैं वो हो गए एंड प्योर कंपटीशन में क्या हो गए स्टूडेंट्स प्योर कंपटीशन में हम सिर्फ तीन फंडामेंटल्स को देखते हैं कौन से हैं वो ये तीन वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होमोजीनियस प्रोडक्ट एंड फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ओके स्टूडेंट्स वैसे तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड प्योर कॉम्पिटिशन या आपसे ना ही ज्यादा कुछ पूछा जाएगा लेकिन हमें एक नॉलेज होना चाहिए हमें पता होना चाहिए कि दोनों में क्या डिफरें होते हैं बाय चांस किसी टीचर ने पूछ लिया आपके किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि प्योर कॉम्पिटिशन एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या डिफरेंसेज होते हैं ओके सो प्योर कॉम्पिटिशन में हमें पता है कि सिर्फ ये तीन चीजें होती हैं ओके एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन तो हमें पता ही है जो ये चार और उसमें इंक्लूड हो गई ओके नाउ फर्म इज अ प्राइस टेकर अब जो हमारी स्टूडेंट्स जो एक परफेक्ट कॉम्पिटेटिव फर्म होती है वो कैसी होती है वो प्राइस टेकर होती है प्राइस टेकर का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? प्राइस टेकर का मतलब कि एक इंडस्ट्री ने जो प्राइस कंफर्म कर दिया प्राइस सेट कर दिया वही प्राइस क्या होगा वही प्राइस होगा हमारी एक एक इंडिविजुअल फर्म का ओके जो प्राइस एक इंडस्ट्री ने रख दिया है वही प्राइस पे हमारी जो सारी फर्म्स है वो ऑपरेट करेंगी उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं प्राइस टेकर ओके फॉर्म प्राइस टेकर मीन्स दैट एन इंडिविजुअल फर्म हैज नो ऑप्शन बट टू सेल एट अ प्राइस डिटर्माइन बाय द इंडस्ट्री प्राइस टेकर का क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि एक फर्म के पास में एक इंडिविजुअल फर्म के पास में कोई ऑप्शन नहीं है उसे जो है अपना प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा जो भी की भी जो भी प्राइस डिटरमाइन किया गया है इंडस्ट्री के थ्रू ओके अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड इंडिविजुअल फर्म के नॉट इन्फ्लुएंस दी प्राइस ऑन इट्स ओन एज इट्स शेयर इन टोटल मार्केट सप्लाई इज नेग्लिजिबल के अंडर स्टूडेंट्स जो इंडिविजुअल फर्म होती है वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती प्राइस को क्यों नहीं कर सकती स्टूडेंट्स इन्फ्लुएंस प्राइस को बिकॉज हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का जो शेयर होता है वो कैसा होता है वो निगलिजिबल होता है ठीक वहां कि एक अकेले इंडिविजुअल का या एक अकेले सेलर का क्या क्या शेयर है निगलिजिबल शेयर है वो एक बहुत ही छोटा अमाउंट ऑफ शेयर है एक अकेले से कोई डिफरेंस नहीं हो पाएगा हमारे पूरे मार्केट पे राइट तो अगर एक सेलर बोले कि उसे प्राइजेस चेंज करने हैं तो वो अकेला नहीं कर सकता बिकॉज उसका अकेले का इतना शेयर ही नहीं है टोटल मार्केट में राइट कि वो इन्फ्लुएंस कर पाए किसी भी कमोडिटी की प्राइस को ओके तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हम क्या देखते हैं कि जो प्राइजेस है वो इंडिविजुअल फर्म नहीं इन्फ्लुएंस कर सकती है ठीक अ फर्म प्लेज नो रोल इन प्राइस डिटर्मिनेशन अ फर्म प्लेज नो रोल ओके इट कैन अफेक्ट नीदर दी सप्लाई नॉर दी डिमांड इन दी मार्केट एक जो फॉर्म है वो सप्लाई या डिमांड दोनों में से कुछ भी अफेक्ट नहीं कर सकती क्यों नहीं कर सकती स्टूडेंट अगर एक फॉर्म बोले कि मैं एक पर्टिकुलर प्राइस पे नहीं सेल करूंगा वो तो प्राइस बढ़ेगा तभी सेल करेंगे तो दूसरी फॉर्म क्या बोलेंगी ओके okay, सर आप जब प्राइस बढ़े तब तक का वेट कीजिए आप तब सेल कीजिएगा हम तो हमारे प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो वो क्या हमारी डिमांड सप्लाई को अफेक्ट कर पाया नहीं कर पाया बिकॉज प्रोडक्ट है राइट right? अगर किसी भी इंडिविजुअल को कंज्यूमर को कोई भी गुड खरीदना होगा तो वो दूसरी कंपनी से जाके खरीद लेगा राइट right? दूसरी फॉर्म का प्रोडक्ट ले लेगा बिकॉज जो प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस है उनमें कोई चेंजेस होंगे नहीं तो कोई डिफरेंस नहीं है आप एक इंडिविजुअल फॉर्म से लो या एक दूसरी फॉर्म से लो कोई डिफरेंस नहीं होगा इसलिए जो एक इंडिविजुअल फॉर्म है या एक इंडिविजुअल बायर या सेलर है वो वो इफेक्ट इफेक्ट नहीं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता सकता ओके ओके हमारी डिमांड सप्लाई को सो फॉर्म इज अ प्राइस टेकर एंड इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर तो यहाँ पे क्या होगा जो हमारी इंडस्ट्री होगी इंडस्ट्री प्राइस मेकर होगी मतलब कि जो पूरी हमारी पूरी फॉर्म को इंक्लूड करके जो एक बन रहा है वो क्या डिसाइड करेगी वो डिसाइड करेगी हमारे प्राइस ओके एंड उस प्राइस को हर एक फर्म लेगा उस प्राइस को हर एक फर्म अपने लिए लेगा और अपने प्रोडक्ट करेगा। मतलब वो फर्म क्या हो जाएगी फर्म हो जाएगी हमारी प्राइस टेकर ठीक सो ईच फर्म हैज टू एक्सेप्ट प्राइस एज डिट बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ओके हर एक फर्म को क्या एक्सेप्ट करना है प्राइजेस एक्सेप्ट करनी है जो कि डिटरमाइन होगी

ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा प्राइस तो विद हेल्प ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई हमारे जो हैं हैं। वो डिटरमाइन होते हैं, ओके, जहां पर डिमांड एंड सप्लाई मिल जाएंगे, उस पॉइंट पर जो भी प्रिवेलिंग प्राइस होता है वो क्या होता है वो हम प्राइस बताते हैं कि इस पर्टिकुलर कमोडिटी का ये प्राइस होगा ठीक तो हमें क्या याद रखना है स्टूडेंट्स की जो हमारी फर्म होती है परफेक्टली कॉम्पिटेटिव फर्म जो होती है वो एक प्राइस टेकर होती है ओके प्राइज मेकर कौन होता है इस कंडीशन में इंडस्ट्री प्राइज मेकर होती है ठीक ये एक इंपॉर्टेंट चीज है आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट होते हैं उसमें जो फर्म्स होंगी वो कैसी होंगी प्राइस टेकर होंगी ओके एंड प्राइस बनाएगा कौन प्राइस बनाएंगे हमारे इंडस्ट्री ठीक नाउ डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन

कि सेम प्राइस पर आप डिफरेंट डिफरेंट डिमांड कर सकते हैं राइट right? हमने एक्सिस एक्सिस पे पे लिया लिया सॉरी हमारी प्राइस एक्स एक्सिस पे लिया हमारी डिमांड ओके okay? हम यह देख सकते हैं कि जो प्राइजेस है वो हमारे सेम है राइट right? ये जो प्राइजेस है वो चेंज नहीं हो रहे हैं प्राइजेस जो है वो हमारे सेम है इस सेम प्राइजेस पे डिफरेंट डिफरेंट क्या हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट डिमांड हो रही है राइट right? इस सेम प्राइस पे डिफरेंट डिफरेंट डिमांड हो रही है इसी सेम प्राइस पे क्यू क्वान्टिटी का डिमांड हो रहा है क्यू वन क्वान्टिटी का हो रहा है क्यू टू क्वान्टिटी का हो रहा है यहाँ पे डिमांड इंक्रीज भी हो सकती है कम भी हो सकती है किस प्राइस पे सेम प्राइस पे तो ये कैसी डिमांड हुई स्टूडेंट परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर बनेगा इसका मतलब वो हमें यह बता रहा है कि आप प्राइजेस में कितना भी चेंज कर लो आप प्राइजेस में कुछ भी चेंज मत करो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा हम क्या हमारी डिमांड तो बहुत इलास्टिक है वो बहुत ज्यादा बहुत अच्छे से रिस्पोंड करेंगी इन रिस्पेक्ट टू आर प्राइस ओके तो आप सेम प्राइस पे या एक स्लाइड चेंज स्लाइड हाई या स्लाइड डाउन पे आप देख सकते हैं कि आपकी डिमांड जो है वो शिफ्ट करेगी या वो सेम प्राइस पर भी डिफरेंट डिफरेंट डिमांड को आप देख सकते हैं ओके okay? सो so परफेक्ट uh, हमने परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट में क्या देखा हमारी डिमांड कर्व कैसा होगा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व होगा ओके okay? देन अब हम इसका थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं कि कैसे एक इंडस्ट्री प्राइस मेकर है एंड एक जो फर्म है वो प्राइस टेकर है ओके okay? सो so एक इंडस्ट्री स्टूडेंट्स वो प्राइस मेकर है वो प्राइस कैसे मेक कर रही है एक डिमांड कर्व है हमारे पास ये डिमांड कर्व कैसा है डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है है वो हमें क्या बता रहा है? कि आप जैसे जैसे आपकी प्राइजेस कम होगी वैसे वैसे हमारी डिमांड इंक्रीज होगी राइट मतलब वो एक इनवर्स रिलेशनशिप बताता है हमें डिमांड कर्व इसलिए वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है हमारा सप्लाई कर्व कैसा है अपवर्ड स्लोपिंग है क्या बता रहा है वो वो एक बता रहा है पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन योर प्राइस एंड सप्लाई ठीक तो सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है नाउ

अब ये ये प्राइस प्राइस किसने बनाई बनाई स्टूडेंट्स हमारी इंडस्ट्री ने इंडस्ट्री हुई हमारी प्राइस मेकर ओके अब ये जो इसने प्राइस बनाई है यही प्राइस इसने आगे आगे शिफ्ट शिफ्ट कर दी आगे करके उसने सारी को दे दी ठीक उसने ये प्राइस सारी फॉर्म्स को दे दी कि आपकी डिम आपकी प्राइस कितनी होगी ये पर्टिकुलर पी प्राइस होगी आपकी प्राइस ओके तो ये जो सारी फॉर्म की प्राइस है ये प्राइस लाइन हमें दिख रही है कि वो सेम प्राइस उन्होंने ली

प्राइस इज इक्वल्स टू ए आर होते हैं ये आप सभी को पता है ना इस चीज का हमने रिलेशनशिप बहुत अच्छे से पढ़ा है बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है कि क्यों प्राइस और एवरेज रेवेन्यू सेम होते हैं राइट सो प्राइस एंड एवरेज रेवेन्यू सेम है हमें पता है ना जब प्राइजेस कॉन्स्टेंट रहते हैं तो वो भी हमें पता है कि एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू सेम रहते हैं ये चीज भी हमने पढ़ी है फिर भी हम इसका एक रिकैप लेते हैं कि ये सेम क्यों रहते हैं ये सेम क्यों रहते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि प्राइजेस कैसे रहते हैं मतलब हमारा एआर कैसा रहता है ये कांस्टेंट रहता है राइट ये कैसा रहता है कांस्टेंट रहता है मतलब कि अगर आप एक एडिशनल यूनिट को भी सेल करोगे तो उससे रेवेन्यू कैसा जनरेट होगा आपको आपको एक कांस्टेंट रेवेन्यू जनरेट होगा राइट आपको हर एक एडिशनल यूनिट पर एक कांस्टेंट रेवेन्यू ही मिलेगा तो वो क्या बताता है कि आपका जो एम है वो किसके बराबर हो जाएगा आपके ए के बराबर मतलब कि आपकी प्राइस के बराबर तो जब हमारे प्राइजेस कॉन्स्टेंट रहते हैं स्टूडेंट्स तो हमारा ए आर और एम आर कैसा होता है इक्वल होते हैं वो वो तो ये जो एक एक है है हमें क्या बता रही कि कि P मतलब में हम देख सकते हैं कि जो प्राइस होता है वो किसके बराबर होता है वो हमारे मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है एंड प्राइस लाइन हमारी प्राइस की लाइन कैसी होती है एक होती है पार्लर टू एक सक्सेस ये बताते हुए कि जो प्राइस है वो कांस्टेंट है प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है ओनली सिर्फ क्वांटिटी डिमांडेड या क्वांटिटी सप्लाइड में चेंजेस हो रहे हैं तो जो प्राइजेस है वो कैसे हैं वो सेम है प्राइजेस में कोई चेंजेस नहीं इसलिए ये जो लाइन है ये कांस्टेंट है ये ऊपर नीचे कुछ नहीं हो रही है ठीक तो आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर होगा कि कैसे एक इंडस्ट्री प्राइज मेकर बनी एंड कैसे एक फॉर्म प्राइस टेकर बनी ओके okay? पहले इंडस्ट्री ने प्राइस बनाया उसने मेक किया बनाया उसने और वो प्राइस उसने आगे पहुंचा दिया उसकी फॉर्म्स तक कि अब आप इस प्राइस को ले लो मतलब आप अब प्राइस टेकर बन गए हैं आपने इस प्राइस को लिया इस प्राइस पर अब आप सेल कीजिए आपके प्रोडक्ट्स एंड जो भी आपकी डिमांड सप्लाई हो रही है आपकी जितनी भी डिमांडेड गुड्स हैं वो आप सेल कीजिए आपका ना अपना अपना रेवेन्यू अर्न कीजिए ओके हमने आपको प्राइस दे दिया आपको इस प्राइस पर ऑपरेट करना है ओके okay. हम आज पढ़ेंगे मोनोपोली हमने हमारे लास्ट वीडियो में क्या देखा था कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है राइट right? अब हम इम कंपटीशन के जो तीन हमने टाइप्स देखे थे मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिकोपोली उसमें से हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट टॉपिक जो कि है मोनोपोली ओके सो देखना मोनोपोली क्या होता है मोनोपोली रिफोर्स टू अ मार्केट सिचुएशन वेयर देयर इज अ सिंगल सेलर सेलिंग अ प्रोडक्ट विच हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट क्या वो मोनोपोली में एक सिंगल सेलर है ओके okay? सिर्फ एक सेलर है किसी भी एक गुड का जिसके क्या है क्लोई को क्लोज सब्सटिट्यूट नहीं है ओके okay? उस पर्टिकुलर गुड के हमें कोई भी क्लोज सब्सटिट्यूट देखने को नहीं मिलेंगे ऐसे मार्केट को हम क्या कहते हैं ऐसे मार्केट को या ऐसे प्रोडक्ट को हम कहते हैं मोनोपली ओके एग्जाम्पल के लिए ले हम तो रेलवेज इन इंडिया राइट रेलवेज के कोई क्लोज सब्सटीट्यूट्स नहीं है अगर आपको ट्रांसपोर्ट कर ट्रांसपोर्टेशन करना है तो आपको या तो रेलवेज का यूज़ करना पड़ेगा या फिर बाय रोड या बाय एयर जाए आप राइट तो अगर आप रेलवेज का यूज कर रहे हैं तो रेलवेज में आपके पास कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है राइट अगर आपको ट्रेन से जाना है तो आपको ट्रेन से ही जाना पड़ेगा उसके लिए आप और किसी चीज से नहीं जा सकते ओके अगर आपको बाय एयर ट्रेवल करना है तो आपके पास सिर्फ एरोप्लेन्स हैं राइट उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है एंड वो भी आप खुद ओन नहीं कर सकते उन्हें लाइक आप खुद का जैसा आप कार खरीदते वैसा आप खुद का एक प्लेन नहीं खरीद सकते आपको तो उसी में जाना पड़ेगा जो ऑलरेडी ऑपरेटिंग है ओके तो इसके कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है ठीक तो ऐसे मार्केट को हम क्या कहते हैं ऐसे मार्केट को हम कहते हैं मोनोपोली ओके नाउ मोनोपोली के कुछ फीचर्स हम देखते हैं इस पर्टिकुलर डाइग्राम से हमें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा एंड बहुत ज्यादा रिमेंबर रखने में आसानी होगी राइट जस्ट वन सप्लायर सिर्फ एक सप्लायर जहां पे होगा वो क्या होगी हमारी मोनोपोली हो गई देन नो कॉम्पिटिशन नाउ स्टूडेंट सिर्फ एक सप्लायर है तो उसका कोई कॉम्पिटिशन तो होगा नहीं ये चीज तो बहुत नॉर्मल सी है क्योंकि सिर्फ एक सप्लायर है ओके okay? तो एक सप्लायर के बाद में कोई कंपटीशन थोड़ी ना होगा अगर कंपटीशन भी करना है तो एटलीस्ट दो लोग तो होने चाहिए कंपटीशन में आप अकेले किसी रेस में दौड़ रहे हो और फिर बोलो कि मैं फर्स्ट आ गया तो वो तो आपका कोई कंपटीशन तो था ही नहीं आप दस मिनट में एक रेस को कंप्लीट करो या पचास मिनट में करो आपको ही जीतना है क्योंकि आपका कोई कॉम्पिटिशन नहीं है राइट तो जब सिर्फ एक सप्लायर होगा तो उसका कोई कॉम्पिटिशन भी नहीं होगा ओके okay? वेरी हार्ड टू एंटर दी मार्केट वहाँ पे जो मोनोपोली होता है स्टूडेंट्स उसमें कोई भी एंटर नहीं कर सकता राइट जैसे कि हम देखते हैं रेलवेज ओके रेलवेज अब गवर्नमेंट ने ओपन किए फॉर प्राइवेट सेक्टर ओके अभी अभी स्टार्ट हुआ है एंड प्राइवेट सेक्टर में भी उन्होंने पूरी कैलकुलेशन किए पूरे अच्छे से चॉइस किए कि किसे देना है हमें पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को ओके इसके पहले क्या था स्टूडेंट्स इसके पहले हम यही देखते थे कि रेलवेज है तो वो गवर्नमेंट ओन्ड है है ना तो रेलवे में कोई भी इंटर नहीं कर सकता इट इज वेरी हार्ड टू एंटर राइट हम लोग जाके हम लोग चले गए नहीं हमें तो एक ट्रेन बनानी हम तो ट्रेन बनाएंगे एंड हम एक ट्रेन खरीद रहे हैं हम उसको चलाएंगे ऐसा तो होता नहीं है आप और हम जाके कोई रेलवेज नहीं बना रहे हैं रेलवेज में एंटर नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है इंटर करना ओके okay? बहुत सारी प्रोसीजर्स होती हैं वो सारी कंप्लीट करेंगे तब जाके हम कहीं मोनोपोली वाले मार्केट में या उसके किसी भी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उसके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स में हम जाके एंटर कर पाएंगे ओके मोनोपोलिस्ट कंट्रोल्स प्राइस जो मोनोपोलिस्ट होता है स्टूडेंट्स वो प्राइस को कंट्रोल करता है वो प्राइस को कैसे कंट्रोल करता है देखिए रेलवेज है राइट रेलवेज में जो गवर्नमेंट का मान होगा वो प्राइजेस रखेंगे वो क्यों रख सकते हैं स्टूडेंट्स बिकॉज उसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है ओके जब सिर्फ एक ही पर्सन है एक ही चीज को सेल कर रहा है उसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है तो वो जो भी प्राइस रखेगा जो उसके कंज्यूमर्स हैं जिसको वो चाहिए वो वो लेके रहेंगे राइट वो ये तो नहीं बोलेंगे नहीं आपका प्राइस बहुत ज्यादा है तो हम आपसे नहीं लेंगे हम दूसरे प्रोड्यूसर से लेंगे क्यों नहीं बोल सकते स्टूडेंट बिकॉज हमारे पास वो ऑप्शन ही नहीं है बिकॉज सिर्फ एक सेलर है तो वो जिस भी प्राइस पे सेल करेगा हमें रहना पड़ेगा राइट तो जो मोनोपोलिस्ट होता है वो प्राइस को कंट्रोल करता है मतलब वो प्राइस को अपने अकॉर्डिंग सेट करता है उसका मन होगा तो वो प्राइजेस को कम रखेगा उसका मन होगा तो वो प्राइजेस को हाई रखेगा ओके तो मोनोपोलिस्ट के ये जो चार फीचर्स है ये हम देख सकते हैं बहुत कॉमन है इसमें से दो तो बहुत ही इजी है स्टूडेंट्स राइट एक सप्लायर है ये हमें पता है तो जब एक सप्लायर तो उसका कंपटीशन तो कोई हो ही नहीं सकता जीरो कंपटीशन ये तो हमें पता है देन वेरी हार्ड टू एंटर वेरी हार्ड टू एंटर हम क्या याद करेंगे हम याद करेंगे हमारा एक एग्जाम्पल क्या हो गया वो रेलवेज ओके okay? आप देख सकते हैं बाय एयर अगर आपको कोई ट्रांसपोर्टेशन करना है या आपको ट्रेवल करना है तो आप बाय एयर में भी कोई आपका खुद का प्लेन नहीं उड़ाते हो राइट आप जाकर जो ऑलरेडी ऑपरेटिंग प्लेन्स हैं उनमें जाकर बैठते हैं एंड देन आप लोग ट्रेवल करते हैं राइट तो वेरी हार्ड टू एंटर भी हम लोग जाकर किसी एरोप्लेन को नहीं खरीद रहे हैं या किसी ट्रेन को नहीं खरीद रहे हैं और उसे चला रहे हैं खुद के लिए ओके देन मोनोपोली मोनोपोलिस्ट कंट्रोल्स प्राइस जब एक ही सेलर होगा किसी भी चीज का तो वो प्राइस को तो आराम से कंट्रोल कर सकता है ओके okay. नाउ अब देखते हैं हम कुछ फीचर्स मोनोपोली के ओके okay? कि क्या फीचर्स हो सकते हैं ये जो चार अभी हमने देखे थे ये एक एक काइंड ऑफ समरी था कि क्या हो सकता है मोनोपोली तो अब हम इसके फीचर्स देखते हैं कि ये क्या फीचर्स होता है हमारे एक मोनोपोली के सिंगल सेलर इसकी डेफिनेशन से ही हमें पता है क्या पता है कि सिंगल सेलर होता है ओके okay? इसकी डेफिनेशन पर हम लोग वापस जाते हैं और एक दो फीचर्स तो वहीं से लेकर आएंगे क्या हुआ ये ये हुआ सिंगल सेलर ओके देन नो क्लोज सब्सटीट्यूट ठीक नो क्लोज सब्सटीट्यूट ये दो चीजें तो हमें पता चल गई है कि जो हमारा मोनोपोली है उसमें एक फीचर होगा सिंगल सेलर एक फीचर होगा कि उसके कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है ये चीज हमने कहां से निकाली स्टूडेंट्स ये चीज हमने निकाली हमारी डेफिनेशन से ओके okay? Then, हमने ये पर्टिकुलर पढ़ा अभी एक डाइग्राम राइट right? इसमें जो है ये चारों क्या है स्टूडेंट्स ये चारों हमारे फीचर्स सिंगल सेलर ये तो वन सप्लायर सिंगल सेलर देन नो कॉम्पिटिशन कोई कॉम्पिटिशन नहीं होगा इसको भी हम एक फीचर बना देंगे ओके वेरी हार्ड टू एंटर एंट्री बहुत हार्ड है और देखो एंट्री हार्ड है तो जो हमारी एग्जिट है वो भी मुश्किल ही होगी राइट right? हमने जब हम इजीली एंटर नहीं कर पा रहे तो हम इजीली एग्जिट भी नहीं कर पाएंगे क्या गवर्नमेंट चाहती तो क्या वो रेलवे से एग्जिट कर सकती नहीं कर सकती है क्यों नहीं कर सकती स्टूडेंट्स क्योंकि अब रेलवेज बहुत असेंशियल चीज़ हो चुकी है तो वहां से गवर्नमेंट एग्जिट नहीं कर सकती अगर वो लॉस भी इनकर कर रही है ना तो भी गवर्नमेंट पूरी रेलवेज को बंद नहीं कर सकती हो सकता है वो अपनी रेलवेज कम कर दे राइट अपनी ट्रेन के नंबर्स कम कर दे लेकिन वो पूरी तरह से बंद नहीं कर सकती तो जितना मुश्किल एंटर करना है उतना ही मुश्किल एग्जिट भी करना है मार्केट से ओके एंड कंट्रोल्स प्राइस जो हमारा मोनोपोली है वो क्या करेगा प्राइस को कंट्रोल करेगा ओके तो ये सारी चीजें इतने फीचर्स तो हमें पता है ओके ये अब हमें याद भी हो गए होंगे कि ये चार फीचर्स तो हमें पता है एंड एक जो हमने डेफिनेशन में एक और एक्स्ट्रा देखा था वो था नो क्लोज सब्सटीट्यूट का ओके अब इनको कैसे डिफाइन करना है कैसे लिख कर आना है वो हम समझ लेते हैं आन कुछ अगर एक दो फीचर्स ज्यादा होंगे तो वो भी पढ़ लेते हैं ठीक सो सिंगल सेलर अंडर मोनोपोली देयर इज अ सिंगल सेलर सेलिंग द प्रोडक्ट हमें पता है कि एक क्या होता है सिंगल सेलर होता है जो कि कोई भी प्रोडक्ट को सेल कर रहा है एज अ रिजल्ट द मोनोपोली फर्म एंड इंडस्ट्री आर वन ऑन द सेम थिंग एंड मोनोपोलिस्ट हैज फुल कंट्रोल ओवर द सप्लाई एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट नाउ स्टूडेंट्स सिंगल सेलर है ओके सिंगल सेलर है इसका मतलब अब क्या वो किसका पार्ट होती है स्टूडेंट्स वो पार्ट होती है हमारे इंडस्ट्री का राइट right? इंडस्ट्री बहुत सारी फॉर्म को मिलाकर बनती है ठीक ये हमें अभी तक हमने जो परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग पता था कि उसमें फॉर्म और इंडस्ट्री दो अलग अलग चीजें होती है राइट right? अब स्टूडेंट्स मोनोपोली में क्या हो रहा है मोनोपोली में फॉर्म और इंडस्ट्री एक ही चीज हो गई कैसे एक ही चीज हो गई देखते हैं हमें क्या पता है एंड यह हमारी इंडस्ट्री right? है अब यह इंडस्ट्री क्या है स्टूडेंट्स इंडस्ट्री एक सिमिलर फॉर्म को मिलाकर बनती है, है ना सिमिलर फॉर्म्स को मिलाकर हमारी इंडस्ट्री बनेगी ये फॉर्म किसकी हमारी ये फॉर्म है हमारी रेलवे की ओके ये फॉर्म है हमारी रेलवे की अब स्टूडेंट्स इंडिया में रेलवे की कितनी फॉर्म्स है सिर्फ एक फॉर्म है राइट मतलब हम बोल सकते हैं ना कि सिर्फ एक ही जगह है जहां से हमारी रेलवेज ऑपरेट होती है तो रेलवेज की कितनी फॉर्म हुई रेलवेज की एक फॉर्म हुई ये एक अकेली फर्म मिलकर इस पूरी इंडस्ट्री अब ये इंडस्ट्री किस चीज की है इंडस्ट्री भी रेलवे की है <गीड़ायगा> तो रेलवे इंडस्ट्री में कितनी फर्म है एक फर्म है मतलब कि इस फर्म को इस पूरी फर्म को हम क्या बोल सकते हैं कि ये इंडस्ट्री है राइट तो अब हुई ना हमारी फर्म और इंडस्ट्री एक ही चीज ठीक जब सिर्फ एक ही सेलर है किसी भी एक प्रोडक्ट का तो हमारी फर्म और इंडस्ट्री एक ही चीज हो जाती है ओके एंड स्टूडेंट्स जब फर्म और इंडस्ट्री एक ही चीज हो रही है तो यही अपने प्राइज मेकर भी बन जाएंगे कैसे बन जाएंगे प्राइज मेकर हमने परफेक्ट कंपटीशन में देखा था स्टूडेंट्स, हमने परफेक्ट कंपटीशन में देखा था कि जो इंडस्ट्री होती है वो प्राइज मेकर होती है राइट right? एंड जो हमारी फर्म होती है वो प्राइज टेकर होती है राइट right? ये हमने कहा देखा था ये हमने देखा था हमारे परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ऐसा क्यों हुआ था बिकॉज वहां पे फर्म और इंडस्ट्री दो अलग अलग चीजें थी ठीक है अब क्या हुआ मोनोपोली में क्या हुआ स्टूडेंट्स मोनोपोली में फर्म और इंडस्ट्री एक ही चीज हो गई है है ना अब जब दोनों एक ही चीज हो गई है तो ठीक है हम बोल रहे हैं कि जो इंडस्ट्री वो प्राइज मेकर है ओके इंडस्ट्री में मेकर इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे जो फर्म है वो भी प्राइस बिकॉज़ हमें क्या पता है कि मोनोपोली के अंदर इंडस्ट्री इज इक्वल्स टू फॉर्म राइट इंडस्ट्री इज इक्वल्स टू फॉर्म हो रही है अंडर आर मोनोपोली तो इंडस्ट्री ही प्राइस मेकर है मतलब कि फर्म ही प्राइस मेकर है ये जो मोनोपोली में हम देखते हैं स्टूडेंट्स की ये जो प्राइजेज होते हैं वो कोई भी जो भी एक मोनोपोलिस्ट होता है वो अपने अकॉर्डिंग सेट करता है अगर उसे लगता है कि पर्टिकुलर गुड का प्राइस कम होना चाहिए तो वो कम रखते हैं अगर उन्हें लगता है कि नहीं गुड ये जो भी प्रोडक्ट है उनका उसके प्राइजेस हाई होने चाहिए तो वो हाई रखते हैं इनफैक्ट ऐसा भी होता है स्टूडेंट्स कि कुछ सेक्टर के लिए जो प्राइजेस होते हैं वो हाई रहते हैं कुछ सेक्टर के लिए जो प्राइजेस होते हैं वो कैसे होते हैं वो लो होते हैं ओके तो मोनोपोली में हम क्या देखते हैं कि एक सेलर है और उसकी वजह से क्या हो रहा है जो हमारी फॉर्म और इंडस्ट्री है वो एक ही चीज बन रही है एंड जो फॉर्म और इंडस्ट्री हमारी वही हमारे क्या है प्राइस मेकर्स भी हैं ओके नो क्लोज सब्स्टिट्यूट अब ये भी चीज हमने कहां से ली हमारी डेफिनेशन से कि कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होते द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय मोनोपोलिस्ट है so the मोनोपोली फॉर्म हैज नो फियर ऑफ competition फ्रॉम न्यू एंड existing products ओके okay? जब हमारे मोनोपोली में कोई क्लोज सब्सिडी ऊंची नहीं है स्टूडेंट्स तो जो एक मोनोपोलिस्ट होगा या जो एक मोनोपोली फॉर्म होगी उसको कोई फियर नहीं होगा कंपटीशन का राइट क्यों नहीं होगा बिकॉज उसे पता है कि कोई भी एंटर तो करेगा नहीं एंड जो एग्जिस्टिंग फॉर्म है उसमें वो अकेला ही तो, है, तो उसे किस किस से जीतना है वो तो अकेला ही है वो अकेला ही जीत रहा है राइट उसे किसी से कॉम्पिटिशन नहीं है इसलिए जब जो बिकॉज ऑफ नो क्लोज सब्सटीट्यूट जो हमारे मोनोपोली होता है उसमें कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता है ठीक एग्जाम्पल ने हम इसका तो देयर इज नो क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई टी पी डी डी एल इन समी वहाँ जो दिल्ली में टीपीडीडीएल के थ्रू कुछ पाच में कुछ नॉर्थ दिल्ली के पाच में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है ओके तो वहाँ पे इसका कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है ठीक तो ये क्या हुआ इनका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है इनको कोई फियर ही नहीं है ये अकेले ही जीत रही हैं, अकेले ही अपने जो गेम में खेल रहे हैं ओके क्यों क्योंकि टी का कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए ओके तो ये क्या क्या हुआ? Because of no close substitutes, no competition. ठीक? इसके भी हम कुछ examples लेते हैं। Airlines. Airlines का कोई है नहीं कर रहे हैं अगर किसी एक पर्सन को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाना है एंड उसे थ्रू एयर ट्रेवल करना है तो उसे किसकी हेल्प लगेगी एयरलाइंस की हेल्प लगेगी आप और कुछ आप और कुछ वे से तो जा नहीं सकते राइट तो आपको एयरलाइंस की ही हेल्प लगेगी इसका कोई क्लोज सब्सटिट्यूट नहीं है ओके एनर्जी ग्रिड्स एनर्जी क्या आपको और कहीं से मिलेगी आपको इलेक्ट्रिसिटी तो वहीं से मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी ऐसा थोड़ी नहीं है कि बस आपने बोला कि इलेक्ट्रिसिटी आ जा और वो आ गई ऐसा तो होगा नहीं राइट आपको इलेक्ट्रिसिटी कोई प्रोवाइड कर रहा है उसका कोई क्लोज सब्सटिट्यूट नहीं है लोकल बस रूट्स, रेल नेटवर्क्स, ऑपरेटिंग सिस्टम सेम चीज हो गई इनका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है ना ही इनको कोई कंपटीशन का डर है क्यों बिकॉज इनका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है ओके तो मोनोपोली में हमने देखा सिंगल सेलर होता है और जो हमारे गुड्स होते हैं उनके कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं ठीक रेस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री एंड एग्जिट ओके देयर एग्जिस्ट स्ट्रॉन्ग बैरियर्स टू एंट्री ऑफ न्यू फॉर्म इन एग्जिट ऑफ एग्जिस्टिंग फॉर्म एज ए रिजल्ट मोनोपोली फॉर्म कैन अर्न अब नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉसिज इन दी लॉन्ग रन क्या होता है जो हमारे रेस्ट्रिक्शन होते हैं एंट्री या एग्जिट पे ना ही कोई न्यू फॉर्म एंट्री कर सकती है ना ही कोई एग्जिस्टिंग फॉर्म एग्जिट कर सकती है इजीली ओके okay? अगर आपको अगर किसी भी एक फॉर्म को एंटर होना है तो क्या होगा बहुत लंबी लंबी प्रोसीजर्स होंगी एंड हो सकता है कि आप नहीं कर पाए आपको एट लास्ट बोल दिया जाए कि नहीं आप इस पर्टिकुलर सेक्टर में नहीं वर्क कर सकते हैं okay? already, वो भी नहीं कर सकती है। उनके लिए भी एग्जिट करना उतना ही मुश्किल है ओके okay? वो एग्जिट नहीं कर सकती है आप देख सकते हैं जो हमारी एयर इंडिया राइट बहुत लॉसेस में चल रही है फिर भी वो एग्जिट नहीं कर पा रही है हमारे उस पर्टिकुलर मार्केट को क्यों क्योंकि वहां पे भी है तो मोनोपोली एयरलाइंस हमारी जो पूरी एयरलाइन है उसे हम बोल सकते हैं मोनोपोली है तो वो लोग वहां से एग्जिट करना भी उतना ही मुश्किल है जितना वहां पे एंटर करना है ओके क्या होता है इसके कारण क्योंकि फ्रीली एंट्री एग्जिट नहीं हो सकती है एक मोनोपोली फॉर्म जो होती है वो अब नॉर्मल प्रॉफिट या लॉसेस अर्न करती है लॉन्ग रन में ओके अब स्टूडेंट्स अब नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉसेस क्या होते हैं अब नॉर्मल प्रॉफिट रिफर्स टू एक्सेस ऑफ अर्निंग प्रोडक्शन कॉस्ट अब नॉर्मल प्रॉफिट ओके प्रॉफिट है ठीक हमें पता है प्रॉफिट के नेम से हमें पता है प्रॉफिट अब नॉर्मल मतलब कुछ ज्यादा ही हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोल देंगे स्टूडेंट्स उसे हम बोल देंगे अब नॉर्मल प्रॉफिट ओके एंड उसी का अपोजिट हम कर दें अब नॉर्मल लॉसेस तो लॉसेस है ठीक है लॉसेस हो रहे हैं हमें पता है लेकिन कुछ ज्यादा ही एक्सेस में लॉसेस हो रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे उसे हम बोलेंगे अब नॉर्मल लॉसेस रिफर्स टू शॉर्टेज ऑफ अर्निंग ओवर दी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ठीक नाउ अब नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस के अलावा हमारे पास एक और टर्म है वो क्या है स्टूडेंट्स वो है नॉर्मल प्रोफिट ओके नाउ नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है रिफर्स टू मिनिमम प्रॉफिट विच आर नीडेड टू कैरी आउट द बिजनेस एटलीस्ट इतना प्रॉफिट एकदम जो मिनिमम वाला प्रॉफिट है वो जो कि जरूरी है एक बिजनेस को चलाने के लिए उस प्रॉफिट को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? उस प्रॉफिट को हम कहेंगे नॉर्मल प्रॉफिट्स, ओके सो बिकॉज ऑफ एंट्री रेस्ट्रिक्शन क्या होता है कि जो फर्म होती है वो या तो अब नॉर्मल प्रॉफिट या फिर अब नॉर्मल लॉस अर्न कर रही है राइट जैसे कि हमें पता है एयर इंडिया राइट अब क्या हो रहा है अब नॉर्मल लॉसेज इनकर कर रहे हैं वो क्यों बिकॉज हमें हम देख रहे हैं ना अभी बहुत न्यूज में भी चला था थोड़े टाइम पहले तक कि जो एयर इंडिया है वो बहुत ज्यादा लॉसेस में है. क्यों लॉसेज में बिकॉज ऑफ मोनोपोली वहाँ पे वहाँ से एंटर करना भी मुश्किल वहाँ से एग्जिट करना भी मुश्किल है वहाँ वो लॉसेज इनकर कर रहे हैं पर वो एग्जिट नहीं कर पा रहे हैं इसलिए जो लॉसेज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं एंड वो अब अब, अब नॉर्मल लॉसेज में कन्वर्ट हो चुके हैं राइट तो क्योंकि कोई एग्जिट नहीं कर सकता अब नॉर्मल लॉसेज हो रहे हैं क्योंकि कोई एंटर नहीं कर सकता तो जो ऑलरेडी प्रॉफिट अर्न कर रही है कंपनी वो और ज्यादा प्रॉफिट अर्न करती जाती है एंड उसका अब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं ओके these were these barriers may be due to legal restrictions like licensing or patent rights or due to restrictions created by firms in the form of cartels okay now ab teen cheezon ke karan hi restrictions ho sakte hain students licensing patent rights ya fir cartel okay licensing kisi bhi ek government authority ने किसी भी एक firm को licensing दी है मतलब उन्हें बोला है कि नहीं इस पर्टिकुलर सेक्टर में सिर्फ आप ही काम कर सकते हैं एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए आपको ही लाइसेंस दिया गया ओके मतलब कि क्या हुआ सिर्फ एक सेलर को आपने लाइसेंस दे दिया बाकियों को आप नहीं दे रहे हो तो वो एक क्या हो गई मोनोपोली क्रिएट हो गई पेटेंट राइट्स पेटेंट राइट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स कुछ ऐसे राइट्स जो कि किसी भी प्रोड्यूसर को दिए जाते हैं कुछ भी न्यू इन्वेंशन करने के लिए ओके कि आपको इस टाइम पीरियड तक के लिए एक पेटेंट राइट right दिया गया है इस टाइम पीरियड में कोई भी दूसरा प्रोड्यूसर नहीं आ सकता है उस चीज को कॉपी नहीं कर सकता है ओके उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं पेटेंट राइट्स कार्टल्स कार्टल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स कुछ दो तीन फर्म्स मिलकर एक ग्रुप बना लेती है ओके दो तीन फर्म्स सिमिलर फर्म्स मिलकर एक ग्रुप बना लेंगी एंड वो एक कार्टल का फॉर्म ले लेगी मतलब कि वो तीनों अब साथ में वर्क करेंगी उन्होंने क्या किया उन्होंने अब और किसी को एंटर नहीं होने दिया एंड वो तीनों जो थी वो तीनों अपने आप एग्जिट भी नहीं हुई वो तीनों जो फर्म्स हैं वो साथ में काम कर रहे हैं वो अब अपना अपनॉर्मल प्रॉफिट या अपनॉर्मल लॉस अर्न कर रहे हैं ठीक तो वो तीन जो है उन्होंने उस पर्टिकुलर सेक्टर में और किसी को एंटर नहीं होने दिया उन्होंने कार्टल बना के एक मोनोपोली क्रिएट कर ली ओके तो ये तीन रीजन हो सकते हैं कि क्यों जो रेस्ट्रिक्शन है हमारे एंट्री और एग्जिट पे ओके ना प्राइज मेकर जो मोनोपोली होता है स्टूडेंट्स वो प्राइज मेकर होता है कैसे प्राइज मेकर होता है आई होप आप लोगों को अभी तक आइडिया होगा कि कैसे होता है हमने जो फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था सिंगल सेलर उसी के अंडर हमने पढ़ा था कि प्राइज मेकर कैसे हो रहा है हमारा एक मोनोपोली राइट right? हम उसको और थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं कि क्या होता है क्यों होता है मतलब इन केस ऑफ मोनोपोली फॉर्म एंड इंडस्ट्री आर वन एंड द सेम थिंग सो सॉरी सो फर्म हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इंडस्ट्री आउटपुट क्या हुआ मोनोपोली में क्या होगा स्टूडेंट्स जो फर्म है और जो इंडस्ट्री वो क्या हो गई वो एक ही चीज हो गई है राइट फर्म एंड इंडस्ट्री को हम इंटरचेंज करके बोल सकते हैं मोनोपोली के अंडर तो जो फर्म है उसका कंप्लीट कंट्रोल है ओवर इंडस्ट्री आउटपुट वो कुछ नहीं ये जो लाइंस है वो सिर्फ हमें घुमा रही है ठीक हमें क्या पता है हमें पता है कि जो फर्म है वही इंडस्ट्री है राइट यही फर्म है एंड यही इंडस्ट्री है एंड हमें क्या पता है कि प्राइस कौन बनाता है हमने परफेक्ट कंपटीशन में क्या पढ़ा था कि इंडस्ट्री हमारे प्राइस बनाती है ओके एंड जो फर्म है वो प्राइस लेती है ठीक पर अब जब दोनों एक ही चीज हो गई है तो इंडस्ट्री प्राइस बनाए तो उसे हम क्या बोल सकते हैं कि फर्म प्राइस बना रही है ओके तो ये क्या गए हमारे ये गए हमारे प्राइज मेकर्स एज अ रिजल्ट मोनोपोलि इंडस्ट्री है ये क्या करते हैं अपने खुद के प्राइजेस बनाते हैं खुद अपने प्राइजेस को फिक्स करते हैं इट कैन इन्फ्लुएंस दी मार्केट प्राइस बाय चेंजिंग दी सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट ये जो है अपना मार्केट प्राइज इंफ्लुएंस कर सकते हैं प्रोडक्ट की सप्लाई को चेंज करके ओके सप्लाई बढ़ा दी ठीक सप्लाई बढ़ा दी उन्होंने प्राइजेस कम कर दिए सप्लाई कम कर दी, दी प्राइजेस बढ़ा दी जैसे एक मोनोपोली का मन होगा वैसे वो प्राइजेस के साथ में चेंजेस कर सकता है ओके बिकॉज वो एक सिंगल सेलर है तो उसको कोई कंपटीशन तो है ही नहीं उसके कोई क्लोज सब्सटीट्यूट भी नहीं है तो वो जो भी प्राइस रखेगा जो कंज्यूमर्स है उन्हें वो लेना ही पड़ेगा इसलिए जो हमारा मोनोपोली होता है वो प्राइज मेकर होता है ओके

इसे हम क्या बोलेंगे इसे हम बोलेंगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या हुआ कि आपने किसी के लिए कुछ प्राइस रखा किसी के लिए कुछ प्राइस रखा ओके okay? सब सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रिफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग डिफरेंट प्राइजेस फ्रॉम डिफरेंट बायर्स एट द सेम टाइम फॉर द सेम प्रोडक्ट क्या हुआ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट्स चार्जिंग डिफरेंट प्राइस फ्रॉम डिफरेंट बायर्स ओके एट द सेम टाइम फॉर द सेम प्रोडक्ट बहुत इजी सी डेफिनेशन है इसकी अलग अलग प्राइस चार्ज करना अलग अलग लोगों से, सेम टाइम पर सेम प्रोडक्ट के लिए ओके उसे हम क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ठीक इसके तीन टाइप्स होते हैं स्टूडेंट्स पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्लेस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड यूज प्राइज डिस्क्रिमिनेशन ओके अब ये तीनों क्या होते हैं हम वो देखते हैं

रेलवे टिकेट इज चीपर फॉर सीनियर सिटीजन एज कंपेयर टू यंग सिटीजन ओके जो रेलवे टिकेट है वो सीनियर सिटीजन के लिए चीपर है ठीक और जो यंग है उनके लिए थोड़ी कॉस्टली कॉस्टियर है उसके अकॉर्डिंग ठीक तो ये क्या हुआ कि डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस है ओके okay? एक पर्सन के बेसिस पे जब प्राइस को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या हुआ तो उसका मतलब हुआ कि पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ओके देन प्लेस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नाउ प्लेस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होगा स्टूडेंट्स इसके हम नेम से समझे पहले क्या होगा प्लेस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अलग अलग प्लेस के लिए अलग अलग प्राइस ओके okay? यही होगा इसका मतलब एंड अगर हम देखें यूज का तो अलग अलग यूज के लिए अलग अलग प्राइस ओके okay? तो हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है हमें क्या करना है हमें सिर्फ इसके नेम से समझना है कि क्या मतलब होगा ठीक पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में हमने क्या देखा अलग अलग पर्सन अलग अलग प्राइस ओके प्लेस में हम क्या देखेंगे अलग अलग प्लेस अलग अलग प्राइस एंड यूज में क्या देखेंगे कि अलग अलग यूज है किसी एक प्रोडक्ट का तो अलग अलग प्राइस है ठीक अब हम इसको थोड़ा सिस्टमेटिकली देख लेते हैं कि क्या होता है प्लेस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर दिस सेम प्रोडक्ट इज सोल्ड डिफरेंट प्राइस एट डिफरेंट प्लेसेंट प्राइस पर डिफरेंट प्लेस पर क्या प्लेस से रिलेटेड है प्लेस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हमारा फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आर लोअर फॉर रूरल एरियाज एस कंपेयर टू अर्बन एरिया ठीक एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया प्रोडक्ट क्या है स्टूडेंट इलेक्ट्रिसिटी सेम प्रोडक्ट है हमारा इलेक्ट्रिसिटी हम रूलर एरिया में ले जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को ही हम जा रहे। लेकिन जो रूरल एरिया में है, वहाँ पे जो है उसके प्राइजेस okay? ज्यादा है, है ठीक तो सेम प्रोडक्ट के अलग अलग प्लेस पे अलग अलग प्राइजेस हो गए ओके देन यूज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अब यूज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होगा स्टूडेंट्स एक सेम प्रोडक्ट को आप अलग अलग चीज के लिए यूज कर रहे हो तो आपके जो प्राइजेस है वो भी डिफरेंट होंगे ओके इन दिस टाइप सेम प्रोडक्ट इज सोल्ड एट डिफरेंट प्राइजेस ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट यूजेस सेम प्रोडक्ट को हम सेल कर रहे हैं स्टूडेंट्स ठीक डिफरेंट प्राइस पर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट यूजेस डिफरेंट यूज के अकॉर्डिंग डिफरेंट प्राइस पर हम सेम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं ठीक एक्साम्पल इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आर लोअर फॉर रेसिडेंशियल एरिया फॉर रेसिडेंशियल टू कमर्शियल यूज ठीक जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेसिटी सेम प्रोडक्ट हुई है माई ओके इलेक्ट्रिसिटी रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल दोनों के लिए सेम प्रोडक्ट हुई अब जो इलेक्ट्रिसिटी है स्टूडेंट वो रेसिडेंशियल के लिए थोड़ी चीप है ओके एंड जो कमर्शियल यूज है उसको उसके लिए थोड़ी कॉस्टियर है तो सेम जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी मतलब सेम जो प्रोडक्ट है वो उसके डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस हैं अलग अलग यूज के लिए ओके तो ये तीन टाइप से स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं हम हमारे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को डिवाइड कर सकते हैं ओके पर्सनल प्लेस एंड यूज इन तीन के अकॉर्डिंग जो हमारा एक मोनोपोलिस्ट होता है वो अपने प्राइज मेकर में खुद की हेल्प करता है राइट वो डिसाइड करता है कि कौन सी जगह पर किस सेट ऑफ पर्सन के लिए या किस यूज के लिए कितना प्राइस रखना है किसी भी एक प्रोडक्ट का ओके ओके सो so ये क्या थे स्टूडेंट्स ये हमने पढ़े कि क्या फीचर्स होते हैं हमारे मोनोपोली के ओके हमने पढ़ लिया कि मोनोपोली का मतलब क्या होता है और मोनोपोली के फीचर्स क्या होते हैं ठीक अब डिमांड कर्व अंडर मोनोपोली कैसा डिमांड कर्व होगा हमारे मोनोपोली में हम वो देखते हैं चलो इसे देखने से पहले हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं मोनोपोली को समझने के लिए ओके नाउ स्टूडेंट्स कुछ मोनोपोली ऐसी होती है जो खुद बनती जाती है राइट right? आप देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं बहुत कॉमन से एग्जाम्पल गूगल ठीक गूगल ने स्टूडेंट्स कभी एज अ मोनोपोली वो स्टेब्लिश नहीं हुई लेकिन वो उसके फीचर्स के कारण वो जो टेक्नोलॉजी लाते जा रहे हैं वो जो एनहांसमेंट लाते जा रहे हैं उनके पर्टिकुलर सर्च इंजन में उसके कारण क्या हो रहा है उसके कारण ये हो रहा है कि वो एक मोनोपोली बनते जा रही है एट प्रेजेंट वो बन ही चुकी है एक वे से अगर हम देखें तो राइट आज अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप क्या बोलोगे गूगल कर लो यार उसमें पता चल जाएगा आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी कुछ भी फाइंड आउट करना होगा आप क्या करेंगे आप डायरेक्ट गूगल करेंगे राइट तो ये क्या है जो गूगल है उसने अपने आप अपनी एक मोनोपोली सेटअप कर ली है राइट वो अपने आप बन गया है गूगल ने अपने कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट एप्स खोल दिए अपना जी खोल दिया गूगल खोल दिया मैप्स खोल दिए तो हर एक वे से गूगल ने क्या किया हमें कंट्रोल कर लिया आपको कहीं पे जाना होता है आपको डायरेक्शंस नहीं पता होते हैं। आप क्या करते हैं गूगल मैप्स खोलो उसमें डायरेक्शन डालेंगे हम उसमें प्लेसेस डालेंगे हमें पता चल जाएगा कहाँ पे क्या है राइट तो गूगल ने हमें कंट्रोल कर लिया है आप जाकर याहू पे तो चेक नहीं कर रहे हैं आप जाकर माइक्रोसॉफ्ट पे तो चेक नहीं कर रहे हैं क्यों नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ गूगल ने अपने आप की ऐसी ब्रांड वैल्यू बना ली कि हम उसी पे जाते हैं हम और कहीं पे चेक नहीं कर रहे हैं कुछ राइट तो गूगल ने क्या किया खुद की मोनोपोली क्रिएट कर ली ठीक वो मोनोपोली थी नहीं लेकिन उसने जो भी अपने फीचर्स करें उसके टेक्नोलॉजी के कारण जो जो उन्होंने अपने उसमें एनहांसमेंट किए हैं उसके कारण क्या हुआ वो एक मोनोपोली बन चुकी है उसने जो अपने कॉम्पिटिटर्स थे उनको बहुत पीछे छोड़ दिया है राइट अब अगर हम देखें तो गूगल एक अकेला खेल रहा है उस पर्टिकुलर मार्केट में राइट उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको हम याद भी नहीं करते हम सोचते भी नहीं है कि यार याहू पे हम कुछ चेक करें हम माइक्रोसॉफ्ट पे कुछ चेक करें राइट हमारे माइंड में वो आते ही नहीं है कि हम वहां पे जाके कुछ चेक करें हम क्या करेंगे हम तो डायरेक्ट गूगल ही करते हैं तो क्या हुआ ये गूगल ने एक मोनोपोली क्रिएट कर ली है राइट right? कि वो हमें कंट्रोल कर रहा है ओके okay, ये हुआ अगर एक और एग्जाम्पल लें स्टूडेंट्स फेसबुक फेसबुक ने भी अपनी एक मोनोपोली क्रिएट कर ली है जो तीन सबसे मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया एप्स अगर हम देखें फेसबुक व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम कौन कंट्रोल कर रहा है स्टूडेंट्स फेसबुक राइट ये तीनों किसके अंडर है फेसबुक के अंडर है तो फेसबुक ने अपने आप की एक मोनोपोली क्रिएट की उसने अपने जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स थे उनको पीछे छोड़ा और वो बहुत आगे बढ़ गया है, राइट अब अगर किसी को भी फेसबुक तक आना है तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा बिकॉज अब हमें आदत हो चुकी है अब हम व्हाट्सएप इंस्टाग्राम के बिना रह नहीं सकते हैं राइट अब हमें आदत हो चुकी है तो अब हम वही जाके वो ही यूज करेंगे ठीक तो क्या हुआ फेसबुक ने ये मोनोपोली क्रिएट कर ली ओके okay? तो स्टूडेंट्स कुछ मोनोपोली ऐसी भी होती है जो अपने आप क्रिएट होती जाती है लेकिन इनकी जो भी इन्होंने अपने बिजनेस में एनहांसमेंट्स किए उसके कारण क्या हुआ ये मोनोपोली बन गए ओके सो आई होप अब तो एटलीस्ट इन एग्जाम्पल्स के बाद में तो अगर आपको कुछ भी डाउट्स होंगे तो वो क्लियर हो चुके होंगे ओके okay? स्टिल अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ओके okay? सो so, अब हम देखते हैं कि डिमांड कर्व अंडर मोनोपोली कैसा होता होगा मोनोपोली फॉर्म इज लाइक एन इंडस्ट्री एज सिंगल सेलर कंस्टीट्यूट दर मार्केट फॉर दी प्रोडक्ट ठीक ये चीज हमें पता है कि जो एक मोनोपोली फॉर्म है वही एक इंडस्ट्री है ठीक है विच हैज नो क्लोज सब्सटीट्यूट एंड उसके कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होते हैं ठीक गूगल का कोई क्लोज सब्सटीट्यूट है स्टूडेंट्स नहीं है क्या आप गूगल के अलावा और किसी सर्च इंजन पे जाके कुछ चेक करते हैं नहीं करते हैं ना क्योंकि वही आपकी वो अब आप उसने अपनी मोनोपोली क्रिएट कर ली है एंड अब वो आपके लिए बहुत एसेंशियल चीज हो चुकी है कि आपको अगर किसी भी चीज की जरूरत है आप क्या करेंगे आप गूगल पे जाएंगे आपने गूगल खोला उस पर जो भी अपना जो भी सर्च करना था वो सर्च किया आंसर निकाला हो गया हमारा काम राइट right? आप क्या और किसी सर्च इंजन पर जाते हैं आप नहीं जाते हैं सर्च इंजन पर दूसरे वाले पे तो ये क्या हुआ उसका गूगल का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है इसलिए जो गूगल है वही हमारी फर्म है वही हमारी इंडस्ट्री है ठीक सो मोनोपोलिस्ट हैज फ्रीडम एंड पावर टू फिक्स दी फिक्स द प्राइस फॉर द प्रोडक्ट तो इसलिए जो हमारे एक मोनोपोली होता है स्टूडेंट्स उसके पास पूरी पावर होती है कि वो जो है प्राइज फिक्स कर सके बिकॉज उसके कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है बिकॉज उसके कोई कॉम्पिटिटर्स नहीं है तो वो जो भी प्राइस फिक्स करेगा वो सारे कंज्यूमर्स को माननी पड़ेगी अगर उसको वो पर्टिकुलर सर्विस चाहिए तो ओके डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इज नॉट इन दंट्रोल ऑफ मोनोपोली फॉर्म प्राइजेस कंट्रोल में है स्टूडेंट्स ओके okay? हम मान रहे हैं कि मोनोपोली प्राइजेस को कंट्रोल करता है लेकिन क्या वो डिमांड को कंट्रोल कर सकता है नहीं डिमांड को कंट्रोल नहीं कर सकता बिकॉज डिमांड तो कंज्यूमर्स ही करेंगे ना अगर कंज्यूमर को लगेगा कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए ये बहुत ज़्यादा प्राइस है तो वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंज्यूम ही नहीं करेगा वो सोचेगा कि इट्स ओके जो प्रोडक्ट है उसे छोड़ दो हमें कंज्यूम ही नहीं करना है ओके तो जो डिमांड है किसी भी प्रोडक्ट की वो उसके कंट्रोल में नहीं होती है जो एक मोनोपोली फर्म होती है उसके कंट्रोल में नहीं होती है

उसे क्या करना पड़ेगा उसे अपने प्राइजेस कम करने पड़ेंगे ओके। Therefore, monopoly firm faces a downward sloping demand curve. इसलिए जो एक monopoly firm होता है students, उसका जो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व किसी भी चीज का क्यों होता है स्टूडेंट्स बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स ठीक प्राइस एंड डिमांड दो चीज है दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होगा इसलिए जो हमारे डिमांड कर वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा राइट वो ये बताएगा कि अगर आपको डिमांड बढ़ानी है तो आपको जो है आपके प्राइजेस कम करने पड़ेंगे ओके कुछ इस टाइप का दिखेगा हमें हमारा डिमांड कर पहले क्या थी हमारी प्राइस क्या थी पहले हमारी प्राइस थी पी वन ओके तब क्वान्टिटी डिमांडेड कितनी थी स्टूडेंट्स क्यू वन थी देन प्राइजेस डिक्रीज हुई प्राइजेस डिक्रीज हुई वो पी वन से नीचे आ गई पी टू पर मतलब प्राइजेस फॉल हुई तो उसके कारण हमारा डिमांड क्या हुई है स्टूडेंट्स हमारी डिमांड इंक्रीज हो रही है राइट Q1 से Q2 पर चली गई वो इंक्रीज होती हुई बता रही है हमें हमारी डिमांड तो ये चीज हमें क्या डिफाइन कर रहा है ये चीज हमें डिफाइन कर रहा है कि अगर आपको आपकी क्वांटिटी डिमांडेड को इंक्रीज करना है तो आपके प्राइजेस को आपको क्या करना पड़ेगा प्राइजेस को कम करना पड़ेगा जैसे जैसे आप प्राइजेस को कम करेंगे वैसे वैसे आपकी डिमांड बढ़ती जाएगी ओके इफ मैं यहाँ पे कोई प्राइस को सेट करूं तो देखिए हमारी डिमांड कितनी बढ़ गई है राइट right? इतना प्राइस और कम हुआ तो इतनी डिमांड और बढ़ गई तो एक जो मोनोपोली के अंदर हमारा डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्टोपिंग होता है क्यों होता है बिकॉज अगर आपको ज्यादा यूनिट सेल करने हैं तो आपको प्राइजेस कम करने पड़ेंगे इस सिनेरियो को बताने के लिए हमारा जो डिमांड कर्व होता है स्टूडेंट्स वो कैसा होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ओके गवर्नमेंट लाइसेंसिंग इट मींस दैट बिफोर अ फॉर्म कैन एंटर एन इंडस्ट्री इट नीड्स टू टेक परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट स्टूडेंट्स अगर किसी मोनोपोली एक ऐसा मार्केट है कि अगर वहां पर आपको एंटर करना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा गवर्नमेंट की परमिशन लेना पड़ेगा इफ गवर्नमेंट ने आपको परमिट कर दिया तो आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट product का प्रोडक्शन कर सकते हैं इफ अगर गवर्नमेंट ने मना कर दिया तो आप उस पर्टिकुलर मार्केट में इंटर नहीं कर सकते ओके लाइसेंसिंग इज यूज टू इंश्योर मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉम्पिटेंसी लाइसेंसिंग क्यों यूज की जाती है स्टूडेंट्स ताकि एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ कॉम्पिटेंसी रह सके मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट नहीं चाहती हुई कॉम्पिटिशन आए राइट बहुत मिनिमम कॉम्पिटिशन रह पाए इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है वहाँ पर लाइसेंसिस लगा देती है जैसे कि हम देखते हैं रेलवेज ओके रेलवेज में क्यों कोई भी एंटर नहीं कर सकता क्योंकि गवर्नमेंट किसी को अलाउ नहीं करती है क्यों अलाउ नहीं करती है स्टूडेंट्स अगर रेलवेज में कंपटीशन बढ़ा राइट right? तो क्या होगा तो जो उसके प्राइजेज हैं जो रेलवे टिकट्स के हमें जो ट्रेवल करने के लिए जो हम एक्सपेंसेस पे करते हैं जो कॉस्ट लगती है वो जो कॉस्ट है उसका क्या होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगी एंड स्टूडेंट्स जो रेलवेज होती है जो ट्रेनज़ होती है वो यूजुअली कौन कंज्यूम करता है उसकी सर्विसेज को जो एक बहुत ही मिडिल मैन होगा या जो एक पुअर मैन होगा वो करेगा राइट जो बहुत रिच होते हैं जो एक लाइट क्लास को बिलोंग करते हैं वो लोग तो कोई भी जाकर ट्रेन से ट्रैवल नहीं करेंगे वो क्या करेंगे वो या तो खुद की पर्सनल जो कार होंगी उन उससे ट्रैवल करेंगे या फिर थ्रू प्लेन्स वो लोग ट्रेवल करना प्रेफर करेंगे राइट तो रेलवेज क्यों स्टूडेंट्स रेलवेज हैं एक बिलो पॉवर्टी लाइन या फिर पावर्टी लाइन के ऊपर भी हम देखें तो ऐसे लोग जो कि बहुत ज्यादा कॉस्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए रेलवेज है तो अगर रेलवेज में कंपटीशन आया स्टूडेंट्स तो क्या होगा जो प्राइजेज है वो इंक्रीज हो जाएंगे राइट प्राइजेज इंक्रीज हो जाएंगे मतलब कि अब लोगों को वो कॉस्ट और ज्यादा लगने लगेगी राइट वो उसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे उनके लिए ये बर्डन हो जाएगा इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने वहां पे लाइसेंस लगा दिया ताकि वहाँ पे बहुत मिनिमम कंपटीशन रहे एंड ऐसी जगहों पे कंपटीशन ना रहे तो भी बेटर है राइट जैसे कि रेलवेज में अभी तक तो वो एंटर नहीं होने देते थे अब उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के लिए भी उसे ओपन कर दिया है कि ठीक है रेलवेज में प्राइवेट ट्रेन्स भी रन करेंगी लेकिन कुछ गवर्नमेंट ट्रेन भी होंगी वो अपने अकॉर्डिंग उनके प्राइजेस रहेंगे वो अपने प्राइजेस को ज्यादा इंक्रीज नहीं करेगी क्योंकि वो किसके लिए वर्क कर रही है वो वर्क कर रही है अब जो कंट्री के सिटीजन है उनके उनके लिए right? तो उनके लिए राइट तो बेटरमेंट के ताकि जो है उनको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो उनको ज्यादा कॉस्ट इनकर ना करना पड़े इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया वहां पे लाइसेंस लगा दिया ओके बट बाय नॉट ग्रांटिंग लाइसेंस टू न्यू फर्म्स गवर्नमेंट एम्स टू अश्योर दैट ओनली वन फॉर्म ऑपरेट्स इन मार्केट वो जो हमारी गवर्नमेंट है वो सबको लाइसेंस नहीं दे रही है राइट वो सबको अलाउ नहीं कर रही है कि आप इंटर करो इस मार्केट को इससे इसके कारण क्या हो रहा है सिर्फ एक सेलर है एक प्रोडक्ट का ओके okay, वो उस प्रोडक्ट को सेल करता है उसके प्राइजेस अकॉर्डिंग टू नीड्स रखते हैं ओके okay? एंड जो है वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ऑपरेट कर रहे हैं एंड वहाँ पे किसी को एंटर नहीं करने दे रहे तो क्या रीजन हुआ स्टूडेंट्स हमारे मोनोपोली का एक रीजन क्या हुआ एक रीज़न हुआ गवर्नमेंट लाइसेंसिंग गवर्नमेंट ने सोच लिया है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में तो हम किसी को एंटर नहीं होने देंगे ये तो हम हमारे अंडर ही रखेंगे या फिर एक किसी एक सेलर को दे दिया है अब सिर्फ वही उसका जो है क्या होगा प्रोड्यूसर होगा हम और किसी को नहीं एंटर होने देंगे ऐसा गवर्नमेंट ने सोच लिया तो गवर्नमेंट ने वहां पे लाइसेंस लगा दिया किसी को एंटर इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च गवर्नमेंट स्टूडेंट्स कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो किसी भी एक इंडिविजुअल को या किसी भी एक फर्म को दिए जाते हैं क्यों दिए जाते हैं बिकॉज ऑफ़ उनके जो इन्वेंशनज हैं उनका जो रिसर्चेज हैं ओके उसके कारण क्या हुआ किसी ने कुछ नया इन्वेंशन किया ओके okay? कुछ बहुत नया अभी एक मार्केट में कुछ एक बहुत नई टेक्नोलॉजी आई है आप मान लीजिए वो किसी ने इन्वेंट किए तो गवर्नमेंट ने क्या किया गवर्नमेंट ने उसको पेटेंट राइट दे दिया उसको पेटेंट दे दिया है कि इस पर्टिकुलर टाइम तक सिर्फ आप ही इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के प्रोड्यूसर रह सकते हैं ओके मान लीजिए फिफ्टीन ईयर्स का पेटेंट दिया है तो फिफ्टीन ईयर्स तक स्टूडेंट्स उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को कोई और प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, सिर्फ कौन प्रोड्यूस कर सकता है जिसको वो पेटेंट दिया गया है ओके तो ये क्या हुआ ये हुआ एक मोनोपोली पंद्रह साल के लिए एक मोनोपोली क्रिएट हो गई ओके तो वो क्या हुआ एक रीज़न हुआ हमारी इमरजेंस ऑफ मोनोपोली के लिए कि किसी ने कुछ इन्वेंशन किए हैं किसी ने कुछ रिसर्चेस किए हैं तो उसके कारण क्या हुआ उन्हें हमने एक एडवांटेज दिया एक गवर्नमेंट ने एडवांटेज दिया है कि ओके okay, आपने ये नई चीज़ लेकर आए हैं ये अभी तक कोई नहीं लाया आपके इन्वेंशन की वजह से आपके रिसर्चेस की वजह से ये चीज़ डेवलप हो गई लेकिन अब इसके लिए आपने रिस्क भी तो ली होगी ना जरूरी नहीं है कि आपने सोचा ही था कि इसका इन्वेंशन करेंगे तो ये सक्सेसफुल हो जाएगी आप भी सोच रहे थे कि हो सकता है ये सक्सेसफुल हो जाए ना हो तो क्या हुआ गवर्नमेंट ने उस रिस्क के बदले में आपको पेटेंट दे दिया आपको बोला कि आपको 15 ईयर्स के पेटेंट दिए हमने मतलब कि अब 15 ईयर्स तक उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कोई को और प्रोड्यूस नहीं कर सकता सिर्फ आप एक सिंगल सेलर होंगे उस प्रोडक्ट के तो क्या हुआ ये ये मोनोपोली हुई क्यों बिकॉज़ आप एक सिंगल सेलर हैं आपका जो प्रोडक्ट है उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है ओके okay? एंड आपका कोई कंपटीटर भी नहीं है ठीक तो द पीरियड फॉर व्हिच पेटेंट राइट्स आर ग्रांटेड इज नोन एज पेटेंट लाइफ ओके जो पंद्रह साल दिए गए हैं वो क्या हुए स्टूडेंट्स वो हुई पेटेंट लाइफ ठीक देन कार्टेल कार्टेल क्या होता है स्टूडेंट्स कार्टेल वो ये चीज होती है कि कुछ दो तीन फर्म्स मिलकर एक ग्रुप बना लेगी वो एक साथ में आ जाएंगी एंड वो लोग एक साथ में वर्क करेंगे ओके तो जब कोई कार्टल फॉर्म होता है मतलब कुछ अगर एक सेम सेक्टर में एक सेम सिमिलर प्रोडक्ट में कोई दो तीन फर्म्स ऑपरेट कर रही है तो उन्होंने क्या सोचा कि हम जो अलग अलग ऑपरेट कर रहे हैं ना तो इतना प्रॉफिट अर्न कर नहीं पा रहे हैं ओके एंड इतना हम मार्केट भी कवर कर नहीं पा रहे तो वो जो तीन चार फॉर्म्स थी उनने सोचा कि हम सब एक साथ में आ जाते हैं ओके हम सब एक साथ में आ जाते हैं हम एक ग्रुप बनाते हैं और इस ग्रुप से हम ये सेम प्रोडक्ट सेल करेंगे एंड किसी को हम एंटर करने नहीं देंगे इस मार्केट में ओके मतलब अगर किसी ने एंटर किया तो हम उसका कॉम्पिटिशन इतना बढ़ा देंगे कि वो अपने आप एग्जिट कर जाएगा ठीक तो क्या हुआ कार्टल से क्या हुआ कार्टल से एक मोनोपोली क्रिएट हुई ठीक

टू दैट मैगज प्रॉफिट जो सारी फॉर्म होती है वो क्या सोचती है उनका टोटल आउटपुट इतना इत, इस limit तक रखे, ताकि हर एक इंडिविजुअल फॉर्म का जो क्या है प्रॉफिट बहुत मैग्सिम तक जा सके ओके तो कार्टिल्स में क्या होता है स्टूडेंट की दो तीन फॉर्म्स मिलकर एक ग्रुप बना <coughs> सॉरी दो तीन फॉर्म्स मिलकर एक ग्रुप बनाती है एंड देन वो लोग वर्क करते हैं ताकि उनका जो है प्रॉफिट वो लोग लो मैक्सिमाइज कर सकें हम अगर ये एग्जाम्पल देखें हमारे कार्टे का तो वो हो सकता है ओपिक ओपिक आई होप आप सभी ने सुना है कुछ हो सकता है आप सभी को उसका मतलब नहीं पता है लेकिन आपने सुना तो होगा कि ओपेक कुछ होता है ओके सो so, ओपेक का पहले तो स्टूडेंट्स फुलफॉर्म क्या होता है दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओके ओपेक क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन है डिफरेंट कंट्रीज का कितनी कंट्रीज है उसमें एट प्रेजेंट थर्टीन कंट्रीज ओके तो हम क्या बोल सकते हैं एक ओपेक क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन है थर्टीन कंट्रीज का जो कि पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करती है ओके okay? जब ओपेक फॉर्म हुआ था स्टूडेंट्स तो फाइव कंट्रीज ने मिलकर हमारा ओपेक बनाया था उन लोगों ने किस मोटिव से बनाया था ओपेक ताकि वो लोग एक कार्टल फॉर्म कर सके ओके okay? वो लोग एक ग्रुप फॉर्म कर सकें एक ऐसा ग्रुप जो कि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा हो पेट्रोलियम ओके अगर हम देखें तो ओपेक जो है स्टूडेंट्स वो सबसे मैक्सिमम परसेंटेज कवर करता है हमारे पूरे पेट्रोलियम एक्सपोर्ट में ओके वो एटी परसेंट ऑफ एक्सपोर्ट करता है ओपेक सारी पूरी वर्ल्ड में तो ओपेक क्या हुआ एक काटल हुआ उन्होंने क्या किया पहले जो स्टार्टिंग में जब बना था ओपेक जब फाउंड हुआ था तो फाइव कंट्रीज ने मिलकर ओपेक को बनाया था ओके एंड इसका फाउंडेशन हुआ था तो स्टूडेंट्स बगदाद में जो कि हमारा इराक में ओके बगदाद में इसका फाउंडेशन हुआ था फाइव कंट्रीज ने मिलकर बनाया था उनका क्या मोटिव था एक ये ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का ताकि वो एक मोनोपोली क्रिएट कर सके ओके वो इतने ज्यादा शेयर में कवर करेंगी कि जो सारी वर्ल्ड है उसमें सबसे ज्यादा शेयर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में हम किसका ले सकते हैं ओपेक का तो इसने एक काइंड ऑफ मोनोपोली क्रिएट कर ली किसके थ्रू मोनोपोली क्रिएट हुई स्टूडेंट्स ये कार्टल के थ्रू फाइव कंट्रीज मिली एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया ये एक कार्टल बन गया एक ग्रुप बन गया राइट धीरे धीरे एट अगर हम देखें तो अभी कितने मेंबर्स हैं इसमें अभी इसमें थर्टीन कंट्रीज हैं थर्टीन कंट्रीज इसकी मेंबर्स हैं ओके लेकिन स्टार्ट कब हुआ जब पांच कंट्री ने सोचा कि नहीं हमें तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना है हमारे पास पेट्रोलियम जो है वो अच्छी क्वांटिटी में है तो हम लोग अलग अलग जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं इससे अच्छा है कि हम सब एक ग्रुप बना लें अपने अकॉर्डिंग प्राइजेस रखेंगे सारी जो वर्ल्ड है वो अपने अकॉर्डिंग चलेगी तो ये हमारी क्या हो गई ये हो गई हमारी एक मोनोपोली काइंड की ठीक तो कार्टल कैसे फॉर्म होते हैं और उससे कैसे मोनोपोली बनती है आई होप ये चीज आप लोगों को क्लियर होगी विद हेल्प ऑफ ओपेक ओके नाउ कंट्रोल ऑन रॉ मटेरियल्स मोनोपोली ऑल्सो अराइजेस ड्यू टू सोल ओनरशिप और कंट्रोल ऑफ एसेंशियल सर्टन एसेंशियल रॉ मटेरियल्स नीडेड इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री मोनोपोली स्टूडेंट्स कभी कभी इसके कारण भी इमर्ज हो जाती है बिकॉज जो हम कुछ रॉ मटेरियल्स होते हैं उन पे हमारे गवर्नमेंट का कंट्रोल है ओके okay? मतलब कि गवर्नमेंट ने कुछ रॉ मटेरियल्स ऐसे बोल दिए कि ये जो है ये पब्लिक यूज़ के लिए नहीं है राइट right? ये पूरी जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं वो लोग यूज़ नहीं कर सकते ये सिर्फ गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट ने जिसे लाइसेंस दिया है वही यूज़ कर सकते हैं तो कुछ रॉ मटेरियल्स पे कंट्रोल है इसके कारण क्या हो रहा है हमारी मोनोपोली क्रिएट हो रही है ठीक मोनोपोलिस्टिक मोनोपोली क्या होता है ओके मोनोपोली okay? को हम और क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स हम मोनोपोली को एक जो मोनोपोली फॉर्म को ऑपरेट करता है उसे हम क्या बोल सकते हैं उसे हम बोल सकते हैं मोनोपोलिस्ट ओके इसे हम क्या बोल सकते हैं मोनोपोलिस्ट एंड अब हम क्या पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स मोनोपोलिस्टिक क्या डिफरेंस है दोनों के वर्ड्स में ये सिर्फ आई एंड सी का ओके okay? ये बहुत ही मिन्यूट सा डिफरेंस है लेकिन आपको बहुत ध्यान से इसे पढ़ना है अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मोनोपोलिस्ट कौन होता है तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना आप लोग क्या लिख के आएंगे अगर मोनोपोलिस्ट पूछा तो मोनोपोली के बारे में लिख के आएंगे ओके हमने जो भी मोनोपोली के अंडर पढ़ा है वो लिख के आएंगे आप मोनोपोलिस्ट और मोनोपोलिस्टिक दोनों को अलग अलग रखेंगे ओके यूजली स्टूडेंट्स मोनोपोलिस्टिक को सिर्फ मोनोपोलिस्टिक कोई नहीं पूछता है हमसे क्या पूछा जाएगा कि मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन क्या होता है ओके लेकिन मोनोपोलिस्ट में क्या होता है मोनोपोलिस्ट में आपसे ऐसे ही यूजली डायरेक्टली ऐसे ही पूछते हैं कि मोनोपोलिस्ट कौन होता है या मोनोपोलिस्ट के क्या फीचर्स होते हैं ओके तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है ऐसा बहुत बार होता है ये हमें आंसर आता है फिर भी हम गलत लिख के आ जाते हैं बिकॉज हम उसे सही से इंटरप्रेट नहीं करते ओके एंड ये जो चीज होती है ना ये कन्फ्यूज करने के लिए बहुत टीचर्स पूछेंगे ऐसे आपसे बोलोगे आपसे बोला जाएगा कि मोनोपोलिस्ट बताइए तो मोनोपोलिस्ट एंड मोनोपोलिस्टिक अलग अलग चीजें ओके स्टूडेंट्स नाउ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ओके मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होगा स्टूडेंट्स मोनोपोलिस्ट राइट मोनोपोलिस्ट प्लस कंपटीशन। ओके क्या हुआ ये? मोनोपोलिस्ट प्लस कॉम्पिटिशन यहाँ पे क्या हुआ यहाँ पे मोनोपोलिस्ट के भी फीचर्स होंगे उसके मोनोपोलिस्ट में, में हमने क्या देखा था कि कोई competition नहीं होता है लेकिन यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे प्लस कॉम्पिटिशन भी होगा ओके मतलब कि कुछ जो सेलर्स हैं, उनके पास कुछ फ्रीडम भी होंगे वो कुछ प्राइजेस अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, वो थोड़े अलग भी होंगे लेकिन उसके साथ में कॉम्पिटिशन भी होगा ओके okay? मतलब वो एक सिंगल सेलर नहीं है उनके पास कॉम्पिटिशन भी रहते हैं ठीक तो उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स उसे हम कहेंगे मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन ओके इस पर्टिकुलर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में स्टूडेंट हम मोनोपोलिस्ट के और जो हमारा परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है राइट right? इन दोनों के फीचर्स हम कंबाइन करके देखेंगे कि वो हमारे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आते हैं ओके okay? तो अब हम देखते हैं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता क्या है

सेल रिलेटेड बट डिफरशिएटेड प्रोडक्ट्स इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स वो कैसे होते हैं क्लोजली रिलेटेड होते हैं मतलब कि एक क्लोज रिलेशन हम देख सकते हैं इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं हर एक फॉर्म के अलग अलग जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें हम एक क्लोज रिलेशन देख सकते हैं लेकिन स्टिल उनमें कुछ डिफरेंसेस भी देख सकते हैं ओके okay? कुछ फीचर्स ऐसे होंगे जो आपको हर एक अलग अलग पर्टिकुलर ब्रांड में अलग अलग मिलेंगे ओके okay? कुछ फीचर्स आपको किसी एक ब्रांड के अच्छे लगेंगे कुछ दूसरे ब्रांड के अच्छे लगेंगे तो मतलब वो है तो रिलेटेड लेकिन फिर भी वो अलग अलग है ओके okay? ऐसे कंपटीशन को हम क्या कहते हैं ऐसे कंपटीशन को हम कहते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ओके नाउ अगर इसके हम एग्जांपल्स देखें स्टूडेंट्स तो इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं प्रोडक्ट्स लाइक सोप टूथपेस्ट एसी एक्सेट्रा ये तो बहुत कम एग्जाम्पल सारे प्रोडक्ट जो आप यूज करते हैं ना स्टूडेंट्स वो कहां से आते हैं के ही है टूथपेस्ट डिफरेंट डिफरेंट टूथपेस्ट के ब्रांड्स होते हैं ओके okay? मान लेते हैं कोलगेट हुआ क्लोजअप पेप्सुडेंट राइट और भी ब्रांड्स आते हैं हमारे टूथपेस्ट के राइट बबूल डाबर बहुत सारे आते हैं तो ये सब क्या है ये जो टूथपेस्ट है ये क्लोजली रिलेटेड है लाइक like? वो एक दूसरे के क्लोज रिलेशन में सबका काम क्या है सबका काम है हमारे टीथ साफ करना राइट right? सबका काम एक है फिर भी कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं उनमें कोलगेट क्लोजअप अप हमने तीन लिए ओके okay? तीनों में तीनों का काम एक ही है तीनों का रिलेशन हम देख सकते हैं वो लोग एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड हैं लेकिन फिर भी तीनों डिफरेंट हैं तीनों में कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो डिफरेंट है ओके okay? कलर का डिफरेंट हो गया फ्लेवर डिफरेंट हो गया उनके जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो कुछ डिफरेंट हो गए मतलब उसके अंदर जो फीचर्स आ रहे हैं हमारे वो कैसे स्टूडेंट्स वो डिफरेंट है तो ये किसका पार्ट हुआ ये पार्ट हुआ हमारे मोनोपोलिस्ट कॉम्पिटिशन का सोप्स होते हैं स्टूडेंट सोप्स कितने टाइप के सोप्स होते हैं कितनी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के सोप्स होते हैं राइट आप आपके घर में देखिए अगर सब अगर हर एक पर्सन का कुछ कुछ स्पेसिफिकेशन है कि नहीं मुझे यही वाला सोप पसंद है तो आपके घर में भी तीन चार टाइप के सोप्स आ जाएंगे कोई बोलेगा हमें पियर्स चाहिए कोई बोलेगा हमें लक्स चाहिए कोई बोल रहा है डव चाहिए कोई कुछ और बोल रहा है तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स हैं ये क्या है ये हर एक ब्रांड अपना एक प्रोडक्ट डिफरेंट बना रहा है लेकिन फिर भी एक दूसरे से क्लोज रिलेशन में है अगर इन केस आपको पियर्स नहीं मिला ओके okay, आपको इमरजेंसी आपको पियर्स नहीं मिला तो आप कोई सा और सोप यूज कर लेंगे क्यों कर लेंगे स्टूडेंट्स बिकॉज सबका काम तो एक ही है सबका काम क्या है साफ करना राइट right? आपके हाथ साफ करना एक वॉश करना तो वॉश करने का काम तो सबको सारे सोप कर देंगे वो तो आपको पियर्स बहुत पसंद है इसलिए आप पियर्स से नहीं हटना चाहते ओके okay? लेकिन अगर पियर्स अवेलेबल नहीं है तो आपने क्या किया आपका ब्रांड चेंज कर लिया ठीक तो ये क्या है स्टूडेंट्स ये सारे हमारे किसके पार्ट में ये सारे हमारे पार्ट है मोनोपोलिस्ट कॉम्पिटिशन के मोनोपोलिस्ट कॉम्पिटिशन स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं बहुत ही कॉमन मार्केट है इसका ऑलमोस्ट सारी चीजें जो हम यूज करते हैं वो इसी कंपटीशन का पार्ट है राइट हर एक चीज के बहुत सारे ब्रांड्स है अगर आप वॉच लेने गए राइट आपको वॉच का बहुत शौक है आप वॉच लेने गए आपके पास वॉच के लिए डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स हैं आप उसमें से चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सी ब्रांड की वॉच चाहिए ओके आप शूज लेने गए शूज के लिए बहुत सारी ब्रांड्स है आप ग्लासेस लेने गए आपके स्पेक्स लेने गए उसके लिए आपके पास में बहुत सारी ब्रांड्स हैं, मेकअप के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें बहुत सारी ब्रांड्स है तो मतलब हर एक चीज में बहुत सारी ब्रांड्स आपके जो कपड़े हैं स्टूडेंट्स ये भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के मिलते हैं हमें राइट सबका काम क्या है सबका काम एक ही है वो एक कपड़ा है वो एक क्लोथ है सबका काम क्या है हमें पहनना है राइट लेकिन वो एक जो ब्रांड है हर एक क्लोथ की जो ब्रांड है वो उसे कुछ ना कुछ डिफरेंट बना रही है एक दूसरे पर्टिकुलर उसके कॉम्पिटिटर से राइट तो क्या है यहाँ पे कि सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं येट वो डिफरेंट होते हैं ओके सो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन ऐसा कॉम्पिटिशन जो हम बहुत देखते हैं हम यूजअली मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन ही देखते हैं क्या आप परफेक्ट कॉम्पिटिशन आपने देखा है नहीं देखा है क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन तो हमें पता है ना कि परफेक्ट कंपटीशन तो रियलिटी में कुछ होता ही नहीं है राइट right? हमने ये चीज पढ़ी थी हमारे परफेक्ट कंपटीशन में कि इन रियलिटी परफेक्ट कंपटीशन नहीं होता है देन हमने जब मोनोपोली देखा स्टूडेंट्स तो मोनोपोली ये yes, हम मोनोपोली हमने देखे हमने एयरलाइंस हमें पता है हमें रेलवेज पता है कुछ मोनोपोलीज जो खुद बनती जा रही मोनोपोलीस वो मोनोपोलीज के एग्जाम्पल हमने देखे थे जैसे कि गूगल एंड फेसबुक राइट अब स्टूडेंट्स मोनोपोलिस्टिक में क्या हुआ मोनोपोलिस्टिक में तो हर एक चीज आ गई आपके घर में जितनी चीजें हैं वो सारी किसके अंदर हो सकती है ऑलमोस्ट 80 टू 90 परसेंट जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके कंपटीशन के ही पार्ट होंगे आपके घर में टीवी है, टीवी की बहुत सारी ब्रांड्स होती है, राइट? सारी ब्रांड्स की जो टीवी स्टूडेंट्स, वो क्या है एक दूसरे के क्लोज रिलेशन में है येट वो सारी डिफरेंट है राइट सारी डिफरेंट है सबके अलग अलग प्राइजेस मिलेंगे आपको सब कुछ डिफरेंट है आपके घर में लाइट्स हैं लाइट्स की बहुत सारी कंपनीज होती है राइट सिस्का हो गई और जो भी डिफरेंट डिफरेंट हमारी लाइट्स की कंपनी होती है लाइट्स भी हमें डिफरेंट डिफरेंट का मिलते हैं एलईडी एलसीडी ट्यूब लाइट्स एंड एक्सेट्रा राइट तो लाइट्स वो भी एक क्या हो गई आपकी मोनोपोलिस्ट कॉम्पिटिशन का पार्ट ओके आपके घर में रेफ्रिजरेटर्स है वो भी एक मोनोपोलिस्टिक का पार्ट बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिकल ब्रांड्स हैं हमारे पास उनमें से एक ब्रांड का रेफ्रिजरेटर आपके घर पे ठीक वॉशिंग मशीन है आयन है हर एक चीज तो आपकी मोनोपोलिस्ट कंपटीशन का पार्ट है आप जो डेली यूज के लिए जो प्रोडक्ट यूज करते हैं आप कोई सा एक पर्टिकुलर लोशन यूज करते हैं बॉडी लोशन ओके वो क्या हुआ वो भी एक इसी का पार्ट हुआ राइट तो मोनोपोलिस्ट कंपटीशन में हम स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं अपनी रियल लाइफ में देखते हैं वो सारी चीजें जिसे हम ऑब्जर्व करते हैं वो सारी चीजें हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं राइट कंप्यूटर्स हैं पीसीज हैं लैपटॉप्स हैं मोबाइल फोन है ये क्या है ये सब कुछ हमारे मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के ही पार्ट है राइट right? सब सारे जो अपने हमारे ब्रांड्स होंगे स्टूडेंट्स वो सारे एक दूसरे के क्लोज रिलेशन में होंगे येट उनमें कुछ डिफरेंसेस होंगे राइट right? तो ये क्या हुए हमारे मोनोपोलिस्ट कंपटीशन ओके नाउ हम देखते हैं इसके कुछ फीचर्स होके okay? इसके फीचर्स क्या होते हैं लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स मतलब एक प्रोडक्ट के बहुत सारे सेलर्स है ओके एक प्रोडक्ट के बहुत सारे सेलर्स हैं सोप है स्टूडेंट्स so एक सोप के कितने सारे सेलर्स हैं, बहुत सारे नेम्स हैं, आधे नेम्स तो हमें पता भी नहीं होते हैं। ऐसे ऐसी ब्रांड्स भी होंगी राइट तो बहुत सारे नेम्स हैं, बहुत सारी ब्रांड्स हैं, सबके अपने अपने कितने सारे हमारे पास हम सेलर्स देख सकते हैं ओके देर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स सेलिंग क्लोजली रिलेटेड बट नॉट होमोजीनियस प्रोडक्ट क्या हुआ स्टूडेंट्स होमोजीनियस प्रोडक्ट्स नहीं है होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि हर एक एस्पेक्ट में सेम होना सेम साइज सेम हमारे मोनोपोलिस्ट कंपटीशन में देखते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स तो होते हैं लेकिन वो लोग होमोजीनियस प्रोडक्ट को सेल नहीं करते हैं, राइट हर एक प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं कुछ ना कुछ उसके जो फीचर्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो उसे डिफरेंट बना रहे हैं किसी और से राइट जो पियर्स से स्टूडेंट्स वो अलग है जो लक्स है वो अलग है दोनों के काम अलग अलग है आई I मीन mean, दोनों के काम सेम है बट स्टिल जो उनके स्पेसिफिकेशन है वो अलग है पियर्स को किसी और चीज कि, किसी एक पर्टिकुलर चीज के स्पेशलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है लक्स को किसी और के लिए किया जाता है ओके okay? दोनों की फ्रेगनेंस में डिफरेंस होगा दोनों का कलर अलग होगा राइट right? तो ये क्या बना रहा है ये उन्हें बना रहा है एक दूसरे से डिफरेंट ओके okay? ये दोनों एक दूसरे के क्लोज क्लोज रिलेशन में है राइट right? लेकिन स्टेल ये दोनों डिफरेंट है ओके एन इंडिविजुअल फॉर्म हैज लिमिटेड कंट्रोल ओवर दी मार्केट प्राइस लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म लीड्स टू कॉम्पिटिशन इन दी मार्केट जो एक इंडिविजुअल फॉर्म होती है स्टूडेंट उसके पास कैसा होता है लिमिटेड कंट्रोल होता है प्राइस पे मतलब हम ये बोल रहे हैं कि उसका प्राइस पे कंट्रोल तो है लेकिन लिमिटेड लिमिटेड क्यों स्टूडेंट्स बिकॉज ऑफ ओके उसके और भी कॉम्पिटिशन अगर एक पर्टिकुलर फर्म ने उसके प्राइजेस बहुत हाई कर दिए तो क्या होगा तो जो उसके कॉम्पिटिटर्स है ना उनके पास लोग चले जाएंगे राइट उनके पास लोग चले जाएंगे कि नहीं आप लोग ना बहुत ज्यादा महंगा बेच रहे हो हमें नहीं चाहिए इतना महंगा प्रोडक्ट हम आ, हम दूसरा सोप खरीद लेंगे ओके या फिर हम दूसरा कोई भी प्रोडक्ट खरीद लेंगे ओके हम एग्जाम्पल लेते हैं पेप्सुडेंट एंड कोलगेट का ठीक पेप्सुडेंट ने क्या किया पेप्सुडेंट लिया हमने एंड कोलगेट लिया ठीक नाउ स्टूडेंट्स जो पेप्सुडेंट का हंड्रेड ग्राम्स ऑफ पेस्ट है उसका प्राइस है फिफ्टी रुपीज ओके ये हम अज्यूम कर रहे हैं मुझे नहीं पता एक्चुअल में कितना प्राइस है मैं सिर्फ एक ले रही वरना आप, आप कुछ भी बोल रहे हो ओके तो ये हम सिर्फ कर रहे हैं, ओके? तो 50 रुपीज हमने बोला हंड्रेड ग्राम्स ऑफ पेस्ट का क्या है हमारा प्राइस है एंड वही हंड्रेड ग्राम्स ऑफ पेस्ट जो कोलगेट का है वो कितना है वो है फिफ्टी फाइव रुपीज का ओके वो फिफ्टी फाइव रुपीज का है दोनों की जो फीचर्स हैं वो कुछ अलग अलग हैं दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं जो भी कोलगेट के जो भी स्पेसिफिकेशन हैं उसके अकॉर्डिंग उसने ये बोला कि नहीं मेरा जो पेस्ट है वो तो फिफ्टी फाइव रुपीज में ही जाएगा अगर वो फिफ्टी फाइव से कम में गया तो मुझे कुछ प्रॉफिट अर्न नहीं होगा ओके तो उसने क्या किया अपने पेस्ट का प्राइस कितना रखा फिफ्टी फाइव रुपीज़ पेप ने बोला फिफ्टी रुपीज इज ओके फॉर मी मैं फिफ्टी में खुश हूँ फिफ्टी में मेरे पास आराम से इतना प्रॉफिट आ जाएगा इतना रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा कि मेरे कॉस्ट सारे जो हैं वो कवर हो सके तो उसने बोला हम मैं फिफ्टी रख रहा हूँ अब क्या हुआ अब ये हुआ पेप्सुडेंट ने सोचा जो स्टूडेंट दोनों की जो डिमांड है वो बराबर है ओके ये भी हम मान रहे हैं तो अब क्या हुआ अब पेप्सुडेंट ने सोचा कि देखो यार जो कोलगेट है वो फिफ्टी फाइव में सेल कर रहा है तो भी उसके पास में जो डिमांड है वो अच्छी है और मैं फाइव रुपीज कम में सेल कर रहा हूं तो भी मेरे पास इतनी डिमांड नहीं आ रही तो पेप्सूडेंट ने क्या सोचा पेप्सूडेंट ने सोचा नहीं मैं भी अपनी प्राइस इंक्रीज करूंगा मैं प्राइस इंक्रीज क्यों करूंगा ताकि मैं ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकूं ओके okay? ऐसा पेपस्टूडेंट ने सोचा पेप्स्टूडेंट ने क्या किया पेपस्टूडेंट ने अपने प्राइजेस बढ़ा दिए अब पेपस्टूडेंट ने प्राइजेस बढ़ा के क्या किए पेपस्टूडेंट ने प्राइजेस बढ़ा के कर दिए सिक्सटी रुपीज उसने क्या किया उसने 55 पर नहीं रुका वो उसने बोला मैं तो 60 रुपीस कर रहा हूं जो मेरे कंज्यूमर्स है ना वो तो मुझे ही परचेज करेंगे ऐसा पेपस्टूडेंट ने बोला है। ओके तो उसने 50 से 60 उसकी प्राइस कर दी अब क्या हुआ अब ये हुआ कि जो कंज्यूमर्स थे जो पेपस्टूडेंट के कंज्यूमर्स थे उनको ये जो टेन रुपीज है ये ज्यादा लगे उन्होंने बोला कि भाई आपने टेन रुपीज क्यों इंक्रीज किए ओके okay, अगर आपने टेन रुपीज इंक्रीज की तो आप आपके जो पेस्ट है उसमें कुछ फीचर्स भी लेके आते कुछ कुछ और लेके आते आपके जो पेस्ट है उसमें करते तो आप टेन रुपीज एक्स्ट्रा लेते ओके okay? अब आप सेम फीचर्स पे हमसे टेन रुपीज एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हैं तो पेप्सुडेंट के कंज्यूमर्स ने क्या किया पेप्सुडेंट के कंज्यूमर्स ने बोला ओके ठीक है आपने आपकी प्राइस बढ़ाई ना अब रुको हम क्या करेंगे हम भी हम हमारी हम डिमांड चेंज कर देंगे हम हमारा टूथपेस्ट चेंज कर देंगे हमने यह किया हम पेप्सुडेंट से चले गए कोलगेट पर क्या किया हमने हम से कोलगेट पर चले गए यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स हम माने कि थर्टी डिमांड थी ओके थर्टी यूनिट्स की थर्टी कंज्यूमर्स डिमांड कर रहे थे हम ये अज्यूम कर रहे हैं. तो क्या हुआ इसमें से टेन कंज्यूमर्स ने सोचा कि नहीं अब हम किसका कंजम्पशन करेंगे हाँ मतलब अब हम करेंगे कोलगेट का कोलगेट में इंक्रीज किया है उससे क्या चेंज हुआ आप ज्यादा प्रॉफिट कमा ही नहीं पा रहे अब जो पेपस्टूडेंट है।, है वो ज्यादा प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा है क्यों बिकॉज जो इसके कंज्यूमर्स थे वो कहा चले गए वो चले गए इसके के के पास, पास पास राइट? वो इसके इसके और अब इसके पास जो कंज्यूमर्स बचे हैं, वो कम क्वांटिटी में बचे हैं, वो चले गए इसके कॉम्पिटिटर के पास क्यों बिकॉज इसने अपना प्राइस थोड़ा ज्यादा ही एक्सेस में बढ़ा दिया ज्यादा होशियारी आ रही थी हमारे पेपस्टूडेंट भाई साहब को इन्होंने अपना प्राइस ज्यादा इंक्रीज कर दिया ठीक तो क्या हुआ जो हमारे कंज्यूमर्स थे वो उन्होंने वो ज्यादा समझदार है भैया कंज्यूमर्स तो ये सोचेंगे हमें तो क्या करना है हमें तो अपने टीथ को साफ करना है राइट हम कोलगेट कोलगेट से 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 कर लेंगे यार उसमें क्या फर्क पड़ रहा है है करो करो अपना जो माउथ वो तो साफ हो ही जाएगा तो वो चलेगा हमारे कोलगेट पे ओके तो क्या हुआ इनकी जो डिमांड थी वो कम हो गई बिकॉज इनका एक कॉम्पिटिटर बैठा था इनके प्राइस में इंक्रीज होने से तो ये क्या बता रहा है स्टूडेंट्स की जो हमारे फर्म्स होती हैं, उनके पास कैसा होता है लिमिटेड कंट्रोल होता है मोनोपोलिस्टिक फर्म्स के पास में प्राइस पर ओके okay. क्यों लिमिटेड कंट्रोल है, स्टूडेंट्स? क्योंकि अगर आपने आपकी रेंज से ज्यादा इंक्रीज किया तो आपके जो कंज्यूमर्स है वो कहां चले जाएंगे आपके कॉम्पिटिटर्स के पास चले जाएंगे क्योंकि यहाँ पे कोई कॉम्पिटिटर्स नाम की चीज होती है इसलिए हर एक फर्म को एक लिमिटेड कंट्रोल ही मिल पाता है प्राइस पर ये बिल्कुल अपने हिसाब से प्राइजेस नहीं रख सकते ओके अगर अपने हिसाब से प्राइस रखना होता है पिप्सुडेंट बोलता है कि नहीं मैं तो ना हंड्रेड रुपीज रखूंगा अपना प्राइस तो इनके पास में इतने जो डिमांड है वो भी नहीं आती क्यों नहीं आती Because आपने आपकी जो प्राइस वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दी है आपके पास सिर्फ एक लिमिटेड कंट्रोल था आपने उसके बहुत ज्यादा बियॉन्ड में इंक्रीज कर दिए इसके कारण क्या हुआ कि आपके पास कोई कंज्यूमर्स नहीं आएंगे हमें कोई दिक्कत नहीं आपके पास कंज्यूमर्स नहीं आएंगे ओके लिमिटेड कंट्रोल इसलिए भी होता है स्टूडेंट्स बिकॉज ये लोग डिफरेंट डिफरेंट इनके जो फीचर्स होते हैं राइट right? तो उन फीचर्स के अकॉर्डिंग ये लोग अपने प्राइजेस रखते हैं एक रेंज डिसाइड कर लेते हैं ओके okay? जैसे कि हमारी पेस्ट की टूथपेस्ट की जो इंडस्ट्री होगी ठीक जो टूथपेस्ट वाली इंडस्ट्री होगी उसने बोला है कि हम एक रेंज डिसाइड करते हैं जिसके अंडर हमारे सारे टूथपेस्ट रहेंगे ओके हंड्रेड ग्राम्स ऑफ टूथपेस्ट के लिए एक रेंज डिसाइड कर लिया उन्होंने कि रुपीज फोर्टी से लेके रुपीज सेवेंटी तक आप रख सकते हैं आपके प्राइजेस को ओके अब जो टूथपेस्ट इंडस्ट्री में जितनी भी फर्म्स हैं स्टूडेंट्स उनके पास क्या रेंज है कि फोर्टी टू सेवेंटी ओके ये एक रेंज है उनके पास मतलब एक वो फोर्टी टू सेवेंटी कितना भी रख सकते हैं दैट इज अपॉन देम

एंड वहां पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं ठीक देन प्रोडक्ट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन अब क्या होता है पहले हम वो समझते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन रिफर्स टू डिफरेंशिएटिंग द प्रोडक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड साइज कलर शेप एक्सेट्रा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या हुआ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का सीधा सा मतलब है स्टूडेंट्स कि किसी भी दो प्रोडक्ट्स को डिफरेंशिएट करना ओके okay? किस किस चीज के बेसिस पे वो कोई भी चीज हो सकती है आप उसको ब्रांड के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो उसके कलर पे उसके साइज पे उसकी जो स्पेसिफिकेशन है उस पर कोई भी चीज पर आप उसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो तो प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन क्या होगा कि प्रोडक्ट्स को डिफ्रेंशिएट करना एक दूसरे से ओके Now, इसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे स्टूडेंट्स ओके प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन के कारण हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं या हमारे जो फर्म्स हैं उनके जो प्राइजेस है उनपे क्या इम्प्लीकेशन होंगे वो हम देखते हैं बायर्स ऑफ अ प्रोडक्ट डिफरेंशिएट बिटवीन द सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट फर्म्स जो बायर्स होते हैं स्टूडेंट्स वो डिफरेंट फॉर्म जो प्रोडक्ट बना रही है उसके बीच में डिफरेंशियट कर सकते हैं राइट जो कोलगेट बना रही है जो पेप्सिड बना रही है दोनों प्रोडक्ट है तो सेम बट स्टिल उनमें जो बायर्स है वो डिफरेंशियट कर सकते हैं क्यों कर सकते हैं स्टूडेंट्स दोनों ब्रांड्स अलग है ओके दोनों के कुछ ना कुछ फीचर्स अलग होंगे ठीक दोनों के कलर्स अलग हैं तो क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट हो रहा है क्यों हो रहा है बिकॉज कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन हैं आपके प्रोडक्ट में एक बायर जो है वो इतना समझदार है कि वो जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनके बीच में डिफरेंशिएट कर सकता है ओके सो दे आर विलिंग टू पे डिफरेंट प्राइजेस फॉर द सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट फर्म्स तो इसके कारण जो हमारे बायर्स होते हैं स्टूडेंट्स उनका क्या मोटिव होता है कि वो लोग डिफरेंट प्राइजेस भी पे कर सकते हैं सेम प्रोडक्ट के लिए जो कि अलग-अलग फर्म्स बना रही है ओके हमने पेप्सोडेंट एंड कोलगेट देखा ओके

अगर आपका ये ओपिनियन है कि पेप्सुडिन ज्यादा बेटर है कोलगेट से तो आप पेप्सुडिन के लिए ज्यादा पे करना प्रिफर करेंगे ओके अगर वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी है प्राइजेस में तो वो आपको इतना मैटर नहीं करेगा आप क्या सोचेंगे कि आपको बेस्ट प्रोडक्ट चाहिए ओके तो क्या हुआ आप सेम प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट क्या है टूथपेस्ट ओके आप सेम प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट प्राइजेस पे करने के लिए रेडी है क्यों रेडी है स्टूडेंट्स बिकॉज आप उन दोनों प्रोडक्ट्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इसलिए आपको आप जो है डिफरेंट प्राइजेस पे करने के लिए रेडी हैं ठीक आपने दोनों को डिफरेंशिएट किया आपके पर्सनल ओपिनियन में कोलगेट ज्यादा अच्छा है उसके फीचर्स ज्यादा अच्छे हैं तो आप कोलगेट के लिए ज्यादा प्राइस पे कर रहे हैं आपकी पर्सनल ओपिनियन में पिप्सुडिन ज्यादा अच्छा है तो आप पिप्सुडिन के लिए ज्यादा प्राइस पे कर रहे हैं मतलब कि एक प्रोडक्ट के लिए आप अलग अलग प्राइजेस पे कर सकते हैं ओके

उसे बोल सकते हैं ठीक उसे हम समझ सकते हैं पेप्सुडेंट एंड कोलगेट स्टूडेंट हमें पता है कि बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड गुड्स है राइट पेप्सुडेंट में हम मान रहे हैं कि कुछ दो फीचर्स एक्स्ट्रा है कोलगेट के कम्पेरिजन में ओके हम ये मान रहे हैं तो क्या होगा कि जो पेप्सुडेंट है उसके पास एक पावर है कि वो जो दो फीचर्स एक्स्ट्रा है ना वो उसके कारण थोड़ा सा प्राइस अपने अकॉर्डिंग रख ले थोड़ी सी अपनी प्राइस को इंक्रीज करके रख ले बिकॉज उसके पास दो फीचर्स एक्स्ट्रा है ठीक अगर ये सेम चीज कोलगेट के साथ होती कि कोलगेट के पास दो फीचर्स एक्स्ट्रा है तो कोलगेट अपने अकॉर्डिंग अपनी प्राइजेस थोड़ी सी ऊपर नीचे कर सकता था ओके तो क्या हुआ यहाँ पे मोनोपोली पावर मिली ओके किस चीज के लिए पावर मिली टू तो इंडिविजुअल फर्म को टू तो इन्फ्लुएंस दी मार्केट प्राइस ठीक थोड़ी बहुत उनको पावर मिली कि उनका जो प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग वो जो है प्राइजेस डिटरमाइन कर सकते हैं ओके प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन को हम थोड़ा और समझते हैं आई होप वैसे तो वो आपको समझ में आ गया होगा बट थोड़ा सा और समझते हैं हमारे पास सोप्स दिए हुए हैं हैं स्टूडेंट्स डव है है लक्स right? राइट और भी सोप्स बट वो इस पर्टिकुलर डायग्राम में हमें दिख नहीं रहे हैं सोप्स तो बहुत टाइप के होते हैं तो हमने क्या लिया डव एंड लक्स ओके दोनों में प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन हम कर सकते हैं दोनों की पैकेजिंग डिफरेंट है ओके okay? दोनों की ब्रांड डिफरेंट है ठीक दोनों का कलर डिफरेंट है दोनों का साइज डिफरेंट है दोनों के में कितने रुपीज में ओके हमें कितने रुपीज में मिल रहा है लक्स हमें मिल रहा है फिफ्टी रुपीज में ओके लक्स हमें कितने में मिल रहा है स्टूडेंट्स फिफ्टी में मिल रहा है तो ये दो के प्राइजेस अलग अलग डिफाइन किए गए हैं अब एज अ कंज्यूमर आप क्या सोचेंगे अगर हम प्रोडक्ट्स को ना देखें सिर्फ हम अगर ये देखते कि दोनों एक ही बिल्कुल सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट्स हैं तो आप एज अ कंज्यूमर क्या सोचते हैं कि जो चीज़ थोड़ी सस्ती है ना वो परचेज कर लेते हैं जब दोनों का काम एक ही है तो वही परचेज कर लेते हैं क्यों हम टेन रुपीज ज्यादा दें तो आप फोर्टी रुपीज का प्रोडक्ट खरीद के ले आते हैं लेकिन अब क्या हुआ अब दोनों गुड्स हैं तो सेम उनका काम सिमिलर है बट स्टिल उन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंसेज हैं तो अब आप क्या करेंगे अब आप वो चूज करेंगे जो आप ज्यादा प्रेफर करते हैं ओके okay. हो सकता है आप डव ज्यादा डाफर करते हैं आपने डव खरीदा ओके okay. आपकी मम्मा को लक्स लक्स ज्यादा पसंद है उन्होंने लक्स खरीदा ठीक दोनों के प्राइजेस में डिफरेंस है बट स्टिल आपकी मम्मा को लक्स ही पसंद है उन्हें डव पसंद नहीं आता है राइट उन्हें डव बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है तो उन्होंने क्या किया वो भले ही टेन रुपीज एक्स्ट्रा में है बट स्टिल उन्होंने क्या परचेज किया उन्होंने परचेज किया लक्स ओके एंड आप आपको ना लक्स पसंद नहीं है आपको क्या पसंद है आपको पसंद है डव आपने बोला मम्मा ठीक है आपको लक्स खरीदना है आप लक्स खरीदो यार मैं तो डव ही परचेज करूंगा मुझे तो डव ही पसंद है तो आपने लिया डव राइट तो क्या हुआ दोनों में कुछ ना कुछ डिफ्रेंशिएशन थे इसलिए आप उस प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर पाए एंड आप सेम प्रोडक्ट के लिए सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पे करने के लिए रेडी है ओके सो प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन कुछ इस टाइप से हमारा जो है प्राइजेस को डिटरमाइन करता है प्राइजेस को कंट्रोल करता है ओके नो सेलिंग कॉस्ट सेलिंग कॉस्ट रिफर्स टू दी एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन मार्केटिंग सेल्स प्रमोशन एंड एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रोडक्ट नाउ स्टूडेंट सेलिंग कॉस्ट क्या होती है सेलिंग कॉस्ट वो सारी कॉस्ट होती है जो कि एक प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए लगती है ओके एडवर्टीजमेंट्स आप लोग ने देखे ही होंगे बहुत देखे होंगे एडवर्टीजमेंट्स राइट हर एक प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट्स हम देखते हैं हम कुछ भी देखें हमारी टीवी पर कोई भी एक प्रोग्राम देख रहे हैं तो क्या होता है बीच में एडवर्टीजमेंट्स आते हैं right? राइट फिर हमें आती है गुस्सा कि क्यों ये ऐड आ गया यार ये ऐड क्यों देते हैं इतना राइट सो एड वो क्या है वो किसी भी एक प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कॉस्ट इनकर किया गया है राइट इसलिए वो आज हमें देखने पड़ते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फर्म्स होती हैं ब्रांड्स होते हैं वो अपना प्रोडक्ट कैसे प्रमोट करेंगी वो थ्रू एड्स प्रमोट करेंगी या फिर कुछ मार्केटिंग करेंगी कुछ प्रमोशन और कोई सी टेक्निक्स का यूज करेंगे जिससे कि वो प्रमोट कर सके अपने ऐड को राइट उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप तक पहुंचा सके कि ऐसा कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट भी करता है राइट इसलिए ये क्या होते हैं एडवर्टीजमेंट्स अब वो जो एडवर्टीजमेंट्स आते हैं स्टूडेंट्स क्या वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं क्या जो एक ब्रांड है वो कुछ पे नहीं करती होगी क्या करती होगी ना अगर किसी भी चीज के एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं तो मतलब कि वो पर्टिकुलर ब्रांड उस टीवी चैनल को उस प्रोडक्शन हाउस को पे कर रही है कि आप हमारा जो ब्रांड है वो आपके शो पर आपके जो चैनल है उस पर प्रमोट कीजिए राइट तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कुछ कॉस्ट इनकर कर रही है, है ना तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि कुछ सेलिंग कॉस्ट नाम की चीज होती है ओके सेलिंग कॉस्ट क्या होगी वो सारी कॉस्ट जो कि एक प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए लगती है ओके okay? उस सारी कॉस्ट को हम क्या कहते हैं सेलिंग कॉस्ट कहते हैं तो जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है स्टूडेंट्स इसमें सेलिंग कॉस्ट होती है सेलिंग कॉस्ट क्यों होती है बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा नंबर ऑफ फर्म्स होती है जो कि एक काइंड ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट सेल करती है स्टिल उसमें थोड़े से जो डिफरेंसिएशन होते हैं ना वो डिफ्रेंसिएशन बताने के लिए वो कुछ प्रमोशन टेक्निक्स का यूज करती है राइट बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन ये सेलिंग कॉस्ट इनकर की जाती है क्योंकि आप जितना अच्छे से प्रमोट करोगे आपके प्रोडक्ट को उतना ज्यादा वो सेल होगा राइट आप जो जैसे प्रमोट करता है उसी के वजह से तो हमारे माइंड में एक पर्टिकुलर ब्रांड के लिए क्या बनती है इमेज बनती है राइट अगर हम वॉचेस लेने जाए तो हम क्या देखेंगे यार, टाइटन है अच्छी है बस टाइटन है हम तो खरीद लेंगे वो एक ब्रांड नेम बन चुका है है राइट कि नहीं भाई टाइटन है, तो अच्छी है, रोलेक्स है है बहुत बढ़िया ये ये क्या ब्रांड्स हमारे माइंड में बैठ चुकी है अच्छे से कि नहीं इस ब्रांड की तो कोई भी चीज ले लो वो अच्छी होगी राइट तो ये क्या हुआ ये क्यों हुआ बिकॉज ऑफ देयर प्रमोशन टेक्निक्स उन्होंने अपने ब्रांड को प्रमोट इतने अच्छे से किया है कि वो अब हाई प्राइजेस भी रखेंगे ना तो भी हम जाके वो चीज खरीद लेंगे और ये चीज तो हमें पता ही है ये हम माइंडसेट बना के जाते हैं कि अगर हम किसी ब्रांडेड शोरूम पर गए हम बिल्कुल नहीं सोचते कि हमें कुछ चीप माल मिलने वाला है राइट कोई भी चीप सामान नहीं मिलने वाला है हम क्या सोचते हैं ब्रांड है भाई पैसे तो लगने ही है अगर कोई एक बहुत सिंपल सा टी शर्ट भी आपको टू थाउजेंड रुपीज में दे देगा ना आप क्या बोलोगे ब्रांड है यार

बिकॉज ऑफ देअर प्रमोशन एक पर्टिकुलर ब्रांड ने अपने आपको इतनी अच्छे से प्रमोट किया है कि अब आप उसके लिए ज्यादा पे करने के लिए भी रेडी हो रहे हैं राइट तो ये प्रमोशन क्या हुए ये प्रमोशन हुए हमारे कॉस्ट जिसे हम क्या कहते हैं सेलिंग कॉस्ट तो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में सेलिंग कॉस्ट होते हैं ओके सेलिंग कॉस्ट कंस्टिट्यूटेंशियल पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन एक सब्सटेंशियल पार्ट रहता है हमारा सेलिंग कॉस्ट हमारे पूरे मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में ओके okay? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है हम ये भी बोल सकते हैं बिकॉज बिना सेलिंग कॉस्ट के हमारा प्रोडक्ट लोगों को पता भी नहीं होगा कि ऐसा कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट भी कर रहा है मार्केट में और कोई परचेज भी नहीं करेगा इसलिए सेलिंग कॉस्ट क्या होता है सेलिंग कॉस्ट एक बहुत असेंशियल चीज़ होती है And because of selling cost, हर एक प्रोडक्ट में, में हम कुछ ना कुछ डिफरेंट प्राइजेस देखते हैं ओके वो जो डिफरेंट प्राइजेस देखते हैं ना उसका एक कारण सेलिंग कॉस्ट भी है बिकॉज आपकी जो फॉर्म है वो जितना प्रमोट करने में अमाउंट लगा रही है वो उतना वापिस जनरेट करेगी एज अ रेवेन्यू ओके जो भी हमारी फर्म्स होती हैं स्टूडेंट्स जो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं ना वो जितना भी खर्चा करते हैं वो अल्टीमेटली एक कंज्यूमर से ही सब कुछ वापस वसूलते भी हैं राइट अगर उन्होंने फिफ्टी रुपीज लगाए हैं एज अ कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ओके ये मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूं आपको भी पता है कि फिफ्टी रुपीज में कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हाई रहेंगे ओके बट ये एज एन एग्जाम्पल हम ले रहे हैं हम एग्जाम्पल में छोटे छोटे अमाउंट्स लेते हैं ताकि हम उससे अच्छे से समझ सके ओके तो अगर अगर एक जो हमारी कंपनी है उसने फिफ्टी रुपीज कॉस्ट के के तक तक इनकर हुआ है तो वो फिफ्टी रुपीज कहां से अर्न करने वाला है हमसे ही अर्न करने वाला है वो ये नहीं बोलेगा कि नहीं ठीक है हमने प्रोडक्शन कर दिया है अब आप इसे फ्री में ले, ले लीजिए आपका मतलब ट्रांसपोर्टेशन हम, हम हम हमारे साइड से दे रहे हैं ऐसा कोई भी प्रोड्यूसर कभी नहीं बोलता वो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा है वो हमसे ही वसूले जाएंगे अल्टीमेटली हम ही है जो उस चीज के लिए भी पे करेंगे कि चलो ठीक है सर थैंक यू आपने ये प्रोडक्ट हम तक पहुंचा दिया हम उसके लिए पे कर रहे हैं अब आपको ठीक तो ये जो सेलिंग कॉस्ट है ये भी हमारा क्या इंक्रीज करती है ये हमारी हर एक पर्टिकुलर ब्रांड की जो प्राइस होती है वो इंक्रीज करती है ओके फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट फर्म्स आर फ्री टू एंटर इन टू और एग्जिट फ्रॉम द इंडस्ट्री इट एनी टाइम दे विश मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में स्टूडेंट कोई भी फर्म फ्रीली एंटर कर सकती है या फिर एग्जिट कर सकती है इफ दे वॉन्ट ओके अगर कोई फर्म बहुत ज्यादा लॉसेज में जा रही है ना बहुत ज्यादा लॉस इनकर हो रहा है तो वो क्या करेगी एक पर्टिकुलर फर्म वो अपना जो प्रोडक्शन है वो रोक देगी वो अब क्या करेगी वो एग्जिट कर लेगी इस मार्केट से तो वो फ्रीली एग्जिट कर सकती है अगर कोई न्यू ब्रांड स्टैब्लिश होना चाहती है ओके अगर कोई न्यू ब्रांड स्टैब्लिश होना चाहती है वो देख रही है कि इस पर्टिकुलर मार्केट में अभी बहुत ज्यादा डिमांड है इसके प्राइजेस भी अच्छे चल रहे हैं ये जो पर्टिकुलर फॉर्म्स है वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है तो मैं भी उसी मार्केट में जाऊंगा मैं भी वहीं पे प्रॉफिट अर्न करूंगा ओके हम एग्जांपल के लिए लेते हैं वॉचेस ओके हमारी जो हैंड वॉचेस होती हैं वो अभी उसकी बहुत ज्यादा डिमांड चल रही है एंड उसके लिए ना लोग बहुत ज्यादा पागल हो रखे हैं पता नहीं अभी कुछ नया ट्रेंड में चला है कि सबके हाथ में आपको दिखेगी वॉचेस ओके तो क्या हो रहा है कि जो वॉच मेकिंग फर्म्स हैं वो लोग बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है अब एक कोई नया बिजनेस है एक कोई नया पर्सन है जो कि सोच रहा है कि मैं भी अपना बिजनेस स्टार्ट करूं ओके उसने बोला है कि यार एट प्रेजेंट हमारी वॉचेस की बहुत ज्यादा डिमांड है तो मैं ना उसी सेक्टर में जाऊंगा तो वो उस सेक्टर में जा सकती है वहां पे फ्रीली एंटर कर सकती है ओके बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं इंटर करने में ठीक वो इंटर कर सकती है अपना प्रोडक्शन करें देन वो उसकी जो वॉचेस है वो सेल हो नहीं हो ये एक डिफरेंट चीज है उससे हमें कुछ नहीं लेना देना है लेकिन यहां पे हमें क्या पता है कि जो फर्म्स है वो फ्रीली एंटर कर सकती है या फिर फ्रीली एग्जिट भी कर सकती है ओके okay? जैसे भी प्रॉफिट लॉस की जो भी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी फर्म्स है वो एंटर और एग्जिट दोनों कर सकती है देर आर नो बैरियर्स बिफोर द फर्म एंट्रिंग इन टू द इंडस्ट्री एंड लिविंग द इंडस्ट्री ओके

स्टूडेंट्स ये एक काइंड ऑफ होमवर्क आप लोग के लिए ओके okay? ये आप लोग खुद ही एक्सरसाइज कीजिएगा आप क्या करना है आपको टूथपेस्ट लिखा है आपने आपको कितने ब्रांड्स पता है कि कौन-कौन टूथपेस्ट का प्रोडक्शन करती है ओके okay? आपको कितने ब्रांड्स पता है आपके मन से आपको कितने याद है वो आप लिखिएगा ओके okay? वो आप लिखिएगा अभी कोई चीटिंग नहीं करना है ओके एंड नहीं इसका आंसर किसी को बताना है ये आप खुद के लिए देखिए खुद को एग्जामिन कीजिए और ये वाला जो पॉइंट है ना हमारा वो हम समझेंगे उससे ओके आपको जितने भी टूथपेस्ट के ब्रांड्स पता है आप वो लेके आप वो नोट डाउन कीजिए ओके जितने भी पता है एक दो तीन चार पाँच छ जितने भी पता है आपका जब लिखना हो जाए तब आप क्या करेंगे तब आप जाएंगे गूगल पर ओके गूगल पर जाएंगे आप वहां पे डालेंगे डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ टूथपेस्ट ओके टूथपेस्ट की ब्रांड्स डालेंगे ओके या फिर आप डालना ऑल ब्रांड्स ऑफ टूथपेस्ट ठीक उसके अंदर आप देखना कि कितनी ब्रांड्स निकलती है ठीक फिर उसको आप कंपेयर करना आपने जो लिस्ट की है उससे कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों में आई एम श्योर वहां पे कुछ ना कुछ ऐसी ब्रांड्स होंगी जिनके नाम आपको पता ही नहीं होंगे आपने सुने ही नहीं होंगे या फिर आपको याद ही नहीं होंगे आपने आपकी जो लिस्ट है ना उसमें रिखे ही नहीं होंगे वो क्या हुआ वो आपको बता रहा है कि आपको परफेक्ट नॉलेज नहीं है किस चीज के बारे में परफेक्ट नॉलेज नहीं है स्टूडेंट्स आपको परफेक्ट नॉलेज नहीं है कि कितने टूथपेस्ट के ब्रांड्स हैं ओके एंड क्या आपको पता है स्टूडेंट्स एक और चीज करेंगे हम इसमें आपने लिस्ट बनाई कि आपको कितने याद है ओके okay? फिर आप ये देखना कि आप में से आप में आपको इनमें से कितने के प्राइजेस पता है ओके okay? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ना आप बोलोगे कि मैम प्राइस तो एक का भी नहीं पता है आप जब आप कल ब्रश करने जाओगे ना सुबह सुबह तो आप उसे उठा के देखोगे कि यार ये पेस्ट कितने प्राइस का है आप ये चीज चेक करोगे ऐसा मुझे लग रहा है अगर आपको पता है so then, तो देन ये बहुत अच्छी बात है कि आपको इतना नॉलेज रखते हैं आप कि आपको पता है कि कितने प्राइजेस होंगे ओके आप एक एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि यार इस पर्टिकुलर पेस्ट का इतना प्राइस होगा ओके तो क्या आपको परफेक्ट नॉलेज है नहीं है आपको नहीं पता कि टोटल टूथपेस्ट की कितनी ब्रांड्स है, हैं कितने डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के हमें टूथपेस्ट मिल सकते हैं आपको क्या पता होगा कुछ चार पांच पॉपुलर ब्रांड्स पता होंगे किसके होते हैं लेकिन आधे आपको पता भी नहीं होंगे एंड देन उसके बाद में आपको प्राइजेस का भी नॉलेज नहीं है मतलब कि आपको प्राइजेस के बारे में परफेक्ट नॉलेज नहीं है कि कौन सी पर्टिकुलर ब्रांड का कितने प्राइस का टूथपेस्ट मिल रहा है हमें ओके okay, तो ये क्या बता रहा है हमें लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज राइट right? इस चीज को अब मुझे इससे तो एक्सप्लेन करने की नीड नहीं होगी अगर आपने इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को अच्छे से कर लिया तो ओके okay? या आप स्टूडेंट्स अब ये चीज ना हर एक चीज में ट्राई कर सकते हैं ये तो हमने टूथपेस्ट का लिया आप और किसी चीज का लीजिए किसी भी एक लड़की को ओके okay? ये मैं स्पेशली लड़कियों के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लड़कों को तो इंटरेस्ट होता नहीं है okay? ओके एक लड़की को बहुत इंटरेस्ट है मेकअप में ओके okay? मेकअप की ब्रांड्स में बहुत इंटरेस्ट है तो आपका ये काम होगा कि आप लिखेगा आपको कितनी मेकअप ब्रांड्स पता है कितनों के प्राइजेस पता है ओके आपको भी ना बहुत ज्यादा नहीं पता होंगी आपको कुछ दो चार जो बहुत हमने देखी होगी ना जो बहुत अच्छी अच्छी ब्रांड्स होंगी सिर्फ उनके बारे में पता होगा आधी से ज्यादा ब्रांड्स के बारे में आपको पता नहीं होगा तो ये क्या बता रहा है कि आपको परफेक्ट नॉलेज नहीं है स्टूडेंट्स आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लिखिए और आप देखिए कि क्या आपको उस चीज के बारे में परफेक्ट नॉलेज है मुझे तो ये लग रहा है आप लोगों को नहीं होगी उस चीज के बारे में परफेक्ट नॉलेज परफेक्ट नॉलेज में स्टूडेंट्स क्या इंक्लूड होगा कि आपको सारी ब्रांड्स पता है कि कौन कौन सी ब्रांड्स के ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं एंड दूसरी चीज आपको सारी ब्रांड्स के प्राइजेस पता है ओके okay. तो ये होमवर्क है आपके लिए आप लोग इसे करिएगा जरूर ये आप मेरे लिए नहीं करेंगे स्टूडेंट्स या आप आपके बेटरमेंट के लिए करेंगे ओके okay? अगर हम कुछ थियोरिटिकल पार्ट को कुछ प्रैक्टिकल वे में अगर याद करते हैं ना या प्रैक्टिकल वे में समझते हैं ना तो वो चीज हमारे लिए बहुत इजी हो जाती है एंड स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स तो एक ऐसा ही सब्जेक्ट है जिससे हमें क्या करना चाहिए हमें अपने रियल लाइफ से रिलेट करना चाहिए राइट right? अगर हम उसे रियल लाइफ से रिलेट करते हैं ना तो हम इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं ओके okay? तो ये चीज आपका होमवर्क है आप करिएगा उसके अलावा मैं आपको समझा तो देती हूँ कि लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज कैसे है वैसे तो अब नीड नहीं है क्योंकि आधे बच्चों को तो समझ में आ भी क्या चाह रही है राइट? तो lack of perfect knowledge में हम क्या लिखने वाले हैं कंडीशन है वो उसके बारे में पूरा नॉलेज नहीं है एक बायर को और एक सेलर को एक सेलर को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं स्टूडेंट्स क्योंकि एक सेलर को सेलर ने क्या किया है सेलर ने सिर्फ एक आर्टिफिशियल सुपियोरिटी बनाई है माइंड में लोगों के कि ठीक है हमारा प्रोडक्ट ना ज्यादा अच्छा है बट स्टिल सेलर को भी हर एक एक प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता होगा उसको भी क्या पता होगा उसके जो मेन कॉम्पिटिटर्स है ना सेलर उनपे तो बहुत अच्छे से ध्यान रखता होगा लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है कि वो भूल जाते हैं कि कुछ जो लोकल ब्रांड्स होती है ना वो भी बहुत चल जाती है राइट तो सेलर को भी कभी कभार परफेक्ट नॉलेज नहीं होता है कि क्या चल रहा है मार्केट में ओके सेलर कॉस्ट आर्टिफिशियल क्रिएटिफिशियल इन दी माइंड है ना स्टूडेंट्स मतलब जो प्रमोशन की टेक्निक्स होती है ना वो क्या करती है एक आर्टिफिशियल सुप्योरिटी बना देती है कंज्यूमर्स के माइंड में राइट right? आपको पता है कि ये पर्टिकुलर ब्रांड अच्छा है कैसे पता है पर्टिकुलर ब्रांड अच्छा है आपने क्या उस ब्रांड्स है सिमिलर जितने भी ब्रांड्स है वो सारी कंज्यूम की है वो सारी यूज की है सॉरी <coughs> अगर उसके बाद में अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है तो देन आपके पास उस चीज का नॉलेज है लेकिन आपने सिर्फ क्या किया आपने उसकी प्रमोशन टेक्निक्स देखी आपने लोगों से सुना है कि यार ये वाला प्रोडक्ट ना ज्यादा अच्छा होता है तो उससे आप किस कंक्लूजन पे आए कि नहीं ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा होता है तो क्या हुआ वो एक इम्परफेक्ट नॉलेज आपको नहीं पता है एक्चुअल में कि वो चीज होती है नहीं आपने जो एक artificial superiority create हो गई ना आपके माइंड में उसके थ्रू बताया कि ये ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा है ओके अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट although highly हाईली प्राइज इज प्रिफर्ड बाई दूमर इवन इफ अदर लेस प्राइज प्रोडक्ट आर ऑफ द सेम क्वालिटी एक जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट होगा वो अगर हाई price भी होगा ना तो भी आप उसे जाके परचेज करेंगे आप उसे प्रेफर करेंगे अगर वो सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको कम प्राइस में एक लोकल मार्केट में मिल रहा है तो भी ओके okay? पराडा की अगर कोई भी अगर पराडा का कोई भी प्रोडक्ट होगा वो हाई प्राइज होगा राइट right? फिर भी आप उसे कंज्यूम करेंगे आप ये नहीं सोचेंगे कि वो सेम चीज अगर वो सेम चीज हमें अगर कम प्राइस में भी कोई एक लोकल ब्रांड ब्रांड दे रही है ना तो भी आप उसे नहीं परचेज करेंगे क्यों भाई वो तो पराडा है यार ऐसे थोड़ी ना ऐसी थोड़ी ना ब्रांड बन गई है वो तो पराडा है उसके लिए तो हम हाई प्राइस भी पे कर देंगे राइट ये आपकी मेंटेलिटी होगी क्यों होगी बिकॉज उन्होंने एक सुप्योरिटी क्रिएट कर लिया आपके माइंड में कि पराडा है मतलब नहीं ये तो बेस्ट ही होगा राइट तो ऐसी जो कुछ ब्रांड्स होती है ना वो एक सुप्योरिटी क्रिएट कर लेती हैं और वो आप लोगों को आपके माइंड के ऊपर मतलब कंट्रोल कर लेती है कि नहीं आपको तो यही परचेज करना है हाई प्राइज है तो भी ये बहुत अच्छा है ठीक ये क्यों हुआ बिकॉज आपको परफेक्ट नॉलेज नहीं है मार्केट के बारे में ओके एंड आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोग मेरा दिया हुआ होमवर्क करेंगे सिंसियरली आप स्टूडेंट्स ये समझे कि आप वो मेरे लिए नहीं करेंगे आप वो आपके लिए करेंगे ओके okay? एंड आपके लिए तो आप इतना करोगे ना मुझे उम्मीद है आपसे कि आप करोगे और मुझे पता है मेरे स्टूडेंट्स इतने अच्छे हैं कि वो जरूर करेंगे ये होमवर्क ओके देन प्राइसिंग डिसीजंस अ फर्म अंडर मोनोपोलिस्ट कंपटीशन इज नीदर अ प्राइस टेकर नॉर अ प्राइस मेकर स्टूडेंट्स एक मोनोपोलिस्ट कंपटीशन के अंदर जो फर्म्स होती है वो ना तो प्राइस टेकर होती है एंड ना ही प्राइस मेकर होती है क्यों स्टूडेंट्स ऐसा क्यों होता है मैं बताती हूं क्यों होता है वो देखो प्राइज मेकर में क्या है कि पूरा प्राइज हम ही बना रहे हैं राइट हमने जो प्राइस बोल दिया बस उसी पे एक कंज्यूमर को वो परचेज करना पड़ेगा ठीक प्राइस टेकर क्या होता है कि इंडस्ट्री ने जो बोल दिया हम बस वही प्राइस रखेंगे है ना ये दोनों चीज डिफरेंट हो गई अब ये जो मोनोपोलिस्टिक फॉर्म्स होते हैं वो ना तो प्राइस टेकर होती है ना प्राइस मेकर होती है प्राइस टेकर क्यों नहीं होती है स्टूडेंट्स वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि हर एक जो फर्म है हमारी उनके जो प्रोडक्ट हैं उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेज हैं राइट कुछ माइन्यूट से डिफरेंसेज होंगे भले ही पर डिफरेंसेज हैं कुछ उनके जो फीचर्स हैं उनमें डिफरेंसेज हैं तो वो जो हर एक फर्म है वो अपने फीचर्स के अकॉर्डिंग अपना प्राइस रखना चाहिए है ना एंड जो सेलिंग कॉस्ट लगेंगे वो सबके डिफरेंट होंगे क्योंकि सारी फर्म्स अलग अलग काइंड ऑफ प्रमोशन टेक्निक्स का यूज करेंगी तो क्या होगा जो सेलिंग कॉस्ट है वो भी हमारे डिफरेंट है तो इसके कारण वो सेलिंग कॉस्ट को कंप्लीट करने के लिए वो पूरे हमें वापस रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जितने सेलिंग कॉस्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारी प्राइजेस रखेंगे है ना तो इसलिए वो प्राइज मेकर भी नहीं है प्राइज मेकर इन सेंस ऐसे नहीं है कि अपने मन से कुछ भी प्राइज नहीं रख लेंगे कि भाई टूथपेस्ट हमने लिया है एक ब्रांड दे रहा है 50 में एक ब्रांड दे रहा है हंड्रेड रुपीज में तो ये अपने मन से इतना डिफ्रेंशिएशन भी नहीं कर सकते एक रेंज होगी उनके पास कि आपको फोर्टी टू हंड्रेड रुपीज के बीच में आपके जो पेस्ट हैं उनकी प्राइजेस रखनी है ओके तो फोर्टी टू हंड्रेड के बीच में वो कुछ भी रख सकते हैं इसका मतलब वो क्या बता रहे हैं कि वो ना तो एकदम प्राइस टेकर है कि नहीं आपने बोल दिया वही प्राइस हम रख रहे हैं नहीं आपको एक रेंज दी गई उसके अंदर आप प्राइस रख रहे हैं ना ही वो प्राइस मेकर है कि नहीं हमने बोल दिया वही प्राइस होगा वो भी नहीं है सब अपने अपने फर्म के अलग अलग प्राइजेस रखे अपने अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ओके बाय प्रोड्यूसिंग अ यूनिक प्रोडक्ट और स्टैब्लिशिंग अ पर्टिकुलर रेपुटेशन

एक्सटेंड है ना पावर ऑफ कंट्रोल टू प्राइस मतलब कब तक आप अपने एक प्राइस को कंट्रोल कर सकते हो वो किस पे डिपेंड करता है कि आपके जो बायर्स हैं वो कितने ज्यादा अटैच हैं आपकी ब्रांड से मतलब कि आपके बायर्स कितने ऐसे हैं कि नहीं अगर आपने प्राइस बढ़ा भी दे तो भी हम नहीं चेंज करेंगे हमारी ब्रांड को वो डिपेंड करता है कि आप कितना पावर आप कितनी प्राइजेस रख सकते हैं ओके नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन अब स्टूडेंट्स जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है ना उसमें कुछ नॉन प्राइस कंपटीशन भी होते हैं वो क्या होते हैं नॉन प्राइस कंपटीशन रिफर्स टू कंपीटिंग विद अदर फर्म्स बाय ऑफरिंग फ्री गिफ्ट्स मेकिंग फेवरेबल क्रेडिट टर्म्स एक्स्ट्रा विदाउट हैंगिंग प्राइजेस ऑफ देयर ओन प्रोडक्ट्स नॉन प्राइसेस कंपटीशन क्या हुए स्टूडेंट्स ऐसी कुछ फीचर्स ऐसी कुछ जो हम बोल सकते हैं फ्री गिफ्ट या कुछ ऐसे हमारे दिए गए फॉर्म्स के थ्रू दिए गए ऐसे कुछ एक्सटेंशंस कि आपका जो प्रोडक्ट है ना वो थोड़ा आप उसे परचेज करने में सोचेंगे नहीं मैं ये जाके खरीदू ओके लाइक एक बहुत इजी सा एग्जाम्पल मतलब जो अभी मेरे माइंड में आया वो ये है कि आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले लक्स का एक एड आता था कि आप लक्स सोप खरीदें उस सोप के अंदर आपको एक गोल्ड कॉइन मिलेगा राइट वो एक गोल्ड कॉइन मिलेगा तो वो क्या था स्टूडेंट्स वो था एक प्रमोशन टेक्निक उस गोल्ड कॉइन के पीछे कितने ही लोगों ने लक्स को खरीदा होगा राइट अब क्या वो गोल्ड कॉइन हर एक लक्स के अंदर था नहीं था उन्होंने क्या किया होगा उन्होंने हंड्रेड या फिफ्टी कुछ रेंजेस रख दी होंगी कि इतने यूनिट्स में एक यूनिट में क्या होगा गोल्ड कॉइन होगा तो वो क्या हो रहा है आपके जब इतने यूनिट सेल हो रहे हैं तो एक गोल्ड कॉइन जा रहा है आपने उतना रेवेन्यू जनरेट कर लिया ये क्या था ये एक प्रमोशन टेक्निक थी कि इस वे से हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर देंगे ओके नाउ नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन में क्या हो गया कुछ फ्री गिफ्ट दे दिए बाय फोर टू गेट टू फ्री ये क्या हुआ फ्री हुआ ना क्या होगा इससे जो एक कंज्यूमर है वो सोचेगा चलो यार चार खरीदते हैं दो फ्री मिल जाएंगे उस पर तो एक कंज्यूमर जाएगा ये खरीदने के लिए एक किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए ठीक इस टाइप के कुछ जो ग्रांड्स होते हैं जो कि हमें एक प्रोड्यूसर देता है तो उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं नॉन प्राइस कंपटीशन और ये एक प्रोड्यूसर क्यों रखता है स्टूडेंट्स ताकि उसकी ब्रांड जो है उसका जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा से से सेल हो सके उसके कॉम्पिटिटर्स के कम्पेरिजन में ओके तो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में हम नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन भी देखते हैं

बट डिफरेंटेड प्रोडक्ट मेक द डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होगा स्टूडेंट्स ठीक है हम मान रहे हैं हैं कि आपकी जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स वो एक दूसरे से डिफ्रेंशियट हम कर सकते हैं ओके okay? लेकिन हमें ये भी पता है कि वो एक दूसरे के क्लोज रिलेशन में राइट right? ये चीज भी हमें पता है तो क्या होगा स्टूडेंट्स अगर किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक प्रोड्यूसर को सेल करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा उसके प्राइजेस कम करने पड़ेंगे प्राइजेस कम करेगा तभी आपकी जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी ये चीज हमें पता है स्टूडेंट्स की डिमांड कब इंक्रीज होती है जब किसी भी चीज के प्राइजेस कम होते हैं राइट तो अगर एक सेलर को ज्यादा से ज्यादा कुछ सेल करना है तो वो क्या करेगा वो उसके प्राइजेस कम करेगा ताकि जो आपकी जो उसकी न, सेल है जो उसका प्रोडक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा सेल हो सके इसलिए जो हमारे डिमांड कर्व होता है वो अंडर मोनोपोलिस्ट कंपटीशन भी

तो आपका डिमांड कहां शिफ्ट हुई Q1 से Q2 पर शिफ्ट हो गई राइट मतलब डिमांड आपकी चेंज हो गई है चेंज इन प्राइस प्राइस कम हुआ डिमांड ज्यादा हो गई चीज क्या बता रही है कि जैसे जैसे आप किसी भी आपके प्रोडक्ट का प्राइस कम करेंगे उसकी डिमांड क्या होगी उसकी डिमांड इंक्रीज होते जाएगी ओके एक कंज्यूमर क्या सोचता है एक कंज्यूमर सोचता है कि वो कम प्राइस पे ज्यादा गुड्स को कंज्यूम कर सके राइट उसको सेटिस्फेक्शन ज्यादा तब मिलता है जब किसी भी चीज के प्राइजेस कम हो जाए तो वो उसकी डिमांड बढ़ा देगा ओके okay? इसलिए हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो कैसा होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है वो हमें ये बताता है कि अगर आपको डिमांड को इंक्रीज करना है तो आप प्राइजेस को कम कर दीजिए ओके okay? पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन मार्केट टाइप्स ओके क्या डिफरेंसेस होते हैं मार्केट टाइप्स में हम वो देखेंगे कौन से मार्केट टाइप्स में हमने अभी तक तीन मार्केट टाइप्स पढ़े राइट आई होप आप लोगों को तीनों को पता तीनों पता है कि क्या होते हैं ओके आपको पता है हमने क्या पढ़े थे परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक यस मुझे पता है कि आप लोगों को पता है ये तीनों क्या होते हैं राइट आप तीनों मार्केट को पहले पढ़ के आए हैं इसके पहले वाले जो वीडियोस थे हमारे उनमें कि क्या होते हैं ओके तो अब हम स्टूडेंट्स देखेंगे कि उनके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं ओके

मतलब परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली में क्या डिफरेंसेस है हम वो देखते हैं सबसे पहले तो तो स्टूडेंट्स हमें पता है हम कोई भी डिफरेंसेस लिखते हैं तो हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है बेसिस ओके okay. तो किस बेसिस पर हम दोनों में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वो हम बताते हैं हमने फर्स्ट लिया है नंबर ऑफ सेलर्स ओके तो नंबर ऑफ सेलर्स स्टूडेंट्स हमारे परफेक्ट कॉम्पिटिशन में कैसे होते हैं और मोनोपोली में कैसे होते हैं परफेक्ट कंपटीशन में कैसे होते हैं आप लोग ये डेफिनेशंस को मत देखिए पहले खुद आंसर करेंगे ओके नंबर ऑफ सेलर्स परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होगा लार्ज नंबर ऑफ सेलर राइट और मोनोपोली में क्या होता है स्टूडेंट्स एक सिंगल सेलर होता है राइट right? एक सिंगल सेलर होता है हमने क्या एग्जाम्पल लिया था चलो हम एग्जाम्पल से वापस याद करते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन का अगर हम क्लोज से क्लोज एग्जाम्पल भी लें तो वो क्या होगा वो होगा हमारे एग्रीकल्चर गुड्स राइट एग्रीकल्चरल गुड्स क्या होगा है? हमारे एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन ठीक एंड मोनोपोली के ये एग्जाम्पल लेंगे हम मोनोपोली का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं रेलवे ठीक हमने दो एग्जाम्पल्स ले लिए अब इन एग्जाम्पल्स के थ्रू हम सारे बेसिस को डिफाइन करते हैं ओके नंबर ऑफ सेलर्स एग्रीकल्चर गुड्स में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स क्यों बिकॉज बहुत सारे फार्मर्स सेल करते हैं हमें पता है राइट रेलवेज सिर्फ एक ही जगह से तो रेलवेज आ रही है एक गवर्नमेंट के कंट्रोल में रेलवे चलती है और सब लोग बहुत सारे सेलर्स नहीं सिर्फ एक सिंगल सेलर है राइट right? तो मोनोपोली क्या हुआ सिंगल सेलर ओके अब इसे लिखना कैसे देर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड नो इंडिविजुअल सेलर हैज कंट्रोल ओवर एक्टिविटीज ऑफ अदर सेलर ओके क्या है देर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स ओके और एक इंडिविजुअल सेलर का जो है कोई कंट्रोल नहीं है किसी दूसरे फर्म पे मतलब कि यहां पे अगर 10 सेलर हैं तो कोई भी उन दस सेलर में से एक दूसरे को कोई कुछ नहीं बोल सकता एक दूसरे को कोई कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता ओके okay? सब अपने अपने इंडिविजुअली वर्क करते हैं ठीक परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या हुआ लार्ज नंबर ऑफ सेलर ओके मोनोपोली में क्या हुआ मोनोपोली में हुआ सिंगल सेलर राइट मोनोपोली क्या है स्टूडेंट्स मोनोपोली है हमारी सिंगल सेलर क्या हुआ हमारे मोनोपोली में सिंगल सेलर है जो कि पूरा हमें जो भी प्रोडक्ट है वो सेल करती है आगे क्या है एंड ना वो उतना supply करेगा। क्यों? क्योंकि वो तो अकेला है खुद ही राजा है भाई खुद राजा है, उसका मन हुआ वो करेगा वो तो वो नहीं सुन रहा किसी की उसे नहीं मतलब कि डिमांड बहुत है अगर उसका मन नहीं होगा एक मोनोपोलिस्ट का तो वो सप्लाई नहीं करेगा ओके तो जो मोनोपोलिस्ट होता है उसका पूरा कंट्रोल होता है सप्लाई पर ठीक देन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ओके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स क्या होंगे स्टूडेंट्स कैसी नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे या कैसे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या देखा हमने एग्रीकल्चर गुड्स एग्रीकल्चर गुड्स में भी हम स्पेसिफाई कर देते हैं ओके हम राइस ले रहे हैं तो जो राइस है स्टूडेंट्स वो सारे फार्मर्स की राइस एक जैसी ची है ओके हम ये मान रहे हैं कि सारे फार्मर्स की राइस जो है वो एक जैसी है राइस तो राइस है ओके तो राइस क्या हुई होमोजीनियस प्रोडक्ट हुई ओके नाउ स्टूडेंट्स आप लोग बोलेंगे कि मैम राइस भी तो बहुत सारे काइंड की आती है कोई सी बासमती राइस आ रही है ओके कोई सी आ रही है आपकी लोकल ब्रांड से कोई सी राइस तो राइस भी तो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट वे टाइप्स की होती है तो वो सेम कैसे हो गई तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि परफेक्ट कंपटीशन नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती ओके उसका अगर हम क्लोजेस्ट भी एग्जांपल लेना तो वो कौन सा होगा एग्रीकल्चर गुड्स हमने क्या सोचा कि राइस है यार राइस तो राइस होता है आप बासमती लो या आप लोकल लो ये मान के हमने बोल दिया कि जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन है उसमें एग्रीकल्चर गुड्स को हम देख सकते हैं ओके वो सबसे क्लोज है वो हम ये नहीं बोल रहे कि एग्रीकल्चर गुड्स जो है वो बिल्कुल हमारे जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन है उसको अच्छे से डिफाइन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट एग्जाम्पल है पूरा एग्जाम्पल तो नहीं है क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता है ओके तो हम क्या देखते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन में कि कैसे गुड्स होते हैं स्टूडेंट्स होमोजीनियस नेचर के गुड्स होते हैं मतलब कि हर एक एस्पेक्ट में हर एक रिस्पेक्ट में वो लोग क्या है सेम है सेम कलर सेम साइज सेम क्वालिटी एक एक चीज सेम है तो उसे क्या बोलते हैं हम होमोजीनियस प्रोडक्ट तो वो हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर देखते हैं ओके एंड मोनोपोली में क्या है स्टूडेंट्स देर आर नो क्लोज सब्सिट्यूट ऑफ दी प्रोडक्ट मोनोपोली में तो प्रोडक्ट के कोई सब्सटीट्यूट ही नहीं है ओके okay? मतलब की जो प्रोडक्ट दे दिया वो दे दिया उसके अलावा कोई सब्सिट्यूट नहीं है रेलवेज हैं रेलवे हैं तो है रेलवे का सब्सटीट्यूट कुछ नहीं है ओके okay? आपको ट्रेवल करना है तो आप या तो फिर अब अगर आप रेलवे से नहीं जा रहे हैं तो आप कैसे जाएंगे बाय रोड या बाय एयर ओके लेकिन वो सब्स्टिट्यूट आपका रेलवे का नहीं है वो तो आपकी चॉइस हो गई कि चलो ठीक है अगर आपको बाय रेलवे मतलब बाय जो रेल ट्रैक होता है राइट right? उस ट्रैक से अगर आपको ट्रेवल करना है तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है थ्रू ओके रेलवे का ही आपको सहारा लेना पड़ेगा तो इसके जो होते हैं कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होते ठीक एंट्री एंट्री एंड एंड एग्जिट एग्जिट नाउ कैसी होती है परफेक्ट में क्या होगा फ्रीली एंटर कर लो फ्रीली एग्जिट कर लो वी डोंट केयर क्योंकि इतने लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं जो कि होमोजीनियस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो आपको एंटर करना है तो आप कीजिए आपको एग्जिट करना हो तो कीजिए वी डोंट केयर राइट क्या हो गया क्या हो गया फ्रीडम है एंट्री और एग्जिट करने के लिए इसके कारण क्या होता है एबसेंस ऑफ एबनॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉसेज इन दॉन्ग रन यहाँ पे जो एबनॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेज होते हैं वो नहीं होते हैं वो क्यों नहीं होते स्टूडेंट वो इसलिए नहीं होते हैं बिकॉज जब भी कोई भी फर्म अगर अब प्रॉफिट गेन करने लगी तो क्या होगा जो दूसरी फर्म्स होंगी वो भी इस मार्केट में एंटर करेगी वो क्या सोचेगी कि वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो मैं भी उस पर्टिकुलर फर्म में जाऊंगा वहां पे मैं अपना प्रोडक्शन करूंगा एंड सप्लाई करूंगा एंड प्रॉफिट अर्न करूंगा ओके जब नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ी स्टूडेंट्स तो क्या हुआ सप्लाई इंक्रीज हुई ओके सप्लाई इंक्रीज हुई एंड इसी के साथ में जो प्रॉफिट था वो वापिस कम आ गया अभी तो, umas, वाली पे आ ओके? तो क्या बता रही है ये आप एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं गेन कर सकते लॉन्ग रन में भी नहीं इनकर कर सकते, वो क्यों नहीं कर सकते उसका कारण ये होगा कि अगर कोई भी फर्म आपकी जो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर अगर फर्म्स अब लॉसेस इनकर करना स्टार्ट कर दे तो अब जो फर्म्स है हमारी वो एग्जिट करने लगेगी क्योंकि फ्रीडम है एंट्री एग्जिट की तो अब वो एग्जिट करने लगेगी हमारी इंडस्ट्री से और और वो ये बोलेगी कि अब जब लॉसेस हैं तो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में क्यों वर्क करना राइट वो इतनी नंबर में एग्जिट हो जाएंगी कि जो हमारे लॉसेस है वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे नॉर्मल प्रॉफिट में ओके तो इसलिए परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हम क्या देखते हैं कि कोई लॉन्ग रन में अब प्रॉफिट और लॉसेज नहीं अर्न कर सकता है कोई भी एक फर्म ओके एंड मोनोपोली में क्या देखेंगे हम एंट्री एग्जिट में स्टूडेंट्स देयर इज एंट्री एंड मोनोपोली में क्या होता है restrictions होते हैं, एंट्री और एग्जिट के सो फर्म कैन अर्न अबनॉर्मल नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉसेज इन लॉन्ग रन इसके कारण क्योंकि रेस्ट्रिक्शन इसके कारण क्या हो रहा है एक फर्म अबनॉर्मल नॉर्मल प्रॉफिट या फिर लॉसेज अर्न कर सकती है क्यों कर सकती है स्टूडेंट्स वो इसलिए कर सकती है कि अगर कोई एक फॉर्म ने प्रॉफिट किया okay? अब एक ने मतलब कि जब नंबर ऑफ फर्म्स नहीं बढ़ेंगी तो एक जो सिंगल फर्म है वो अपना जो प्रॉफिट वो अर्न करती रहेगी ओके एंड एग्जिट भी नहीं कर सकते अगर कोई एक फर्म लॉस में जाने लगी ओके okay? एक फर्म को बहुत लॉस हो रहा है लेकिन अब वो एग्जिट नहीं कर सकती क्योंकि क्या है रेस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री एंड एग्जिट राइट अब रेस्ट्रिक्शन एंट्री और एग्जिट पे इसलिए एक फर्म जो है वो एग्जिट नहीं कर पा रही ओके okay? इसलिए क्या हो रहा है स्टूडेंट्स उसके जो लॉसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं ये किस चीज को लीड कर रहे हैं अब नॉर्मल लॉसेस को ओके okay? तो ये तीन पॉइंट स्टूडेंट्स आई गेस आप लोगों को क्लियर होंगे कि क्या डिफरेंसेस होते हैं बहुत इजी थे ये सारी चीजें जो हमने इनके फीचर्स में इनकी डिफिनेशन में पढ़ी थी हम बस उन्हीं को डिफाइन कर रहे हैं कि ये क्या होते हैं ओके okay? हम कुछ और डिफरेंसेस देखते हैं बिटवीन आर परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड मोनोपोली ठीक वो क्या है प्राइस अब क्या हुआ अभी तक हमने जितने देखे उसके बाद में अब है प्राइज ओके okay? तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में स्टूडेंट फॉर्म क्या करती है फॉर्म इज अ प्राइज टेकर राइट फॉर्म इज अ प्राइज टेकर एज प्राइज इज डिटर्माइंड बाई इंडस्ट्री ओके परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हमने यह देखा था कि फॉर्म और इंडस्ट्री दो अलग अलग चीजें होती है एंड जो फॉर्म होती है वो प्राइज टेकर होती है एंड जो इंडस्ट्री होती है हमारी वो प्राइज मेकर होती है राइट right? जो इंडस्ट्री है वो बताएगी कि क्या प्राइजेज होने वाले हैं एंड जो फॉर्म है वो क्या करेगी उस प्राइज को टेक करेगी उस प्राइज को लेगी तो फॉर्म यहाँ पे परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या हुआ प्राइस टेकर है एक फॉर्म ठीक मोनोपोली मोनोपोलिस्ट इज अ प्राइज मेकर एज फॉर्म एंड इंडस्ट्री आर वन एंड मोनोपोलिस्ट क्या हो गया स्टूडेंट मोनोपोलिस्ट हो गया एक प्राइज मेकर क्यों है प्राइज मेकर बिकॉज यहाँ पर फर्म और इंडस्ट्री एक ही चीज है राइट यहाँ पे हम फॉर्म और इंडस्ट्री में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं कर सकते दोनों एक ही चीज है इसलिए हमारी जो मोनोपोली है वो क्या हुई वो हुई प्राइज मेकर ओके देन लेवल ऑफ नॉलेज कैसा नॉलेज होता है दोनों में परफेक्ट कंपटीशन में बायर्स एंड सेलर्स परफेक्ट परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट कंपटीशन में हमने यह देखा था कि बायर और सेलर के पास कैसा नॉलेज होता है परफेक्ट नॉलेज होता है उनको पता होता है कि, कि, कि कितने प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं किस प्राइस पर सेल हो रहे हैं ओके इन सेलर्स को भी पूरी नॉलेज होती है रिगार्डिंग मार्केट कंडीशन क्या डिमांड चल रही है कितनी सप्लाई चल रही है कितनी फर्म्स ऑपरेट कर रही है सारी इंफॉर्मेशन होती है ओके okay? एंड मोनोपोली में क्या है स्टूडेंट बायर्स एंड सेलर्स डू नॉट है पूरी परफेक्ट नॉलेज नहीं होती है अंडर मोनोपोली ओके देन कम्स डिमांड कर्व नाउ डिमांड कर्व कैसा होगा स्टूडेंट अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड मोनोपोली ओके डिमांड कर्व इज परफेक्टली इलास्टिकाइज रिमेन सेम एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट क्या हो रहा है यहाँ पे डिमांड कर्व कैसा है परफेक्टली इलास्टिक है क्यों स्टूडेंट्स क्योंकि प्राइस हमारा सेम है प्राइस सेम है मतलब कि वो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बना रहा है आपके एक्स एक्सिस के कंपैरिजन में क्या आपकी प्राइस जो है राइट वो ये बोल रहा है कि हम चेंज नहीं हो रहे हैं आपको जितनी भी डिमांड चेंज करनी है आप कर सकते हैं तो ये कौन सी सिचुएशन हुई ये सिचुएशन हुई कि जो आपकी प्राइस में चेंज है वो जीरो है एंड आपकी डिमांड में इनफाइनाइट चेंज डिमांड कैसी हुई इनफाइनाइट आप कितना भी चेंज कर सकते हैं आपकी डिमांड में विथ नो चेंज तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर परफेक्टली इलास्टिक है ठीक और मोनोपोली में कैसा बनेगा डिमांड दिमांग कर्व डिमांड ऑफ स्टोब्स डाउनवर्ड एज मोर आउटपुट कैन बी सोल्ड ओनली एट लेस प्राइस कैसा कर हुए स्टूडेंट्स डाउनवर्ड स्लोपिंग कर है क्यों बिकॉज ज्यादा से ज्यादा आउटपुट सोल्ड हो सकते हैं कब जब उसका प्राइजेस कम हो ओके okay? ठीक है आपकी मोनोपोली है आपके प्रोडक्ट्स कंज्यूमर खरीदेंगे लेकिन अगर आप आपके प्रोडक्ट का प्राइस कम कर देंगे तो ज्यादा प्रोड्यूसर्स ज्यादा कंज्यूमर्स खरीदेंगे तो ये चीज क्या बता रहा है कि विथ डिक्रीज इन प्राइस आपकी जो डिमांड है वो क्या होती है वो इंक्रीज होती है ओके देन सेलिंग कॉस्ट सेलिंग कॉस्ट क्या होगी परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के अंदर नो सेलिंग कॉस्ट आर इनकर्ड एज बायर्स एंड सेलर्स ऑफ परफेक्ट नॉलेज अबाउट दी मार्केट कंडीशंस ओके कोई भी सेलिंग कॉस्ट नहीं होती है यहाँ पे हमारे परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्यों नहीं होती है स्टूडेंट्स बिकॉज़ ऑफ परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट कंडीशंस जो बायर्स और सेलर्स होते हैं दोनों को बिल्कुल परफेक्ट नॉलेज होती है कि क्या मार्केट कंडीशंस है ओके okay. इसलिए जो हमारी सेलिंग कॉस्ट होती है वो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जीरो होती है फाइन एंड मोनोपोली में कैसी होगी हमारी सेलिंग कॉस्ट स्टूडेंट्स सेलिंग कॉस्ट आर इनकर्ड फॉर इंफॉर्मेटिव पर्पसेस ड्यू लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज कुछ इंफॉर्मेटिव पर्पसेस के लिए हमारी मोनोपोली में थोड़ी बहुत सेलिंग कॉस्ट होगी ठीक कुछ इंफॉर्मेशन देनी है तो थोड़ी बहुत आ, हमारी जो सेलिंग कॉस्ट होगी बिकॉज जो बायर्स एंड सेलर्स हैं उनको परफेक्ट नॉलेज नहीं है ठीक जैसे कि हमने लिया रेलवेज अब रेलवेज के रूल्स में कुछ अगर चेंज हुआ है तो वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए वो सबको बताने के लिए जो थोड़ी बहुत सेलिंग कॉस्ट लगेगी उसे क्या कहेंगे हम कि वो मोनोपोली में थोड़ी इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन देने के लिए सेलिंग कॉस्ट लगेगी बाकी स्टूडेंट्स मोनोपोली में प्रमोशन के लिए कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं लगती है बिकॉज प्रमोशन करने की उन्हें नीड ही नहीं होती है उनके कोई कॉम्पिटिटर्स तो है ही नहीं तो वो लोग प्रमोशन तो करते ही नहीं है ओके okay? तो यहाँ पे जो भी सेलिंग कॉस्ट लगते हैं वो कुछ इंफॉर्मेटिव पर्पेस के लिए लगती है क्योंकि जो नॉलेज है वो इम्परफेक्ट है सबके बीच में ओके तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे डिफरेंसेस बिटवीन परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड मोनोपोली ठीक कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेज होते हैं वो हमने देख लिए एंड आई होप कि आपको भी क्लियर होंगे ओके okay? अब हम देखते हैं परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं क्या आया स्टूडेंट्स यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक दूसरी चीज है एंड मोनोपोलिस्ट एक अलग चीज है ओके okay? ये चीज आपको ध्यान रखनी है एंड ये चीज मैं आपके आपको बार बार इसलिए रिमाइंड करवाती हूं क्योंकि ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो कि आप लोग कर सकते हैं ओके okay? मुझे पता है कि ये बहुत कॉमन मिस्टेक है मोनोपोलिस्टिक एंड मोनोपोलिस्ट में यूजअली बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं ओके okay? तो आप लोग भी कंफ्यूज हो सकते हैं इसलिए हमें क्या याद रखना है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन एक अलग चीज होती है एंड मोनोपोलिस्ट एक अलग चीज होती है ओके okay? सो so, आप परफेक्ट कॉम्पिटिशन और मोनोपोलिस्टिक में मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में क्या डिफरेंसेस हम वो देखते हैं नेचर ऑफ प्रोडक्ट ओके नेचर ऑफ प्रोडक्ट से हमने स्टार्ट किया है द प्रोडक्ट इज होमोजीनियस दैट इज इट इज आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट लाइक शेप साइज क्वांटिटी एक्सेट्रा कैसा नेचर है स्टूडेंट्स यहाँ पे होमोजीनियस कैसे प्रोडक्ट सेल होते हैं यहाँ पे होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल होते हैं जो कि कि किसे बोलेंगे जो बिल्कुल सेम है शेप साइज क्वांटिटी सब में ओके okay? परफेक्ट के अंदर होमोजीनियस गुड्स सेल करते हैं देन मोनोपोलिस्ट में कैसे गुड्स सेल करते हैं स्टूडेंट्स हम मोनोपोलिस्ट में दी प्रोडक्ट इज डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड साइज कलर शेप एक्सेट्रा डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट ओके यहाँ पे प्रोडक्ट्स में सिमिलैरिटीज होती है वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं एक दूसरे के लेकिन फिर भी वो लोग डिफरेंशियटेड होते हैं एक दूसरे से जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक दूसरे से थोड़े बहुत हम डिफरेंशियट कर सकते हैं ओके सो द प्रोडक्ट इज डिफ्रेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड साइज कलर शेप एक्सेट्रा ओके ब्रांड साइज कलर शेप की वजह से कुछ ना कुछ डिफरेंसेज होते हैं तो वो हम उसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फाइन देन सेलिंग कॉस्ट

Heavy selling are on sales due to lack of बहुत ज्यादा सेलिंग कॉस्ट इनकर पड़ता है हमारी मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के अंडर जो फर्म्स होती हैं क्यों बिकॉज वहां पे जो हमारे हमारा जो नॉलेज होता है वो कैसा होता है इम परफेक्ट होता है लैक ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है एंड सेल सेलिंग कॉस्ट हम किसलिए इनकर करते हैं हमारे ब्रांड को प्रमोट करने के लिए ओके okay? में में? क्या differences होते हैं दोनों इंडस्ट्री ओके okay? जो हमारा परफेक्ट कंपटीशन है उसमें हमें पता है कि जो हमारी फर्म होती है वो क्या होती है प्राइस टेकर होती है क्यों प्राइस टेकर होती है स्टूडेंट्स बिकॉज यहाँ पे प्राइजेस डिटर्माइन किए जाते हैं बाय एन इंडस्ट्री ओके एंड जो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन होती है स्टूडेंट्स वहां पे प्राइजेस का क्या होता है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन है वहां पे पार्शियल कंट्रोल होता है प्राइस पे राइट right? वहां पे पार्शियल कंट्रोल होता है प्राइस पे बिकॉज जो प्रोडक्ट है वो एक दूसरे से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ओके हम हाँ वहाँ पे हम प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन देख सकते हैं तो एक पार्शियल कंट्रोल है कि सारे फॉर्म अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ प्राइजेस रखते हैं ओके लेवल ऑफ नॉलेज बायर्स एंड सेलर्स हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट कंडीशन जो बायर्स एंड सेलर्स होते हैं उनके पास क्या होता है परफेक्ट नॉलेज होता है मार्केट कंडीशन का ओके okay? कि उन्हें पता है कि मार्केट कंडीशन में कैसी क्या चल रहा है तो इनके पास क्या है परफेक्ट नॉलेज है एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में हम क्या देखेंगे स्टूडेंट्स बायर्स एंड सेलर्स डू नॉट है कॉम्पिटिशन में क्यों नहीं है स्टूडेंट्स बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन जो प्रोडक्ट है उसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम इसलिए जो हमारे बायर्स एंड सेलर्स है उनके पास परफेक्ट नॉलेज नहीं है राइट जो अलग अलग ब्रांड है उनके सबके कुछ ना कुछ अलग अलग फीचर्स है वो लोग अपने अकॉर्डिंग अपना जो प्रोडक्ट है उसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं ओके okay? एंड इस प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन के कारण ही जो हमारे हमारा जो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन होता है उसमें क्या होता है सेलिंग कॉस्ट होता है ओके okay? जो सेलर्स होते हैं उनको सेलिंग कॉस्ट भी इनकर करनी पड़ती है फाइन डिमांड कर्व डिमांड कर्व इज परफेक्टली इलास्टिकाइज रिमेन्स आउटपुट जो हमारा परफेक्ट कॉम्पिटिशन है स्टूडेंट उसमें हमारे प्राइजेस कैसे रहते हैं उसमें हमारे प्राइजेस सेम रहते हैं तो हमारा जो डिमांड कर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ आउटपुट को डिमांड कर सकते हैं ओके एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है स्टूडेंट्स डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड एज मोर आउटपुट कैन बी सोल्ड ओनली एट लेस प्राइस जो हमारे डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है क्यों बिकॉज ज्यादा हम तभी सेल कर सकते हैं जब हम प्राइजेस कम करें ओके okay? तो मतलब अगर आपको आपकी डिमांड बढ़ानी है तो आपको आपके प्राइजेस कम करने पड़ेंगे ठीक तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे डिफरेंसेस बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, आई होप ये आपको क्लियर हो डिफरेंस बिटवीन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन ओके तो अब हम देखते हैं कि मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के बीच में क्या डिफरें होते, है, okay? so, होते हैं ओके सो नंबर ऑफ सेलर्स। मोनोपोली में कितने नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं स्टूडेंट्स सिंगल राइट एक सिंगल सेलर होता है किसी भी एक प्रोडक्ट का देयर इज अंगल सेलर अ मोनोपोलिस्ट हैज फुल कंट्रोल ओवर दार्केट ओके एक मोनोपोलिस्ट के पास में फुल कंट्रोल होता है किसी भी मार्केट का ओके okay?

नेचर ऑफ द प्रोडक्ट क्या नेचर होता है कैसा प्रोडक्ट सेल किया जाता है देयर आर नो क्लोज ऑफ द सब्सटीट्यूटक्ट मोनोपोलिमर हम देखेंगे कि कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होते हैं ठीक एंड मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है स्टूडेंट्स में प्रोडक्ट्स आर डिफरेंशियटेड ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड साइज कलर शेप एक्सेट्रा जो मोनोपोलिस्टिक होता है वहां पे कैसे प्रोडक्ट्स होते, है? होते हैं स्टूडेंट्स डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं ओके एंट्री एंड एग्जिट मोनोपोली में क्या है देयर इज रेस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री एंड एग्जिट ओके सो अ फर्म कैन अर्न अब नॉर्मल इन लॉन्ग रन मोनोपोली में क्या होता है कि रेस्ट्रिक्शन होते हैं एंट्री और एग्जिट पर ओके okay. पे जो फर्म होती है वो अब नॉर्मल प्रॉफिट या लॉस इनकर सकती है ओके एंड मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है स्टूडेंट्स देयर इज अ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट मोनोपोलिस्टिक में फ्रीडम होता है कि आप एंटर या एग्जिट कर सकते हैं फॉर्म कैन एंटर और लीव द इंडस्ट्री यहां पर सिर्फ एक कॉम्पिटेटिव फॉर्म ही एंटर कर सकती है या लीव भी कर सकती है ओके okay? मतलब आप एंटर भी कर सकते हो इजिली और आप एग्जिट भी कर सकते हो अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन फाइन देन इसके और हम देखते हैं क्या बेसिस हो सकते हैं डिफ्रेंशिएट करने के प्राइस कर एज फॉर्म एंड इंडस्ट्री आर वन एंड दिंग ओके जो मोनोपोली में हम क्या देखेंगे स्टूडेंट्स की जो एक फॉर्म होती है वो क्या होती है प्राइज मेकर होती है प्राइज मेकर क्यों होती है बिकॉज यहाँ पे फॉर्म और इंडस्ट्री दोनों एक ही चीज होती है तो मोनोपोली इज अ प्राइज मेकर ठीक एंड मोनोपोलिस्टिक फॉर्म हैज पार्शियल कंट्रोल ओवर दी प्राइज ओके फॉर्म के पास कैसा कंट्रोल होता है पार्शियल कंट्रोल होता है मतलब कि उनके पास थोड़ा कंट्रोल होता भी कि वो लोग प्राइजेस को डिटरमाइन कर सकते हैं एंड थोड़ा नहीं भी होता है मतलब उन्हें एक रेंज के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है ओके तो इनके पास क्या होता है पार्शियल कंट्रोल होता है डिमांड कर्व कैसा होगा स्टूडेंट्स मोनोपोली में क्या होगा डिमांड कर्व स्लोप डिमांड कर्व स्लोपिंग डिमांड कर्व इज लेस देन इलास्टिक आई एम सो सॉरी The downward sloping demand curve is less elastic due to absence of close substitutes. Okay, जो demand curve होता है under monopoly वो कैसा होता है? Less elastic होता है. Less elastic क्यों होता है students? Because यहाँ पर कोई close substitutes नहीं है. मतलब जितना आप prices में change करेंगे, उसके according आपके demand में कम changes होगा. Because यहाँ पे कोई भी close substitutes नहीं है. Fine and monopolistic में क्या होता है students? डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड करता है स्टूडेंट इसमें हमारा डिमांड कर्व कैसा होता है मोर इलास्टिक होता है मोर इलास्टिक क्यों होता है स्टूडेंट बिकॉज यहाँ पे क्लोज सब्सटीट्यूट है मतलब अगर आपने प्राइज में ज्यादा चेंजेस किए एक प्रोडक्ट के एक प्रोड्यूसर ने तो क्या हो गया कंज्यूमर्स दूसरे प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए चले जाएंगे राइट तो यहां पे क्योंकि क्लोज सब्सटीट्यूट है इसलिए जो हमारा डिमांड कर होता है वो कैसा होता है वो मोर इलास्टिक होता है मतलब विथ चेंज इन प्राइस आपकी डिमांड ज्यादा चेंज होती है फाइन देन सेलिंग कॉस्ट सेलिंग कॉस्ट कैसे होते हैं मोनोपोली में Low selling cost are incurred, right? यहाँ पे पे में कम कम होते होते हैं। हैं? क्यों होते है? Because यहाँ पे ये लोग सिर्फ एक informative purpose के लिए कोई भी selling cost को इनकर करते हैं ओके एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में क्या होता है स्टूडेंट्स हेवी सेलिंग कॉस्ट आर इनकर्ड ऑन सेल्स प्रमोशन प्रमोट करने के लिए बहुत ज्यादा हेवी सेलिंग कॉस्ट को इनकर किया जाता है अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन ओके अब हम पढ़ेंगे ओलिगोपोली राइट right? अब ओलिगोपोली क्या होता है वो देखते हैं हमने जो बार बाकी के हमारे मार्केट टाइप्स थे जो फॉर्म्स थे वो हमने देख लिए वो क्या थे स्टूडेंट्स एक तो था परफेक्ट कंपटीशन वो हमने कंप्लीट किया देन इम परफेक्ट कॉम्पिटिशन के तीन टाइप्स थे मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन एंड ओलिगोपोली राइट हमने मोनोपोली पढ़ लिया हमने मोनोपोलिस्टिक पढ़ लिया अब हम क्या पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे ओलिगोपोली तो ओलिगोपोली क्या होता है स्टूडेंट्स पहले तो ओलिगोपोली कैसे डिराइव हुआ है हम पहले वो देखते हो कि ओलिगोपोली दो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है ओलिगो एंड पोलस ओके ये दो ग्रीक वर्ड से हमारा जो ओलिगोपोली है वो डिराइव हुआ है नाउ अब ओलिगो एंड पोलस का क्या मतलब होता है ओलिगो का अगर हम मतलब बताएं तो वो होता है फ्यू और सम ठीक है मतलब कुछ थोड़ी बहुत एंड पोलस का मतलब होता है सेलर ओके okay, तो अब ओलिगो एंड पोलस को मिला के क्या बना इन दोनों को मिला के बना है हमारा ओलिगो पोली ओके तो अब ओलिगोपोली का क्या मतलब होगा स्टूडेंट्स ओलिगोपोली का मतलब होगा फ्यू सेलर्स या फिर सम सेलर्स राइट तो ये क्या हुआ फ्यू सेलर्स ओलिगोपोली का मतलब पता चल गया हमें फ्यू सेलर्स जहां पे थोड़े सेलर्स हैं ऐसे मार्केट को हम क्या कहेंगे ऐसे मार्केट को हम कहेंगे ओलिगोपोली ओके ओलिगोपली कैसे डिराइव हुआ ओलिगो एंड पोलस से ओलिगो का मतलब होता है फ्यू या सम मतलब थोड़े एंड पोलस मतलब सेलर ओके तो जब दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो हमें मिला हमारा ओलिगोपोली दैट इज फ्यू सेलर्स ओके नाउ अब इसके हम डेफिनेशन देखते हैं कि इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे ओलिकोपोली रिफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन इन विच देर आर फ्यू फॉर्म सेलिंग होमोजीनियस और डिफरेंशियटेड प्रोडक्ट क्या पता चला हमें फ्यू फॉर्म्स ओके फ्यू फॉर्म्स हैं जो कि क्या सेल कर रही है होमोजीनियस या फिर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट ओके वह दोनों चीजें हो सकती है स्टूडेंट्स की एक जो फॉर्म है वो होमोजीनियस प्रोडक्ट भी सेल कर सकती है मतलब कुछ सिमिलर फॉर्म्स या फिर डिफरेंशियटेड प्रोडक्ट भी सेल कर सकती है ओलिगोपोली में क्या याद रखना है फ्यू ओके ओलिगोपोली का क्या मतलब हुआ फ्यू तो फ्यू हमें याद रखना है कि यहाँ पे फ्यू सेलर्स हैं, ओके समटाइम्स ऑल्सो नोन एज कॉम्पिटिशन अमंग फ्यू ओलिगोपोली को कभी कभार क्या बोला जाता है कॉम्पिटिशन अमंग फ्यू कॉम्पिटिशन अमंग फ्यू क्यों होगा स्टूडेंट्स क्योंकि हमने क्या देखा यहाँ पे क्या है फ्यू सेलर्स है राइट right? थोड़े सेलर्स हैं तो ये जो फ्यू सेलर्स हैं इनका एक दूसरे से कुछ ना कुछ कंपटीशन भी होगा तो ये जो फ्यू सेलर्स हैं ये क्या बता रहे हैं कंपटीशन अमंग द फ्यू ओके मार्केट एंड एवरी सेलर इंफ्लुएंस एंड इन्फ्लुंस बाई दिहेवियर ऑफ अदर फॉर्म्स ओके क्यों बोला कॉम्पिटिशन अमंग फ्यू बिकॉज यहाँ पे फ्यू सेलर्स है मार्केट में और एक और चीज क्या याद ध्यान देनी है हमें Okay? एवरी सेलर इंफ्लुएंस एंड इज इंफ्लुएंस वो दूसरे सेलर को इन्फ्लुएंस करता है या फिर वो दूसरे सेलर से इंफ्लुएंस होता है ओके okay? एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हमारे पास एक ओलेगोपली मार्केट ओके उसमें है हमारी फोर फॉर्म्स ओके फोर फॉर्म्स ऑपरेट कर रही है ए बी सी डी हमने फोर नेम्स दिए ओके अब स्टूडेंट्स अगर ए ने कुछ अपनी प्राइजिंग में चेंजेस किए हैं तो उसका इफेक्ट बी सी एंड डी पर भी होगा ओके अगर ए ने प्राइजेस इंक्रीज किए उसके प्रोडक्ट के ठीक तो जो बी सी और डी है वो शायद उस जो उसने इंक्रीज किया उस पर कोई ज्यादा रिस्पोंड ना करें ओके वो जो बी सी डी है वो जैसे ऑपरेट कर रहे हैं वो वैसे ही ऑपरेट कर रहे हैं लेकिन अगर ए ने उसका प्राइस कम कर लिया है ओके उसका जो प्रोडक्ट था उसका प्राइस उसने कम कर लिया है तो जो बी सी और डी फॉर्म होंगे उनकी क्या वो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे वो भी अपने प्राइजेस को कम करेंगे क्यों कम करेंगे स्टूडेंट्स क्योंकि ऐसे मार्केट में क्या हो रहा है फ्यू फॉर्म ही हैं अगर एक ने भी प्राइस कम किया है तो मतलब कि अब जो कंज्यूमर्स हैं वो उस पर्टिकुलर जिसने जिस फॉर्म ने प्राइस कम किया उसके पास चली जाएंगी एंड बाकी की जो हमारी बी सी और डी थी उनके पास कोई नहीं जाएगा इसलिए अगर एक ने प्राइस कम किया तो दूसरे जो फॉर्म्स होंगे वो क्या करेंगे सॉरी वो भी भी अपने को कम करेंगे राइट right? तो एक के कोई भी के कोई चेंजेस कारण जो दूसरे फॉर्म्स है वो इन्फ्लुएंस हुए ठीक तो हम क्या देखते हैं ओलिगोपोली में कि जो सारे फॉर्म्स होते हैं वो या तो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं या एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं ओके okay? एग्जाम्पल ले सकते हैं अगर हम ओलिकोपोली का तो वो होगा हमारे मार्केट्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स सीमेंट स्टील एल्यूमिनियम एक्सेट्रा हम ऑटोमोबाइल्स में स्टूडेंट्स देखते हैं बहुत मतलब हमारे पास कोई इनफाइनाइट नंबर ऑफ ब्रांड्स नहीं दिखेंगे हमें कुछ नंबर ऑफ ब्रांड्स दिखेंगे कि ओके इतनी ब्रांड्स हैं अच्छी अच्छी ब्रांड्स हैं इतनी इनमें से ही हमें कोई सा भी हमारा जो प्रोडक्ट है वो खरीदना है ओके जो भी ऑटोमोबाइल हमें परचेज करना है वो इतनी कुछ ब्रांड्स हैं हमें इनमें से ही करना है मतलब कि हमारे पास कुछ लिमिटेड चॉइस है कि आप इसमें से ले सकते हैं ओके या फिर हम देखें कि एक ओलेगोपोली जो ऑपरेट हो चुका है जो अपने आप बनाए राइट कोका कोला एंड पेप्सी वो दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं बहुत बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं ओके एंड कोका कोला एंड पेप्सी के इन दोनों के अलावा कोई ज्यादा कॉम्पिटिटर्स है नहीं जो सबसे ज्यादा मार्केट शेयर कवर करके रखा है वो कोका कोला एंड पेप्सी ने ही करके रखा है ये क्या बता रहे हैं फ्यू सेलर्स हैं जो कि होमोजीनियस या फिर डिफरेंशियटेड प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं दोनों के प्रोडक्ट्स में कुछ थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं और वो दोनों क्या डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो जो कोका कोला एंड पेप्सी है उन्होंने ओलिगोपोली खुद क्रिएट किया है जैसे कि हमने स्टूडेंट्स मोनोपोली में देखा था कि कुछ फॉर्म्स जो होते हैं वो मोनोपोली जब वो स्टार्ट होती है तब नहीं होती लेकिन वो उनकी एक्टिविटीज के कारण वो अब मोनोपोली बन चुकी है राइट वैसे ही ओलिगोपोली में क्या हो रहा है जो कोका कोला एंड पेप्सी थे वो कोई स्टार्टिंग से ओलिगोपोली के फॉर्म में नहीं थे लेकिन अब वो अपने आप बनते जा रहे हैं उनकी एक्टिविटीज के कारण अब उन उनका जो शेयर है मार्केट में वो इतना ज्यादा है कि उन दोनों के बराबर किसी का नहीं है राइट तो कोका कोला एंड पेप्सी एक ओलिगोपोली बन चुके हैं वो अपने आप बन गए ओके तो कुछ ओलिगोपोली अपने आप भी बन जाती हैं हमें ओलिगोपोली में याद क्या रखना है स्टूडेंट्स हमें ओलिगोपोली में ये याद रखना है कि ओलिगोपोली का मतलब होता है फ्यू सेलर्स ओके कुछ सेलर्स हैं जो कि आपको होमोजीनियस या फिर डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट सेल करते हैं फाइन ना डुओपोली स्टूडेंट्स ओलिगोपोली के ही अंडर एक पार्ट हम बोल सकते हैं वो होता है डुओपोली ओके सो डुओपोली क्या होगा स्टूडेंट्स इसके नेम से क्या लग रहा है हमें डुओ डुओ मतलब क्या दो लोग राइट right? दो है एंड पोली दैट इज हमारा पोलस से ही जनरेट हुआ है पोलस क्या हो गया सेलर सो डुओपोली दो सेलर्स ओके okay? जहां पे एग्जैक्टली exactly किसी भी एक प्रोडक्ट के अगर दो सेलर्स हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे स्टूडेंट हम उसे बोलेंगे डुओपोली ओके एग्जैक्टली टू सेलर्स हैं अगर तो वो क्या होगा डुओपोली होगा डुओपोली इज अ स्पेशल काइंड केस ऑफ ओलिगोपोली इन विच एग्जैक्टली टू सेलर्स ओके ये क्या है एक स्पेशल केस है हमारे ओलिगोपोली का जहां पे एग्जैक्टली टू सेलर्स होते हैं फाइन इट इज अज्यूम्ड दैट द प्रोडक्ट सोल्ड बाय द टू फर्म्स इज होमोजेनियस एंड देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर इट हम क्या मान रहे हैं अज्यूम अज्यूम का, का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स हम मान रहे हैं कि जो प्रोडक्ट सोल्ड करते हैं ये डुओपोली के अंडर मतलब ये जो दो फर्म्स है वो जो प्रोडक्ट सेल कर रही है वो क्या है वो होमोजीनियस है ओके okay, वो होमोजीनियस है एंड उसके कोई सब्सटीट्यूट नहीं है ये चीज हम मान रहे हैं हम अज्यूम कर रहे हैं अगर स्टूडेंट्स हम रियलिटी में देखें तो दो फर्म्स बिल्कुल होमोजीनियस प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन नहीं करेंगी कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर होंगे उनमें जो कि उन्हें एक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बनाएगी मतलब कि एकदम आपको होमोजीनियस प्रोडक्ट तो मिलना मुश्किल ही है ओके तो हम ये बोल सकते हैं कि रियलिटी में डुओपोली हम नहीं मान सकते नहीं देख सकते वो क्यों नहीं देख सकते इस रीजन की वजह से क्योंकि इन्होंने हमें बोला है कि आपको अज्यूम करना है कि होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल होते हैं और उसके कोई सब्सिट्यूट नहीं है ठीक ना इसके एग्जाम्पल्स क्या ले सकते हैं स्टूडेंट्स हम एग्जाम्पल्स में हम ले सकते हैं पेप्सी एंड कोका कोला इन सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट ओके पेप्सी एंड कोका कोला हमने इसका एग्जाम्पल लिया है दोनों को हमें पता है स्टूडेंट्स ये दो फर्म्स हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा शेयर हमारा मार्केट का कवर करके रखा है राइट लेकिन ये दोनों होमोजीनियस तो नहीं है स्टूडेंट्स हमें पता है हम दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर पेप्सी है नहीं ये पर्टिकुलर कोका कोला है तो ये यहाँ पे क्या हमें अज्यूम करना है ओके okay? हमें अज्यूम करना है कि कोका कोला एंड पेप्सी क्या है कोका कोला एंड पेप्सी हमें होमोजीनियस प्रोडक्ट product का प्रोडक्शन करके दे रही है ये चीज हम अज्यूम कर रहे हैं ओके एयरबस एंड बोइंग इन कमर्शियल लार्ज जेट एयरक्राफ्ट मार्केट ओके एयरबस एंड बोइंग ये जो दो ब्रांड्स है वो हमारे एयरक्राफ्ट मार्केट की डुओपोली है ओके okay? ये चीज हम मान रहे हैं ये एक्चुअल में नहीं है ये हमें भी पता है बिकॉज वो लोग होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहे हैं ओके okay? तो इसलिए हम ये चीज मान रहे हैं कि ये है ओके सो डुओपोली क्या हो गई जहां पे एग्जैक्टली exactly दो सेलर हो फाइन देन स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली ओलिगोपोली के कुछ टाइप्स होते हैं ठीक वो फोर टाइप्स में हम उसे डिवाइड कर सकते हैं तो अब हम देखते हैं कि क्या उसके टाइप्स होते हैं प्योर और परफेक्ट ओलिगोपोली ठीक प्योर और परफेक्ट ओलिगोपोली क्या होगा फॉर्म्स प्रोड्यूस होमोजीनियस प्रोडक्ट इट इज कॉल्ड प्योर एंडेक्ट ओलिगोपोली अगर कोई भी फॉर्म जो है वो अगर होमोजीनियोडक्ट का प्रोडक्शन कर रही है तो वो क्या होगी वो होगी प्योर या फिर परफेक्ट ओलिगोपोली ओके नाउ स्टूडेंट्स प्योर एंड परफेक्ट ये वर्ड हमें बहुत सिमिलर से लग रहे हैं हमने परफेक्ट कॉम्पिटिशन पढ़ा है राइट उसके अंदर हमने एक थोड़ा सा देखा था कि प्योर कॉम्पिटिशन हम किसी कहते हैं तो हमने परफेक्ट एंड प्योर कॉम्पिटिशन जो देखा है उसमें उसका हमने फीचर क्या देखा था होमोजीनियस प्रोडक्ट का राइट होमोजीनियस प्रोडक्ट का हमने उसे फीचर देखा था तो जब कंपटीशन की जगह पे हमने ओलिगोपोली कर दिया हमने क्या बना दिया परफेक्ट ओलिगोपोली या फिर प्योर ओलिगोपोली तो वो कैसी ओलिगोपोली होगी स्टूडेंट्स जहां पर होमोजीनियस प्रोडक्ट्स मिले ओके okay. पर क्या मिले हमें होमोजीनियस प्रोडक्ट्स मिलेंगे ऐसी को हम क्या बोलेंगे प्योर या फिर परफेक्ट ओके देन इम्परफेक्ट और डिफ्रेंशिएटेड ओलिगोपोली अब इम्परफेक्ट या फिर डिफ्रेंशिएटेड ओलिगोपोली क्या होगी हम इसके नेम से ही बता सकते हैं डिफ्रेंशिएटेड या फिर इम्परफेक्ट मतलब क्या ऐसी ओलिगोपोली जहां पे आप क्लोजली रिलेटेड गुड्स सेल कर रहे हैं येट उनमें कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं जिनके कारण आप डिफरेंस भी बता सकते हैं ओके okay? तो ऐसी ओलिगोपोली को हम क्या बोलेंगे इम या फिर डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली इफ दी फॉर्म्स प्रोड्यूस डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स देन इट इज कॉल्ड डिफरेंशिएटेड और इम्परफेक्ट ओलिगोपोली ओके अगर डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे इम या फिर डिफरेंशियटेड ओलिगोपोली फॉर एग्जाम्पल पैसेंजर कार्स सिगरेट्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स ओके ये कुछ है सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे कि हमने कोका कोला एंड पेप्सी देखा ठीक वो ओलिगोपोली हो सकता है स्टूडेंट्स क्यों हो सकता है बिकॉज वो उन दोनों ने बहुत एक ज्यादा लार्ज शेयर कवर करके रखा है लेकिन वो इम्परफेक्ट ओलिगोपोली या फिर डिफ्रेंशिएटेड ओलिगोपोली होगा क्यों बिकॉज उनके कुछ फीचर्स हैं स्टूडेंट्स के हम उनमें डिफ्रेंशियट कर सकें राइट right? हम दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस बता सकते हैं हम उनमें डिफ्रेंशियट कर सकते हैं इसलिए वो किसका पार्ट होगा वो पार्ट होगा हमारा डिफ्रेंशियटेड ओलिगोपोली का ओके देन कम्सू कॉल्यूजिव ओलिगोपोली अब ये क्या होता है इफ द फर्म्स कॉपरेट विथ ईच अदर इन डिटरमाइनिंग प्राइस और आउटपुट और बोथ इट इज कॉल्ड कॉलोपोली और कॉपरेटिव ओलिकोपोली अगर फर्म्स एक दूसरे के साथ में कॉपरेट कर रही है ओके ओके तो उसे उसे हम हम क्या बोलेंगे उसे हम बोलेंगे या फिर ओके? इसका हम नेम और क्या दे सकते हैं कॉपरेटिव ओलिगोपोली मतलब कि प्राइजेस वो लोग लो साथ में डिटरमाइन कर रहे हैं या फिर कितना आउटपुट लेवल हमें प्रोड्यूस करना है कितना सप्लाई करना है वो अगर वो साथ में मिलकर डिटरमाइन कर रहे हैं मतलब कि वो दोनों एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट करके जितनी भी फर्म्स है वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके अगर वो लोग डिटरमाइन कर रहे हैं उनकी प्राइजेस या उनके आउटपुट्स या दोनों तो उसे हम क्या कहते हैं ऐसी इस टाइप को हम कहते हैं कल्यूजिव ओलिगोपोली ओके एंड नॉन कॉल्यूजिव ओलिगोपोली नॉन कल्यूजिव क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स इसका अपोजिट राइट कॉल्यूजिव में हमने देखा कि वो लोग कॉर्डिनेट कर रहे हैं नॉन कॉल्यूजिव में हम क्या देखेंगे कि ये लोग कॉर्डिनेट नहीं कर रहे हैं ओके okay?

तो स्टूडेंट्स ये कुछ फोर टाइप्स में हम ओलिगोपोली को डिवाइड कर सकते हैं ओके आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा कि कैसे इन चार टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं और इनके अंदर क्या कौन सी ओलिगोपोलीस आने वाली है हमारी कौन सी फर्म्स आने वाली है इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि ओलिगोपोली के फीचर्स क्या होते हैं ओके सो so देखते हैं क्या फीचर्स होते हैं फ्यू फर्म्स बहुत ही इजी है स्टूडेंट्स ये तो हम डेफिनेशन से बता सकते हैं कि ओलिगोपोली में फ्यू फर्म्स होती है ठीक एंड आई गेस आप लोगों को याद भी है कि ओलिगोपोली दो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है ओलिगो एंड पोलस जिसका मीनिंग होता है ओलिगो का मतलब सेलर मतलब राइट तो फ्यू सेलर ओके वैसे वही हमारा क्या हो गया हमारा फ्यूचर हो गया फ्यू फॉर्म्स ओलिगोपोली में हम क्या देखते हैं कि कुछ थोड़ी बहुत फॉर्म्स होती है एंड बहुत सारे हमारे बायर्स होते हैं राइट तो अब इसे हम कैसे लिखने वाले हैं देर आर फ्यू लार्ज फॉर्म्स जो फॉर्म्स होती है स्टूडेंट्स वो थोड़ी लार्ज होती है मतलब वो इतनी सफिशियंट होती है कि आपकी जो पूरी जो छोटी छोटी फॉर्म्स है उनकी नीड नहीं हो ओके okay? दो चार लार्ज फॉर्म्स मिलके बना लेगी एक ओलिगोपोली मतलब एक मार्केट बन जाएगा वो ओलिगोपोली का एंड वो जो दो चार फॉर्म्स का प्रोडक्शन होगा वो बहुत सफिशेंट होगा हमारे सारे कंज्यूमर्स की नीड को फुलफिल करने के लिए ठीक दी एग्जैक्ट नंबर ऑफ फर्म्स इज नॉट डिफाइंड ईच फर्म प्रोड्यूज अ सिग्निफिकेंट पोर्सन ऑफ द टोटल आउटपुट एग्जैक्ट नंबर कितनी होती है वो हम नहीं बता सकते जैसे कि हम मोनोपोली में बोलते हैं कि सिर्फ एक सेलर होता है राइट वैसे हम ओलिगोपोली में नहीं बोल सकते कि कितने सेलर्स होते हैं बस हमने क्या बताया हमने ये बताया कि कुछ सेलर्स होते हैं कुछ थोड़े नंबर के सेलर्स होते हैं बहुत लार्ज नंबर में हमारे सेलर्स नहीं होते हैं ठीक हर एक जो फर्म होती है हर एक जो सेलर होता है उसका एक सिग्निफिकेंट पोर्शन होता है टोटल आउटपुट में मतलब कि टोटल आउटपुट में उसट पर, एक पर्टिकुलर फॉर्म का जितना शेयर है वो हम काउंट कर सकते हैं वो हम बता सकते हैं मतलब उसे हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते ओके okay? तो एक सिग्निफिकेंट पोर्शन होता है टोटल आउटपुट में देयर एग्जिस्ट सीवियर कॉम्पिटिशन अमंग डिफरेंट फॉर्म एंड ईच फॉर्म ट्राई टू मैनिपुलेट बोथ प्राइजेस एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन टू आउटस्मार्ट टू आउटस्मार्ट ईच अदर ओके जो दोनों हमारी जितनी भी फर्म्स होती हैं उनके बीच में क्या होता है स्टूडेंट्स कंपटीशन होता है किस चीज़ का कंपटीशन होता है कि हमारा ज़्यादा प्रॉफिट अर्न होगा हमारी ब्रांड ज़्यादा चलेगी हमारे प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेंगे ये कंपटीशन होता है तो प्राइजेस में और वॉल्यूम ऑफ आउटपुट में वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन में दोनों चीज़ में जो फर्म्स होती है वो सोचती है कि हम दूसरी फर्म से आगे निकल जाए राइट हमारा जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो और हमारी जो Prices वो ऐसी रहे कि जो कंज्यूमर्स है वो हमारे प्रोडक्ट को परचेस करें एंड हम सबसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न करें पूरे मार्केट में ओके okay? ऐसा हर एक फर्म का सोचना होता है हर एक फर्म का मानना होता है ओके फॉर एग्जाम्पल मार्केट ऑफ ऑटोमोबाइल्स इन इंडिया इज एन ओलिगोपोलिस स्ट्रक्चर एज देर आर ओनली फ्यू प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स जो ऑटोमोबाइल मार्केट है स्टूडेंट्स वो क्या है वो ओलिगोपोली है वो ओलिगोपोली क्यों है स्टूडेंट्स क्योंकि हम देख सकते हैं कुछ थोड़ी बहुत ही बहुत अच्छे अच्छे नेम्स हम देख सकते हैं कि थोड़े बहुत ही नेम्स हैं पूरे हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर में राइट हम ऐसे न्यूमरस इनडेफिनेट नंबर के हमारे पास वो नहीं होते हैं ब्रांड्स नहीं होती है हमारे पास एक डेफिनेट नंबर की ब्रांड्स है हमें कुछ दो चार नाम पता है कि यार ये जो है ना इस पर्टिकुलर कंपनी का जो ऑटोमोबाइल होगा या जो कार होगी बाइक होगी ये चीज़ अच्छी रहेगी तो कुछ फर्म्स हैं वो कुछ फर्म्स क्या हो गई स्टूडेंट्स वो कुछ फर्म्स हमारी ओलिगोपोली हो गई राइट वो कुछ फर्म्स ने मिलकर बना दी हमारी उस पर्टिकुलर मार्केट को एक ओलिगोपोली मार्केट ओके इंटरडिपेंडेंस इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है कि जो फर्म्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है अब वो कैसे डिपेंडेंट है स्टूडेंट्स एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस मींस मीन दैट एक्शन ऑफ वन फर्म अफेक्ट द एक्शन ऑफ अदर फर्म ओके क्या हुआ एक्शन ऑफ वन फर्म अफेक्ट एक्शन ऑफ अदर फॉर्म मतलब की अगर एक फॉर्म ने कुछ भी चेंजेस किए हैं उसके प्रोडक्शन में प्रमोशन टेक्निक है तो वो चीज किसको अफेक्ट करेगी जो बाकी की फॉर्म है हमारी उस ओलिगोपोली मार्केट में उन सबको अफेक्ट करेगी राइट अगर एक किसी फॉर्म ने प्राइजेस बढ़ा दिए तो हो सकता है कि जो बाकी की फॉर्म है वो अपने प्राइजेस ना बढ़ाए क्यों ना बढ़ाए क्योंकि अब जिसने प्राइजेस बढ़ाए उसका लॉस होगा जो कंज्यूमर्स हैं वो जिसने प्राइस बढ़ाए उसके पास नहीं जाएंगे बाकियों के पास जाएंगे लेकिन अगर वही एक जो फर्म है उसने अपने प्राइजेस कम कर दिए तो ये क्या होगा जो दूसरी फॉर्म है हमारी उनको अफेक्ट करेगा उनको लिए एक प्रेशर बनेगा कि हमें भी अपने प्राइजेस कम करने पड़ेंगे क्योंकि अगर कम नहीं किए प्राइजेस तो क्या होगा सारे कंज्यूमर्स जिसके प्राइस कम है उसके पास चले जाएंगे ऐसा क्यों स्टूडेंट्स ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स वो इसलिए होता है बिकॉज कुछ फर्म्स हैं एंड कुछ फर्म्स के बीच में कॉम्पिटिशन बहुत स्टिफ रहता है कि नहीं हम ज़्यादा अच्छे से प्रोडक्शन करेंगे हम ज्यादा सेल्स बढ़ाएंगे हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे तो इस स्टिफ कॉम्पिटिशन के बीच में फ़ायदा किसका हो गया फायदा हो गया कंज्यूमर्स का क्यों क्योंकि किसी ने बोला कि हमने प्राइसिंग कम की है कंज्यूमर्स गए उन्होंने वो पर्टिकुलर ब्रांड के जो भी प्रोडक्ट्स थे वो परचेज कर लिए ओके चेंज इन आउटपुट और प्राइस बाय फॉर्म रियक्शन फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑपरेटिंग इन दार्केट ओके अगर किसी में भी चेंज हुआ है तो दूसरी फॉर्म्स को वो लोग रिवोक करते हैं वो लोग मतलब वो बोलते हैं कि देखो अब हमने चेंज किया आपको भी करना पड़ेगा ओके okay? तो एक फॉर्म के किसी भी एक्शन से दूसरे फॉर्म पे रिएक्शन होता है ओके फॉर एग्जाम्पल मार्केट फॉर कार्ड इन इंडिया इज डोमिनेटेड बाय फ्यू फॉर्म्स मारुति टाटा होंडा फोर्ड, होंडा एक्सेट्रा ओके जो कार्स का मार्केट है स्टूडेंट्स, वो कुछ फॉर्म्स के थ्रू ही चल रहा है हमारा राइट हमें कुछ जानी मानी कुछ थोड़ी बहुत फॉर्म है थोड़ी बहुत कंपनीज है जिनका हमें नाम पता है उनके भरोसे ही हमारा कार मार्केट चल रहा है ठीक एग्जाम्पल के लिए हमने चार पांच नेम्स लिए है कंपनी ठीक अब अ चेंज बाय एनी वन से टाटा इन एनी ऑफ इट्स व्हीकल से इंडिका विज अदर फॉर्म्स से मारुति हुंडई टू मेक चेंजेस इन दर रेस्पेक्टिव व्हीकल्स अब क्या हुआ टाटा ने अपनी एक व्हीकल जो है इंटिका उसमें चेंजेस लाए ओके उसमें चेंजेस लाए तो अब क्या हुआ ये जो दूसरी हमारी फर्म्स है मारुति हुडाई इनपे वो रिएक्शन दे रहा है वो असर कर रहा है कि अब आप भी चेंजेस लाओ आपके व्हीकल में अगर आपने चेंजेस नहीं लाए तो हमारे पास कंज्यूमर जाएंगे और वो परचेज करके ले जाएंगे आपकी जो फॉर्म्स है वो चल नहीं पाएंगे आपके फॉर्म्स के प्रोडक्ट नहीं चल पाएंगे ओके तो क्या देखते हैं हम कि जो ओलिगोपोली में फॉर्म्स होती है स्टूडेंट्स वो कैसी होती है इंटरडिपेंडेंट होती है एक में अगर कुछ चेंज हुआ है तो वो दूसरे में चेंज लेकर आता है ओके एक के चेंज से दूसरे फॉर्म में अफेक्ट होता है वो अफेक्ट कैसा भी हो सकता है वो चेंज कैसा भी हो सकता है मान लीजिए किसी एक फॉर्म ने क्या किया प्राइजेस नहीं कम ज्यादा किए लेकिन कुछ इंसेंटिव देने लग गए कुछ आफ्टर सेल सर्विस देने लग गए तो क्या होगा ये जो सर्विसेज है इसके कारण एक कस्टमर उनके पास जाएगा तो जो दूसरी फॉर्म्स है उन्हें भी वो सेम चीज करनी पड़ेगी या उससे ज्यादा अच्छी करनी पड़ेगी क्यों करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स वो इसलिए क्योंकि अगर किसी दूसरी फर्म ने उसकी जो भी स्ट्रैटेजीज है उसमें अगर चेंजेस नहीं लाए तो कंज्यूमर्स उनके पास नहीं जाएंगे कंज्यूमर्स अट्रैक्ट नहीं होंगे एंड वो उस पर्टिकुलर फॉर्म का प्रोडक्ट नहीं परचेज करेंगे राइट तो अगर ओलिगोपोली मार्केट में हम क्या देखते हैं कि अगर किसी को अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है किसी को अपना सेल्स बढ़ाना है तो उसे क्या करने पड़ेगा उसे सारी जो फॉर्म्स हैं उसकी स्ट्रैटेजीज को भी ध्यान में रखना पड़ेगा ओके नॉन प्राइज कॉम्पिटिशन ओके नाउ स्टूडेंट्स नॉन प्राइज कॉम्पटिशन क्या होता है हम उसके नेम से समझ सकते हैं नॉन प्राइज कॉम्पिटिशन प्राइस के बिना वाला कॉम्पटिशन ओके okay? मतलब कि प्राइजेज में कोई चेंजेस नहीं है कोई भी फॉर्म प्राइजेस को कम या ज़्यादा नहीं कर रही है लेकिन उन प्राइजेस के अलावा कोई कॉम्पटिशन चल रहा है हमारी जो ओलीगोपोली में फॉर्म्स ऑपरेट कर रही है उनमें ओके okay?

ये क्या बताता है ये किस चीज को डिफाइन करता है ये डिफाइन करता है हमारी प्राइस रिजिडिटी को ओके नाउ स्टूडेंट्स प्राइस रिजिडिटी एक ऐसा टर्म है जो कि आपसे एक शॉर्ट आंसर में या वन मार्क्स टू मार्क्स में पूछा जा सकता है ओके तो आपको पता होना चाहिए प्राइज रिजिडिटी क्या होता है ठीक प्राइज रिजिडिटी में आप ये इफ फॉलोइंग ये जो पर्टिकुलर हमारी डेफिनेशन है वो लिख देंगे ओके एंड इसी के साथ में आप क्या लिखेंगे कि प्राइस रिजिडिटी कौन फॉलो करता है प्राइस रिजिडिटी ओलिगोपोली फर्म्स फॉलो करती है ओके फर्म्स यूज अदर मेथड्स लाइक एडवर्टाइजिंग बेटर सर्विसेज टू कस्टमर्स एक्सेट्रा टू कम्पीड विद ईच अदर यहाँ पे क्या होता है अंडर ओलीगोपोली जो फर्म्स होती है वो प्राइजेस को फिक्स रखती है ओके वो ये सोचते हैं कि हम प्राइजेस को चेंज ना करें एंड जो बाकी की जो चीज़ें हैं जो नॉन प्राइज वाली जो चीज़ें हैं मतलब हमारी एडवर्टीजमेंट या आफ्टर सेल सर्विसेज या कोई भी एक्स्ट्रा सर्विसेज फ्री गिफ्ट कूपन्स ये जो है इन सब के थ्रू कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जाए ओके बिकॉज स्टूडेंट्स प्राइज में अगर हम चेंजेस करेंगे ना अगर फॉर्म्स अपनी प्राइजेस में चेंजेस करेगी तो फिर वो एक बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा सारी ओलिगोपोली फर्म्स के बीच में ओके एक फर्म ने प्राइस कम किया दूसरी फ़र्म ने उससे कम कर दिया तीसरी फ़र्म ने उससे ज्यादा कम कर दिया इसके कारण क्या होगा ऐसे कम कम करते करते एक टाइम वो आ जाएगा कि इतना कम हो जाएगा कि जो फर्म्स हैं, उनको प्रॉफिट ही अर्न नहीं हो पा रहा है इसलिए क्या सोचती है ओलिगोपोली के अंडर फर्म्स कि हम लोग नॉन प्राइस कंपटीशन करेंगे प्राइजेस को हम सेम रखेंगे एंड जो बाकी की चीजें होती है उनमें हम चेंजेस लाके हमारी जो सेल्स है वो बढ़ाएंगे ओके देन बैरियर्स टू एंट्री ऑफ अ फॉर्म अंडर ओलिगोपोली स्टूडेंट्स जो फर्म्स होती है उनको बैरियर्स होते हैं ओके okay? एंट्री पर बैरियर्स होते हैं उनके मतलब कि वो ईजीली एंटर नहीं कर सकती है ओके okay? द मेन रीजन फॉर फ्यू फॉर्म्स अंडर ओलिगोपोली इज द बैरियर विच प्रिवेंट एंट्री ऑफ न्यू फॉर्म्स इन टू द इंडस्ट्री ओलिगोपोली में फ्यू फार्म क्यों होती है स्टूडेंट्स बिकॉज एंट्री में बैरियर्स होते हैं ओके एंड जब एंट्री बैरियर्स होते हैं तो जो नई फॉर्म्स होती है वो ज्यादा आ नहीं पाती आपकी ओलिगोपोली में ऑपरेट नहीं कर पाती है इसलिए हमारी ओलिगोपोली में फ्यू फार्म होती है ठीक स्टूडेंट industry. Okay? Industry कुछ पेटेंट होते हैं कुछ लार्ज जब ओलिगोपोली एक लार्ज फॉर्म है तो बहुत लार्ज कैपिटल लगेगा मतलब की आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा तो कभी कभी ये चीज रोकती है न्यू फॉर्म्स को इंटर करने में देन उसके बाद में कुछ रॉ मटेरियल्स पे कंट्रोल हो गया या ऐसी जो चीजें होती है उसके कारण क्या होता है हमारी जो न्यू फॉर्म्स हैं वो एंटर नहीं कर पाती इजीली ओके एंड इसी के कारण हमारी जो ऑलरेडी ऑपरेटिंग फॉर्म्स हैं वही ऑपरेट करती रहती है एंड वो कुछ नंबर में होती है वो फ्यू फॉर्म्स होती है ठीक देन रोल ऑफ सेलिंग कॉस्ट सेलिंग कॉस्ट क्या होता है स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को पता होगा क्योंकि हमने हमारे मोनोपोलिस्ट कॉम्पिटिशन के अंडर भी पढ़ाई की सेलिंग कॉस्ट क्या होता है राइट सो सेलिंग कॉस्ट क्या होगा सेलिंग कॉस्ट वो सारे कॉस्ट होते हैं जो कि अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए एक जो अब फॉर्म है वो इनकर करती है ओके okay? उसे हम क्या कहते हैं सेलिंग कॉस्ट कहते हैं ठीक अ फर्म अंडर ओलिगोपोली रिलाईज मोर ऑन नॉन प्राइज कॉम्पिटिशन ठीक हमने क्या देखा था कि ओलिगोपोली में नॉन प्राइस कंपटीशन होता है मतलब कि हम प्राइजेस में ज्यादा चेंजेस नहीं लाएंगे हम नॉन प्राइस कंपटीशन पे खेलेंगे ओके okay? हमारा गेम जो भी चलेगा वो नॉन प्राइस कंपटीशन पर रहेगा तो स्टूडेंट्स जब नॉन प्राइस कंपटीशन रहेगा इसका मतलब क्या कि जो फर्म्स है वो कुछ दूसरे इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेंगी उसके कस्टमर्स को उसके कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए नई नई चीजें करेंगी तो इन सब के कारण क्या हो रहा है इन सब के कारण आपके सेलिंग कॉस्ट बढ़ रहे हैं ठीक तो ओलिगोपोली में स्टूडेंट सेलिंग कॉस्ट जो होते हैं ना हमारे वो बहुत हाई होते हैं मतलब कि हमने मोनोपोलिस्ट में देखा है कि हाई सेलिंग कॉस्ट होते हैं लेकिन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के से ज्यादा हमारे किसमें सेलिंग कॉस्ट होते हैं ओलिगोपोली में होते हैं ओके okay? बिकॉज जो हमारी फर्म्स होती है वो नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन पे रिलाय करती है इसलिए ठीक वेरियस सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स आर यूज टू प्रमोट सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट अलग अलग सेल्स प्रमोशन टेक्निक का यूज होता है किसी भी एक किसी भी एक प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए ओके okay? क्योंकि जब तक आपका प्रोडक्ट आप प्रमोट नहीं करेंगे तो कंज्यूमर्स को पता कैसे चलेगा कि ऐसा कोई प्रोडक्ट भी है राइट right? एंड जब प्रमोट करेगा कोई भी एक फर्म तभी एक कंज्यूमर उससे अट्रैक्ट होगा एंड उसे जाना पड़ेगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए ओके okay? तो यहाँ पे ये लोग प्राइस कॉम्पिटिशन तो ज़्यादा रखते नहीं है तो फिर नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन रखेंगे क्योंकि कॉम्पिटिशन तो रखना पड़ेगा ना दूसरी फर्म से तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना पड़ेगा तो इस चीज के कारण क्या होता है जो सेलिंग कॉस्ट होती है ना वो ह्यूज होती है वो बहुत ज्यादा होती है ओके ग्रुप बिहेवियर नाउ ग्रुप बिहेवियर क्या है स्टूडेंट ग्रुप बिहेवियर मींस दैट फर्म्स टेन टू बिहेव एज वर देवर सिंगल फर्म इवन दो इंडिविजुअली दे रिटेन देयर इंडिपेंडेंस ओके क्या होता है ग्रुप बिहेवियर का मतलब जो सिंगल फर्म्स है ना वो सब मिलके ऐसे बताएंगी कि हम सब एक ग्रुप है ठीक जो सारी सिंगल सिंगल फॉर्म्स हैं वो सब ये बताएंगी कि हमें ग्रुप है ऑल दो जो हर एक सिंगल फॉर्म होती है ना वो अपनी इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस रिटेन करती है मतलब कि वो ग्रुप में बता रही है कि हम लोग एक है सारे जो डिसीजन है वो साथ में लेके हम ले रहे हैं क्या प्राइजेस होने वाले हैं हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट के वो जो डिसीजन है वो हम साथ में ले रहे हैं ओके okay, पूरे जितने भी फॉर्मस हैं मतलब कि हम लोगों ने एक रेंज डिसाइड कर लिए इतने इतने हमें ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेल करना है ओके okay, तो हम बस वैसे ही सेल करेंगे ठीक लेकिन फिर भी हमारी इंडिविजुअलिटी भी दिखती है ठीक अपन जो है स्टूडेंट्स हम हर एक प्रोडक्ट को हर एक ब्रांड को अलग अलग देखते हैं राइट हुडाई अलग है मारुति सुजुकी अलग है राइट हीरो अलग है होंडा अलग है सब अलग अलग है राइट तो हमें पता है कि ये सारी जो फर्म्स है वो अलग अलग है हमने सबको इंडिविजुअली देखा है लेकिन ये सारी जो फर्म्स है स्टूडेंट्स ये कहीं कहीं पे क्या करती है एज अ ग्रुप बिहेव करती है मतलब कि वो ये बताती है कि हम जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं कितना आउटपुट होगा कितना प्राइसिंग होगी ये सब हमने डिसीजन कैसे लिया ग्रुप में डिसीजन लिया ओके okay? तो ओलिगोपोली फर्म ओलिगोपोली में फर्म्स कैसे बिहेव करती है ग्रुप में बिहेव करती है इनका हम ग्रुप बिहेवियर देख सकते हैं ठीक ओलिगोपोली फॉर्म्स प्रिफोर ग्रुप डिसीजन दैट विल प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑल दर्म्स ओके जो ओलिगोपोली फर्म होती है वो क्या सोचती है कि हम ग्रुप में काम करें और जो सारी फर्म उसका इंटरेस्ट बच सके उससे ओके नेचर ऑफ द प्रोडक्ट द फर्म अंडर ओलिगोपोली में प्रोड्यूस होमोजीनियस और डिफरेंशियटेड प्रोडक्ट ओके ओलिगोपोली में स्टूडेंट्स जो फर्म्स होती है वो होमोजीनियस प्रोडक्ट का भी प्रोडक्शन कर सकती है या फिर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं मतलब हम ओलिगोपोली में दोनों नेचर ऑफ गुड्स देख सकते हैं ओके होमोजीनियस एंड डिफ्रेंशिएटेड ठीक नाउ स्टूडेंट्स जो होमोजीनियस जो फर्म्स होमोजीनियस गुड्स का प्रोडक्शन करती है उन्हें हम क्या कहते हैं उन्हें हम कहते हैं प्योर एंड परफेक्ट ओलिगोपोली ठीक ये चीज स्टूडेंट्स हमने हमारे लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी कि ये जो टाइप्स ऑफ फर्म्स होती है वो क्या क्या होती है और उनके क्या मीनिंग होते हैं राइट उसमें एक था प्योर एंड परफेक्ट ओलिगोपोली तो परफेक्ट ओलिगोपोली परफेक्ट हमें क्या बता रहा है परफेक्ट कॉम्पिटिशन से हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स प्योर होमोजीनियस प्रोडक्ट राइट परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हमने यही पढ़ा था कि होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है तो परफेक्ट ओलिगोपोली क्या हो गया परफेक्ट ओलिगोपोली हो गया होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल करती है कोई भी फर्म ओके एंड अगर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट सेल करती है कोई भी फर्म तो उसे हम क्या बोलेंगे डिफरेंशिएटेड और इम परफेक्ट ओलिगोपोली ओके स्टूडेंट्स so हमने इम परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर देखा है कि कैसे गुड्स हम सेल करते हैं डिफरेंशियटेड गुड्स सेल करते हैं तो जब डिफरेंशियटेड प्रोडक्ट्स की बात हो रही हो तो ऐसी ओलिगोपोली को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स ऐसी ओलिगोपोली को हम बोलेंगे डिफ्रेंशिएटेड और इम परफेक्ट ओलिगोपोली ठीक इनडिटर्मिनेंट डिमांड ओके अब जो स्टूडेंट्स डिमांड होता है हमारी ओलिगोपोली फॉर्म का वो कैसा होता है इनडिटर्मिनेंट होता है मतलब हम नहीं बता सकते कि वो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है अपवर्ड स्लोपिंग हो रहा है या वो कैसा स्लोप कर रहा है ओके okay? ये हम डिफाइन नहीं कर सकते okay? तो अब इनडिटर्मिनेंट डिमांड कर्व क्यों होता है उसका रीजन हम देखते हैं द एग्जैक्ट बिहेवियर पैटर्न ऑफ अ प्रोड्यूजर के नॉट बी डिटर्माइन विद सर्टेनिटी सो डिमांड कर्व फेस्ड बाई देंट इनडिटर्मिनेंट दैट इज अनसर्टन ओके क्या होता है जो एग्जैक्ट बिहेवियर है जो एग्जैक्ट बिहेवियर है हर एक एक फर्म का वो कोई भी डिफाइन नहीं कर सकता है ओके कि क्या प्रोड्यूसर कब कैसा बिहेव करेगा कब वो अपने प्राइजेस बढ़ाकर अपनी डिमांड कम कर रहा है प्राइजेस कम कर रहा है डिमांड बढ़ा रहा है ओके तो वो कैसे आ, कैसे बिहेव करेगा वो हम नहीं बता सकते इसलिए जो ओलिगोपोली फर्म का एक डिमांड होता है वो कैसा होता है वो अनडिटर्माइंड होता है बिकॉज हम एक ओलिगोपोलिस्ट का नेचर नहीं बता सकते वो क्या करना चाहता है वो अनसर्टन है इसलिए जो डिमांड कर है, वो भी कैसा है स्टूडेंट वो भी हमारा इनडिटर्मिनेंट है ओके okay? अब हम पढ़ेंगे ओवरऑल कंपैरिजन किसके बीच में जो चार फॉर्म्स ऑफ मार्केट हमने पढ़े हैं उनके बीच में राइट right? कौन कौन से स्टूडेंट्स वो चार फॉर्म्स ऑफ मार्केट परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली Right? राइट हमने, right? हमने उन सबको इंडिविजुअली पढ़ लिया हमने देख लिया कि इसका क्या मतलब होता है, है ना? अब हम देखते हैं एक ओवरऑल कंपैरिजन कि इन सबके बीच में कैसे हम इन सबको कंपेयर कर कर सकते हैं एक सेम बेसिस पर ठीक तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमने जो बेसिस लिए हैं उसमें फर्स्ट वाला है हमारा नंबर ऑफ सेलर्स ओके सो नंबर ऑफ सेलर्स स्टूडेंट्स परफेक्ट कंपटीशन में कितने कैसे नंबर ऑफ सेलर्स होंगे वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स राइट सो वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स ओके मोनोपोली में हमने यह देखा था कि एक सिंगल सेलर होता है ठीक एक कि, किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने वाले एक सिंगल सेलर होता है जिसके कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट्स भी नहीं होते हैं है ना तो मोनोपोली क्या हुआ मोनोपोली में हुआ हमारा सिंगल सेलर ओके देन मोनोपोलिस्ट कॉम्पिटिशन मोनोपोलिस्ट कॉम्पिटिशन में क्या था स्टूडेंट्स में था लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स राइट यहाँ सेलर्स थे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स थे है ना ओलिगोपोली ओलिगोपोली में क्या है स्टूडेंट्स ओलिगोपोली का मतलब क्या होता है फ्यू सेलर्स राइट सो ओलिगोपोली में कितने सेलर्स होंगे फ्यू लार्ज सेलर्स ओके फ्यू बिग सेलर्स फाइन किया जाता है इन चारों के अंदर परफेक्ट में हमने देखा था होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल करते हैं राइट right? हर एक प्रोडक्ट बिल्कुल सेम होगा होमोजीनियस का मतलब क्या हुआ शेप साइज कलर फ्लेवर एक्सेट्रा हर एक फीचर कैसा होगा एकदम सेम होगा ओके सो परफेक्ट कॉम्पिटिशन कैसा कॉम्पिटिशन है कैसे प्रोडक्ट सेल होंगे यहाँ पे होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल होंगे राइट मोनोपोली में, no right? में हमने देखा था कि एक सिंगल सेलर होता है एंड वो जो भी प्रोडक्ट सेल करता है उसके कोई सिंगल उसके कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होते मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में क्या था स्टूडेंट्स क्लोजली रिलेटेड बट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स राइट मतलब जो सारे हैं वो एक दूसरे से क्लोज रिलेशन में तो हैं बट स्टिल वो कैसे हैं डिफ्रेंशिएटेड है Differentiated. हम उनमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं मतलब कुछ ना कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि हम अलग अलग बता सकते हैं कि हमारे मोनोपोलिस्टिक कॉम्पनीशन के प्रोडक्ट्स ऐसे ऐसे हैं ओके okay? देन ओलिगोपोली ओलिगोपोली में स्टूडेंट्स हमने देखा था होमोजीनियस प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंशियटेड प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं राइट सो होमोजीनियस प्रोडक्ट्स जब होते हैं तो वैसी ओलिगोपोली को हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं प्योर ओलिगोपोली राइट एंड जब डिफरेंशियटेड प्रोडक्ट्स की हम बात करते हैं तो वो कैसी ओलिगोपोली होती है दैट इज डिफ्रेंशिएटेड ओलिगोपोली ठीक फिर क्या आया हमारा एंट्री एंड एग्जिट ऑफ दी फर्म्स एंट्री एंड एक्सिट ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हमने क्या देखा था राइट right? और उसमें फॉर्म जो है अब नॉर्मल प्रॉफिट या अब नॉर्मल लॉस नहीं इनकार करती है राइट right? क्यों नहीं करती है स्टूडेंट्स क्योंकि जब अगर परफेक्ट कॉम्पिटिशन में कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने लगता है तो न्यू फर्म्स भी एंटर कर देती है ये सोच के कि वहां पे बहुत प्रॉफिट हो रहा है तो हम भी जाएंगे हमारा भी प्रॉफिट अर्न करेंगे राइट इसलिए जब ज्यादा फर्म्स होती है तो क्या हो गया ज्यादा सप्लाई बढ़ गई एंड इन रिटर्न क्या हो जाता है प्राइस कम हो जाते हैं एंड जो प्रॉफिट होता है अब नॉर्मल नॉर्मल प्रॉफिट में चेंज हो जाता है राइट अगर यहाँ पे अब नॉर्मल लॉसेज इनकर होना स्टार्ट हो जाए तो क्या होगा जो फर्म्स है वो मार्केट को एग्जिट कर देंगी राइट फर्म सोचेंगे कि अब यहाँ पे लॉसेज इतने हो रहे हैं तो हम इस मार्केट को एग्जिट कर दें इसलिए जो अब नॉर्मल लॉसेज है वो वापस कहाँ चले जाएंगे वो नॉर्मल लॉसेज या नॉर्मल

अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे होंगे स्टूडेंट्स अगर एक फर्म ने कोई भी प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट किया तो वो प्रॉफिट अर्न करती ही जाएगी क्यों करती जाएगी क्योंकि वो अकेली एक सिंगल फॉर्म है जो कि एक प्रोडक्ट को सेल कर रही है जिसका कि क्लोज सब्सिक्यूट भी नहीं है राइट right? तो जो भी कंज्यूमर है वो उसी के प्रोडक्ट को परचेज करेंगे एंड इसके पास जो प्रॉफिट क्या है इंक्रीज होता जाएगा है ना और अगर ये अब नॉर्मल लॉसेज इनकर करना स्टार्ट कर दे तो ये लॉसेस ही लॉसेस में जाते जाएंगे ऐसा क्यों स्टूडेंट्स बिकॉज ये एग्जिट नहीं कर सकते अपने जो मार्केट है उसको okay? वो मोनोपोली से एग्जिट नहीं कर सकते इसके कारण क्या होता है कि अब नॉर्मल लॉसेज भी इनकर करने पड़ सकते हैं ओके मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में क्या है स्टूडेंट्स फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ठीक मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में हम देखते हैं कि जो फर्म्स हैं उनके पास फ्रीडम है कि आप एंटर कर सकते हो या फिर आप आप एग्जिट भी कर सकते हो एज यू विश तो ये जब फ्रीडम होती है स्टूडेंट्स तो हमें क्या पता है कि अब नॉर्मल प्रॉफिट एंड अब नॉर्मल वाली सिचुएशन नहीं आती है रेस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री ऑफ न्यू फॉर्म्स यहां पे जो एंट्री होती है वहां पे रेस्ट्रिक्शन होते हैं न्यू फॉर्म्स जो है वो एंटर नहीं कर सकती इजीली ठीक देन डिमांड कर्व परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हमने कैसा डिमांड कर्व देखा था स्टूडेंट्स हमने देखा था परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व मतलब वो कर्व कैसा होगा वो कर्व कुछ ऐसा था राइट right? ये जो कर्व है हमारा ये कैसा था कुछ इस टाइप का था ये प्राइस लाइन ऐसी थी एंड डिमांड जो है वो हमारी वो हमारी कुछ भी हो सकती है इस पर्टिकुलर प्राइस में ये क्या बता रही है कि आपकी जो प्राइस है वो कैसी है प्राइस है कॉन्स्टेंट प्राइजेस में कोई चेंजेस नहीं है एंड प्राइस पर आपकी डिमांड ज्यादा भी हो सकती है आपकी डिमांड कम भी हो सकती है तो परफेक्ट कंपटीशन में हम कैसा कर्व देखते हैं स्टूडेंट्स डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व क्यों होता है अंडर मोनोपोली तो उसका रीजन क्या है स्टूडेंट्स ठीक है आप एक सिंगल सेलर हो आप जो, जो प्राइस रखोगे वो आप रख सकते हो ये फ्रीडम है मोनोपोली को उसके प्रोडक्ट सेल करना है तो उसको प्राइजेस कम करने पड़ेंगे क्योंकि हमें पता है लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग क्या होता है लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग डिमांड तभी बढ़ती है जब प्राइजेस कम किए जाते हैं राइट तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का मतलब वो ये बता रहा है आपको कि अगर आपको आपकी डिमांड को बढ़ाना है तो आपको आपके प्राइजेस को कम करना पड़ेगा ओके इसलिए जो हमारा मोनोपोली के अंडर डिमांड कर्व होता है वो कैसा होता है वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है लेकिन लेस इलास्टिक होता है लेस इलास्टिक क्यों होता है स्टूडेंट्स बिकॉज इसके कोई क्लोज सब्सिट्यूट नहीं है राइट right? इसके कोई क्लोज सब्सिट्यूट नहीं है इसलिए अगर प्राइजेस में ज्यादा चेंजेस होंगे भी तो डिमांड में कम चेंजेस होंगे क्योंकि वो एक कंज्यूमर की मजबूरी बन जाएगी कि उसे पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंज्यूम करना पड़ेगा ओके okay? अगर उसे उस टाइप का कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिल सकता अगर उसे रेलवे से ट्रेन से ट्रेवल करना है तो उसको ट्रेन के टाइप का कुछ नहीं मिल सकता क्लोज सब्सिट्यूट नहीं मिलेगा फिर या तो आप बाय रोड जाओ या फिर बाय एयर जाओ वो आपकी चॉइस है लेकिन अगर आपको आपका मन है कि आप वो रेलवे ट्रैक से ट्रेवल करना चाहते हैं तो आपको रेलवे से ही ट्रेन से ही ट्रेवल करना पड़ेगा राइट तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कोई क्लोज सब्सिट्यूट नहीं है इसलिए इसकी डिमांड कैसी होती है लेस इलास्टिक होती है मतलब कि आप प्राइजेस में ज्यादा चेंजेस देख सकते हैं

मोर इलास्टिक क्यों है स्टूडेंट्स मोर इलास्टिक होने का रीजन इसलिए है क्योंकि यहां पे हम क्लोज सब्सटीट्यूट देख सकते हैं ओके okay? अगर एक किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज किए तो कंज्यूमर क्या सोचेगा वो दूसरे प्रोडक्ट पर चले जाएगा ओके तो यहाँ पे क्योंकि हम क्लोज सब्सिट्यूट देख सकते हैं इसलिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का जो डिमांड होता है वो मोर इलास्टिक होता है विथ चेंज विथ स्मॉल चेंज इन प्राइस देयर इज लार्ज चेंज इन डिमांड ओके ये बताता है हमें क्या हमारा मोर इलास्टिक डिमांड कर्व मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के अंडर ओके देन ओलिगोपोली ओलिगोपोली का डिमांड कर्व कैसा होगा स्टूडेंट्स इनडिटर्मिनट डिमांड कर्व डिमांड कर्व क्यों होता है ओलिगोपोली के अंदर वो इसका कारण ये है क्योंकि जो एक प्रोड्यूसर है जो एक फर्म है वो उसकी जो बिहेवियर है वो अनसर्टन है वो किस प्राइस पर कितना सेल कर दे या वो किस कम प्राइस कम करके ज्यादा सेल कर दे प्राइस कम करके कम सेल कर दे क्या और डिमांड्स वगैरह है तो जो एक प्रोड्यूसर का बिहेवियर है वो अनडिटरमाइंड है इसलिए जो उसका डिमांड होता है वो कैसा होता है वो इनडिटर्मिनेंट होता है ओके देन प्राइस प्राइजेस कैसे होता है हमारे इन चारों कॉम्पिटिशन के अंडर यूनिफॉर्म प्राइज एज एज ईच फॉर्म इज अ प्राइज टेकर देखते हैं स्टूडेंट्स एक यूनिफॉर्म प्राइस देखते हैं क्यों बिकॉज जो फॉर्म है वो क्या है, है okay. प्राइस टेकर है ओके यहाँ पे प्राइज मेकर कौन है स्टूडेंट यहाँ पर प्राइज मेकर है हमारी इंडस्ट्री राइट right? ओलिकोपोली में हम क्या देखते हैं कि इंडस्ट्री और फॉर्म अलग अलग चीज है तो यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन में हमारा जो इंडस्ट्री वो क्या है वो है हमारी प्राइस मेकर ओके okay? जो फॉर्म्स है वो क्या हुई स्टूडेंट्स वो हुई हमारी प्राइस टेकर राइट right? हमारी फॉर्म क्या हुई वो हुई प्राइस टेकर तो फर्म्स को सेम प्राइस रखना पड़ेगा जो भी इंडस्ट्री ने डिफाइन कर दिया है ओके अगर इंडस्ट्री ने बोला है टेन रुपीज प्राइस है तो जो फर्म्स है उन्हें टेन रुपीज रखना पड़ेगा बिकॉज अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन हमें पता है कि प्राइजेस कैसे होते हैं प्राइजेस कॉन्स्टेंट होते हैं प्राइजेस जो है वो इंडस्ट्री डिटरमाइन करती है फर्म्स को वही प्राइज लेने पड़ेंगे ओके देन मोनोपोली मोनोपोली में प्राइजेस कैसे होंगे या को कौन डिटरमाइन करता है यहाँ पे हमारी फॉर्म ही हमारी प्राइज मेकर है ओके okay. यहाँ पे हम मोनोपोली में क्या देखते हैं कि फॉर्म एंड इंडस्ट्री क्या होती है एक ही चीज होती है राइट फॉर्म एंड इंडस्ट्री एक ही चीज होती है एंड जो हमारी फॉर्म होती है वही हमारी प्राइज मेकर भी होती है ठीक शन इज पॉसिबल मोनोपोली के अंडर स्टूडेंट हमने पढ़ा था प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आई होप आप लोगों को याद होगा कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है राइट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के तीन टाइप्स होते हैं कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स वो पर्सन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्लेस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड यूज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन राइट हर एक अलग अलग सिनारियो के हिसाब से जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं जो हमारा मोनोपोलिस्ट होगा वो क्या करता है वो अलग अलग प्राइजेस दे देता है कि इस पर्टिकुलर प्राइस पे इस पर्टिकुलर पर्सन को या इस पर्टिकुलर प्लेस पर या इस पर्टिकुलर यूज के लिए हम हमारा प्रोडक्ट सेल करेंगे ओके देन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन ओवर है प्राइस ड्यू टू प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे क्या होता है मोनोपोलिस्टिक में स्टूडेंट्स पार्शियल कंट्रोल होता है फर्म्स का राइट right? फॉर्म्स के पास एक पार्शियल कंट्रोल होता है कि आप थोड़ा बहुत अपने हिसाब से प्राइजेस को डिटरमाइन कर सकते हैं ऐसा क्यों होता है बिकॉज इसके जो होते हैं वो कैसे होते हैं हैंट होते हैं राइट यहाँ पे हमें प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलता है मतलब कि हर एक प्रोडक्ट में कुछ अलग अलग फीचर्स हैं एंड हर एक प्रोड्यूसर उन फीचर्स के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत प्राइस अपने अकॉर्डिंग रख सकता है ओके तो कैसा फर्म के पास कैसा कंट्रोल है प्राइस के ऊपर पार्शियल कंट्रोल है ठीक देन ओलिगोपोली ओलिगोपोली में हमने क्या देखा ओलिगोपोली में हमने देखा प्राइस रिजिडिटी ड्यू टू ऑफ प्राइस वॉर ओके यहाँ पे ओलिगोपोली में हम देखते हैं कि प्राइस रिजिडिटी चलती है मतलब कि प्राइजेस तो सारे जो फर्म्स हैं वो लगभग आसपास सेम ही रखेंगे लेकिन यहाँ पे नॉन प्राइस कंपटीशन चलता है ओके okay? यहां पे प्राइस कंपटीशन नहीं करते हमारी जो फर्म्स है ओलिगोपोली के अंदर कैसी कंपटीशन करते, है? करते हैं नॉन प्राइस कंपटीशन करते हैं दैट इज वो वो कुछ कुछ इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर देंगे सेलिंग कॉस्ट में ज्यादा कॉस्ट इनकर कर लेंगे वो प्रमोशन के लिए कुछ कर लेंगे वो आफ्टर सेल सर्विस के लिए कर लेंगे या फिर ऐसा कुछ भी स्ट्रेटेजी वो लेकर आएंगे जिससे कि जो क्या है कंज्यूमर उनसे अट्रैक्ट हो उनकी फर्म से अट्रैक्ट हो ओके सो स्टूडेंट्स आई होप कि ये सारे जो हमने देखे हैं अभी तक जो हमारी कंपैरिजन देखे वो सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर है ठीक अब क्या हुआ सेलिंग कॉस्ट अब सेलिंग कॉस्ट कैसी होती है क्या परफेक्ट कॉम्पिटिशन कॉस्ट देखी थी स्टूडेंट्स हमने नहीं देखी थी वहां पे हमने क्या देखा था कि जो भी कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स हैं उनको परफेक्ट नॉलेज है राइट तो परफेक्ट नॉलेज है इसका मतलब क्या कि उनके कोई सेलिंग कॉस्ट इनकर नहीं करनी पड़ेगी नो सेलिंग कॉस्ट आर इनकर राइट

हाई हाई सेलिंग सेलिंग कॉस्ट कॉस्ट ओके मतलब कि ये लोग अपनी जो सेलिंग कॉस्ट है अपने जो प्रोडक्ट है उसको प्रमोट करने के लिए बहुत सारी सेलिंग कॉस्ट इनकर कौन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन देन ओलिगोपोली ओलिगोपोली में कैसी सेलिंग कॉस्ट होगी स्टूडेंट्स नॉन सॉरी सेलिंग कॉस्ट ओके सॉरी यूथ सेलिंग कॉस्ट यूथ सेलिंग कॉस्ट क्यों दिए स्टूडेंट्स क्योंकि हमने देखा है कि ओलिगोपोली में कैसा प्राइस चलता है नॉन प्राइस कंपटीशन चलता है राइट यहाँ पे हम ज्यादा प्राइस में कंपटीशन नहीं देखते ओलिगोपोली में नॉन प्राइस कंपटीशन देखते हैं तो वो जो नॉन प्राइस कंपटीशन है उसको पूरा कंप्लीट करने के लिए कुछ कॉस्ट भी तो लगेगी वो क्या होगी वो हमारी सेलिंग कॉस्ट होगी ओके okay? तो ओलिगोपोली में हमें यूज सेलिंग कॉस्ट देखने को मिलती है ओके देन लेवल ऑफ नॉलेज नॉलेज का लेवल कैसा होता है सारे हमारे firm, सारे हमारे फॉर्म्स ऑफ मार्केट में ओके okay? तो परफेक्ट वी नो परफेक्ट परफेक्ट में नॉलेज है हमारे बायर के पास और हमारे सेलर के पास ओके okay? तो ये क्या हुआ परफेक्ट नॉलेज मोनोपोली में क्या होता है स्टूडेंट्स मोनोपोली में इम परफेक्ट नॉलेज होता है एक जो कंज्यूमर होता है उसको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती है किसी भी एक प्रोडक्ट के बारे में या कभी ना कभी कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन देने के लिए कुछ ना कुछ कॉस्ट भी इनकर करनी पड़ती है हमारे मोनोपोलिस्ट को राइट right? तो यहाँ पे क्या देखते हैं हम इम्परफेक्ट नॉलेज देखते हैं देन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में क्या होता है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में भी इम्परफेक्ट नॉलेज है क्यों इम्परफेक्ट नॉलेज है स्टूडेंट्स ये शायद आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा क्यों है अगर आप लोगों ने मेरे थ्रू दिया हुआ होमवर्क किया होगा तो राइट right? मैं भूल ही नहीं हूँ कि मैंने आपको होमवर्क दिया है आप हो सकता है भूल गए होंगे लेकिन मैं नहीं भूली अगर आप लोगों ने वो होमवर्क अच्छे से किया होगा स्टूडेंट्स तो आपको पता होगा कि नॉलेज क्यों है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में राइट तो नॉलेज होता है हमारे में भी मतलब वो हमें ये बताता है कि हर एक बायर को और हर एक सेलर को पूरी मार्केट कंडीशन के बारे में एक एक चीज नहीं पता है ठीक एंड ओलिगोपोली में भी हम क्या देखते हैं ओलिगोपोली में भी हम देखते हैं कि बायर एंड सेलर के पास में कैसा नॉलेज होता है इम परफेक्ट नॉलेज होता है मतलब कि एक एक फीचर एक एक चीज नहीं पता होती है हर एक बायर को भी और हर एक सेलर को भी ओके हम करेंगे हमारे एनसीआरडी सॉल्यूशंस सोल्यूशन ओके किस चैप्टर के नॉन कंपिटेटिव मार्केट क्या पढ़ा था हमने नॉन कंपिटेटिव मार्केट में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि चार फॉर्म्स ऑफ मार्केट्स होते हैं स्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली परफेक्ट कंपटीशन, राइट ये चारों हमने पढ़े थे हमारे नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट्स में ओके okay, सो so अब हम देखते हैं कि इनके एन सॉल्यूशंस क्या होंगे ओके जो एनसीआरटी में हमारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके क्या आंसर्स हम लिखने वाले ओके सो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से वॉट वुड बी दी शेप ऑफ डिमांड कर्व सो दैट द टोटल रेवेन्यू करव इज ओके okay, एक पर्टिकुलर हमें क्वेश्चन दिया है उसके दो पार्ट्स हैं ओके हमें क्या बताना है डिमांड कर्व का क्या, क्या हमारा कैसा होगा अगर हमारा टोटल रेवेन्यू कर्व कैसा है पॉजिटिवली स्लोप्ड स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन अगर एक पॉजिटिवली स्लोप्ड स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है हमारा टी आर ओके तो हमारा डिमांड कर्व कैसा होगा हमें ये बताना है तो कैसा होगा स्टूडेंट्स डिमांड कर्व और ए आर करविलटली स्ट्रेट लाइन पैलर टू एक्स एक्सिस बिकॉज पॉजिटिवली स्लोप स्ट्रेट लाइन टी आर पासिंग थ्रू ओरिजन इंडिकेट्स दैट और कॉन्स्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट ओके सो डिमांड कर्व स्टूडेंट्स हमारा कैसा होगा डिमांड कर्व होगा हमारा हॉरिजोंटल स्ट्रेट लाइन पैलर टू एक्स एक्सिस क्यों होगा स्टूडेंट्स ये बिकॉज अगर कोई भी कर्व एक हमारा टोटल रेवेन्यू कर्व जो वो अगर यहाँ से पास हो रहा है और स्ट्रेट जा रहा है राइट right? ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है तो ये क्या बता रहा है कि हमारा जो एवरेज रेवेन्यू है वो कांस्टेंट है ओके okay? वो कांस्टेंट है इसीलिए ये जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन पर जा रहा है मतलब क्या हुआ जब हमारी वन यूनिट्स थी अब हम मान रहे हैं कि कितनी है प्राइस टेन रुपीज ओके सो टेन हो गई देन ट्वेंटी यूनिट्स पर सॉरी टू यूनिट्स पर ट्वेंटी रुपीज हो गई देन थ्री यूनिट्स पर कितनी हो गई थर्टी रुपीज हो गई तो ये क्या बता रहा है कि आपका जो प्राइज है वो क्या है कॉन्स्टेंट है कौन बता रहा है, ये? आपका जो positively straight line, TR curve है वो बता रहा है कि आपका जो ए आर है दैट इज आपकी जो प्राइस वो कैसी है वो कॉन्स्टेंट है इसका मतलब क्या हुआ आपका ए आर कर्व कैसा बनेगा स्टूडेंट आपका ए आर कर् कुछ ऐसा बनेगा राइट right? आपका ए आर कर्व कुछ ऐसा बनेगा एंड एआर कर्व भी हमारा क्या होता है हमारा डिमांड कर्व होता है तो हमारा डिमांड कर्व क्या होगा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैलर टू एक्स एक्सिस ओके क्या रीजन है उसका बिकॉज हमारा जो ए आर है वो कॉन्स्टेंट रहेगा इसलिए हमारी जो ए आर कर्व है वो कैसा हो रहा है वो हो रहा है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैलर टू एक्स एक्सेस ओके दे जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है हॉरिजोंटल लाइन ओके मतलब अब क्या हो गया जो हमारा टोटल रेवेन्यू वो कैसा हो गया एक हॉरिजोटल लाइन है मतलब क्या बता रहे टोटल रेवेन्यू क्या है अब आपका टोटल रेवेन्यू कॉन्स्टेंट है सेल करके मिला था ट्वेंटी रूपीज हमारा टोटल रेवेन्यू एन नंबर ऑफ यूनिट को सेल करके मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट जी हमें क्या बता रहा है कि आपका प्राइस कम हो रहा होगा राइट right. आपका जो प्राइस है वो कम हो रहा होगा तभी आपका टोटल रेवेन्यू सेम है राइट तो ये क्या हुआ हमारा प्राइस नीचे हमारी जो प्राइस लाइन है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, That is, ये क्या है, है। राइट हमारी प्राइस लाइन क्या हो गई डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गई प्राइस लाइन ही हमारी ए आर कर्व है एंड प्राइस लाइन क्या होती है हमारी डिमांड कर्व भी होती है राइट प्राइस लाइन क्या होती है हमारी डिमांड कर्व भी होती है तो ये क्या चीज हमें डिफाइन कर रहा है कि आपकी जो प्राइस लाइन है दैट इज आपका जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग है स्टूडेंट्स बिकॉज जो हमारा है 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 वो कैसा है? Constant है. अगर हमारा टी आर सेम है तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हमारी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे हमारी प्राइस डिक्रीज हो रही है तभी आपका जो टीआर है वो कैसा है वो सेम है ओके okay? तो ये कैसी लाइन बनेगी एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बनेगा अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ है तो हम इसे एक शेड्यूल के थ्रू देखते हैं ठीक हम क्या मान रहे हैं कि हमारा टोटल रेवेन्यू कितना है हमारा टोटल रेवेन्यू है ट्वेंटी रुपीज का ओके हमारा टोटल रेवेन्यू ट्वेंटी रुपीज का है एंड वो थ्रू आउट क्या रहेगा स्टूडेंट्स ट्वेंटी ही रहेगा क्वान्टिटी डिमांडेड या क्वान्टिटी सप्लाइड आई गेस ट्वेंट क्वान्टिटी सप्लाइड क्या होगी स्टूडेंट्स क्वान्टिटी सप्लाइड इंक्रीज हो रही है वन टू थ्री ओके अब हमारा ए आर क्या होगा दैट इज हमारी जो प्राइस है वो क्या होगी ट्वेंटी डिवाइडेड बाय वन कितनी हुई ट्वेंटी ट्वेंटी डिवाइडेड बाय टू टेन ट्वेंटी डिवाइडेड बाय थ्री सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स राइट एंड अगर एक और हम ले लें तो ट्वेंटी डिवाइडेड बाय फोर दैट इज फाइव रुपीज तो हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि हमारी जो ए आर है राइट right? हमारा जो ए आर है वो डिक्रीज हो रहा है हमारा ए आर डिक्रीज होता हुआ हमें दिख रहा है ट्वेंटी से टेन गया देन सिक्स पॉइंट सिक्स गया देन फाइव गया ये ए आर डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है ए आर इज इक्वल्स टू ए आर इज इक्वल्स टू क्या होता है ए आर इज इक्वल्स टू आर प्राइस होता है तो ये क्या बता रहा है कि आपका प्राइस डिक्रीज हो रहा है रेवेन्यू कैसा हमारा टोटल रेवेन्यू कैसा है कांस्टेंट है ओके okay? जब हमारा टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट होगा स्टूडेंट्स तभी तो वो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनाएगा मतलब कि अगर ये वाली सिचुएशन है तो इसका मतलब हमारा टी आर कैसा है हमारा टी आर है कॉन्स्टेंट राइट right? और हमने क्या देखा कि जब टी आर कॉन्स्टेंट रहता है तो प्राइजेस में क्या होता है प्राइजेस फॉल होते हमारे प्राइजेस फॉल हो रहे हैं जब इसे हम हमारे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो हमें ग्राफ कैसा मिलेगा कुछ ऐसा मिलेगा हमारा ए आर कर्व ठीक ए आर कर्व मतलब हमारी प्राइज लाइन एंड प्राइज लाइन का मतलब क्या होता है प्राइज लाइन हमारी डिमांड कर्व होती है ओके okay? तो आई होप अब आपको ये क्लियर होगा इस पर्टिकुलर शेड्यूल के थ्रू कि कैसे हमारा ए आर कैसे हमारा जो एआर है वो डिक्रीज हो रहा है राइट right? हमारी प्राइस कैसे डिक्रीज हो रही है ठीक सो so, ऐसे हम लिखने के सवाल हैं। डिमांड कर्व और एआर विल स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज हॉरिजॉन्टल टी आर

फ्रॉम दिस शेड्यूल प्रोवाइडेड बिलो कैलकुलेट टोटल रेवेन्यू डिमांड कर हमें बोला गया है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है टीआर कैलकुलेट करना है ओके ये बोला हमें टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करने का डिमांड करट करना है ठीक डिमांड करट करना है एंड

तो प्राइस लाइन क्या हमारी इज़ इक्वल्स टू आर तो हमें इन शॉर्ट कैलकुलेट क्या करना है हमें कैलकुलेट करना है हमारा ए आर ओके एम आर गिवन है एम आर से हमें टीआर कैलकुलेट करना है एंड टी आर की हेल्प से हमें क्या कैलकुलेट करना है हमारा ए आर कैलकुलेट करना है एंड देन स्टूडेंट्स हमें फाइनली क्या कैलकुलेट करना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करना है ठीक मतलब कि एक क्वेश्चन में हमें बहुत सारी चीजें दे दी है कैलकुलेट करने के लिए तो अब हम देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे एंड क्या हमारे आंसर्स आने वाले फाइन सो क्वांटिटी हमने स्टूडेंट्स ले लिए टू तक इस पर्टिकुलर स्लाइड पर है एंड जो बाकी सिक्स टू टेन की क्वांटिटीज होगी हमारी वो हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर हमें मिलेगी ओके क्वांटिटीज गिवन है गिवन है ठीक टी कैलकुलेट करना है तो अब टी को कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स टी क्या होता है TR होता है हमारा submission of MR, right? TR क्या होता है submission of MR. तो अब हम MR को sum up करेंगे and then हम को करेंगे क्या क्या निकालेंगे हमारा TR निकालेंगे. हमारा so ऊपर होगा वी डोंट नो वैसे भी एम आर जीरो पे तो जीरो ही होगा तो टेन हुआ हमारा टी आर राइट टेन क्या हुआ हमारा टी आर फॉर फर्स्ट क्वांटिटी ऑफ आउटपुट देन

अब हम इन फाइव यूनिट्स के क्या कैलकुलेट कर लेते हैं हम इन फाइव यूनिट्स का कैलकुलेट कर लेते हैं ए आर ठीक पहले हम फाइव यूनिट्स का हम कैलकुलेशन कर लेंगे फिर हम बाकी के जो बचे हुए हमारे यूनिट्स हैं क्वांटिटीज हैं उनको कैलकुलेट करेंगे सो so, टी निकल गया आप टी की हेल्प से ए निकालेंगे ए को कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स हम एआर को हम कैलकुलेट करते हैं टी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी राइट टी हमारे पास है क्वांटिटी हमारे पास है हमें क्या करना है हमें बस दोनों को डिवाइड ही तो करना है राइट right? बहुत ईजी है दोनों को डिवाइड करके हमारा क्या निकल जाएगा हमारा निकल जाएगा ए आर तो फर्स्ट यूनिट के लिए टेन डिवाइडेड बाय वन कितना हुआ टेन राइटीन डिवाइडेड बाय टू ओके सिक्सटीन डिवाइडेड बाय टू कितना होगा एट फाइन देन एटीन डिवाइडेड बाय थ्री ओके कितना हुआ सिक्स ट्वेंटी डिवाइडेड बाय फोर ये हमारे हमने कैलकुलेट कर दिए. Okay. था, था. थी, हमें बस दोनों को divide करना था. हमने क्या calculate कर लिया हमने कैलकुलेट कर लिया हमारा एवरेज रेवेन्यू ठीक अब स्टूडेंट्स इसके अलावा और क्या बोला था हमें हमें बोला था कि आपको क्या कैलकुलेट करना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करना है ओके okay. सो so, ऑफ डिमांड होती है चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इन मतलब कि हमारे पास होना चाहिए क्वांटिटी एंड प्राइस क्वांटिटी गिवन है प्राइस क्या हुआ ए आर राइट ए आर ही हमारा प्राइस होता है तो प्राइस क्या हुआ हमारा ए आर ठीक तो अब हमारे पास क्वांटिटी है प्राइस है, हम निकाल सकते हैं हमारा ईडी इजीली ओके तो फर्स्ट यूनिट पर हमारा ईडी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते स्टूडेंट्स बिकॉज हमें इसके ऊपर का कुछ भी नहीं पता है हम चेंज इन क्वांटिटी या चेंज इन पी भी निकालेंगे तो कुछ नहीं होगा जो हमारी क्वांटिटी है ये वाली ये क्या हो जाएगी ये हो जाएगी जीरो एंड जब जीरो को हम डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर से तो वो नंबर वो पर्टिकुलर इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते एंड वो अनडिफाइंड हो जाएगी इसलिए फर्स्ट पर कुछ भी नहीं है हमारी ठीक देन उसके बाद में क्या होगा उसके बाद में हम इससे कैलकुलेट करते हैं चेंज इन क्यू टू माइनस वन राइट अभी हमारी इनिशियल क्वांटिटी क्या है स्टूडेंट्स इनिशियल हमारी ये है न्यू क्वांटिटी हमारी ये है राइट सो क्यू वन माइनस क्यू किया हमने टू माइनस वन तो क्या आया वन दैट इज क्या है हमारा ये चेंज इन क्वांटिटी देन चेंज इन प्राइस ओके चेंज इन प्राइस क्या होगा स्टूडेंट्स ये हमारा इनिशियल प्राइस है ये हमारा न्यू प्राइस है राइट चेंज इन प्राइस एट माइनस टेन कितना आया वो टू आया ओके देन प्राइस पी हमारा इनिशियल पी क्या है स्टूडेंट्स हमारा इनिशियल पी है टेन तो टेन डिवाइडेड बाय क्यू इनिशियल क्यू क्या है स्टूडेंट्स इनिशियल क्यू है वन तो ये क्या आया वन राइट तो क्या आया हमारा वन अपॉन टू मल्टीप्लाई जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आंसर आया फाइव हमारा आंसर आया राइट right? ये फाइव क्या आया हमारा ईडी आया जब टू यूनिट्स क्वांटिटी है तब हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के आई फाइव आई ओके नाउ स्टूडेंट्स आप लोग बोल रहे होंगे कि मैम ये जो पी है चेंज इन पी वो माइनस में आएगा राइट बिकॉज हमने एट माइनस टेन किया है तो वो माइनस आना चाहिए तो ये स्टूडेंट्स वो माइनस आना चाहिए लेकिन हमें पता है कि हम इलास्टिसिटी में जो माइनस का साइन होता है उसे इग्नोर करते हैं राइट right? उसे क्यों इग्नोर करते हैं बिकॉज हमें पता है कि जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछा है तो वो माइनस होगी बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी राइट पर उस माइनस के साइन को हम इग्नोर करते हैं यह चीज हमने पढ़ी है हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ठीक तो इस पर्टिकुलर की हमारी इलास्टिसिटी निकल गई फाइव ओके अब हम नेक्स्ट की इलास्टिसिटी फाइंड आउट करते हैं अब हमारे क्यू क्यू वन एंड पी पी वन चेंज हो जाएंगे अब क्यू क्या हो गया स्टूडेंट्स क्यू हो गया हमारा टू यूनिट क्यू वन दैट इज न्यू क्वान्टिटी डिमांडेड कितनी हुई थ्री यूनिट्स की ओके इनिशियल प्राइस कितना स्टूडेंट एट रुपीज का एंड न्यू प्राइस कितना हुआ हमारा न्यू प्राइस हुआ हमारा सिक्स रुपीज का ओके okay. सो so, अब चेंज इन क्यू क्या होगा थ्री माइनस टू वन हमारा चेंज इन क्यू है ओके चेंज इन पी क्या होगा स्टूडेंट्स सिक्स माइनस एट ओके टू आया सिक्स माइनस एट टू आया इनटू इनिशियल पी राइट पी क्या है हमारा एट है तो एट एंड क्यू क्यू क्या है स्टूडेंट्स क्यू है हमारा टू ओके okay? ये हमने पुट किए इसको जब हमने सॉल्व किया तो क्या हमारा answer? हमारा answer आया हमारा आंसर हमारा आंसर आया टू राइट जब हम इस पर्टिकुलर को सॉल्व करेंगे सिंपलीफाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा टू आएगा आई होप आप लोगों को पता होगा इसे सिंप्लीफाई कैसे करना है राइट right? पहले टू एंड एट को कट किया कैंसिल किया देन एंड टू को कैंसिल किया तो क्या आंसर आ गया टू आ गया हमारा ठीक तो ये आ गई हमारी नेक्स्ट की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अब ये सेम प्रोसीजर हम सब में करेंगे अब हमारा क्यू क्या बन गया हमारी इनिशियल क्वांटिटी बन गई थ्री न्यू क्वांटिटी बन गई हमारी फोर ओके इनिशियल प्राइस क्या बन गई स्टूडेंट सिक्स एंड न्यू प्राइस क्या बन गई हमारी फाइव ओके

जब हमने इस पर्टिकुलर को सॉल्व किया तो ये हमारा आंसर आ गया 2 टू ओके तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हुई हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हुई 2 राइट right? अब हमें नेक्स्ट की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करना है फिर से हम चेंज कर देंगे ये वो बन गया हमारा q एंड ये बन गया हमारा q1 राइट right? p क्या हो गया अब हमारा अब हमारा p बन गया ये एंड p1 बन गया ये ओके okay? चेंज इन क्यू चेंज इन क्यू गया स्टूडेंट फाइव माइनस फोर पॉइंट फाइव माइनस फाइव कितना होगा वो पॉइंट फाइव ओके देन पी पी कितना है स्टूडेंट पी है हमारा फाइव रुपीज का तो पी हमने क्या पुट किया फाइव देन क्यू क्यू कितना है स्टूडेंट्स फोर यूनिट्स का तो क्यू हमने पुट किया ओके okay. जब इस पर्टिकुलर को सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया 2.5 okay. 2.5 ओके क्या हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ओके okay. तो स्टूडेंट्स ये हमने क्या कैलकुलेट कर ली ये हमने एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कर ली हमारी फाइव यूनिट्स की ओके okay? जो पहली फाइव यूनिट्स थी उसके लिए हमने कैलकुलेट कर ली टीआर हमें कैलकुलेट करने को बोला था ए आर का मतलब होता है हमारा डिमांड कर्व तो वो हमने कैलकुलेट किया एंड हमने हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट किया ठीक अब हम जो बाकी के हमारे बचे हुए यूनिट्स हैं उनके हम कैलकुलेशन करेंगे ओके तो ये क्या है स्टूडेंट्स? ये है हमारी क्वांटिटी ओके ये है हमारा एम आर ये क्या है हमारा टी आर देन वी हैव ए आर और ये है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ओके ईडी तो अब TR को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे Last TR क्या था हमारा? कितना आया ट्वेंटी टू okay? फिर से ट्वेंटी टू प्लस जीरो ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी टू प्लस माइनस फाइव ट्वेंटी टू प्लस माइनस फाइव क्या होगा ट्वेंटी टू माइनस फाइव तो वो क्या आया हमारा सेवेंटीन दैट इज अपना टी आर ओके सो सिक्स एट एंड नाइन यूनिट्स के लिए जो टी आर है वो हमने कैलकुलेट कर दिया टी okay? आर को कैलकुलेट करना बहुत ही ईजी है कुछ नहीं करना होता हमें हमें बस हमारे एम आर का सबमिशन करना होता है राइट right? तो अब टी आर हो गया अब हमें क्या कैलकुलेट करना है ए आर ओके हमारी जो एवरेज रेवेन्यू है वो हम कैलकुलेट करेंगे सो एवरेज रेवेन्यू कैसे करेंगे स्टूडेंट्स टी आर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी डिमांडेड ओके कितना हुआ .9. तो ये particular हमारे क्या कैलकुलेट हो गए स्टूडेंट्स ये कैलकुलेट हो गए हमारे एवरेज रेवेन्यू दैट इज हमारी प्राइस या फिर हमारा डिमांड कर्व हमने कैलकुलेट कर दिया ओके okay? नाउ हमें क्या कैलकुलेट करना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ठीक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन पी इनटू पी डिवाइडेड बाय क्यू राइट सो अब चेंज इन क्यू क्या होगा स्टूडेंट्स ये जो 6 है ये क्या है हमारा ये हमारा क्यू वन एंड ये जो थ्री पॉइंट है ये क्या है हमारा पी वन अब हमारे पी और क्यू क्या है स्टूडेंट्स वो हम लास्ट वाली स्लाइड में देख कर आते हैं ओके okay? Q क्या होगा हमारा Q होगा हमारा 5 एंड P1 कितना होगा 4.5 ओके सो अब हम पहले इसे नोट डाउन कर लेते हैं हमारा Q क्या है हमारा Q है 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 5 P P क्या 4.5 ओके, okay? ये दो नंबर्स हमने लास्ट वाली स्लाइड से अभी लेकर आए ठीक सो so, अब चेंज इन Q क्या होगा 6 माइनस फाइव दैट इज वन ओके चेंज इन P क्या होगा स्टूडेंट्स फोर पॉइंट फाइव ओके तो जब आप इसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा जीरो पॉइंट नाइन ओके इन टू पी क्या स्टूडेंट हमारा पी है तो ये हमने नोट डाउन किया एंड क्यू क्या है ओके okay. तो ये फाइव हमने नोट डाउन किया ये क्या बन गया हमारा ये बन गया हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू वन ओके जब उसे हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिली हमारी इलास्टिसिटी मिली जो कि कितनी हो गई वन हो गई है ओके okay? तो अब ये हमने कैलकुलेट कर लिया वैसे ही हम अभी जैसा अभी तक हम करते आ रहे थे वही हम सेम करते जाएंगे नीचे भी ओके okay? तो अब बाकी को कैसे कैलकुलेट करेंगे अब हम अब हमारे जो Q एंड P है वो चेंज हो जाएंगे Q1 वन एंड पी वन चेंज हो जाएंगे अब Q1 वन क्या हो जाएगा Q1 वन हो जाएगा ये Q हो जाएगा ये राइट right? P1 होगा ये एंड P होगा ये ठीक नाउ चेंज इन क्यू सेवन माइनस सिक्स दिया चेंज इन पी पी वन माइनस पी राइट थ्री पॉइंट सिक्स किया एंड क्यू कितना स्टूडेंट सिक्स ओके तो ये सिक्स हमने पुट किया जब हम इस सबको सोल्व करेंगे तो क्या आएगी हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आएगी जो कितनी आई वन पॉइंट टू ओके अब फिर से हमारे Q एंड P चेंज हो गए राइट right? फिर से क्या हो गया हमारे Q एंड P चेंज हो गए अब P बना ये एंड P1 बन गया ये राइट right? अब Q हो गया ये एंड Q1 हो गया ये ओके okay? अब इसकी हम इलास्टिसिटी कैलकुलेट करेंगे Q1 वन माइनस क्यू क्या हो गया चेंज इन क्यू कितना हो गया एट माइनस सेवन दट इज वन ओके

Q1 क्या बन गया नाइन यूनिट्स ओके P क्या हो गया स्टूडेंट्स P हो गया 2.7 पॉइंट सेवन एंड पी क्या हो गया हमारा 1.9। ओके, okay. सेम प्रोसीजर। माइनस टू पॉइंट सेवन जीरो पॉइंट एट ओके मल्टीप्लाइड बाय पी कितना है टू पॉइंट सेवन एंड क्यू कितना है स्टूडेंट्स? एट ओके तो जब हमने इस पर्टिकुलर को सॉल्व किया तो क्या मिली हमें जीरो पॉइंट थ्री एट जीरो पॉइंट थ्री एट क्या है स्टूडेंट जीरो पॉइंट थ्री एट है हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ओके एंड इसी के साथ में हमने क्या किया हमने हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर दिया ओके आई होप स्टूडेंट्स से आप लोगों को क्लियर होगा कि हमने क्या कैलकुलेट किया है कैसे कैलकुलेट किया है बिकॉज ये सारी चीजें हम ऑलरेडी कैलकुलेट करना सीख चुके हैं राइट हमें पता है कि हमें टीआर को कैसे कैलकुलेट करना होता है With the help of MR and then AR को कैसे कैलकुलेट किया जाता है एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को भी कैलकुलेट करना हमें आता है ओके okay? ना हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट इज दैल्यू ऑफ दर वेन द डिमांड कर्व इज इलास्टिक ओके अब क्या बोला है हमें कि आप हमें बताइए कि एम आर की वैल्यू क्या है जब हमारा डिमांड कर्व कैसा है डिमांड कर्व इलास्टिक है ओके okay? Elastic है का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स कि आपका जो डिमांड कर्व है वो एक है, right? है. कुछ ऐसी बनेगी हमारे रहते हैं, तो हमारा एम आर कैसा रहता है हमारा एम आर भी हमारे प्राइस के बराबर होता है राइट right? हमने ये चीज पढ़ी है कि जब हमारे प्राइजेस कॉन्स्टेंट रहते हैं तो हमारा जो एम आर होता है वो कैसा होता है वो हमारे प्राइस के बराबर होता है ठीक और हमें क्या बोला है हमें बोला है कि आपका जो डिमांड कर्व है वो कैसा है इलास्टिक है तो इलास्टिक डिमांड कर्व में हमें कुछ ऐसा ही कर्व देखने को मिलता है राइट तो इस सिचुएशन में क्या हुआ इस सिचुएशन में ये हुआ कि आपका प्राइस और आपका एम कैसा है इक्वल है ओके तो अब हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर करते हैं क्या पूछा जा रहा है हमसे कि आपकी जो एम है उसकी क्या वैल्यू होगी अगर आपका डिमांड कर्व इलास्टिक है तो

एमआर हमारा पॉजिटिव रहेगा कब तक जब तक हमारा प्राइस पॉजिटिव है ओके okay? एंड हमें पता है प्राइस नेगेटिव में तो जाएंगे नहीं तो हमारा प्राइस भी पॉजिटिव है इन इसका जो रिएक्शन है वो क्या हो रहा है इसका इफेक्ट क्या हो रहा है इसका इफेक्ट हो रहा है कि हमारी जो एमआर है वो भी पॉजिटिव है ओके okay? इसे अगर हम एक पर्टिकुलर डिमांड कर्व पर डिफाइन करना चाहे तो कैसा होगा एडी इज मोर देन 1 आ रहा है ओके okay? सो डिमांड कर्व इज इक्वल्स टू ए आर कर्व होता है वो हमें पता है तो हमारा एम आर क्या होगा हमारा एम आर भी पॉजिटिव रहेगा जब तक हमारा ए आर पॉजिटिव रहेगा ठीक तो क्या वैल्यू होगी हमारे AR की stud, की स्टूडेंट्स विल बी पॉजिटिव वेन प्राइज इज पॉजिटिव ओके नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ अ मोनोपोली फर्म हैज अ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ रुपीज हंड्रेड एंड हैज द फॉलोइंग डिमांड शेड्यूल अब हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स टोटल फिक्स कॉस्ट गिवेन है हंड्रेड रुपीज की एंड एक डिमांड शेड्यूल गिवन है उसमें हमें क्वान्टिटी एंड प्राइजेस गिवेन है ओके okay? अब हमें करना है क्या है फाइन रन इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी प्राइज एंड टोटल प्रॉफिट हमें क्या निकालना है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम प्राइज क्वान्टिटी एंड टोटल प्रॉफिट वॉट वुड बी द इक्विलिब्रियम इन द लॉन्ग रन और लॉन्ग रन में क्या इक्विलिब्रियम होगा वो बताना है इन केस दोटल कॉस्ट वॉज रुपीज था इक्विलीबरियम इन शॉर्ट रन एंड एन लॉन्ग रन ओके अब हमें क्या बोला गया है कि मान लीजिए कि आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो थाउजेंड रुपीज है तो अगर थाउजेंड रुपीज आपकी टोटल कॉस्ट है तो फिर आपका इक्विलीब्रियम और शॉर्ट रन इक्विलीब्रियम क्या होगा शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में ओके okay? तो अब हम देखते हैं इसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ठीक पहले हमारे पास क्या गिवन है स्टूडेंट क्वान्टिटी गिवन है प्राइस है एंड टोटल फिक्स गिवन है रुपीज हंड्रेड की okay. ये सारी हम करेंगे, हमारा करेंगे. Okay. फिर हम देखेंगे कि कैसे हमारी पोजीशन हम बता सकते हैं तो स्टूडेंट्स क्वांटिटी गिवन थी हमारे पास में प्राइजेस की बनते हैं ओके इन दोनों को मिला के हमने क्या कैलकुलेट कर लिया हमने कैलकुलेट कर लिया हमारा टी आर टीआर को कैलकुलेट करना क्यों है बिकॉज हमें हमारा प्रॉफिट बताना है ओके इसलिए हमने हमारा टीआर कैलकुलेट किया टीआर को कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स क्वांटिटी इनटू प्राइस ओके हमें पता है कि टीआर को कैसे कैलकुलेट करते हैं क्वांटिटी कितनी आप सप्लाई कर रहे हो और किस प्राइस पे कर रहे हो दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो तो आपका टीआर निकल जाएगा ओके सो टी आर निकालते हैं हम पहले तो टीआर क्या है हमारा वन इंटू हंड्रेड दैट इज हंड्रेड टू इंटू नाइनटी वन एट्टी थ्री इंटू एटी टू फोर्टी फोर इंटू सेवेंटी टू एट्टी एंड फाइव इंटू सिक्सटी दैट इज थ्री हंड्रेड ठीक ये हमारा टोटल रेवेन्यू गिवन है हमारे पास में ओके मतलब हमने कैलकुलेट कर लिया विद दी हेल्प ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी नाउ स्टूडेंट्स टोटल फिक्स कॉस्ट हमें पता है हंड्रेड रुपीज की ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था पहले ही कि आपकी जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो कितनी है हंड्रेड रुपीज की ओके टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बारे में हमें कुछ भी गिवन नहीं है ओके okay, हमें कुछ भी गिवन नहीं है हमारे टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बारे में तो हमने क्या किया उसे जीरो मान लिया ठीक तो अब हमारा टोटल कॉस्ट कितना निकला स्टूडेंट्स टोटल कॉस्ट क्या होता है टीएफसी प्लस टीवीसी राइट जब आप टीएफसी और टीवीसी को ऐड करते हो तो आपको क्या मिलता है तो आपको मिलता है टीसी राइट right? तो हमने 100 में जीरो का एडिशन किया तो हमें क्या मिलेगा 100 मिलेगा ये क्या निकली है? हमारी टोटल कॉस्ट निकली ओके okay? टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है हमें ओके सो टोटल प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं टी आर माइनस टीसी सी राइट टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट करके हमारा टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं हम ओके सो टोटल प्रॉफिट कितना होगा हमारा हंड्रेड माइनस हंड्रेड कितना हुआ जीरो वन एट्टी माइनस हंड्रेड एट्टी टू फोर्टी माइनस हंड्रेड वन फोर्टी टू एट्टी माइनस हंड्रेड वन एट्टी 300, minus 100, 200, okay? ये ये निकले हमारे ये particular निकले हमारे टोटल इस यूनिट्स के लिए okay? अभी जो यूनिट्स है वो हम हमारे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे इस पांच यूनिट्स के लिए वो हमारा टोटल प्रॉफिट निकला है ओके okay? तो हमने क्या कैलकुलेट किया हमने कैलकुलेट किया हमारा टी आर एंड हमारा टीसी बिकॉज हमें क्या चाहिए था हमें चाहिए था हमारा टोटल प्रॉफिट एंड हमें क्या बोला गया है हमें ये भी बोला गया है कि आपको इक्विलिब्रियम बताना है राइट right? तो इक्विलिब्रियम हम किसके हेल्प से बता रहे हैं हम बता रहे टी आर एंड टी सी के अप्रोच से हम अपना इक्विलिब्रियम भी बता देंगे पहले हम सारे कैलकुलेशन कर लें फिर हम बताएंगे कि हमारा इक्विलिब्रियम क्या है ओके okay? सो so अब जो हमारे रिमेनिंग स्टूडेंट्स वो हम फाइंड आउट करते हैं ये क्या है हमारी ये हमारी क्वांटिटी ये हमारी प्राइस ये निकला हमारा टोटल रेवेन्यू ये है हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ये है हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट देन कम्स टोटल कॉस्ट और ये क्या है हमारा प्रॉफिट ओके ये क्या है टोटल प्रॉफिट ठीक सो सबसे पहले टी आर का कैलकुलेशन करेंगे टी आर क्या होगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन राइट तो सिक्स इंटू फिफ्टी थ्री हंड्रेड सेवन इंटू फोर्टी टू एट्टी एट इंटू थर्टी टू फोर्टी ओके 10 10, okay? ये क्या निकले, हमारे? ये निकले हमारे नहीं तो टोटल कॉस्ट कितना होगा जीरो हंड्रेड प्लस जीरो हंड्रेड हंड्रेड प्लस जीरो हंड्रेड तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी हंड्रेड रुपीज की नाउ प्रॉफिट कितना होगा स्टूडेंट्स प्रॉफिट क्या होता है हमारा TR -TC, right? so, TR हमने कैलकुलेट कर लिया TC हमने कैलकुलेट कर लिया अब हम क्या बताएंगे हमारा टोटल प्रॉफिट कितना होगा सो थ्री हंड्रेड माइनस हंड्रेड टू हंड्रेड टू एट्टी माइनस हंड्रेड वन एट्टी टू फोर्टी माइनस हंड्रेड वन फोर्टी वन एट्टी माइनस हंड्रेड एट्टी एंड हंड्रेड माइनस हंड्रेड जीरो ओके हमने कैलकुलेट कर लिया हमारे प्रॉफिट पूरे TR एंड टी सी के अप्रोच से अब हम क्या बताएंगे अब हम बताएंगे कि हमारा प्रॉफिट सॉरी इक्विलीब्रियम कहाँ होगा शॉर्ट रन इक्विलीब्रियम एंड लॉन्ग रन लॉन्ग रन इक्विलीब्रियम कहां पे होगा ओके okay? तो अब हम पहले देखते हैं टी आर के अप्रोच से हमारा कहाँ होने वाला है इक्विलीब्रियम ओके सो लेट दी टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द मोनोपोलिस्ट फर्म इज जीरो हमने क्या माना था कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है जीरो है देन

तो अब हम पहले तो देखते हैं कि हमारा टोटल रेवेन्यू पे मैक्सिमम है ये जो थर्ड लाइन है स्टूडेंट्स ये हमारी क्या है टोटल रेवेन्यू की लाइन है ओके तो इस लाइन में ये फिफ्थ यूनिट पर क्या है थ्री हंड्रेड हमारी टोटल रेवेन्यू है सबसे ज्यादा एंड यूनिट पर भी ये वाली जो लाइन है ये टोटल रेवेन्यू की इसमें थ्री हंड्रेड सिक्स यूनिट पर सबसे ज्यादा हमारा टोटल रेवेन्यू ओके अब हम प्रॉफिट देखते हैं स्टूडेंट्स ओके प्रॉफिट हमारी लास्ट वाली लाइन है प्रॉफिट सिक्स यूनिट पर कितना है 200 यूनिट्स का एंड प्रॉफिट हमारा फिफ्थ यूनिट पर कितना है वो भी 200 यूनिट्स का ही है ओके okay. तो हम क्या मान रहे हैं कि ये जो हमारी पर्टिकुलर है वो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है क्यों बिकॉज़ इसके बाद में हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा है कम हो रहा है राइट right? तब तो हमारा प्रॉफिट कांस्टेंट था फिफ्थ एंड सिक्स्थ में तो हमारा प्रॉफिट कांस्टेंट था लेकिन अब हमारा प्रॉफिट इस पॉइंट के बाद में रिड्यूस होने लग गया है मतलब कि ये वाला जो है ये क्या है हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है ठीक तो मैक्सिमम प्रॉफिट है मतलब कि ये वाली जो लाइन है हमारी सिक्स यूनिट्स जब हम सिक्स uh, यूनिट्स जब सेल करेंगे तो जो ये हमारा टोटल रेवेन्यू वो कैसा है वो मैक्सिमम है ओके okay? हमारा टोटल रेवेन्यू कब मैक्सिमम है स्टूडेंट्स जब हम सिक्स यूनिट सेल करेंगे किस प्राइस पर फिफ्टी रुपीज पर ओके तो हमारा क्या होगा हमारा होगा टी आर मैगजिम ठीक अब हमें आगे क्या बोला जा रहा है कि इक्विलिब्रियम प्राइस होगा, होगा हमारा फिफ्टी क्यों फिफ्टी होगा बिकॉज अकॉर्डिंग टू टी आर एन टी सी अप्रोच जहां पर हमारा टी आर मैग्जिम हो वो क्या होता है वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है राइट तो फिफ्टी जो रुपीज है वो हमारा इक्विलीब्रियम प्राइस हो जाएगा ओके सो so प्रॉफिट कितना हो गया उस पॉइंट पर टी आर माइनस टी से प्रॉफिट अभी हम देख के आए थे कि सिक्स यूनिट पे टू हंड्रेड रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है ठीक अब हमें क्या बोला था क्वेश्चन में कि अगर आपका जो टोटल कॉस्ट है वो थाउजेंड रुपीज का हो जाए तो फिर आपका इक्विलिब्रियम कहा होगा राइट टोटल कॉस्ट इज रूपीज थाउजेंड देविलीब्रियम विल बी एट अर द डिफरेंस बिटवीन टीआर टीसीमम ठीक कहां पे equilibrium point students? उस प्लेस पर जब हमारा टी और टी क्या है मैग्जिम है ओके टी आर एंड टी कैसे हो गए मैक्सिमम उनके बीच का डिफरेंस मैक्सिमम हो गया ठीक उस पॉइंट पर क्या होगा हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा सो टी आर इज मैग्जिम एट सिक्स्थ लेवल ऑफ आउटपुट TR सबसे ज्यादा कहां पे स्टूडेंट टी आर सबसे ज्यादा है हमारे sixth unit of output पर हमने right? हमने अभी calculate, अभी हमने determine किया था कि जब unit sell होती है तो हमारा जो TR होता है जो हमारा टोटल रेवेन्यू होता है वो उसके मैक्सिमम पर होता है राइट सो सिक्स यूनिट पर स्टूडेंट हमारा टी आर कितना है थ्री हंड्रेड रुपीज का है एंड हमारा टोटल कॉस्ट कितना है हमारा टोटल कॉस्ट का ये वाला वो है ये वाली जो पर्टिकुलर लाइन है वो हमारी टोटल कॉस्ट की ओके टोटल कॉस्ट इसमें तो हंड्रेड है लेकिन हमारे पास अभी सिचुएशन कुछ अलग है राइट हमारे पास सिचुएशन क्या है स्टूडेंट हमारे पास सिचुएशन ये है कि आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो क्या है थाउजेंड रुपीज की है ठीक आपकी टोटल कॉस्ट कितनी है थाउजेंड रुपीज की है तो प्रॉफिट कितना होगा थ्री हंड्रेड माइनस थाउजेंड दैट इज सेवन हंड्रेड रुपीज का हमारा प्रॉफिट होगा ओके okay? द फर्म इज अर्निंग लॉसेज एंड नॉट प्रोफिट एज दोनोपोलिम इज इनिंग स्टॉप इट्स इन दाइनस सेवन हंड्रेड माइनस क्या डिफाइन कर रहे स्टूडेंट माइनस डिफाइन कर रहे हैं कि आपकी जो फर्म है वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही है वो क्या इनकर कर रही है वो लॉसेज इनकर कर रही है एंड जब आपकी फर्म लॉस इनकर कर रही है तो फिर वो प्रोडक्शन नहीं करेगी राइट वो अपना प्रोडक्शन रोक देंगी क्योंकि जब लॉसेस हो रहे हैं तो इस पॉइंट के बाद में कोई भी फर्म प्रोडक्शन करना नहीं चाहेगी राइट सो so स्टूडेंट्स जो 300 हमने टोटल रेवेन्यू निकाला था अपना इक्विलिब्रियम का राइट तो वो क्या था हमने शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में निकाला था कि जब थ्री हंड्रेड का टोटल रेवेन्यू जनरेट होगा तो हमारी जो फर्म है वो उसके शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम पर होगी ठीक तो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में अगर हमारा जो टोटल कॉस्ट वो रुपीज हो जाए, ओके, okay? तो आ, अब कितना प्रॉफिट इनकर कर, तो कर रही है इसका मतलब क्या उसने शॉर्ट रन में ही लॉसेज इनकर कर रही है तो इसके बाद में जो आपकी फर्म है वो कोई प्रोडक्शन नहीं करेगी क्यों नहीं करेगी स्टूडेंट्स बिकॉज वो माइनस सेवन हंड्रेड राइट मतलब वो लॉस इनकर कर रही है शॉर्ट रन में तो लॉन्ग रन में वो प्रोडक्शन ही स्टॉप कर देगी तो लॉन्ग रन में हमारा कोई इक्विलिब्रियम हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते ओके आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था बहुत सारे एक साथ में उन्होंने पूछ लिए थे हमसे एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन तो थोड़ा लेंदी भी हो गया वो और थोड़ा सा ट्रिकी भी हो गया है बट आई गेस ये आप लोगों को क्लियर होगा

कि आपको वो प्राइस एक्सेप्ट करना है जो हम आपको देंगे ओके okay? मतलब कि अब फर्म को क्या बना दिया अब फर्म को बना दिया प्राइस टेकर प्राइस मेकर मेकर कौन बन गया? मेकर बन गया स्टूडेंट्स प्राइस गई हमारी गवर्नमेंट तो प्राइस टेकर एक फर्म किस सिचुएशन में होती है जब वो एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर होती है राइट right? तो अब जो हमारी फर्म है वो क्या हो गई है वो एक परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट की फर्म बन चुकी है ओके okay?

इन दिस केस प्राइस फिक्स किया गया है PE. Okay? ये किसने फिक्स किया है स्टूडेंट गवर्नमेंट ने फिक्स किया है ये क्या equate कर देगा हमारी डिमांड एंड सप्लाई को इक्वेट कर देगा मतलब कि इस पर्टिकुलर प्राइस पे हमारी डिमांड और सप्लाई क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी एक दूसरे के तो ये जो जहां पे ये हमारी डिमांड और सप्लाई इक्वल होगी वो उस पॉइंट वो एक इक्विलीब्रियम पॉइंट होगा और उसको हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं एक कैपिटल ई से डिफाइन कर रहे हैं एट दी प्राइस पी द फर्म अर्न नॉर्मल प्रॉफिट दैट इज जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट ओके इस पॉइंट पॉइंट पर PE पर जो हमारी फर्म है वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है मतलब कि ना वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है ना वो लॉस अर्न कर रही है इतना प्रॉफिट है इतना रेवेन्यू वो अर्न कर रही है कि वो अपनी जो फंक्शनिंग है वो कंटिन्यू रख सके ओके okay? तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो गई हमारी हो गई पीई

इक्विलिब्रियम लेवल हो गया ठीक और इस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम के जो जो हमारी है, that is ये जो हमारी प्राइस है है दैट इज ये ये क्या हो गई ये हो गई हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस राइट ये क्या है हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इसके करस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी डिमांडेड है राइट क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड है वो क्या हो गई ये क्यों क्या हो गई स्टूडेंट्स ये हो गई हमारी okay. क्वांटिटी ठीक एंड इस केस में जो हमारे प्रॉफिट है वो कैसे हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट है मतलब कि इस फॉलोइंग केस में जो हमारी फर्म है वो अब नॉर्मल प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकती है ठीक तो हमारे प्रॉफिट किसके इक्वल हो गए स्टूडेंट्स हमारे प्रॉफिट हो गए हमारे नॉर्मल प्रॉफिट के इक्वल में ओके okay, तो हमें बोला गया था कि एक ऐसी फॉर्म में आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होगी और प्रॉफिट्स कितना होगा तो वो हमने बता दिया कि वो कितना होगा जब आपकी डिमांड एंड सप्लाई इक्वल होती है तो वो कैसे हम डिटरमाइन करते हैं ठीक आई होप स्टूडेंट्स ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको क्लियर होगा एंड इसके पहले वाले भी सारे क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे सो so, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कमेंट ऑन दी शेप ऑफ कर्व इन केस दी आर हमें क्या है students? हमें बोला है कि आपको एम आर का शेप बताना है अगर आपका टी आर कर्व कैसा है पॉजिटिवली स्लोप स्ट्रेट लाइन है या फिर हॉरिजोंटल स्ट्रेट लाइन है स्टूडेंट्स ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है right? राइट ये ऐसा क्वेश्चन हमने फर्स्ट वाला भी देखा था क्या कुछ ऐसा ही था माइड भी आपके जो एनसीआर टी वाले उनसे कुछ मिसप्रिंट हो गया होगा या फिर कुछ माइन्यूट सा डिफरेंस होगा दोनों क्वेश्चन में लेकिन दोनों का मतलब एक ही हो रहा है राइट वहां पे हमें बोला गया था कि आप डिमांड कर्व बताइए कि डिमांड कर्व कैसा है यहाँ पे हमें बोला है एम कर्व कैसा है राइट आप लोगों ने मेरी बात मान ली मैंने बोला कि सेम हो गए तो आपने बोला हाँ सेम हो गए सेम नहीं हुए स्टूडेंट्स वहां पे हमसे पूछा था कि आपके डिमांड कर्व का शेप बताइए

फिर वो 10 से बड़ा फिर वो 10 से बड़ा फिर वो 10 से बड़ा तो ये क्या बता रहा है कि आपका एमआर क्या होगा आपका एमआर 0 होगा राइट क्यों बिकॉज़ ये 10 से बढ़ रहा है ये पहले कितना था ये पहले था 10 देन हुआ 20 देन हुआ 30 देन हुआ 40 इसके बीच का डिफरेंस क्या है 10 10 एंड 10 क्या हुआ ये

जो स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल पेलर टू एक्स एक्सक्सेज बन रही है क्या है आपकी एम आर क्यों कॉन्स्टेंट क्यों है क्योंकि आपका टी आर पॉजिटिवली स्लोप्ड स्ट्रेट लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है मतलब वो वो क्या बता रहा है कि वो एक नंबर से बढ़ रहा है ओके सो एम आर विल बी अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैलर टू एक्स एक्सेज बिकॉज पॉजिटिवली स्लोप्ड और बिकॉज टी आर इज पॉजिटिवली स्लोप्ड एट एवरी लेवल ऑफ आउटपुट ओके

टेन रुपीज पर हमारा टी आर क्या हो गया Constant हो गया। मतलब कि हर एक लेवल पर हमारा एम आर हुआ हमारा जीरो, MR जीरो क्यों हुआ स्टूडेंट बिकॉज हमारा टी आर कॉन्स्टेंट है राइट right? तो जब हमारा टी आर एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बना रहा है तो हमारा एम आर विल बी

जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे भी जीरो, वन लेवल ऑफ आउटपुट पे जीरो टू लेवल ऑफ आउटपुट पे जीरो ये जो एक्स एक्स है, उसी के ऊपर हमारा क्या है एमआर कर्व भी है ओके okay? हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन द मार्केट डिमांड कर्व ऑफ अ कमोडिटी एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द मोनोपोली फर्म प्रोड्यूसिंग द कमोडिटी इज गिवन बाई देड्यूल बिलो इन्फॉर्मेशन टू कैलकुलेट दी इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट दी फॉलोइंग ओके अब स्टूडेंट क्या है हमारे पास एक शेड्यूल है अब हमें क्या कैलकुलेट करना है हमें कैलकुलेट करना है ये चार चीज है क्या है ये दी एमआर एंड एमसी शेड्यूल मतलब कि हमारे पास गिवेन क्या है पहले हम ये देखते हैं डिमांड कर्व का मतलब क्या होता है ए आर राइट टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है टी सी राइट right? ये दोनों गिवन है इसका शेड्यूल अभी नेक्स्ट टाइप पर हम देखेंगे पहले हम ओरली समझ लें क्वेश्चन क्या है ओके सो एर गिवन है टी सी गिवन है हमें क्या बोला है स्टूडेंट्स कैलकुलेट दी एम आर एन एमसी शेड्यूलसी शेड्यूल हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन दोनों की हेल्प से यस yes, हम कर सकते हैं ए आर से निकलेगा हमारा टी आर एंड टी आर से हम कैलकुलेट करेंगे हमारा एम आर राइट एंड टी सी से हम कैलकुलेट करेंगे हमारा एम सी ओके तो एम आर एन एम सी शेड्यूल्स हम बता देंगे

टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट एंड टोटल प्रॉफिट एंड इक्विल कितनी टोटल होगी और कितना टोटल प्रॉफिट होने वाला है वो भी हमें बताना है ओके सो स्टूडेंट हम हम इसे सोल्व करते हैं राइट हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे इसे सोल्व करना and हमारे सारे क्वेश्चन सोल्व होते जाएंगे ठीक ओके सो ये जो पर्टिकुलर हमें शेड्यूल्स गिवन है स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन है ठीक हमें क्या गिवन है क्वांटिटी एंड प्राइस दिया हुआ है एंड क्वांटिटी एंड कॉस्ट दिया हुआ है ठीक मतलब ये जो वन टू थ्री फोर एट क्वान्टिटीज क्वांटिटीज सेम है क्वांटिटी गिवन है प्राइस गिवन है एंड कॉस्ट गिवन है अब हमें कैलकुलेट क्या करना है स्टूडेंट्स हमें बोला गया है कि एम आर एन एम सी कैलकुलेट करना है ठीक एंड फिर उसके बाद वाले जो भी क्वेश्चंस है कि आप बताइए कि क्या कब इक्विलिब्रियम होगा कब वो दोनों इक्वल होंगे वो सारी चीजें हम बताएंगे ओके सो हम अपना सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ओके सो क्वांटिटी गिवन है प्राइस गिवन है ओके एंड टोटल कॉस्ट गिवन है ये तीन जो चीजें हैं वो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है अब हमने क्या कैलकुलेट किया हमने कैलकुलेट किया हमारा टी आर ओके सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट किया टी आर कैलकुलेट किया टीआर को क्यों कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स बिकॉज हमें क्या चाहिए हमें चाहिए हमारा राइट तो right? तो हमें अगर मार्जिनल रेवेन्यू चाहिए तो उसके लिए हमारे पास टोटल रेवेन्यू होना चाहिए ओके सो टोटल रेवेन्यू को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे प्राइस इनटू इनटू क्वांटिटी क्वांटिटी राइट प्राइस प्राइस करेंगे को हम एआर भी बोलते हैं तो जब हम इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास हो जाएगी हमारी टोटल रेवेन्यू ओके तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं हमारी टोटल रेवेन्यू जीरो इंटू फिफ्टी टू दैट इज जीरो फोर फाइव इंटू ट्वेंटी टू हंड्रेड एंड टेन फाइव इंटू नाइनटीन हंड्रेड एंड फोर्टीन फाइव इंटू सिक्सटीन हंड्रेड एंड ट्वेल्व एंड एट इंटू थर्टीन वन जीरो फोर ओके तो हमारा टी आर हमने कैलकुलेट कर लिया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ओके इन दोनों का जब हमने मल्टीप्लीकेशन किया तो क्या निकला कैलकुलेट कीजिए शेड्यूल्स को ओके अब हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है ओके हमारे पास टीसी भी आ गया हमारे पास टीआर भी आ गया ठीक टीसी से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे स्टूडेंट्स टीसी से हम हमारा एमसी को कैलकुलेट कर सकते हैं एंड टी आर के थ्रू हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे हमारे एम आर को ओके okay? तो हम स्टार्ट करते हैं एम आर से ओके okay? पहले हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं हमारा मार्जिनल रेवेन्यूमआर को कैसे कैलकुलेट करते हैं होप आप सभी को आता है कि इसे कैसे सोल्व करते हैं हम ये क्वेश्चन हम काफी कर चुके हैं हमने सीख लिया है कि इन्हें कैसे हमें सोल्व करना होता है ठीक फिर भी हम करते हैं कि स्टेप बाई स्टेप उसे करते जाएंगे एम आर क्या होता है टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस वन राइट मतलब हमें करना है क्या है बेसिकली इतना फॉर्मूला लगा के एक एक चीज को लिखना नहीं है हमें रिवर्स में माइनस करना है राइट right? हम रिवर्स में माइनस करते जाएंगे हमारे एम आर क्या होते जाएंगे कैलकुलेट होते जाएंगे तो जीरो के ऊपर तो कुछ नहीं तो वो डैश हो गया राइट फोर्टी फोर माइनस जीरो फोर्टी फोर माइनस जीरो फोर्टी फोर सेवेंटी फोर माइनस फोर्टी फोर थर्टी 93 minus 74, 19. 104 minus 93, 11. 110 minus 104, 6. 114 minus 110, 4. 112 minus 114, minus 2. 104 minus 112, minus 8. Right? क्या कैलकुलेट हो गए हमारे हमारे कैलकुलेट हो गए एमआर हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट हो गया विद दी हेल्प ऑफ टोटल रेवेन्यू राइट टोटल रेवेन्यू हमने कैलकुलेट कर लिया था तो मार्जिनल रेवेन्यू को कैलकुलेट करना बहुत ईजी है हमें बस रिवर्स में माइनस ही तो करना है राइट right? तो हमने माइनस किया एंड हमारा मार्जिनल रेवेन्यू निकल गया ओके okay? अब सेम वे से स्टूडेंट्स हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे हम कैलकुलेट कर लेंगे हमारे एम सी को ओके okay? जैसे हमने टी आर के थ्रू एम आर कैलकुलेट किया सेम वे में टीसी के थ्रू एम सी कैलकुलेट कर लेंगे उसे भी हम रिवर्स में माइनस करेंगे राइट right? टेन के ऊपर वाली कॉस्ट हमें पता नहीं है इसलिए जो फर्स्ट वाला है वो हमने क्या किया उसे हमने डैश कर दिया बिकॉज हम वो डिफाइन नहीं कर सकते ओके okay? देन उसके बाद में क्या हुआ सिक्सटी माइनस टेन फिफ्टी नाइन्टी माइनस सिक्सटी थर्टी हंड्रेड माइनस नाइन्टी टेन हंड्रेड एंड टू माइनस हंड्रेड टू हंड्रेड एंड फाइव माइनस टू थ्री हंड्रेड एंड नाइन माइनस हंड्रेड एंड फाइव फोर हंड्रेड एंड फिफ्टीन माइनस हंड्रेड एंड नाइन सिक्स एंड वन ट्वेंटी फाइव माइनस हंड्रेड एंड फाइव टेन ओके तो क्या कैलकुलेट हो गया हमारा हमारा कैलकुलेट हो गया मार्जिनल कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ आर टोटल कॉस्ट ओके टोटल कॉस्ट की हेल्प से हमने क्या निकाल लिया मार्जिनल कॉस्ट निकाल लिया अब इस पर्टिकुलर शेड्यूल में हमने हमारा एमआर बता दिया हमने हमारा एमसी बता दिया राइट right? हमारा जो ए वाला क्वेश्चन था वो क्या था स्टूडेंट्स वो था कि आप हमें एम आर एंड शेड्यूल्स कैलकुलेट करके बताइए राइट सो एम आर एंड एम सी शेड्यूल्स हमने कैलकुलेट करके बता दिए फाइन तो हमारा जो सेवन ए था वो हमने कैलकुलेट कर दिया वो हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हो चुका है ओके okay? नाउ अब हम क्या सॉल्व कर? करेंगे हमारा सेवन बी ओके सेवन बी में क्या है स्टूडेंट सेवन बी में हमें बोला गया था कि आप बताइए कि कहां पे एम आर एंड एम सी इक्वल हो रहे हैं तो कहां पर एम आर एंड एमसी इक्वल हो रहे हैं स्टूडेंट हम इन दोनों शेड्यूल्स में देखेंगे ओके okay? हमें इस पूरे टेबल से अब कोई मतलब नहीं है हमारे पास ये दो शेड्यूल्स हैं हम इसमें देखते हैं कि हमारा एम आर और एमसी इक्वल हो रहा है सो स्टूडेंट्स फोर्टी फोर एंड फिफ्टी हमें पता है कि ये इक्वल नहीं है लेकिन थर्टी एंड थर्टी राइट ये थर्टी एंड थर्टी हमें दिख रहा है कि ये दोनों इक्वल है यहाँ पे देन ये इक्वल नहीं है ये भी नहीं है ये भी नहीं है फोर एंड फोर फोर एंड फोर भी इक्वल हो रहा है राइट तो कहां पे हमारे एम आर इज इक्वल टू एम सी हो रहा है ये हो रहा है हमारा टू यूनिट्स ऑफ आउटपुट पर और सिक्स यूनिट्स ऑफ आउटपुट पर ओके ये दो जगह पे हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू वो किसके बराबर है वो हमारे मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है ठीक अब स्टूडेंट्स ये चेक करते हैं हम कि इन दोनों में से हमारी जो प्रोड्यूसर है जो फर्म है वो उसके इक्विलिब्रियम पर कौन सी पोजीशन पर है हमारे पास दो कंडीशन होती है स्टूडेंट्स एक फर्म के लिए कि वो इक्विलिब्रियम पर हो राइट right? वो दो कंडीशन क्या होती है फर्स्ट कंडीशन तो होती है कि आपका जो एम आर वो किसके बराबर है एम सी के बराबर है राइट एंड right? इस पर्टिकुलर कंडीशन के बाद में आपका जो एम सी होता है आप मतलब आपका जो मार्जिनल कॉस्ट होता है वो बड़ा होना चाहिए आपके मार्जिनल रेवेन्यू से राइट right? आपका जो मार्जिनल कॉस्ट होता है वो किससे बड़ा होना चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू से तो स्टूडेंट्स क्या इस वाली सिचुएशन में जब टू यूनिट्स ऑफ आउटपुट का प्रोडक्शन हो रहा है या टू यूनिट्स ऑफ आउटपुट को हम सेल कर रहे हैं तो क्या हमारा प्रोड्यूसर जो है वो उसके इक्विलिब्रियम पर है नहीं है क्यों नहीं है स्टूडेंट्स बिकॉज एक कंडीशन तो पूरी हुई है हमारी एमआर इज इक्वल्स टू एम सी तो कम हमारी पूरी हो गई है फुलफिल हो गई है लेकिन उसके बाद में हम क्या देख रहे हैं हमारा जो एम है वो ज्यादा है हमारे मार्जिनल कॉस्ट से ठीक एंड अगर इक्विलिब्रियम में होना है तो क्या कंडीशन होती है कि आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है वो ज्यादा होनी चाहिए आपके मार्जिनल रेवेन्यू से तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो छोटी हो रही है राइट क्या इसके बाद में वो पॉसिबल हो रहा है क्या तो यस हम देख सकते हैं माइनस टू एंड सिक्स राइट माइनस टू छोटा नंबर हो गया सिक्स बड़ा नंबर हो गया मतलब कि सिक्स दैट इज जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या हो रही है स्टूडेंट्स वो हो रही है ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू राइट हमारी मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है हमारी मार्जिनल रेवेन्यू से तो इस पॉइंट पर मतलब कि सिक्स यूनिट्स ऑफ आउटपुट पर हमारा जो प्रोड्यूसर है वो उसके इक्विलिब्रियम पर है ओके okay? तो हमें उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट भी पता चल गया कि सिक्स लेवल ऑफ आउटपुट पर हमारा जो एक प्रोड्यूसर है वो कहां पे उसके इक्विलीब्रियम पर है ओके okay? तो अब क्वेश्चन क्या था कि आपका एमआर और एमसी हो गया मार्जिनल रेवेन्यू राइट ये चीज अभी हम देख के आए कि सिक्स यूनिट्स पर जो हमारा प्रोड्यूसर होगा वो कहां होगा वो उसके इक्विलिब्रियम पर होगा ओके okay? देन अब जो हमारा सेवन सी है ओके सेवन सी क्या बोल रहा है सेवन सी हमसे बोल रहा है कि आपका जो एक प्रोड्यूसर है वो कब कौन सी यूनिट पर इक्विलिब्रियम पर है इक्विलिब्रियम प्राइस बताइए एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बताइए ओके तो इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन एम आर इज इक्वल टू एम सी एंड आफ्टर दिस एम सी बिकम्स ग्रेटर देन एम आर ओके ये दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए ठीक अब हमारा प्रोड्यूसर जो है वो इक्विलिब्रियम पर कब है सिक्स यूनिट्स पर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हुई स्टूडेंट्स यूनिट्स हुई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगी मतलब कि यूनिट्स के corresponding में जो भी प्राइस होगी स्टूडेंट्स उसे हम क्या बोलेंगे कि वो इक्विलिब्रियम प्राइस है ओके okay? तो अब इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है सिक्स यूनिट्स के करस्पॉन्डिंग कौन सी प्राइस है नाइनटीन रुपीज की तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हुई स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम प्राइस हुई नाइनटीन रुपीज ओके okay? जो भी हमारी इक्विलिब्रियम यूनिट निकलती है उसके में जो भी आपकी प्राइस होगी वो क्या होगी वो आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस होगी सिक्स यूनिट्स निकली थी हमारी इक्विलीब्रियम क्वांटिटी तो उसके करस्पोंडिंग में नाइनटीन रुपीज थी जो कि क्या हुई हमारी इक्विलीब्रियम प्राइस ओके देन टोटल प्रॉफिट बताना है हमें राइट right? हमारा जो सेवन डी था वो क्या था कि आप हमें बताइए कि टोटल प्रॉफिट कितना अर्न हो रहा है इक्विलिब्रियम पे ओके सो so, टोटल प्रॉफिट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स टी आर माइनस टी सी राइट जो टोटल रेवेन्यू होता है उसमें से हम डिडक्ट करते हैं हमारी टोटल कॉस्ट को तो हमारा क्या निकलता है तो हमारा निकलता है टोटल प्रॉफिट ओके सो so, अब टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट कितना है वो हमें कैसे पता चलेगा वो हमें पता चलेगा इस पर्टिकुलर शेड्यूल से सिक्स यूनिट्स पर आपका जो टोटल रेवेन्यू वो कितना है हंड्रेड एंड फोर्टीन एंड आपकी टोटल कॉस्ट कितनी है हंड्रेड एंड नाइन ओके तो इक्विलेम था सिक्स यूनिट पर तब आपका टोटल रेवेन्यू हंड्रेड एंड फोर्टीन एंड टोटल कॉस्ट है हंड्रेड एंड नाइन तो प्रॉफिट कितना निकलेगा इन दोनों को माइनस करके दैट इज हंड्रेड एंड फोर्टीन माइनस हंड्रेड एंड नाइन जब आप करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या आएगा आपका तो आएगा आपका प्रॉफिट कितना प्रॉफिट आया फाइव रुपीज का प्रॉफिट आया ओके तो आई होप स्टूडेंट्स ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा हमारे पास क्या गिवन था हमारे पास गिवन था क्वांटिटी प्राइस एंड टोटल कॉस्ट राइट हमें क्या बोला गया कि कैलकुलेट कीजिए तो हमने क्या किया पहले हमने प्राइस एंड क्वांटिटी की हेल्प से टीआर को कैलकुलेट किया राइट देन टीआर को कैलकुलेट करने के बाद में हमने क्या टी आर के थ्रू एम आर को कैलकुलेट किया एंड टीसी के थ्रू एमसी को कैलकुलेट किया ओके अब हमारे पास एम आर एमसी आ गए अब हमने एम आर के शेड्यूल को देख के क्या बताया कि हमारा पॉइंट पे होगा okay. हमारा, right? हो हमारा जो उस इक्विलिब्रियम जो हमारी क्वांटिटी निकली है वो उसके करस्पॉन्डिंग में जो हमारा टीआर और टी सी है वो क्या हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा हमारा टोटल प्रॉफिट ठीक इजी सा क्वेश्चन था बस लेंदी था और मुझे पता है ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करते आता है राइट right? ऐसे क्वेश्चंस हमने किए हैं आप कंटिन्यू टू प्रोड्यूस इन दी शॉर्ट रन इफ लॉस इज इनकर्ड एट शॉर्ट रन लेवल ऑफ आउटपुट क्या बोला जा रहा है कि एक मोनोपोलिस्ट फर्म क्या अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू रखेगा शॉर्ट रन में जो जब उसके जो लॉसेज हैं वो कितने हैं वो उसके बेस्ट शॉर्ट टर्म लेवल ऑफ आउटपुट पर है मतलब कि जितना मैक्सिमम उसका आउटपुट हो सकता है शॉर्ट रन uh, में तब उसके क्या हो रहे हैं तब वो लॉसेज इनकर कर रहा है तो क्या वो उस पॉइंट के बाद में कोई भी प्रोडक्शन करेगा तो उसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स वो हम देखते हैं अमोनोमोलिस्ट फॉर्म कैन अर्न लॉसेज इन दी शॉर्ट रन इफ द प्राइज इज लेस मिनिमम ऑफ ए ओके बट इफ द प्राइस फॉल्स बिलो द मिनिमम ऑफ ए वी सी देन दोनोपोलिस्ट विल स्टॉप प्रोडक्शन द फर्म विल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस व्हेन द प्राइज इज बिटवीन द मिनिमम ऑफ ए वी सी एंड द मिनिमम ऑफ ए सी ठीक क्या होगा स्टूडेंट्स एक मोनोपोलिस्ट फर्म जो है वो कब लॉसेस इनकर करेगी जब उसका प्राइस किससे कम है एवरेज कॉस्ट से कम है मतलब कि उसका जो एआर है वो किससे कम है एसी से कम है ठीक तब वो लॉसेस इनकर करती है लेकिन वो उसके लॉसेस अगर जब चले गए एवीसी के नीचे मतलब कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के नीचे अगर उसका ए चला गया उसका प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के भी नीचे चला गया तो एक जो प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्शन स्टॉप कर देगा वो क्यों प्रोडक्शन स्टॉप कर देगा स्टूडेंट्स बिकॉज अब उसके लॉसेस इतने ज्यादा है कि वो कोई भी चीज प्रोड्यूस करेगा तो वो उसे इनकम जनरेट नहीं करवाएगी वो ऑल लॉस में जाता जाएगा इसलिए वो कब अपना प्रोडक्शन रोकता है एक प्रोड्यूसर शॉर्ट रन में जब उसका जो प्राइस होता है वो किससे कम हो जाए ABC से कम हो जाए तब ओके okay? ना अब हम देखते हैं हमारा नाइन्थ क्वेश्चन एक्सप्लेन वाई द डिमांड कर फेसिंग अ फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन इज नेगेटिवली स्लोप्ड बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है राइट right? क्या बोला है हमें कि आप बताओ हमें कि आपका जो डिमांड कर्व है अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है वो नेगेटिवली स्लोप्ड क्यों होता है तो इसका आंसर बहुत क्लियर है स्टूडेंट्स बहुत ही इजी है क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है बिकॉज अगर आपको ज्यादा प्रोडक्ट सेल करने तो आपको प्राइजेस कम करनी पड़ेगी राइट right? जब प्राइजेस कम होती है तभी जो हमारी डिमांड है वो इंक्रीज होगी ओके तो जब क्योंकि हमारे डिमांड एंड हमारे प्राइस में नेगेटिव रिलेशन है इनवर्स रिलेशनशिप है इसके कारण जो हमारा डिमांड कर्व वो कैसा होगा नेगेटिवली स्लोप्ड होगा। ओके, okay, तो इसे हम कैसे लिखने वाले हैं अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन लार्ज नंबर ऑफ फर्म सेलिंग क्लोजरी रिलेटेड बट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट मेक्स द डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग इट इंप्लाइज दैट अ फर्म कैन सेल मोर आउटपुट उटपुट okay? कर रहा हैल कर सकती है सिर्फ उसी कंडीशन में जब आपके प्रोडक्ट के ओके इसलिए जो हमारे डिमांड करता है वो कैसा होता है स्टूडेंट वो निगेटिवली स्लोप्ड होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ठीक अब देखते हूं हमारा टेंथ क्वेश्चन राइट

क्योंकि पे पे जो monopolistic firms होती है, वहां पे क्या होता है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट राइट मतलब कि कोई भी फर्म इजीली एंटर कर सकती है या इजीली एग्जिट कर सकती है राइट right? तो अगर कोई भी एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में अगर कोई भी मार्केट ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा तो क्या होगा जो दूसरी फॉर्म्स होगी वो भी उस पर्टिकुलर सेक्टर में एंटर करेगी राइट जब फॉर्म्स बढ़ेंगी सप्लाई बढ़ जाएंगे एंड इवेंचुअली क्या होगा प्राइजेस कम होते जाएंगे ओके तो इसके कारण क्या होगा कि आपके प्राइजेस कम हो रहे हैं इसका मतलब आपके जो आप जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न रहे थे वो वापस नीचे आ गया अब वापस कहाँ आ गए अब वापस नॉर्मल प्रॉफिट्स पर आ गए राइट इसके कारण हमारी जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होती है वो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में जीरो प्रॉफिट अर्न करती है मतलब कि नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन हो जाती है क्यों बिकॉज ऑफ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ओके सो अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फर्म्स आर फ्री टू एंटर इनटू

दूसरे फॉर्म्स इंटर मार लेंगे राइट दूसरे फॉर्म्स एंट्री कर लेंगे एंड वो जो अब नॉर्मल प्रॉफिट है उसको कहा नॉर्मल प्रॉफिट में ओके तो इसलिए हमारी मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में लॉन्ग रन में जीरो प्रॉफिट होता है ओके नाउ अब देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लिस्ट थ्री डिफरेंट वेज इन विच ओलिगोपोली फॉर्म्स में बिहेव Firms कैसे कर सकती है तीन डिफरेंट ओके तो क्या हो सकते हैं मतलब क्या होता है कार्टल का मतलब होता है कि एक ग्रुप फॉर्म कर लेना राइट दो चार फॉर्म्स मिलकर एक ग्रुप फॉर्म कर लिया है उन लोगों ने तो उसका मतलब क्या होता है कार्टल होता है तो कार्टल में हम क्या लिखेंगे

उनका प्रॉफिट तो बढ़ेगा ही एक साथ में लेकिन वो एक बहुत सारा पोर्शन बहुत सारा मार्केट का शेयर कैप्चर कर लेंगे ओके तो दो तीन फर्म्स ने मिलकर सोचा कि हम एक ग्रुप बना लेते हैं एंड हम एज अ ग्रुप वर्क करेंगे ओके तो ये क्या हुआ ओलिगोपोलिस्ट में हुआ कि उन्होंने कार्टल फॉर्म कर लिए इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग ईच फॉर्म में डिसाइड ऑन इट्स ओन हाउ मच यूनिट ऑफ आउटपुट टू बी प्रोड्यूस

हर एक फर्म्स के बीच में मतलब कि क्या वो लोग बोलकर नहीं बताते हैं कि नहीं ठीक है कोई फॉर्मल रिटर्न में नहीं चल रहा है कि नहीं आपको इतना ही प्रोडक्शन करना है आपकी यही स्ट्रैटेजीज होंगी आपकी यही प्राइजेज होगी ऐसा नहीं होगा एक इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग रहती है बिटवीन डिफरेंट फर्म्स ओके वो लोग सोचते हैं कि इतने इतना अगर मैं पर्टिकुलर इंडिविजुअली आउटपुट का प्रोडक्शन कर रहा हूं तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा मैक्सिमाइज हो जाएगा एंड वो ये चीज मानता है कि जो बाकी के फर्म्स हैं, उसी पर्टिकुलर मार्केट में वो भी अपनी स्ट्रेटजीज में कोई चेंजेस नहीं लाने वाले हैं ओके okay? तो ये एक काइंड ऑफ इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग वो लोग क्रिएट कर लेते हैं ठीक देन एडवर्टाइजमेंट्स एंड डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट It may happen that that the firms realize that price competition will leave them nowhere, and consequently they emphasize more on advertising their products. कोई मतलब नहीं है राइट Price competition अगर वो लोग करेंगे तो उससे कोई उसका कोई अच्छा सा सोल्यूशन निकलेगा नहीं इसलिए जो फर्म्स होती है वो क्या सोचती है वो सोचती है कि वो एडवर्टीजमेंट्स पे ज्यादा एम्फोसाइज करें राइट वो एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू जो मार्केट है उसे कैप्चर करे जो कंज्यूमर्स है उन्हें कैप्चर करें एंड प्राइजेस में वो चेंजेस ना करें ओके इट विल अनेबल टू कैप्चर दाइंड ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज देअर मार्केट पोर्स ये एडवर्टीजमेंट के थ्रू क्या होगा ये एडवर्टीजमेंट के थ्रू वो इनडायरेक्टली कंज्यूमर्स के माइंड को कैप्चर करेंगे एक मार्केट में एक सिग्निफिकेंट शेयर को कैप्चर करेंगे एंड उनका जो आउटपुट है वो इंक्रीज होगा उनकी जो सप्लाई है वो इंक्रीज होगी और कॉन्सिटली क्या इंक्रीज होगा उनका प्रॉफिट इंक्रीज होगा ओके okay? तो ये कुछ तीन वेज हमने डिफाइन कर दिए कि इस वे से इस मैनर में जो हमारे ओलिगोपोलिस्ट फर्म्स हैं वो लोग बिहेव कर सकते हैं ओके ये काइंड ऑफ स्टूडेंट्स उसके फीचर्स हो गए हैं आप फीचर्स भी लिख सकते हैं कि वो कैसे बिहेव करते हैं राइट मतलब कि एक के एक्शन से दूसरे पे क्या रिएक्शन होगा कुछ इस टाइप का आपको लिखना है ओके ये कुछ इंटरलिंक होना चाहिए ऐसा नहीं आपने फीचर्स में का लिख दिया फ्यू फर्म्स फ्यू फर्म्स आपको बिहेव में नहीं लिखेंगे ओके okay? बिहेव का मतलब क्या हो गया कि वो लोग कैसे एक दूसरे के साथ में मिलकर अलग-अलग काम करते हैं और अलग-अलग रहकर साथ में काम करते हैं ओके okay? सो so, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज मेंट बाय प्राइजेस बीइंग रिजिड हाउ कैन ओलिगोपॉली बिहेवियर लीड टू सच एन आउटकम प्राइजेस रिजिड कैसे होते हैं मतलब क्या रिजिडिटी राइट right? ये चीज स्टूडेंट्स जब मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी तब भी मैंने बोला था कि प्राइज रिजिडिटी एक इंपॉर्टेंट चीज है राइट प्राइज रिजिडिटी आपसे पूछा जा सकता है तो प्राइज रिजिडिटी में हम क्या लिखेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम क्या आंसर करने वाले हैं इसमें हम प्राइज रिजिडिटी की डेफिनेशन लिखने वाले ओके okay? ज बींग रिजिड और प्राइज रिजिडिटी रिफर्स टूचुएशन टेंटेड इन रिस्पेक्टिव ऑफ चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई कंडीशन क्या होता है प्राइस रिजिडिटी में कि जो प्राइजेस है वो फिक्स रहते हैं राइट कुछ भी डिमांड और सप्लाई की कुछ भी कंडीशन हो कुछ भी सरकमस्टांसेज हो कुछ भी चेंजेस हो लेकिन जो प्राइजेस है वो कैसे रहेंगे जो प्राइजेस है वो फिक्स रहेंगे ये कौन बताता है हमें ये बताता है हमें प्राइज रिजिडिटी ओके सो प्राइज रिजिडिटी क्या होता है कि आपके प्राइजेस टेंस टू रिमेन सेम इस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन योर डिमांड एंड सप्लाई कंडीशन नाउ हाउ कैन ओलीगोपोली बिहेवियर लीड टू सच एन आउटकम ओलिगोपोली में हम लोग प्राइस रिजिडिटी क्यों देखते हैं स्टूडेंट्स उसका ये कारण होता है कि ये लोग बहुत ज्यादा नॉन प्राइस कंपटीशन पे बिलीव करते हैं राइट वो लोग प्राइजेस को नहीं चेंज करना चाहते हैं वो लोग ओलिगोपोली फर्म्स ये सोचती है कि हम लोग नॉन प्राइस कंपटीशन से अपना जो मार्केट है उसे कैप्चर करें मार्केट का शेयर हम कैप्चर करें ओके सबसे पहले हमारे सामने जो चीज आती है दैट इज मार्केट कि मार्केट क्या होता है अब नॉन कॉम्पिटेटिव मार्केट्स के बारे में पढ़ना है या हम अदर नेम से बोल सकते हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट के बारे में पढ़ना है तो मार्केट में मार्केट जो है वो एक्चुअल में क्या है क्या मार्केट सिर्फ वही है जहां पर बहुत सारी शॉप्स हैं और वहां पर कंज्यूमर्स जाकर जो है कुछ भी चीजें कंज्यूम करते हैं परचेज करते हैं क्या सिर्फ वही मार्केट होता है नहीं मार्केट एक वो आपके पूरी जो है हम बोले एक लोकैलिटी में जहां पर सिर्फ एक शॉप है वो एक शॉप पर जाकर अगर आप कुछ परचेजिंग कर रहे हो या सेलिंग कर रहा है कोई पर्सन वहां पे उसे हम मार्केट कहते हैं मार्केट वो ऑनलाइन चीज है जो कि अब हम लोग सीख चुके हैं राइट वो ऑनलाइन वाला जो सिस्टम है वो भी क्या है मार्केट है बिकॉज वहां पर कोई आपको सेल uh, कर रहा है आप उससे परचेज कर रहे हो तो हर वो जगह जहां पर किसी भी काइंड ऑफ सेलिंग या परचेजिंग होती है उसे हम मार्केट कहते हैं मार्केट कोई स्पेसिफाइड एरिया नहीं कि बस ये जो चीज है या ये जो एरिया है इसे ही हम मार्केट बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है मार्केट वो हर वो जगह है पर एक सेलर हो एक परचेजर हो और वो क्या कर रहे हैं आपके किसी भी गुड्स में या सर्विस में क्या कर रहे हैं आपका क्या जो है ट्रांजेक्ट कर रहे हैं ठीक है ठीके? ट्रेड कर रहे हैं इसे हम मार्केट कहते हैं ओके, सो होल रीजन वे बायर्स एंड सेलर्स ऑफ द कमोडिटी आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर टू इफेक्ट परचेज एंड सेल ऑफ अ कमोडिटी ठीक है मार्केट क्या हो गया वो पूरा रीजन हो गया जिसमें कि बायर्स और सेलर्स जो है कमोडिटी के वो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रहते हैं और या आते हैं और जो भी है परचेजिंग और सेलिंग जो है कमोडिटी की वो की जाती है ठीक है दिस इज वॉट वी कॉल्ड मार्केट अब उसके आगे चले तो जो असेंशियल कॉन्स्टिट्युए है मार्केट के वो क्या है या उसे हम कैसे समराइज कर सकते हैं एरिया एरिया होना चाहिए वो एरिया कुछ भी हो सकता है ये नहीं बोल रहे हैं कि वो एक वास्ट एरिया होना चाहिए अगर मैं यहाँ पर कोई एक पर्सन आ जाए और उसके साथ में परचेजिंग और सेलिंग कर रही हूँ तो ये क्या हो गया ये हमारा मार्केट हो गया ठीक है ये एरिया है यहाँ पर हम लोग जो है फिजिकली यहाँ पर क्या है हम लोग दिख रहे हैं मिल रहे हैं तो ये क्या है ये एक एरिया हो गया ठीक है उसके बाद में बायर्स होने चाहिए और सेलर्स होने चाहिए एकदम सीधी बात है कमोडिटी होनी चाहिए कमोडिटी का होना जरूरी है सिर्फ बायर और सिर्फ सेलर और अगर हमारे पास में कमोडिटी नहीं हो तो ये कोई मतलब का नहीं है ठीक है उसके बाद में कंपटीशन भी होना चाहिए कंपटीशन कैसे वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो जो कमोडिटी है उसे कम्पीट करने वाला कोई होना चाहिए तो मार्केट में जो है कंपटीशन की भी जरूरत है ठीक है तो मार्केट के बेसिकली ये चार असेंशियल जो है कॉन्स्टिटेंस बनते हैं दैट इज एरिया बायर्स एंड सेलर्स कमोडिटी एंड कॉम्पिटिशन ठीक फिर उसके बाद में आगे आते हैं तो अब आता है हमारे पास में फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर तो बेसिकली आपके जो हम बोले कि ब्रॉडली कैसे क्लासिफाइड है तो आपके जो फॉर्म्स ऑफ मार्केट है वो दो चीजों में डिवाइडेड है एक है आपका परफेक्ट कंपटीशन और एक आता है आपका इंपरफेक्ट कॉम्पिटिशन अब ये जो आपका है, ये है. किस में है? तो ये हमारे पास में ये तीन में है. या हम बोले कि इम परफेक्ट कॉम्पिटिशन का पार्ट जो है ये तीन टाइप्स ऑफ मार्केट बनते हैं दैट इज मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन एंड ओलिकोपोली अब बेसिकली ये जो हमारा चैप्टर है नॉन कॉम्पिटेटिव मार्केट इसमें आप लोगों को परफेक्ट कंपटीशन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए उसके फीचर्स उसका जो भी आगे की चीजें अभी हम लोग रिवाइज करें वो सब कुछ उसके बाद में इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन में आपको इन तीनों का पता होना चाहिए सो so बेसिकली चार हमारे क्या है फॉर्म्स ऑफ मार्केट है जिनके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना जरूरी है परफेक्ट कॉम्पिटिशन मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन एंड ओलिगोपोली ओके फिर अब जो है हम वन बाय वन इन सबको पढ़ लेते हैं और जो है फटाफट अपना क्या कर लेते हैं इसे कंप्लीट कर लेते हैं ओके सो <coughs> so, सबसे पहले आता है परफेक्ट कंपटीशन अब परफेक्ट कंपटीशन में बेसिकली क्या है यहां की जो तीन चार चीजें वो आपको याद रखना है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है ओके ये चीज तो हो जाएगी याद उसके बाद में परफेक्ट कॉम्पिटिशन में आपको एक चीज याद रखनी है दैट इज होमोजीनियस प्रोडक्ट ठीक है एकदम होमोजीनियस प्रोडक्ट एकदम आइडेंटिकल प्रोडक्ट बिल्कुल भी इतना सा भी चेंज नहीं होता है तो जो बायर्स और सेलर्स हैं हम बोले कि जो सारे सेलर्स हैं वो होमोजीनियस प्रोडक्ट्स को क्या कर रहे हैं सेल करते हैं ठीक है एकदम आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स को सेल किया जाता है ओके okay. बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होता है जब हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें हर एक सेलर जो है वो आपका पर्टिकुलरली सेम काइंड ऑफ जो प्रोडक्ट है वो सेल करता है ठीक मार्केट सिचुएशन वेयर देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स डीलिंग इसमें यह भी हमें याद रखना है कि प्राइस क्या है मार्केट के थ्रू मार्केट जो है वो प्राइस बनाता है यहां पर सेलर्स का इंडिविजुअली कोई भी रोल नहीं होता है प्राइस को फिक्स करने में और क्यों रोल नहीं होता है प्राइस को फिक्स करने में इंडिविजुअली सेलर का बिकॉज हर एक सेलर जो है वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो जैसे कि हमें पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई जब प्राइस बढ़ती है तब सप्लाई बढ़ाते हैं बट जब हम बात करें परफेक्ट कंपटीशन में तो ये चीज नहीं होती है बिकॉज यहां पर जो है कोई भी सेलर प्राइस को चेंज नहीं कर सकता है और उसके पीछे का रीजन ये है कि अगर किसी भी सेलर ने उसका प्राइस बढ़ाया तो कोई भी बायर उसके पास जाएगा ही नहीं बिकॉज हर एक सेलर जो है वो सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट को सेल करता है ठीक है तो इसलिए यहां पर जो प्राइजेस है वो फिक्स होते हैं मार्केट के थ्रू ठीक है हम बोले कि जो इंडस्ट्री है वो इस प्राइस को फिक्स करके रखती है ठीक है और हर एक सेलर या हर एक फर्म जो है वो उसे एक्सेप्ट करता है अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन जो है वो कभी एग्जिस्ट किया ही नहीं है ठीक है लेकिन येट अगर हम बहुत ही क्लोज परफेक्ट कॉम्पिटिशन के एग्जाम्पल को देखना चाहें तो वो आ जाएंगे आपके एग्रीकल्चरल गुड्स ओके एग्रीकल्चरल गुड्स हमारे आइडेंटिकल होते हैं क्या तो देखो एक सिंपल सी चीज है

नहीं करता है और ना ही कभी किया था बट तो ले लेते हैं और इसे हम परफेक्टली क्यों नहीं बोल रहे हैं कि ये perfect competition के अंदर आएगा बिकॉज देखो एकदम आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स नहीं होते हर जो है ना हर एक फार्मर जो है उसके पास में क्वालिटी का डिफरेंस आ जाता है ओके okay, उसके बाद में जो है क्वालिटी की वजह से उसके प्राइस में डिफरेंस आ जाता है तो ये चीजें होती है एकदम एग्जैक्टली exactly आइडेंटिकल नहीं होते हैं ओके okay, तो आई गेस कि आप लोगों को क्लियर है परफेक्ट कंपटीशन का मतलब और जो इसका एग्जांपल है वो अब आते हैं हमारे सामने फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन ठीक है फीचर्स बेसिकली क्या करते हैं फीचर्स जो होते हैं वो बेसिकली आपके ये जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन है उसी को और एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमें ये ये चीजें जो है इसमें देखने को मिलती है सबसे पहले आगे, आगे आपका वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स जो कि हमें अच्छे से क्लियर है कि यहाँ पर बहुत लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट होगा यहाँ पर ये चीज भी क्लियर है देन फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट यहाँ पर जो है फॉर्म्स के पास में फ्रीडम है कि वो एंटर कर सकती है मार्केट को या फिर वो एग्जिट कर सकती है मार्केट को ऐसा कोई भी जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप एंटर नहीं कर सकते एग्जिट नहीं कर सकते और उसके पीछे का रीजन क्या है तो उसके पीछे का रीजन सिंपल सा है ये जो सारी फर्म्स है वो होमोजीनियस प्रोडक्ट्स में डील करती है तो एक काइंड ऑफ कंपटीशन या पेट एंड वाली चीजें नहीं आती है तो जो फर्म्स है अगर वो चाहे अगर उन्हें लग रहा है कि ये प्रॉफिटेबल है तो वो एंटर कर जाए अगर उन्हें लग रहा है कि अब यहां पर बहुत लॉसेज हो रहे हैं तो वो एग्जिट भी कर सकती है मार्केट को विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन फिर परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर्स एंड सेलर्स ये माना जाता है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में डील करने वाले लोगों के पास में या हम बोले बायर्स और सेलर्स के पास में क्या है परफेक्ट नॉलेज होता है हर हर एक एक बायर को को पता पता है है, है कि कि पर क्या प्राइस चल रहा है। हर एक सेलर को पता है कि जो कंज्यूमर है उसे क्या चाहिए और अकॉर्डिंगली जो है गुड्स बनाए जाते हैं तो यहां पर जो है एकदम ट्रांसपेरेंसी है जो प्रॉपर जो है नॉलेज होती है बायर्स और सेलर्स को जो भी मार्केट है उसके बारे में ठीक है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन परफेक्ट कॉम्पिटिशन जो होता है यहाँ पर क्या होती है परफेक्ट मोबिलिटी होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मतलब कि ये जो हमारे जितने भी रॉ मटेरियल वगैरह हैं उनको आप बहुत ही ईजिली विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या कर सकते हो एक प्लेस से दूसरी प्लेस या एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो है ट्रांसफर कर सकते हो उसमें बिल्कुल भी कॉस्ट नहीं लगता है और वो परफेक्टली मोबाइल है ठीक है ऐसा नहीं है कि वो चेंज वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते ऐसी वाली कंडीशन भी नहीं होती तो जो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो सारे रिसोर्सेस हैं जो लेबर है सब कुछ है ये जो है इसमें हमें जो है परफेक्टली परफेक्ट मोबिलिटी देखने को मिलती है ठीक है फिर एबसेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्यों नहीं होता है बिकॉज पूरे जितने भी पूरी जो मार्केट है उसमें सारे सेलर्स एक ही तो गुड्स बना रहे तो ऐसा नहीं होगा कि कोई जो है महाराष्ट्र वाला गुजरात में अपने गुड्स को सेल करेगा या वहां पे भेजेगा मतलब ही नहीं है बिकॉज गुजरात में भी सेम प्रोडक्ट है महाराष्ट्र में भी सेम प्रोडक्ट है तो वो ये इतना ट्रांसपोर्टेशन करेगा ही क्यों इसलिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होता है एंड एबसेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट भी नहीं होता है दैट मीनस ये प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट ये सब भी नहीं करना होता है हर एक बायर सेलर को क्या है परफेक्ट नॉलेज है तो उन्हें जो है आ, किसी भी काइंड ऑफ प्रमोशन या जो है सेलिंग स्ट्रेटजीज की जरूरत नहीं पड़ती है ओके okay? तो ये कुछ हमारे फीचर्स होते हैं किसके परफेक्ट कंपटीशन के ठीक आई होप सो क्लियर है ये चीज आप लोगों को ना फर्म इज अ प्राइस टेकर जो हमारी परफेक्ट कंपटीशन होती है उसमें फर्म क्या होती है प्राइस टेकर होती है और क्यों होती है क्योंकि यहाँ पर जो है लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं जो कि होमोजीनियस प्रोडक्ट में डील करते हैं तो जो भी पर्टिकुलर प्राइस इंडस्ट्री डिसाइड कर देती है वही फर्म को लेना पड़ता है उसे वो चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इतने लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं कि एक इंडिविजुअल सेलर या हम कि कि इतने लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स दोनों ही होते हैं कि एक इंडिविजुअल बायर या एक इंडिविजुअल जो सेलर होता है वो प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता है इसलिए जो भी इंडस्ट्री प्राइस बनाती है वही फर्म जो है वो प्राइस को ले लेती है ठीक है सो फर्म होती है प्राइस टेकर होती है अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन और प्राइस कहां से डिसाइड होता है तो ये हम लोगों ने मार्केट इक्विलिब्रियम में पढ़ा था कि जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वही प्राइस हमारी गुड्स का कमोडिटीज का हमें देखने को मिलता है है डिमांड एंड सप्लाई जहां पर मीट किए वो वो वाला प्राइस जो इंडस्ट्री ने बताया है कि आपको ये प्राइस लेना है ठीक है तो इन्होंने प्राइस बनाया इसको पास ऑन किया फर्म के पास में तो ये जो है फर्म प्राइस टेकर बनी है तो जब हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात करते हैं तो जो हमारा ये होता है आपका कौन सा कर्व डिमांड कर्व जो होता है वो कैसा होगा परफेक्टली uh, इलास्टिक होता है दैट इज सेम जो प्राइस है उस पर आप कितनी भी जो है आउटपुट को डिमांड या फिर हम उसे सप्लाई भी बोल सकते हैं ठीक है तो दैट मीन्स यहाँ पर बेसिकली हम लोग डिमांड कर्व के बारे में पढ़ रहे हैं तो डिमांड जो रहेगी आपने डिमांड को लिया आपके एक्स सेक्सेस पर तो आपका प्राइस तो सेम है आप सेम ही आ, सेम प्राइस पर अनलिमिटेड क्वांटिटी इनफाइनाइट क्वांटिटी इसको क्या कर सकते हो डिमांड कर सकते हो ओके तो आई गेस की क्लियर है आप लोगों को परफेक्ट कॉम्पिटिशन उसके बाद में आता है हमारे पास में इंपरफेक्ट कंपटीशन का जो फर्स्ट वाला पार्ट है दैट इज मोनोपोली नाउ मोनोपोली मोनो का मतलब क्या होता है सिंगल ठीक है वन और पोली जो है वो एक हमारे टर्म से जनरेट हुआ है या हम बोले ओरिजिनेट हुआ है दैट इज पोलस ठीक है उसका मतलब क्या होता है दैट इज सेलर तो वन सेलर या सिंगल सेलर जो है वो हम बोलते हैं मोनोपोली को मोनोपोली एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें सिर्फ एक सेलर है और लार्ज नंबर ऑफ क्या होते हैं बायर्स होते हैं ठीक है सो रिफर्स टू दी मार्केट सिचुएशन वेयर देयर इज अ सिंगल सेलर सेलिंग अ प्रोडक्ट विच हैज नो क्लोज सब्सटीट्यूट ठीक है तो ये ऐसी मार्केट सिचुएशन है जहां पर जो एक सिंगल सेलर है वो ऐसे प्रोडक्ट्स को सेल करता है जिनके कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होते हैं ओके okay, क्लोज आपको याद रखना है कि सिंगल प्रोडक्ट जिसके कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं ये मोनोपोली होती है इसके फीचर्स देखो तो क्या हो गया ये सिंगल सेलर एक ही सेलर है उसके बाद में नो क्लोज सब्सिट्यूट क्यों नहीं है क्योंकि एक ही सेलर है तो वो एक गुड को सेल कर रहा है उसके सब्सिट्यूट नहीं उसके कॉम्पिटिटर्स नहीं है रेस्ट्रिक्शन एंट्री ऑन एग्जिट जो आप मोनोपोली में देखते हो तो मोनोपोली जो है एक ऐसा मार्केट है जिसमें एंट्री और एग्जिट पर रेस्ट्रिक्शन होते हैं ठीक है बिकॉज एक ही फॉर्म है अगर वो एग्जिट कर जाएगी तो फिर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कौन जो है सेल करेगा और अगर उसमें कोई एंटर करेगा तो वो चीज अलाउ ही नहीं करते हैं वो बहुत ही मुश्किल से कोई भी एंटर कर पाता है अब देखो मोनोपोली कुछ तो जो है नेचुरल मोनोपोलीज होती हैं जो कि जो बनती है लाइक रेलवेज हो गया हमारा ठीक है जब तक इसमें प्राइवेट सेक्टर फुल्ली अच्छे से वर्क नहीं करता है एकदम जो है प्राइवेट सेक्टर के हैंड्स में नहीं देते हैं रेलवेज को तब तक सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट है जो कि रेलवेज को ऑपरेट कर रही है तो वो एक मोनोपोली है कि एक ही सेलर है गवर्नमेंट ही सेल कर रही है ठीक है वही अगर दो तीन प्राइवेट इंस्टीट्यूट आ जाए तो वो मोनोपोली नहीं बचेगी फिर अब हम ये बोलेंगे कि आपका जो रेस्ट्रिक्शन है एंट्री और एग्जिट पर ठीक है अब कुछ तो ऐसी होती है और कुछ जो है बनाई जाती है लाइक like, कोई भी अगर न्यू टेक्नोलॉजीज है किसी की भी वजह से कार्टल्स फॉर्म किए गए कार्टल्स क्या होते हैं कार्टल्स होते हैं ग्रुप ऑफ फॉर्म जो है वो साथ में आती है तो वो साथ में आकर एक मोनोपोली क्रिएट कर दिया यहाँ बोले कुछ पेटेंट राइट्स की वजह से जो है मोनोपोली क्रिएट हो जाती है वॉट आर पेटेंट राइट्स की आपको जो है मतलब किसी भी एक फॉर्म ने कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी लॉन्च की या न्यू कुछ भी चीज इनोवेशन किया है तो उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको जो है कोई कॉम्पीट ना करे उस वो जो है प्रॉफिट अर्न कर सके तो इसके लिए मोनोपोली या हम बोले जो है वो दिए जाते हैं कि उस ओनर की परमिशन के बिना जो है कोई भी वो सेम प्रोडक्ट नहीं बना सकता तो ऐसे केस में क्या हुई मोनोपोली हुई कि और कोई कॉम्पिटिटर उसमें आ ही नहीं सकता जहां पर कॉम्पिटिटर आ जाए वो मोनोपोली नहीं बचती है मोनोपोली का मतलब सिंगल सेलर मतलब कि सिंगल सेलर ठीक है। फिर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज हमें देखने को मिलती है। व्हाट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आप सेम प्रोडक्ट अलग-अलग बायर्स को अलग अलग प्राइस पर कर रहे हो सेल ये होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ठीक है जैसे कि मान लो रेलवे हम बात कर ले तो रेलवे जो टिकट है चिल्ड्रन के लिए अलग है जो फेयर है ठीक है वो जो टिकट का फेयर है वो चिल्ड्रन के लिए अलग है अडल्ट के लिए अलग हो गया विमेन के लिए अलग हो गया मतलब कि किसी स्टूडेंट कोटा के लिए अलग हो गया तो इस वे से जो है एक सेम जो आपका प्रोडक्ट है वो आप डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल को क्या कर रहे हो सेल कर रहे हो इसे कहा जाता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ठीक है उसके बाद में प्राइज मेकर जो फर्म होती है अंडर मोनोपोली ये क्या है प्राइज मेकर है प्राइज मेकर क्यों है ये सिंगल फर्म है और वो अपने हिसाब से अपने प्राइजेस रखती हैं उन्हें अगर लगता है मतलब कि अगर वो हाई प्राइज भी रख दे तो भी बिकॉज वो सिंगल सेलर है तो जो कंज्यूमर्स हैं वो आकर क्या करेंगे परचेज उसे करेंगे तो इसलिए हम बोलेंगे कि मोनोपोली एक प्राइस मेकर है वो अपने मन मर्जी का प्राइस रख सकती है बिकॉज वो एक जो है सिंगल सेलर होती है लेकिन अगर हम बात करेंगे इसके डिमांड कर्व की तो ये हमारा डिमांड कर्व आता है मोनोपोली का और ये जो आपका मोनोपोली है वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व उसमें हमें देखने को मिलता है ठीक है आपका जो मोनोपोली का डिमांड कर्व होगा ना वो ऐसा ही होता है जिसमें कि आप ये बोलोगे कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है तो उसके पीछे का रीजन ये होता है कि एक सेलर या एक मोनोपोली भी ज्यादा प्रोडक्ट्स को तभी सेल कर सकता है जब वो उसके प्राइजेस कम करेगा ज़्यादा यूनिट ऑफ प्रोडक्ट्स को ठीक है uh, देखो अगर जिसे ज़रूरत है वो तो हाई प्राइस पर भी परचेज़ करेगा ही करेगा लेकिन अगर वही सेम प्रोडक्ट की या कमोडिटी की प्राइसेस कम कर दी जाए तो उसके जो है ज़्यादा बायर्स हमें मार्केट में देखने को मिलेंगे तो अगर एक मोनोपोली को भी अपनी सेल्स बढ़ानी है तो उसे जो है प्राइजेस कम करने पड़ते हैं इसलिए मोनोपोली जो है उसमें आपका जो डिमांड कर वो कैसा होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है नाउ ये हो गए हमारे कुछ रीजन फॉर इमरजेंस ऑफ मोनोपोली क्यों मोनोपोली क्रिएट होती है तो गवर्नमेंट लाइसेंसिंग गवर्नमेंट ने जो है लाइसेंसिंग प्रोवाइड करके रखी है या कहीं ना कहीं किसी चीज में लाइसेंस है तो वो चीज में कोई भी जो है इजिली एंटर नहीं कर पाता है जब कोई एंटर नहीं कर पा रहा ना तभी तो मोनोपोली क्रिएट हो पा रही है बिकॉज सिंगल सिंगल लोग जो है वो काम कर रहे हैं ठीक है तो अब अगर उनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं आ रहा है तो वो जो है नेक टू नेक टक्कर हो ही नहीं रही है और कॉम्पिटिशन नहीं है दैट मींस मोनोपोली है उसके बाद में पेटेंट राइट्स पेटेंट राइट्स मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया दैट इज कोई भी न्यू इनोवेशन या कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी जो है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सेलर को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम कंपटीशन उन्हें जो है पेटेंट राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिसका मतलब ये होता है कि अगर किसी को भी वही सेम इनोवेशन या सॉरी वही सेम टेक्नोलॉजी या कोई भी चीज यूज करनी है या उसे बनाना है तो आपको जो है ओनर की परमिशन लेनी पड़ेगी अगर जो ओनर है जिसके पास ये पेटेंट राइट्स अगर वो परमिट कर दे तो आप बना सकते हो अदरवाइज आप नहीं बना सकते हो ये अगर आपने अग बनाया तो आप इलीली बना रहे हो उसे और आप पर जो है किसी भी काइंड kind ऑफ of का एक्शन लिया जा सकता है ठीक है उसके बाद मैं कार्टल कार्टल क्या होता है कि जो डिफरेंट 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 फर्म्स होती है वो सारी एक साथ में आकर एक ग्रुप फॉर्म करती है और वो जो है जब सब एक ग्रुप बनाती है तो वो सब जो है एक होकर वर्क करती है ठीक है तो ऐसे में क्या हुआ जो दो चार अलग अलग थे उन सब ने साथ में आकर एक ग्रुप बना लिया वो एक बिग फॉर्म बन गई और अब जब सारी फर्म्स एक साथ में आ गई तो उन्हें कॉम्पीट करने वाला कोई बचा नहीं तो वो मोनोपोली अपने आप क्रिएट हो गई ठीक है फिर उसके बाद में कंट्रोल ऑन रॉ मटेरियल्स ठीक है तो इन्हें कुछ रीजन की वजह से जो है मोनोपोली एमर्ज होता है या मोनोपोली हमें जो है देखने को मिलता है ओके okay? फिर उसके बाद मैं आ जाता है हमारे पास में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन सबसे इजी कंपटीशन में बोलूंगी जो कि आप डेली देखते हो ओके okay? अब सिंपल सी चीज है मैंने वॉचपेन के रखी है इसकी कंपटीटर बहुत सारी है राइट क्या सिर्फ आपको एक कंपनी का एक कंपनी की वॉच मिलती है नहीं आपको एन नंबर ऑफ कंपनीज है एन नंबर ऑफ ब्रांड्स है जो कि वॉच बनाती हैं और आपको सेल करती हैं अब ये सब क्या है ये जो मार्केट है ये क्या है दिस इज मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन एक ऐसा मार्केट प्लेस जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है ओके लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है वॉच को खरीदने वाले लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है वही वॉच को सेल करने वाले भी बहुत सारे लोग है बहुत सारी ब्रांड्स है है ना तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी हैं ये सब जो है क्या कर रहे हैं डील कर रहे हैं कुछ सेम प्रोडक्ट्स में एकदम होमोजीनियस नहीं बोलेंगे आप टाइटन की वॉच ले लो आप फास्ट फास्ट्रेक की वॉच ले लो आप फॉसल ले लो सब में कुछ ना कुछ डिफरेंट एकदम एग्जैक्टली सेम नहीं होता है ठीक है तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे जो कि डील करते हैं डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स में हर एक प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है हर एक प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ डिफरेंट फीचर है तो क्या है सब में डिफरेंस है कुछ ना कुछ येट दे आर क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ ईच अदर क्लोज सब्सिट्यूट है

इससे अच्छा ना मैं ले लूँ रेसबेरी की तो वो ठीक है वो अच्छी भी लगेगी एंड दी थिंग इज़ कि थोड़ी ब्रांडेड भी है और बहुत ज़्यादा प्राइस भी नहीं है डिफरेंस राइट आपने क्या किया आपने जो है यहाँ पर कंपैरिजन किया यहाँ पर जो है आपको जो सही लगा आपने वो चीज़ खरीदी राइट right? तो बेसिकली आपका जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है ये कैसा कंपटीशन होता है ये होता है एक्चुअल में कंपटीशन इसे हम बोलेंगे कि इस मार्केट में एक्चुअल में कंपटीशन होता है और एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं आपके घर में देख लो हर एक प्रोडक्ट ओके okay, जो है वो आपको क्या आप किससे लिंक कर पाओगे आपके मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन से लिंक कर पाओगे आपके घर में जो लाइट्स लगे हुए हैं ठीक है एंड वगैरह उनके कॉम्पिटिशन है क्या सिर्फ एक कंपनी है नहीं उसमें भी आपको डिफरेंट डिफरेंट दिखेगी फिलिप्स हो गई Siska हो गई और भी चीजें ठीक है थीके? उसके बाद में आपके जो है टीवी टीवी में आपको एन नंबर ऑफ क्या दिखती है ब्रांड्स दिखती हैं ठीक उसके बाद में जस्ट फर्नीचर पर आप बैठे हो उस वो भी एन नंबर ऑफ ब्रांड्स जो है वो उन्हें सेल करती है ठीक आपके किचन में आप देखोगे इन नंबर ऑफ मसाले बहुत सारी चीजें तो वो सब कुछ उनकी भी क्या है उनकी भी डिफरेंट 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 ब्रांड्स होती है एक सेम प्रोडक्ट को सेल करने वाली बहुत सारी ब्रांड्स है और फिर उसमें से हम लोग जो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है हम डिसाइड करते हैं कि हमें किसे खरीदना है अब ये जो सारी फर्म्स होती है इनके प्राइस में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस क्यों है जब वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट एग्जैक्टली वो उनका जो पर्पस है वो तो सेम ही है तो जब वो ऐसे सेल कर रहे हैं तो फिर उनके प्राइजेस अलग अलग क्यों है बिकॉज हर एक प्रोडक्ट में एक डिफ्रेंशिएटिंग क्या होता है फीचर होता है ठीक है कि इस पर्टिकुलर वे से हमारा जो प्रोडक्ट है वो इससे अलग है कैच मसाला और एवरेस्ट मसाला ले लो ठीक है कैच बोल रहा है कि एवरेस्ट में ना ये चीज नहीं वो कैच में है एवरेस्ट बोल रहा है कि कैच की ये जो पर्टिकुलर उसमें कंपोनेंट है ना उससे हमारा वाला ये अच्छा है तो इस वे में ये कंपीट करते हैं ठीक है ठीके? और ये कंपटीशन के कारण ही फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें हमें पर्सनली कौन सा अच्छा लग रहा है और हम फिर उसे परचेज करते हैं दिस इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब इसके फीचर्स ले लो इसका मीनिंग ले लो कुछ भी ले लो मैंने सब कुछ आपको एक ही साथ में एक्सप्लेन कर दिया है अब मैं स्पीड में एक बार में हम लोग क्या देख लेंगे अपनी जो ये सारी चीजें हैं तो देखो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं मोनोपोली प्लस कंपटीशन यहां पर हर एक फर्म जो है वो उसकी डिफरेंट आइडेंटिक आइडेंटिटी है तो उसे हम बोल देंगे कि वो एक क्या हो गई मोनोपोली हो गई एक इंडिविजुअल फॉर्म को हम अलग अलग नेम से जानते हैं ठीक है उनके अलग -अलग है उनके पास में क्या है कंपटीशन है ठीक है उनके पास में जो है एकदम नेक टू नेक कंपटीशन रहता है तो मोनोपोली प्लस कंपटीशन विल गिव यू मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रिफर्स मार्केट सिचुएशन एंड सेल क्लोजली रिलेटेड बट डिफरेंटेड प्रोडक्ट ये कुछ आप एग्जाम्पल्स देख सकते हो मैगडी एंड बर्गर किंग ठीक है यहां पर टेक्सी अलग अलग उसकी आ जाएगी क्लोथिंग ब्रांड में देखो कितनी सारी ब्रांड है उसके बाद में आ, और भी हो गए आपके होटल्स हो गए रेस्टोरेंट्स हो गए हेयर ड्रेसिंग हो गई आपको कहाँ पर जाना है किससे पास से क्या काम करवाना है किससे कौन सी सर्विस लेनी है आप किसी भी चीज़ में ले लो ठीक है आप ये देख लो हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है एन नंबर ऑफ बैंक एक्सिस बैंक आईसीआईसीआई एस बी पंजाब नेशनल बैंक किस में हमें जाना है वो हमारी मर्जी हो जाती है ये सारे जो है ये कंपीट करते हैं आपस में कोई बोलता है हम आपका जो है जीरो बैलेंस पर सेविंग्स अकाउंट खोल देंगे कोई बोलता है कि हम आपको सेविंग्स अकाउंट पे इतना दे देंगे परसेंट ठीक है इतना परसेंट ऑफ रिटर्न दे, दे देंगे उस बैंक में ये नहीं मिलता इसमें ये नहीं मिलता नहीं उसमें ये दिक्कत है इसमें ये दिक्कत है हम आपको ये क्रेडिट कार्ड वो डेबिट कार्ड ये सब कुछ दे देंगे ये क्या कर रहे हैं ये कॉम्पिटिशन चल रहा है कि हमारे पास लोग आए ठीक है हमारे प्रोडक्ट्स को परचेज करें पेप्सियन कोका कोला ये क्या है एकदम नेक टू नेक ठीक है सो बेसिकली हमें इतना पता होना चाहिए कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्लोज सब्सटीट्यूट होते हैं साथ ही साथ यहाँ पर हर एक प्रोडक्ट जो है ये क्लोज सब्सटीट्यूट होने के बाद भी हर एक प्रोडक्ट जो है उसकी अपनी अपनी डिफरेंट आइडेंटिटी होती है ठीक है इसलिए एक इनके पास में जो है पार्शियल कंट्रोल भी होता है प्राइस पर पार्शियल कंट्रोल कैसे होता है पूरा का पूरा जो फॉर्म है वो अपने हिसाब से प्राइस नहीं रखती इंडस्ट्रीज जो होती है वो प्राइस बार दे देती है कि इस प्राइस से लेकर इस प्राइस तक आप जो हो इसमें इसके बिटवीन आप कोई भी प्राइस रख सकते हो आपके प्रोडक्ट्स के ठीक है तो फर्म्स जो है वो अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उसके प्रोडक्ट के फीचर्स के अकॉर्डिंग जो है को करती है फिर डिसाइड ठीक है कि उन्हें कौन सा प्राइस चाहिए है, ओके तो अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो क्या हो गया लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है यहां पर आप लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स और बायर्स भी बोल सकते हो बिकॉज बायर्स भी क्या है लार्ज नंबर के ही यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं सेकेंड चीज आप देखोगे प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन यहाँ पर प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन है हर एक प्रोडक्ट में एक डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर होता है एक चीज याद रखना मोनोपोली में आपको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन देखने को मिलता है ठीक है तो ये दोनों चीजें आप लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए कौन से पर्टिकुलर मार्केट में आपको क्या चीज देखने को मिल रही है ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन क्या होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आपको कौन से मार्केट में देखने को मिलता है एंड प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन जो है वो आपको कौन से मार्केट में देखने को मिलता है ठीक है उसके बाद में यहाँ पर होती है सेलिंग कॉस्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आप लोग देखोगे सेलिंग कॉस्ट होती है हम लोग टीवी देखते हैं उसमें अगर हम कोई भी एक चीज देख रहे हैं मूवी ले लो सीरियल ले लो कार्टून ले लो कोई भी स्पोर्ट्स का चैनल ले लो कुछ भी ले लो हर एक उसमें जो है बीच बीच में क्या आते हैं एड्स आते हैं राइट एडवर्टीजमेंट हमने हमें देखने को मिलते हैं तो वो क्या चल रहा है वो प्रमोशन किया जा रहा है जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनका प्रमोशन किया जा रहा है प्रमोशन क्यों किया जा रहा है ताकि हमें पता हो कि अच्छा इस कंपनी का ये चीज़ मिलता है और हम उसे जाकर परचेज करें वो अपने जो फीचर्स हैं वो बताते हैं कि देखो इस प्रोडक्ट में आपको ये देखने को मिलेगा ठीक है इससे ये होगा इससे ये होगा तो वो जो है ये क्या है ये सेलिंग कॉस्ट जो है इनकर की जाती है ये जो सारा प्रमोशन पे इन्वेस्ट जो आपका एडवर्टीजमेंट है इन सब पर जो भी कॉस्ट लगता है उसे हम

हर एक बायर को नहीं पता होता है कि मार्केट में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि अगर आप मुझसे पूछ लो कि मैम टूथपेस्ट की जो कंपनीज है वो कौन कौन सी है मैं बोल दूंगी देखो पिप्सडेंट है क्लोजअप है कोलगेट है मिसवाक है जाबर है पतंजलि है इतने ही याद आए मुझे तो मैंने इतने बोलती बस इतने ही होते हैं और कुछ एक दो होते होंगे पता नहीं अब वो जो एक दो होते होंगे पता नहीं मतलब कि मुझे परफेक्ट नॉलेज कुछ, कुछ है किसी में कुछ है सेम पेप्सिडेंट में आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर एंड वेरिएशन कोलगेट में भी आपको ये चीज देखने को मिलती है सो दैट मीनस की अब आपको जो है एकदम परफेक्ट नॉलेज नहीं है कि कौन सी कौन सी कंपनीज हैं जो कौन कौन से गुड्स में डील करती है और उसमें और क्या क्या वेरिएशन होते हैं अगर मैं आपको बोल दूं कि शैंपू मेकिंग कंपनीज बता दो मुझे शैंपू कौन कौन सी कंपनीज के आते हैं आप बिल्कुल नहीं बता पाओगे जितने भी आते हैं बिकॉज देयर आर मेनी और बहुत सारी हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता है ठीक है कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के घर जाते हैं किसी रिलेटिव से हमारी कोई बात होती है किसी फ्रेंड जो है वो हमें बताते हैं कि यार इस चीज का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है हम बोलते हैं कि अच्छा ऐसा कुछ भी हमें तो पता ही नहीं तो so, ये क्या है हमारे पास में lack of perfect knowledge है ये आपको monopolistic competition में हर एक जगह देखने को मिलेगा हर एक कंज्यूमर के पास में देखने को मिलेगा कि, कि किसी भी कंज्यूमर को जो है परफेक्ट नॉलेज नहीं होती है ठीक है तो lack of perfect knowledge की हमें यहाँ पर समझ में आया प्राइस डिसीजन प्राइसिंग डिसीजन मैंने अभी भी आपको बताया कि जो ये monopolistic competition होता है इसमें इसके पास में क्या है पार्शियल प्राइस कंट्रोल होता है ठीक है कि ये प्राइज मेकर हो सकते हैं प्राइस टेकर भी है प्राइज मेकर भी है टेकर कैसे है है कि इंडस्ट्री ने जो जो बार मैक्सिमम इतना इतना मिनिमम उसके बीच में जो है, हम कोई भी प्राइस रख लेंगे तो वो मिनिमम मैक्सिमम जो है वो रखने के लिए हमने ठीक है प्राइस को टेक किया है उसके बाद में यहां पर जो फॉर्म होती है वो अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो प्राइजेस है वो बनाती है तो प्राइजिंग डिसीजन में हम बोलेंगे कि मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के पास में क्या है पार्शियल कंट्रोल होता है ठीक है देन नॉन नॉन प्राइस प्राइस कंपटीशन कंपटीशन पर ज्यादा चलता है जैसे कि सेलिंग कॉस्ट वगैरह हम कितना प्रमोट कर रहे हैं हम कितना एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं हम और जो है बिना प्राइस के क्या इंसेंटिव वगैरह दे रहे हैं जिससे कि जो एक कंज्यूमर है वो हमारे पास में आ रहा है तो ये जो है नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन ठीक फिर तो उसके बाद में आता है डिमांड कर्व ये कॉम्पिटिशन डिमांड कर्व बन जाता है जो कि एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा बिकॉज वी नो कि हम ज्यादा डिमांड कब करते हैं जब प्राइजेस कम होते हैं तो इसलिए डिमांड कर्व जो है वो आपका कैसा आएगा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व हमें देखने को मिलता है ओके तो आई गेस कि ये जो हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया अब जो इसका लास्ट वाला पार्ट है दैट इज ओलीगोपोली हमारा क्या है ओलीगोपोली हमारे इस चैप्टर का लास्ट वाला टॉपिक हम बोलेंगे तो अब ओलिगोपोली क्या होता है अब देखो पोलस का मतलब तो हमें पता है ओलिगोपोली को भी मैं दो टर्म्स में डिवाइड करूंगी वन इज ओलिगी एंड वन इज पोल पोलस का मतलब हमें पता है दैट इज सेलर और ओलीगी का मतलब क्या हो गया फ्यू तो ओलिगोपोली एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहां पर फ्यू सेलर्स होते हैं ठीक है बहुत लार्ज नंबर ऑफ सेलर नहीं होते हैं बट फ्यू सेलर्स होते हैं सो ओलिगोपोली रिफर्स टू अट सिशन इन विच देर आर फ्यू फॉर्म्स सेलिंग होमोजीनियस और डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट ये जो फ्यू फर्म्स हैं ये होमोजीनियस या फिर डिफरेंशियटेड प्रोडक्ट्स को क्या करती हैं सेल करती हैं ठीक है सो ओली रिफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन जहां पर फ्यू फर्म्स हैं जो कि होमोजीनियस या फिर डिफरेंशियटेड प्रोडक्ट्स में डील करती है एग्जाम्पल इज वॉट मार्केट्स फॉर ऑटोमोबाइल्स सीमेंट स्टील एल्यूमिनियम एक्सेट्रा सीमेंट बनाने वाली बहुत सारी कंपनीज है सारी बना तो सीमेंट ही रही है राइट right? और वो सीमेंट से हम घर बना रहे हैं और हर एक जो सीमेंट मेकिंग कंपनियां हर एक जो जो हम बोलेंगे कि हर एक कंपनी की या ब्रांड की जो सीमेंट है सारी ही अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो सारी ही क्या है स्ट्रॉन्ग रहती है ठीक है तो दैट मीन्स कि वो क्या कर रहे हैं वो होमजीनियस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं या उनमें क्वाइट जो है एक डिफरेंशिएटेड कंसेप्ट हो सकता है वो चीज होती है जैसे कि ऑटोमोबाइल्स में देख लो आप देखोगे कि अगर मान लो मैं दो कंपनीज ले लेते एक ले लेते हैं हम लोग मारुति एंड एक ले लेते हैं हम लोग अपनी हुडाई ठीक है थीके? अब मान लो अगर मारुति ने कोई भी एक कार लॉन्च की है तो सेम आइडेंटिकल चीज की वो उस पर्टिकुलर कार को कम्पीट करने के लिए हुडाई जो है वो भी एक कार लॉन्च कर देगा तो दैट मींस या फिर अगर हुडाई ने किया तो वो मारुति कर देगा तो दैट मींस कि जो सेम सेक्शन चल रहा है कि भाई हम इस पर्टिकुलर रेंज में और ये सारी फैसिलिटीज के साथ में एक कार बना रहे हैं तो वैसी ही आपको एक दूसरी कंपनी में देखने को मिलेगी अगर एक कंपनी ने कोई एक्स लॉन्च की है तो सेम नेक्स्ट कंपनी में आपको एक एक्स्यू लॉन्च होती हुई दिख जाएगी ठीक तो है तो दैट मीन वॉट की ये यहां पर भी एकदम जो है एक नेक टू नेक क्या चलता है कॉम्पिटिशन चलता है ये होमोजीनियस हम बोल सकते हैं एट टाइम्स वो कभी होमोजीनियस हो भी जाती है बट एट टाइम्स वो जो है डिटेड भी होती है ठीक है यहाँ पर जो है भी हमें देखने को मिला कुछ ना कुछ ना थोड़े बहुत फीचर्स में डिफरेंस देखने को मिल सकता है ठीक है तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल वगैरह हो जाते हैं अब इसके आते हैं टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली तो टाइप्स में बेसिकली क्या क्या टाइप हो गए प्योर और परफेक्ट ओलिगोपोली व्हाट इज प्योर और परफेक्ट ओलिगोपोली ऐसी फर्म्स जो कि होमोजीनियस प्रोडक्ट में डील करती है वो होती है आपकी प्योर या फिर परफेक्ट ओलिगोपोली इसके जो टाइप्स है या आप लोगों को याद रखने और ये आप लोगों को पता होने चाहिए ठीक है तो होमोजीनियस प्रोडक्ट दैट इज प्योर और परफेक्ट ओलिगोपोली हो जाएगा वही हम इम की बात करें तो देखो परफेक्ट का अपोजिट क्या हो गया? Imperfect हो गया गया या फिर हम imperfect को जो है डिफरेंशियटेड ओलिगोपोली भी कह सकते हैं तो ये वो फर्मस होती है जो कि डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट को करती है प्रोड्यूस ठीक है फिर उसके बाद में आता है आपका कॉल्यूजिव ओलिगोपोली वोल्यूजिव ओलिगोपोली कल्यूड होके ठीक है ग्रुप बना दिया कल्यूड होके जो ओलिगोपोली uh, हमें देखने को मिलती है वो होती है आपकी ओलिगोपोली सो फर्म्स ईच अदर इन डिटरमाइनिंग प्राइस ऑफ आउटपुट और बोथ ठीक है तो ये होती है आपकी कॉल्यूजिव ओलिगोपोली और नॉन कॉल्यूजिव क्या होगी जहां पर फर्म्स जो है वो कोलाइड नहीं करती हैं वो एक साथ में नहीं आती है वो होती है आपकी नॉन कॉल्यूजिव ओलिगोपोली तो ये क्या होता है ये बनते हैं हमारे कुछ टाइप्स ऑफ़ ओके, आई होप सो ये चीज़ क्लियर है आप लोगों को ना नाते फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली अब जो मतलब में आए, वही कुछ हमारे फीचर्स बनते हैं जैसे कि फर्स्ट वाला आता है कि हमारा फ्यू फॉर्म्स बहुत ही अच्छे से पता है कि ओलिगोपोली में फ्यू फर्म्स होती हैं उसके बाद में इंटर डिपेंडेंस जो ये सारी फर्म्स है वो एक दूसरे के ऊपर क्या होती है इंटर डिपेंडेंट होती है आप लोग ओलिगोपोली में देखोगे कि, कि प्राइस कंपटीशन नहीं चलता है ओलिगोपोली में नॉन प्राइस कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा ये दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है कैसे रिलेटेड है अब ये समझो देखो जैसे कि अगर मैं ऑटोमोबाइल या मैं कार का एग्जाम्पल ले लू तो अगर हुए ने जो है कोई एक पर्टिकुलर प्राइस रखा से सिक्स लाख ठीक है अब वो सिक्स लैख के आसपास ही जो दूसरे उसके कॉम्पिटिटर्स हैं वो सेम कैटेगरी जो है उसके प्राइजेस रखेंगे रीजन बींग की Uh, अगर वो सिक्स लाख ,00 के जगह पर कोई और फर्म जो है अगर उसके एट लैक्स ,00 रख दे तो ये बहुत बिग डिफरेंस हो जाता है 7 ,00 रख दे तो ये बहुत बिग डिफरेंस हो जाता है है ठीक तो इसलिए जो है बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए जाते हैं प्राइजेस जो जो है वो सारी फर्म जो है वो वो सारी एक साथ में डिसाइड कर कर चलती है ठीक है कि देखो हमें जो है ना ऐसे ऐसे प्राइजेस रखने या थोड़ा बहुत जो है वो एक दूसरे को देख चलती है अगर एक फर्म जो है अपने जो भी प्रोडक्ट है अगर उसके प्राइस बढ़ा देना तो उसकी वजह से दूसरे अपने प्राइजेस बढ़ाती नहीं है लेकिन अगर एक फर्म ने कम किए तो दूसरी फर्म जो है वो अपने प्राइस जरूर कम कर देती है रीजन ये है ये जो थोड़े बहुत डिफरेंस है अब देखो अगर टेन थाउजेंड ट्वेंटी करें तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है और ना ही ये बहुत बड़ा डिफरेंस फर्म्स के लिए होता है लेकिन अगर वही चीज जो है आप थोड़ा ज्यादा डिफरेंस अगर हो जाएगा तो फिर जो आपकी जो भी आपके कस्टमर्स है वो उस प्राइस को बहुत देखेंगे ठीक है क्योंकि ये बहुत बिग बिग अमाउंट आपको पे करने पड़ते हैं जहां पर आपको दस बीस रुपए देने की बात करते हैं, तो ये बहुत मैटर करती है इसलिए हर एक फर्म जो है वो एक दूसरे के ऊपर क्या होती है एक काइंड ऑफ इंटरडिपेंडेंट होती है ठीक है उसके बाद में नॉन प्राइस आपको देखने को मिलता है प्राइस कॉम्पिटिशन ज्यादा नहीं किया जाता है नॉन प्राइस कंपटीशन किसी भी काइंड ऑफ के इंसेंटिव्स दे दिए कोई भी काइंड ऑफ ऑफ दे दिया डिस्काउंट्स दे दिए कुछ भी पर्क्स एंड गिफ्ट्स दे दिए जिससे जो है आपको आपके कस्टमर्स मिलते रहे ये जो है आपका ओलिगोपोली में प्राइस कंपटीशन ज्यादा नहीं किया जाता है यहाँ पर नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन होते हैं ओके सीजन सेल या इस फेस्टिवल पे ये डिस्काउंट वो डिस्काउंट ये सब कुछ आप देखते ही रहते हो तो ये जो है ये सब कुछ नॉन प्राइज कॉम्पिटिशन होते हैं उसके बाद में बैरियर्स टू एंट्री ऑफ फर्म्स यहाँ पर जो फर्म्स है वो बहुत ही इजीली एंट्री नहीं कर पाती है एंट्री के लिए इंडस्ट्रीज है आपको सुनाई देते हैं कोई भी आप ऐसा नहीं देखते हो कि भाई ये कोई एक न्यू कंपनी इसका जो है आपको क्या देखने को मिल गए कार्स या ऑटोमोबाइल्स देखने को मिल गई ये चीज नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर जो है एंट्री पर क्या होते हैं

होता है

आप जब कॉस्ट कम करोगे तभी आपकी जो है डिमांड बढ़ेगी ऐसा नहीं होता है ये यहाँ पर मेजर रोल होता है नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन का नॉन प्राइजिंग डिसीजन का तो इसके लिए जो आपका डिमांड कर है अंदर योर ओलिगोपोली ये इनडिटर्मिनेंट होता है वो अप डाउन अप डाउन चलता रहता है ओके okay, तो ये कुछ फीचर्स हैं किसके हमारे ओलिगोपोली के ठीक तो आई गेस कि आप लोगों को ये जो हमारे जो हमारे चारों ही फॉर्म्स ऑफ मार्केट है अच्छे से क्लियर हो गए हैं ये क्विक रिवीजन था जो कि आई होप सो कि मैंने बहुत ही क्विकली आप लोगों को जो है कंप्लीट करवा दिया है विद दिस हम लोग आते हैं अपने इस वाले जो हमारा चैप्टर था दैट इज नॉन कॉम्पिटेटिव मार्केट इसके क्विक रिविजन के एंड पर अब जाने से पहले एक चीज मैं आपको जरूर बोलना चाहूंगी कि जो हमारा मैग्नेट ब्रेन है वो अब हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी अवेलेबल है उसके लिए हमने फोकस्ड एक चैनल बनाया है दैट इज मैग्नेट ब्रेन हिंदी जहां पर आपको हिंदी मीडियम कोर्सेज अवेलेबल मिलेंगे ओके okay? हर एक सब्जेक्ट जो है हर एक क्लास के वो हिंदी में वहां पर आपको पढ़ाए जाते हैं तो आपको क्या करना है इस चैनल को आपको करना है शेयर ऑल्सो इस चैनल को करना करना है आपको सब्सक्राइब ताकि आपके पास में जो है टाइमली नोटिफिकेशंस जाते रहे ऑल्सो स्टूडेंट्स आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए आप लोगों की जो है सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन्स के जो वीडियोस हैं वो आप हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.magnetbrains.com या फिर जो हमारा ऐप है मैग्नेट ब्रेन्स उससे आप लोग जो एक्सेस कर सकते हो आपको सारी चीजें बहुत ही सिस्टमेटिकली अरेन्ज आपके वेबसाइट और ऐप पर मिल जाएगी बहुत कई बार बहुत प्रॉब्लम होती है कि आपको यूट्यूब पर प्ले नहीं मिल रही है या बहुत सारी चीजें होती है तो आप वेबसाइट पर चले जाओ या आप जो मैग्नेट ब्रेन का जो ऐप है वो डाउनलोड कर लो वहां पर जो है हर एक चीज जो है वो बहुत ही सिस्टमेटिकली अरेन्ज आपको मिल जाएगी ठीक है तो आप लोग वहां से भी एक्सेस कर सकते हो ऑल्सो जो यूट्यूब चैनल है उसे भी आप लोग लाइक लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहे थैंक यू